अल्किन्स और हेलो अल्किस में क्या चेंजेस हो गए हेलो अल्किस की रिएक्टिविटी कैसे फ्लक्चुएट करेगी वो किसी से कैसे रिएक्शन करेगा अल्केस से हेलो अल्किस कैसे डिफरेंट है ये सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस होती हैं फंक्शनल ग्रुप्स का ये प्रिफिक्स के फॉर्म में आएगा सारा का सारा हेलो आने वाला है आयू पी सीमन क्लेचर में क्लोरो ब्रोमो आइटो और जब कॉमन नेम लेते हैं

तो भैया स्वागत है सबका इस बैच में लक्ष्य नीट और ये हमारा बैच जिसमें अब ऑर्गेनिक शुरू होने वाला है क्लास ट्वेल्थ का. क्लास का बहुत ही प्यारा सांस एनसीआर में इसका नाम हेलो हेलो है. ऐसे लाइड, लाइड भी हम लोग बोल देते लेकिन हाँ हेलोल्स हेलोअरिंस के नाम से एनसीआर में है और इस चैप्टर के अंदर मतलब इस चैप्टर के अगर क्वेश्चन देखोगे ऐसे एनसीआर तो इस चैप्टर के कुछ चीजें हाइड्रोकार्बन से भी रिलेट हो जाती हैं लाइक वुड्स रिएक्शन और कुछ चीजें से भी आ जाती है तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ट्वेल्थ क्लास से स्टार्ट हो जाती है क्लास की ऑर्गेनिक से स्टार्ट हो जाती है तो ये लिंकअप करता है लाइक क्लास इलेवेंथ के साथ और ट्वेल्थ तो ऑब्वियस है ट्वेल्थ के रिएक्शन में आगे आता ही जाएगा तो ये सीरीज में हम लोग ट्वेल्थ क्लास की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने वाले हैं और न्यू सिलेबस के हिसाब से प्रैक्टिकल केमिस्ट्री रिलेटेड टू ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ये सब कुछ कुछ ही बात करेंगे इस इस पूरे सीरीज सीरीज में आज उद्घाटन मतलब बोल सकते हैं कि का क्लास 12 चालू हो रहा है तो यहां पर चीजें मैं मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से और मैं चाहूंगा जैसे पहले इस चैप्टर में देखते हैं तो पूरा हम एक में फिनिश करेंगे। फिर करने वाले है। और तो एनसीईआरटी में क्या किया गया कि हेलो किस की प्रिपरेशन हेलो की प्रिपरेशन फिर उनकी केमिकल बॉडीज ऐसे करके एक्सप्लेन किया गया है हम लोग फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग पहले हेलो फिनिश करेंगे ताकि जब हेलो पे आएंगे तो जो चीजें कॉमन होंगी वो आपका रिविजन होता रहेगा ठीक है दूसरा उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस चैप्टर में आएगा अगले चैप्टर में आएगा ये यहां पर पढ़ेंगे तो मैं बार बार बोल रहा हूं ऑर्गेनिक में बेटा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है अगर आप डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ हेलो हैलोअल्किस पढ़ते हो तो अल्किन्स का प्रिपरेशन है यहाँ पर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है या फिर अल्कोहल का सब्सटिट्यूशन पढ़ते हो तो यहाँ पर वो प्रिपरेशन होता है अल्कोहल के केस में उसकी रिएक्शंस हो जाती हैं तो ये बेसिक डिफरेंस ऐसा बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आएगा जैसे आप किसी और जगह पे देख रहे होते हैं यहाँ पर क्या है सब चैप्टर इंटर रिलेटेड है अगर आप यहाँ पर आज कुछ पढ़ोगे तो वो अगले चैप्टर में भी रिपीट हो सकता है तो वहां पर हम एक बोल सकते हैं कि एक दूसरे को समझते हुए तो हाँ, किटोन में आएगा हर एक चैप्टर में आ रहा होगा सर उसके बाद पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स का एनसीईआरटी में यूजेस दिया गया है रिएक्शंस और ये सब चीजें नहीं दी गई हैं तो हम स्टिक टू द एनसीईआरटी रहेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा ठीक है और केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वास्ट चीज है तो हमें जितना काम का है उतना पढ़ना है जैसे आ, जहां तक मैंने देखा है कि आपको जो आयडोफॉर्म फॉर्म इन सबकी बेसिक प्रिपरेशन हमें आ जाएगी क्योंकि एल्डिहाइड में भी आता है में आता है वहां से मैं टेंशन नहीं ली बस यूजेज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जब आप सिलेबस देखते हो जो अभी नया सिलेबस एन एम सी ने एन टी ने अपडेट किया है उसमें यूजेज ऑफ पॉली हेलोजन कंपाउंड काफी ज्यादा फोकस किया गया है में बहुत छोटा सा है इस चैप्टर के अंदर लेकिन हर एक जगह यूज होगा इसलिए हम इसको यहाँ से अच्छे से कर लेंगे और चौथा टॉपिक इनके यूजेज इंपॉर्टेंट है वो हम लोग करेंगे तो इस चैप्टर के अंदर मेजर मैंने जो क्लासिफाई किया वो चार पोर्शन है पॉलीहेलोजन कम्पाउंड की यूजेज मेजर है ओके चलो अब ये चैप्टर की बात कर लेते हैं बात करते हैं कैसे तो हमारे पास जैसे इस चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं इस चैप्टर में लेकिन इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन देते देते ही देते, मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आपको इलेवंथ का ऑर्गेनिक तो एक एक आप अगर इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो एक वीक के अंदर आप प्राइ प्लीज ट्राई करना कि इलेवंथ का कहीं से भी वन शॉट देख लीजिए लाइक जैसे मुझे चाहिए क्या रिक्वायर्ड है मुझे रिक्वायर्ड किसका रिवीजन है रिक्वायर्ड रिवीजन आपको इस टाइप के टॉपिक्स को करने के लिए मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि रिवीजन किसका चाहिए किसका तो अगर आप हो सकता है ऐसे नोम क्लेचर में यहां पे जैसे जैसे आएगा मैं बताता जाऊंगा जैसे हेलो में उनका बता दूंगा बेंजीन बेन्जीनो अल्कोहल फिनोल का, का जैसे, जैसे जैसे आएगा वो बता दिया जाएगा लेकिन अगर आता है तो अच्छी बात है नहीं तो कम से कम जैसे बेसिक्स ऑफ बेसिक्स में अगर आइसोमरिज्म की बात की जाए क्योंकि इस चैप्टर में स्टीरियो केमिस्ट्री आएगी आइस्टीरियो केमिस्ट्री आएगी स्टीरियो केमिस्ट्री सिस ट्रांस ये सब वर्ड यूज होंगे तो आइसोमरिज्म आपको आना चाहिए नहीं आता होगा जितना हिंट मुझे लगता है मैं दे सकता हूं मैं दे दूंगा दूसरा इसको करने के लिए आपको जो अगर टाइम मिलता है तो जीओसी अपने पास जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब जिसके अंदर वो सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आते हैं जितने इसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आते हैं बेटा वो आपको पता होना चाहिए अगर आपको ये सब आता है तो फिर आपको ये चैप्टर करने में कोई ज्यादा टेंशन नहीं होगी क्योंकि अब मैं इलेवेंथ नहीं इलेवेंथ का ये टॉपिक टच नहीं कर रहा हूं तो इसलिए मैं बोल रहा हूं अगर आपको चाहिए तो रिक्वायर्ड रिवीजन इसका होना चाहिए जीओसी के अंदर थोड़ा सा रिएक्शन मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए बाकी मैं यहां पर जो इस चैप्टर के अंदर आएगा रिएक्शन मैकेनिज्म उन सबकी बातें मैं कर लूंगा रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब जैसे आ, बोल सकता हूं कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बो कैटाइन ये सब आपको पता होना चाहिए रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बो कटायन अब ये पता होना चाहिए कि कार्बो कटाइन का रीअरेंजमेंट कैसे होता है नहीं आता होगा तो मैं यहाँ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा दूंगा लेकिन हाँ अगर आप रिवाइज कर सकते हैं तो रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि आप जब इस चैप्टर को और ज्यादा ग्रो मतलब रिवीजन करने भी टाइम है नीट के एग्जाम हॉल में जाने से पहले टाइम है तो जितना हो सकता है ये चीजें कर लीजिएगा रीअरेंजमेंट हो गया फ्री रेडिकल्स कैसे होते हैं फ्री रेडिकल्स का क्या रिएक्शंस होता है लाइक like, वो डिस्प्रपोशनेशन करते हैं कॉम्बिनेशन दिखाते हैं टू डिग्री वाले थ्री डिग्री वाले कौन से स्टेबल होते हैं कौन से नहीं होते हैं ये सब बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए रिएक्शन मैकेनिज्म में ये चीज़ें और बाकी अगर मैं बोलूँ कि पीरियडिकल रिएक्शन हो गई या रियमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन हो गया स्टेबिलिटी ऑर्डर ये सब पता होना चाहिए आपको इतना ही मुझे रिवीजन में आपसे चाहिए ठीक है इतना ही मुझे रिवीजन में आप ट्वेल्थ क्लास के ऑर्गेनिक चालू करना चाह रहे हो तो मैं आपसे बोलूँगी इतना तो आप कम से कम बेसिक आपको आना चाहिए अगर आपको आता है तो आराम से इस चैप्टर को फॉलो कीजिए इस सीरीज को फॉलो कीजिए अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं ऐसा नहीं छोड़ दिया नहीं आप बस क्या करो यहाँ पर रिएक्शंस चालू हो गए देखो जो बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना वो क्लास इलेवेंथ के अंदर हो जाती है जी इन सब के अंदर हो जाती है यहाँ पर हम क्या करते हैं कंपाउंड्स पढ़ना शुरू करते हैं लाइक जैसे अब हम लोग यहाँ बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन में जैसे हम बात कर रहे हैं मान लो हेलो अल्केन्स की बात कर रहे हैं तो हेलो अल्केन्स क्या है सर कुछ नहीं हेलो अल्केस कुछ नहीं अल्केस सबको पता है अल्केस सबको पता है कि सर अलकेस क्या होंगे मान लो ये हम सब लोग जानते हैं कि ये क्या है इथेन है ये क्या है इथेन है ये सबको पता है सर इसका जनरल फॉर्मूला या इसका फॉर्मूला क्या होगा सी टू एच सिक्स होगा सर ये अल्कीन है अल्कीन हमें पता है बस हेलो का मतलब कुछ नहीं अल्कीन को आके हेलोजन कंपाउंड मतलब सर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो और यहाँ पर क्या लगा दो सर एक हेलोजन कंपाउंड लगा दो एक हेलोजन कंपाउंड लगा दो ये हेलो अल्कीन हो गया हेलो अल्कीन इज नथिंग क्या हो जाएगा रिप्लेसमेंट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन मत मत रिप्लेस कर देना भाई आजकल सर रीजन रिजन इस टाइप के क्वेश्चन खूब आते हैं तो ऐसा मत लिख देना हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट मैटर करता है भाई हेलोजन हेलोजन अब ये मत बोल मतलब क्या होता है सर भाई इतना बेसिक अब ट्वेल्थ क्लास में हो और ट्वेल्थ की भी हम लोग नवंबर एंड हो रहा है तो अब दिसंबर में ही बात कर रहे हैं नवंबर एंड में बात कर रहे हैं तो भैया यहाँ पर अब एक मत बोल देना कि सर ये सब क्या है इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि हेलोजन होते हैं ग्रुप सेवनटीन के होते हैं ठीक है चल अगर हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कर दे हैलोजन तो उसको क्या बोलेंगे हेलो किसमें इन 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 हाइड्रोकार्बन्स अब या यहां पर हम लोग में बात कर रहे हैं तो अल्केन ही लिख देता हूं ऐसे सेचुरेटेड या

यहां पर भी सेम डेफिनेशन होगी रिप्लेसमेंट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय हैलोजन बाय हैलोजन इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हो जाए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हो जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलना शुरू करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलना शुरू करेंगे सर हाइड्रोकार्बन में तो ये हो जाएगा मान लो ये क्या है बेंजीन है ये क्या है बेंजीन है और अगर इसी के ऊपर अगर इसी के ऊपर मैं एक्स लगा दूं ठीक है तो ये क्या हो जाएगा हेलो हो जाएंगे हेलो एरिंस हो जाएंगे ठीक है तो बेसिक इंट्रोडक्शन ये है कि भैया अल्किन्स या अल्किस या, या हाइड्रोकार्बन के अंदर अगर आप हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या करते हो हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हो हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हो किससे किससेलोजन से तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे हाइड्रोकार्बन में और अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में करोगे तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे हेलो एरिंस ओके ये बेसिक चीज है हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ते हैं देखो भाई ऑर्गेनिक जो स्टार्ट होती है स्टार्ट होती है इसमें रिजम आता है ये बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये सबके लिए वैलिड है अब से जो ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है उसमें क्या होता है कंपाउंड पढ़ने की हैलो अल्किसो है, अल्किस में क्या चेंजेस हो गए हैलो अल्किस की रिएक्टिविटी कैसे फ्लक्चुएट करेगी वो किसी से कैसे रिएक्शन करेगा अल्किन से हेलो अल्कि कैसे डिफरेंट है ये सारी चीजें यहां डिस्कस होती हैं मतलब कंपाउंड कैसे बनते हैं मतलब हम सब लोग जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी ट्वेल्थ क्लास की पढ़ेंगी तो हम सब लोग एक ही दो चीजों पर वर्क करेंगे एक हम लोग पढ़ेंगे कि सर प्रिपरेशन कैसे होता है किसी भी कंपाउंड का प्रिपरेशन कैसे होगा प्रिपरेशन कैसे होगा दूसरा सेगमेंट जो हम लोग पढ़ेंगे चाहे वो किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं अमींस तक बता रहा हूँ आप कभी भी पढ़ते हो तो हाइड्रोकार्बन से सिलसिला चालू हुआ प्रिपरेशन देखते हैं फिर हम लोग देखते हैं कि भैया फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं लोगों की फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे होगी रिएक्शंस केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे होंगी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे होंगी और कहीं कहीं पे कुछ कंपाउंड्स कुछ ज्यादा ही अच्छे मिल जाते हैं तो उनके हमें क्या पढ़ने होते हैं यूजेस पढ़ने होते हैं ये सारा का सारा यही चार पार्ट आपको सर से लेकर से लेकर अल्किस अलकाइंस आपने सबने पढ़ रखा है क्लास इलेवेंथ से लेके आप बेंजीन आप अब ये क्लास इलेवेंथ में आपने ये सब किया हुआ है इलेवेंथ क्लास में अब ट्वेल्थ क्लास में ये इसका ब्रॉड पैरामीटर आ जाएगा मतलब हम लोग जो करेंगे वो यहाँ से चालू होगा हेलो कंपाउंड से लेके हेलो अल्के से लेकर हेलो अल्के से लेकर अब हमें क्या करना है हेलो अल्केस हेलो अन्स का प्रिपरेशन देखना है पूरा एक जो ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग माइंड मैप ड्रॉ कर रहे हैं कि हाँ ऐसे हम लोग चलने वाले हैं हमारा क्लास ट्वेल्थ का ऑर्गेनिक ऐसे चलेगा एंड चलेगा। फिर हमारा अल्डिहाइड और कीटोन अल्डिहाइड एंड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ये हमारे अगले जो चार चैप्टर है मतलब आज का मिला के ये जो चार चैप्टर है अमींस यही हम लोग इनके अंदर यही सब चीजें पढ़ने वाले ये सब कुछ हमारा क्लास ट्वेल्थ का है ये क्लास ट्वेल्थ का है तो ये हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे आजकल एक नई चीज एडेड है वो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो भी हम लोग इसमें फिनिश करेंगे प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेकिन उसमें प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रिपरेशन में इसकी जरूरत नहीं है वो अलग कहानी हम लोग जो प्रिपरेशन पढ़ेंगे केमिकल बॉडीज फिजिकल बॉडीज यूजेस करेंगे वो सारे इन लोगों का क्लास ट्वेल्थ में करेंगे इसके अलावा दो चैप्टर और आएंगे बायोमोलिकल्स और हमें प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है बायोमोलिकल्स करना है वो तुम लोगों के लिए ऐसे ही नीट वालों के लिए तो बायोमोलिकल्स और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये दो पोर्शन अलग से हम लोग करेंगे तो ये हमारा पूरा एक माइंड मैप है कि भैया हम यहां से इस तरह से चलेंगे मैं आपको बेसिक बात कर रहा था कि मुझे रिवीजन के लिए जैसे बहुत सारे होते हैं कि सर रिवीजन क्या करना है मैं पहले ही बता चुका हूं ये लिस्ट आपके पास है इसको पढ़ लीजिएगा नहीं पॉसिबल है नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं बस बने रहो साथ साथ में जहां जहां मौका मिले वहां वीडियो पॉज पॉज कर करके रिएक्शन अटम्प्ट कर लेना ये क्लास रिकॉर्डेड है इसका मतलब ये नहीं कि हमारे इंटरेक्शन नहीं है आप सिंपल सा वीडियो पॉज करते रहना और वीडियो पॉज करके क्वेश्चन अटैप्ट करना जहां पर मैं लिख के दे रहा वहां क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए कीजिएगा ताकि आपको साथ साथ में क्योंकि यहाँ न्यूमेरिकल्स नहीं है न्यूमेरिकल होता है तो क्या होता क्या है यार सर इसमें फॉर्मूला है यहाँ यहाँ बेटा आप एकदम आजाद हो कोई न्यूमेरिकल नहीं कुछ नहीं लेकिन हाँ काम की चीजें हैं क्या है सर रिएक्शंस मिलेंगी उनकी केसेस मिलेंगे उनके यूजेज मिलेंगे जो कंपाउंड बन रहे हैं वो कैसा है ये सब चीजें हमें मिलने वाली है

इनकी बात करते हैं इनकी क्लासिफिकेशन भैया एक अलग ही लेवल पे है इनकी क्लासिफिकेशन सबसे पहले अगर हम करने चले इनकी क्लासिफिकेशन अगर ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री करने जाए तो डिग्री क्या होगा डिग्री ऑफ कार्बन आप सब लोग जानते हैं ऑन द बेस ऑफ डिग्री कैसे करते हैं तो अगर मैं बोलूं वन डिग्री हाइलोजन है वन डिग्री हल्का है या कैसे करना है तो हम लोग सबसे पहले प्राइमरी हेलाइट देख सकते हैं प्राइमरी या वन डिग्री हलाइट ये प्राइमरी हेलाइट क्या होते सिंपल सा सर जब कुछ नहीं जहां एक्स हेलोजन हेलोजन मतलब एक्स मतलब बेटा याद रखिएगा एक्स मतलब हेलोजन अटैच टू कुछ नहीं करना अगर कार्बन की डिग्री वन डिग्री कार्बन इन द मोलिक्यूल अगर वन डिग्री कार्बन से अटैच्ड है हमारा हेलोजन तो उसका डिग्री क्या हो जाएगा प्राइमरी हाइलाइट हो जाएगा तो सर याद रखिएगा अगर मैं बताऊं आपको कि भैया ध्यान क्या रखना है ध्यान क्या रखना है ध्यान रखना है कि अगर आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ डिग्री हो रहा है तो किस पे किस पे होगा ये देख लो क्या क्या हो जाएगा क्या क्या हो जाएगा जैसे मैं अगर तुम्हें बोलता हूं ये हेलोजन अटैच है किस कार्बन से तो देख लो किस कार्बन से होगा डिग्री से कैसे सर इस कार्बन की डिग्री कैसे पता होगी सर ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है डायरेक्टली सर ये वन डिग्री से है कनेक्टेड क्या तो ये क्या है प्राइमरी हेलाइड है ये क्या है प्राइमरी हेलाइड है प्राइमरी हेलाइड है सर अगर मैं इसको बोलूं देखना ध्यान से

भैया नोट्स नहीं लिखने हैं अगर नोट्स लिखने की कोशिश कर रहे हो तो भाई ये सारा पीडीएफ आपको आपके ऐप में मिल जाएगा प्लीज वहां से नोट्स डाउनलोड कर लो अगर अदरवाइज स्कूल के लिए जरूरत है तो लिखो अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं आप आराम से इसको बस रिविजन पर्पज के लिए उसके लिए यूज करो एनसीईआरटी में डालना एनसीईआरटी में डालो कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन से करो यहाँ पर क्या होगा हेलोजन किससे अटैच होगा हेलोजन किससे अटैच्ड होंगे हेलोजन अटैच टू अगर हैलोजन अटैच हो गया किससे सर टू डिग्री कार्बन से अगर टू डिग्री कार्बन से अटैच है तो उसी को क्या बोलेंगे सेकेंडरी जैसे अगर मैं ये एग्जाम्पल देता हूं अगर मैं ये एग्जाम्पल देता हूं अब ये देख लो ये कार्बन की डिग्री हेलोजन किससे अटैच है बगल अगल से मुझे मतलब नहीं इसको देखो ये कार्बन कितने डिग्री है टू डिग्री है क्या तो सर ये सेकेंडरी हो जाएगा ये सेकेंडरी हो जाएगा अगर मैं और कुछ बनाऊ बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर सबको आता होगा शायद अगर बॉन्स स्ट्रक्चर आता है देखो ये ब्रोमीन यहाँ जुड़ा हुआ है इस कार्बन से तो इस कार्बन की डिग्री क्या हो जाएगी इस कार्बन की डिग्री कितनी हो जाएगी देख लो इधर कार्बन है इधर कार्बन है ये कितना है टू डिग्री है क्या तो ये सब क्या हो जाएंगे सेकेंडरी हेलाइट हो जाएंगे प्राइमरी हेलाइट सेकेंडरी हेलाइट्स और और प्राइमरी हो गया सेकेंडरी हो गया वन डिग्री हो गया टू डिग्री हो गया वन डिग्री टू डिग्री तो भैया अब किसकी बात की जाएगी थ्री डिग्री की या टर्शरी हेलाइट्स की हैलाइड्स की टर्सी हैलाइड्स की टर्सी हैलाइड्स कैसे डिसाइड होगा तो सर वही बात है कि हेलोजन यहां पर किससे अटैच होंगे हेलोजन अटैच होलोजेंस अटैच थ्री डिग्री कार्बन थ्री डिग्री कार्बन से अटैच होगा तो वो क्या बोल देंगे टर्सी हेलाइट तो ये रहा भाई ये देख लो ये टर्शी काबन हो गया टर्सी काबन हो गया थ्री डिग्री काबन हो गया तो सर ये क्या हो गया थ्री डिग्री हेलाइड हो गया कि सर ये क्या है सर तर टर्शी हेलाइड है टर्सरी हेलाइड है थ्री डिग्री हलाइड है अब ये चीज कहीं भी हो सकती है ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई बोले कि नहीं सर ये देखिए ये भी क्या है थ्री डिग्री हेलाइड क्यों क्योंकि देख लो अपने पास दिख रहा होगा सर ये सब के सब क्या हो गए थ्री डिग्री हलाइड, हलाइड हो गए मतलब अगर कोई भी हेलोजन में आता है अमींस में क्या होता है कि नाइट्रोजन की डिग्री देखी जाती है नाइट्रोजन का मतलब नाइट्रोजन कितने कार्बन से फंक्शनल ग्रुप को देखा जाता है फंक्शनल ग्रुप कितने कार्बन से अटैच है लेकिन यहाँ पर चाहे अल्कोहल हो चाहे आगे जाके हमें कोई भी मिलेगा जो भी बेसिक वाले तो उन सब में क्या होता है हम कार्बन की डिग्री देखते हैं हमें इस कार्बन की डिग्री देखनी है कि भैया कौन कितने से कनेक्टेड है तीन कार्बन से कनेक्टेड है टर्शियरी है थ्री डिग्री हैलाइड हो जाएगा तो पहली क्लासिफिकेशन ध्यान रखिएगा कि सर किसकी बेस पे ऑन द बेस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन या ऑन द बेस ऑफ डिग्री ठीक है दूसरी क्लासिफिकेशन दूसरी क्लासिफिकेशन अगर हम बात करते हैं दूसरी क्लासिफिकेशन तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन्स हेलोजन्स कितने हेलोजन्स एडेड हैं कितने हेलोजन्स हैं मतलब हमने सब ने शुरुआत में देखा कि भैया हेलोजेंस के कारण ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन्स की कितने हेलोजन्स हमने ऐड किए हैं मतलब ध्यान सुनिएगा अगर एक हैलोजन एडेड है अगर एक हैलोजन एडेड है तो सर हम लोग उसको क्या बोल देंगे मोनो हैलाइड्स अगर एक हैलोजन एडेड है मोनो हैलाइड्स अगर एक हाइड्रोजन एक हैलोजन से रिप्लेस हुआ है मोनो हैलाइड्स मोनो हैलाइड्स मतलब वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया हाइड्रोजन से एक्स मतलब बारह बोल रहा हूं है, भाई ये क्रॉस मत कर देना बारह बोल रहा हूं भाई प्लीज ध्यान दे देना अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए एक्स से मतलब ये देखना अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं यहां पर एक हाइड्रोजन रिप्लेस अगर यहां को कोई बोल दे तो ये क्या है मोनोहैलाइट है मोनोहैलाइट मतलब एक कार्बन एक कार्बन एक हाइड्रोजन रिप्लेस कार्बन नहीं हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए एक से, सिर्फ एक हाइलोजन आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे सर सर ये वाला अगर यहीं पे बोला जाए कि डाई डाई बताइए क्या होंगे डाई क्या होंगे सर डाई हेलाइट नाम से पता चल रहा है डाई हेलाइट क्या हो जाएंगे कि सर टू हाइड्रोजन इज टू हाइड्रोजन इज टू हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय टू हेलोजन अब इसके अंदर हर एक के अंदर अपने अपने केस आ जाते हैं मान लो ये रहा अब इसमें देखना ध्यान से अब मुझे बोला गया कि सर इसके अंदर ध्यान से देखना इसके अंदर डाई हेलाइट बनाना है दो हेलोजन लगाने हैं एक दो हाइड्रोजन को हटाना है दो हेलोजन लगाने कैसे लगाऊंगा मेरी मर्जी है कोई बच्चा अच्छा बच्चा होगा बोलेगा सर एक काम करते है मतलब एक काम कर लेते हैं सर दोनों को ना इक्वल इक्वल देखो कोई अच्छा बच्चा होगा बोलेगा सर हम दोनों को ना इक्वल इक्वल हाइलोजन दे देते हैं दोनों को इक्वल इक्वल हाइलोजन दे देगा तो एक तो ये हो गया डायहेलाइट इस टाइप के डायहेलाइट को हम लोग क्या बोलते हैं जो बगल अगल बगल में दिया जाए इसको हम लोग बोल देते हैं विशनल डायहेलाइट इसको हम लोग क्या बोल देते हैं विश्नल डायहेलाइट जो एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन दे दिया उसको क्या बोल देते हैं विश्नल डायहेलाइट और किसी बंदे ने बोला नहीं सर मैं तो मतलब बेईमान इंसान होगा बोलेगा अरे सर कहां लाके जा रहे हो

अगर इधर दे दोगे यही कार्बन पे दे दोगे तो जेमिनल डायट्स आ जाएंगे आगे देखेंगे अभी बहुत सारी चीजें आएंगी भी आएगा सब कुछ आएगा अभी क्लासिफिकेशन में देखो मैंने पहली क्लासिफिकेशन बताई ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री बेटा ऑर्गेनिक है यहाँ न्यूमेरिकल्स नहीं है तो प्लीज बार बार रिविजन करते रहो मैंने बोला सारे की सारी, सारी कहानी गलती से सरसन रीजन या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में हाइड्रोजन रिप्लेस करना है किसी और चीज को नहीं ठीक है याद रखिएगा हाइड्रोजन रिप्लेस करके हेलोजन लगता है तो आप ये सब चीजें पढ़ते हो ठीक है ऐसा मत बोल देना कि कार्बन हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्लोरीन लगा दिया तो उसको सर हेलो बोल रहे हैं नहीं वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ठीक है ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन मोनो डाई ऑब्वियस है अब ट्राई हेलाइट्स भी आ जाएंगे अब ट्राई हेलाइट भी आ जाएंगे ट्राई हेलाइट में भी देखोगे तो ट्राई हेलाइट्स में अपने पास तीन हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे थ्री हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे थ्री हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय थ्री हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय हेलोजन तीन हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस होंगे किससे हेलोजन से और इनको हम लोग बोल देंगे ट्राई हेलाइट ठीक है अगर एक ही कार्बन पे होते ध्यान से देख लेना अगर एक ही कार्बन पे होते जैसे सी एच फोर है और इसके तीन हाइड्रोजन हटा दिए सर तीन हाइड्रोजन हटा दिए सी एच एक्स थ्री बना दिया मतलब तीन हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए तीन हाइड्रोजन लगा दिए तीन हाइड्रोजन हटा दिए तीन हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए तो भैया पता है ये क्या बन जाता है ये मीथेन से बेचारा ये मीथेन से बेचारा क्या बन जाता है मीथेन वाला भाई इसको हम लोग कॉमन नेम इसका बोल देते हैं हेलो फॉर्म हैलो फॉर्म बोल देते हैं क्या नाम देते हैं इसका हैलो फॉर्म जैसे इसको अगर आई पी नेम बोलोगे या ये बोलोगे तो ट्राई हेलो मीथेन बन जाता है सर सोचो ना एक ही बंदे को ये इसका कॉमन नेम है ये इसका कॉमन नेम है इसको नाम देते हैं हेलो फॉर्म कैसे अरे सर देखो ना अगर क्लोरीन लगा दिया तो क्लोरोफॉर्म ये सब ने गोविंदा वाली मूवीज में देखा होगा अगर पहले वाली मूवीज देखोगे तो क्लोरोफॉर्म यूज करता है बेहोश होश करने के लिए क्लोरोफॉर्म देखा हो बॉटल वोटल पे ऐसे कभी गोविंदा गोविंदावंदल टाइप की मूवीज देखो आजकल तो अब इसको हटा दिया है हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया है लेकिन हाँ पहले के टाइम पे बेहोश करने के लिए हम लोग एनेस्थेसिया के फॉर्म में यूज करते थे डॉक्टर बनो पता चलेगा अभी अपने को ये देखो अगर मैं बी आर थ्री लगा देता हूं तो इनका नाम बहुत सिंपल सा हो जाता है ये कॉमन सामन बेटा इनका कॉमन नेम क्या हो जाएगा ब्रोमो फॉर्म हो जाएगा अगर मैं आयोडीन लगा दूं तो ये आयोडो फॉर्म हो जाएगा ये आयोडो फॉर्म हो जाएगा ठीक है अब फ्लोरीन कोई बुरा मत माना चलो फ्लोरीन क्यों नहीं लगाया भाई फ्लोरीन वह ज्यादा स्टेबल नहीं तो अपने को ये ध्यान रखना है क्लोरोफॉर्म ब्रोमफॉर्म आयोडोफॉर्म ठीक है

ये भी लगा सकते हो ये भी ट्राई हेलाइट ही है तीन हाइड्रोजन रिप्लेस करके हेलोजन बन रहा है लेकिन हेलो फॉर्म वाले ज्यादा बनते हैं और ज्यादा यूज होते हैं हमारे लाइफ में इसीलिए हम उसको ज्यादा भाव दे रहे तो मेरी सेकंड क्लासिफिकेशन आई ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन कितने हेलोजन वन तो मोनोहेलाइट दो तो ट्राई हेलाइट्स तीन तो ट्राई हेलाइट ठीक है तीन ट्रिंट तो ट्राइहैलाइड अब टेट्राहैलाइड्स भी बोल सकते हैं लेकिन वो सब तुम्हें पता है सब जगह वैलिड है नहीं एक सीसीएल4 के अलावा अपने को सब जगह वैलिड होगा नहीं तो हम तीन ही हैलाइड्स लेके चलते मोनो डाई और टेट्रा ट्राई मोनो डाई और ट्राई मोनो डाई और ट्राई ठीक है मोनो हैलाइड्स डाई हैलाइड्स और ट्राई हैलाइड में दो हैं विसिनल है और जेमिनल है विसिनल है और जेमिनल है अब यहां पर इट को क्लासिफाई करते हैं ध्यान सुनना किसकी क्लासिफिकेशन बोल रहा हूं मोनो हेलाइट की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कि वो किस तरह के हाइब्रिडाइजेशन से है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अगर मोनो हेलाइट की क्लासिफिकेशन करूं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलाइट को बोले सर सब बेटा आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आप एनसीईआरटी जाके देखना जो चीज मैं डिस्कस कर रहा हूं वो सारा का सारा एनसीईआरटी में दिख जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलाइट ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रेडाइजेशन ऑफ कार्बन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रेडाइजेशन हाइब्रेडाइजेशन के ऊपर जो क्लासिफिकेशन है मोनोहाइट्स की वो ध्यान रखिएगा वो ध्यान रखिएगा मोनोहाइट्स का ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रेडाइजेशन क्या क्या है तो सिंपल सा अब यार देख लो भाई किसी ऐसा तो नहीं अब क्योंकि मतलब बारह बोल रहा हूँ कि बेसिक चीजें आपसे हाइब्रेडाइशन पता होनी चाहिए ठीक है कि कार्बन के अगर चारों बॉन्ड सिंगल है तो एसपी एक बॉन्ड डबल है तो एसपी टू हो जाएगा ट्रिपल है तो एस पी हो जाएगा तो ये बेसिक चीजें उम्मीद करता हूं कि आपको पता होनी चाहिए लेकिन हाँ अगर नहीं पता है बेटा तो थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि ये सारा ट्वेल्थ क्लास के ऑर्गेनिक बेटा इलेवंथ पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है अब किसी को लगे नहीं सर ये तो मतलब नहीं पढ़ा तो प्लीज भाई अब एस पी थ्रीडाइज अगर नहीं पता है तो थोड़ी दिक्कत आएगी ठीक है जो पहली क्लासिफिकेशन होती है सो पहला अपने पास होता है वो होता है कि सर जो टाइप होता है वो क्या होता है कि हेलोजन अटैच हो हेलोजन अटैच टू ध्यान से देख लेना अपने पास पहला जो हैलोजन अटैच टू sp3 कार्बन sp3 कार्बन जो हेलोजन होते हैं वो अपने पास अटैचन उसका क्लासिफिकेशन देखो ये भी अपने को तीन मिल जाएंगे इनमें सबसे पहले तो अपने को सबसे पहले क्या मिल जाएगा सबसे पहले मोनोहेलो मिल जाएगा क्यों क्योंकि अलकेन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है अल्केन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है सर अगर हल्केन के हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो यहाँ पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन किस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है एसपी थ्री होती है तो एसपी थ्री अटैच कार्बन से अगर हेलोजन अटैच है अभी आपको जब पता चलेगा जब हम लोग रिएक्शन करने जाएंगे तो आपको ये डिफरेंस पता चलेगा जिनको लगता है सर एस इससे क्या फर्क पड़ रहा है इसका डिफरेंस पता चलेगा बेटा अभी तो नहीं एस वाला क्लोरिन है ना तो ये इसकी रिएक्टिविटी से क्या फर्क पड़ेगा सब कुछ आपको अभी आगे चैप्टर में पता चल जाएगा ठीक है मोनो हेलो अल्केन्स हो गए सर अगर कोई बोल दे अगर आपको इसका कोई एग्जांपल देना शुरू करें ये देखिए एक होता है अलाइल हेलाइड अलाइल हेलाइड अलाइल हेलाइड का मतलब क्या है सर अलाइल हेलाइड का मतलब कि आपको ये ग्रुप याद रखना है जिसको अगर बेसिक्स याद ना हो बेटा देख लो ये जो ग्रुप होता है ये जो ग्रुप होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग एलाइल बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं एलाइल सर डबल बॉन्ड के अगले वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड के अगले वाले कार्बन पे अगर आपका हेलोजन अटैच हो जाए मैं रुक जाऊ इसको ना इस तरह से बना के छोड़ देता हूं

पक्का तो अगर आप पहली क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन करते हो तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को देखते हो कि यार कौन कौन से हैं हेलो एल्केन्स तो हैं है ही एलाइल हैलाइड तो हैं है ही तो है एलाइल हैलाइड तो है ही है और इसी के अंदर अगर मैं थर्ड कार्बन देखूं तो यहां पर मुझे मिल जाएगा बेंजाइल हैलाइड अब बेंजाइल हैलाइड भी बेंजाइल भी एक ग्रुप है बेटा जिन लोगों का बेसिक एकदम ही बकवास सा है कि नहीं सर हमें तो पता ही नहीं है तो आप एक काम कीजिएगा ये एलाइल बेंजाइल जो जो ग्रुप बता रहा हूं जो जो ग्रुप बता रहा हूं ये अल्काइल बेंजाइल अलाइड ये वाले ग्रुप्स ना आप चाहें तो याद कर सकते हैं ऐसे बेंजाइल फिनाइल ये सब चीजें आपको पता होती हैं लेकिन हाँ अगर आपको लगता है तो आप इसको ध्यान दे सकते हैं ये जो ग्रुप होता है ये जो ग्रुप होता है बेटा इसका नाम जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइल ये कौन सा ग्रुप है बेंजाइल ग्रुप है ठीक है कि बेंजाइल ग्रुप है तो जैसे ही मैंने बोला बेंजाइल ब्रोमाइड जैसे ही मैंने बोला बेंजाइल ब्रोमाइड बोला जैसे ही मैंने बोला बेंजाइल ब्रोमाइड बोला तुम फटाफट क्या करोगे बेंजाइल ग्रुप बनाओगे और बेंजाइल ग्रुप पे क्या लगा दोगे बेंजाइल ग्रुप पे क्या लगा दोगे ब्रोमीन लगा दोगे बेंजाइल ब्रोमाइड आ जाएगा तो ये सारे के सारे कार्बन जो होते हैं ये सारे के सारे कार्बन जो होते हैं ये सारे के सारे क्या हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के हैं अगर मैं कहीं बोलता हूं sp3 हाइब्रिडाइज्ड तो यहां पर अब देख लेना यहां पर क्या होता है sp3 में एक s है तीन p है तो यहां पर 25% s कैरेक्टर होता है 25% s कैरेक्टर होता है और जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे हम लोगों को पता चल जाता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इस कैरेक्टर पर डिपेंड करता है अगला जो आता है ग्रुप अटैच होता है तो हेलाइट ग्रुप जो अटैच होगा हेलोजन sp3 कार्बन से अटैच हो सकता है या दूसरा क्लासिफिकेशन जो होती है दूसरी क्लासिफिकेशन वो होती है हैलोजेंस अटैच टू हेलोजेंस अटैच टू अटैच टू sp2 हाइब्राइस कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन अगर है, किस से, है से, तो उनका भी अपने पास एक अलग रोल है अभी उनकी रिएक्टिविटी पढ़ेंगे देख लो ये बेंजाइल था 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 एलाइल विनाइल अभी आप जब पढ़ने जाओगे आपको पता चलेगा कार्बोकटाइन किसका स्टेबल है किसका नहीं है कौन कैसे रिएक्ट करेगा ये सब इसी के लिए पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन का मेन मैटर यही है क्लासिफिकेशन का मेन मैटर यही है ध्यान से देख लीजिएगा

तो सर इसकी रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोशन रिएक्शन इन सब में अलग हो जाती है इसीलिए अलग किया ध्यान सुनना ये एनसीआर कोई बोले सर आप अरे भाई ये तूने अगर नहीं ध्यान दिया होगा ना तो भाई ध्यान दे दे क्योंकि ये भी एक क्लासिफिकेशन है एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ना अगर आपको नहीं लगता हो तो एनसीईआरटी लेके बैठ जाओ पता चल जाएगा ये आराम से लेके बैठे अभी अभी टाइम है आपके पास रिविजन करने का आप एनसीईआरटी से देख लीजिएगा लगेगा कि यहाँ

याद रखना अभी बता रहा हूं अब अल्कोहल फिनॉल ईथर में जब बताऊंगा उस टाइम भी आपको ध्यान रखना है जैसे ही मैं बोलूंगा कि सर विनाइल क्लोराइड बोला जैसे ही मैंने बोला विनाइल क्लोराइड बोला ध्यान से सुन लेना बेटा पॉलीमर थट गया है लेकिन ये जिंदगी में आ सकता है पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीमराइजेशन का ये कॉन्सेप्ट आ सकता है देख लो ये विनाइल क्लोराइड हो गया जैसे ही मैंने बोला विनाइल क्लोराइड आप बना सकते हो जैसे ही मैंने देख लो हाइलोजन अटैच टू ये एस टू मेनली विनाइल वाले अब ये कौन सा रिएक्टिविटी एस एन वन एस टू ये सब आगे पढ़ेंगे पता चलेगा कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा कौन सा नहीं होगा तो ध्यान से सुन लो अपने पास ये देख लो हेलो अल्किस अलाइल अलाइल हलाइड विनाइल हलाइड ये जो बेसिक टर्म्स यूज हो रहे हैं ना तो एनसीईआरटी में या एग्जाम हॉल में क्या होता है कुछ कॉमन नेम्स बहुत फेमस होते हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं जैसे ये एलाइल हो गया ये विनजाइल हो गया ये विनाइल हो गया तो ये कॉमन नेम्स आपको थोड़ा ध्यान रखना है जैसे मैंने जैसे ही बोला कि सर एलाइल अल्कोहल बनाओ जैसे ही मैंने बोला एलाइल अल्कोहल लिखो तो एलाइल अल्कोहल का मतलब ही हो जाएगा कि अच्छा एलाइल अल्कोहल सर बोल रहे तो इसका मतलब कुछ नहीं एलाइल ग्रुप के आगे क्या लगाना है आपको क्या लगाना है आपको वो एच लगा देना है एलाइल अल्कोहल हो जाएगा लेकिन आपको पता तो होना चाहिए लाई ललकोल ये कॉमन नेम है इसका हैचर अलग होगा इसका नोम अलग होगा पक्का तो ये मेरी तरफ से क्लासिफिकेशन है जो आपको देखनी है क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन देख लिया ऑन और मोनोहेलाइट की क्लासिफिकेशन देख ली ये बेसिक क्लासिफिकेशन देखने के बाद अब हम लोग एक काम करते हैं थोड़ा सा इनके नोम क्लेचर पे आते हैं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन हो गया है अब नोम क्लेचर पे आते हैं नोमन क्लेचर पे आएंगे पहले हमने नाम दे देख लिया कितने टाइप्स के होंगे अब ये देखते हैं कि नोमन क्लेचर कैसे कैसे करा जाता है इनका अगर नोमन क्लेचर देखोगे तो बस एक चीज ध्यान रखिएगा नोमन क्लेचर में नोमन क्लेचर ऑफ जब भी आप हेल्युजन्स का करने जाते हो तो हेलोजेंस आपको ही पता है ये हमेशा प्रिफिक्स के फॉर्म में होते हैं कभी भी सफिक्स नहीं होते तो हेलोजेंस अगर आप करने जा रहे हो तो हेलोजेंस के कारण हेलुजंस जो फंक्शनल ग्रुप है अगर हेलोजेंस फंक्शनल ग्रुप को बात करें हेलुजन्स जो फंक्शनल ग्रुप है मैं ऐसे लिख देता हूं फंक्शनल ग्रुप ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं फंक्शनल ग्रुप्स हैलुजन्स हमेशा ऑलवेज नेम्ड एज प्रिफिक्स एज प्रिफिक्स हैलो लिख देते हैं हम लोग इन

फ्लोरीन के लिए क्या प्रिफिक्स लगेगा क्लोरीन के लिए क्या लगेगा क्लोरो ठीक है ब्रोमीन के लिए क्या लगेगा ब्रोमो ये प्रिफिक्स लग जाएगा आयोडीन के लिए क्या लगेगा आयोडो ये प्रिफिक्स लग जाएगा तो ये प्रीफिक्स हो गया ये इनके प्रीफिक्सेस हो गए ये इनके प्रीफिक्सेस हो गए ये इनके प्रीफिक्सेस हो गए तो प्रीफिक्स के फॉर्म में आते हैं बहुत सिंपल से नाम होते हैं जो बेसिक नोमेनक्लेचर होता है वही फॉलो करना है बेसिक रूल्स फॉलो करना हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये देख लो अगर मुझसे किसने बोल दिया कि सर यहां पर क्लोरीन लगा है यहां पर तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे इसका तो बेसिक रूल क्या कहता था अब भाई देखो इसलिए बोला थोड़ा सा नॉमन बेसिक आइडिया होना चाहिए जो जो इस चैप्टर में प्रॉब्लम आएगी नॉमन क्लेचर की वह मतलब ऐसे हर एक चैप्टर में डाउट वो करता रहूंगा लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि एकदम ही बेसिक नहीं आता तो भाई थोड़ा बहुत यहाँ सिखा सकता हूँ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप पकड़िए और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऐसे पकड़ लीजिए तीन कार्बन की चेन है तो मेन कार्बन तीन कार्बन का है तो प्रॉप हो गया तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो गया सिंगल बॉन्ड में कोई नंबरिंग देने की जरूरत नहीं पोजीशन बताने की जरूरत नहीं और टू पे क्या लगा है क्लोरो तो इसका नाम क्या लिख देंगे टू क्लोरो लिख देते हैं हम लोग टू क्लोरो प्रोपेन ये इसका क्या हो जाता है आयु नेम हो जाता है ये इसका क्या हो जाता है आयु नेम हो जाता है ये इसका क्या कहलाता है आयु नेम लेकिन कुछ लोग जैसे एनसीईआरटी में भी कॉमन नेम्स दिया गया है तो उन कॉमन नेम्स का भी ध्यान रखिएगा अगर मैं घर का नाम बोलूं आई यूपीएससी ने कुछ नहीं बाहर का नाम होता है ना घर पे और बाहर के नाम पे घर का नाम चिंटू और बाहर का नाम यशवर्धन सिंह राठौर ऐसे करके बड़ा सा नाम लिखा जाएगा और घर पे क्या नाम है चिंटू बब्लू डब्ल्यू वैसे ही यहाँ पे है सर यहाँ पर लिखने का तरीका यहाँ पे रूल्स अप्लाई होते हैं यहाँ पे कुछ जरूरी नहीं जैसे इसको बोलते हैं हम लोग आईसो प्रोफाइल देख लो यहां पर अल्काइल हेलाइड आइसोप्रोपाइल यहां पर आइसोप्रोपाइल और ये क्या लिख देंगे क्लोराइड लिख देंगे इसका नोम अगर कॉमन नेम लिखना है तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड लिख देते हैं आइसो नियो पेंटो ये, सेकेंडरी ब्यूटाइल ये सब थोड़ा सा रिवाइज कर लेना यार देखो ट्वेल्थ के ऑर्गेनिक में यही एक दिक्कत है क्योंकि जब रिएक्शंस आ जाएंगे तो भी बार बार ये चीजें रिपीट होती हैं अगर आपको लगता है इलेवेंथ की तो आप

खूब दिए हुए हैं जैसे मैं अगर ये एग्जांपल दे दूं आपको अगर मैं ये आपको एग्जांपल्स दे दूं, ऐसे इसका कॉमन नेम भी बता सकते हो तुम लोग इसका कॉमन नेम अभी बताया है। डबल बॉन्ड के अगले कार्बन से अगर अटैच है डबल बॉन्ड के अगले कार्बन से अटैच है तो इसका कॉमन नेम तो सब लोग बता ही दो यार क्या नाम होगा बेटा खुद से सोच लो बताना कमेंट में कि हाँ भैया हो गया था एलाइल ब्रोमाइड इसका आई पी नेम लिखने जाओगे तो यहां पर नंबरिंग जब करने जाएंगे तो नंबरिंग बेटा यहां से नहीं करेंगे क्यों क्योंकि हेलोजेंस का प्रायोरिटी कम होती है नंबरिंग हम करने जाएंगे तो नंबरिंग हम यहां से करेंगे वन टू थ्री और आयु पी नेम देखोगे तो ये क्या आ जाएगा सर ब्रोमो पहले आ जाएगा भी है और ये क्या हो 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 जाएगा 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 वन लगाऊं या ना लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा थ्री ब्रोमो प्रोपीन बन जाएगा थ्री ब्रोमो प्रोपीन बन जाएगा तो कॉमन नेम घर का नाम तो आपको थोड़ा थोड़ा करके याद हो जाएगा लेकिन हाँ आयु पी नेम लिखने का रूल्स पता होना चाहिए

ठीक है ये प्रायोरिटी ऑर्डर हो गया डबल बॉन्ड ज्यादा है ग्रेटर देन एक्स है अब जैसे कुछ कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कुछ कुछ एग्जाम्पल्स जिन लोगों को ये आइसो सेकेंडरी ब्यूटरी ये सब नहीं पता है प्लीज बेटा एक बार एक बार एक लिस्ट बना के आईसो ब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल न्यू ये सब एक बार थोड़ा सा देख लो इसलिए बोल रहा हूँ कॉमन नेम इलेवंथ क्लास के नोमन में था अगर नहीं आता है तो हाई एनसीआर मेरी बात में भरोसा ना हो तो एनसीआरटी हेलोल्स का खोल के देखना उसमें एक डब्बा बना है वो तो कम से कम पूछेगा ही पूछेगा तुम ये नहीं बोल सकते कॉमन एम्स नहीं है एनसीआरटी में कॉमन एम्स है और कॉमन एम्स के क्वेश्चन आते हैं तो कॉमन एम्स पता होने चाहिए जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कुछ है अब जैसे ये कंपाउंड है अब इसका देखो इसके बारे में देखो तो इसका कॉमन नेम भी ये कॉमन नेम हो गया और इधर मैं आई यूपीएससी नेम लिख रहा हूं ध्यान से देख लो कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम देखो ध्यान से क्या होगा सर इसका कॉमन नेम इसको बोलते हैं हम लोग टर्सरी ब्यूटाइल इसका नाम होता है टर्सरी ब्यूटाइल तो ये क्या होगा टर्ट ब्यूटाइल लिख दिया जाएगा टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिखा जाएगा इसका कॉमन नेम क्या होगा टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो जाएगा और इसी का आईयूपीएसी नेम लेना है तो आईयूपीएसी नेम लेने के लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो यहां कार्बन यहां कार्बन यहां कार्बन 1 2 3 सर क्या हो रहा है 2 पे क्या है 2 पे क्या है मिथाइल 2 पे क्या है ब्रोमीन तीन कार्बन का चेन है और तीनों कार्बन में आपस में कौन सा बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है तो इसको क्या बोलेंगे प्रोपेन उनको आपस में क्या बोलेंगे प्रोपेन और सर टू पे क्या लगा है मिथाइल और टू पे क्या लगा है ब्रोमो अल्फाबेटिकल रूल याद रखना अल्फाबेटिकल रूल भी फॉलो करना है सर टू पे ब्रोमो है और टू पे मिथाइल है टू मिथाइल है ये इसका यूपीएससी नेम हो जाएगा आप एनसीईआरटी में देखना आपको मिल जाएगा इसीलिए बोल रहा हूं एग्जाम्पल्स थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं ये वाले कॉमन एम्स छोड़ने नहीं है खासकर जो एनसीआर में दिए वो तो ठीक है हाँ ये मत बोला सो जिनका नोम एकदम ही बेकार है भाई वन शॉट देख लो आईपीसी की क्योंकि अब सारा का सारा वन शॉट में ही काम करना है तो जल्दी जल्दी हो जाएगा नोमिक्लेचर में बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं देना इधर सारे जो जो टॉपिक्स आते जाएंगे सबका नोमिक्लेचर अपने आप ही हम लोग करते चले जाएंगे ये देखो अब इसका कॉमन नेम देखोगे तो ये पांच कार्बन का होता है और पांच कार्बन के केस में देखेंगे पांच कार्बन के केस में अगर हम लोग देखे तो इसको हम लोग बोल देते हैं इसका जो नाम देखेंगे नियो आइसो नियो आई होप सो आपको पता हो कि यार आइसो नियो so क्या होता है यार ठीक है ध्यान दे देना अपने को आईसो नियो so क्या होता है ये चीज आपको पता होनी चाहिए आइसो नियो so क्या होता है ये चीजें आपको पता होगी कि भाई ये आइसो है ये नियो है जैसे देखो सेकेंड कार्बन पे अगर दो दो मिथाइल ग्रुप लग जाता है तो उसको नियो बोल देते हैं नॉम क्लेचर करेंगे तो पता चल जाएगा यार लेकिन अगर नहीं पता है तो अभी बस ये जान जाओ सेकंड पे दो दो मिथाइल ग्रुप लगते हैं तो नियो बोला जाता है और यहां पर इसको बोलेंगे नियोपेंटाइल ब्रोमाइड ये ग्रुप कहलाता है नियोपेंटाइल ब्रोमाइड ये इस ग्रुप का नाम है लेकिन अगर आयुपीएस करते हो तो आयुपीएसई में ऐसा नहीं होगा नंबरिंग करनी पड़ेगी नंबरिंग करनी पड़ती है कैसे सर नंबरिंग कहां से करे वन टू थ्री देख लो फिर से तीन कार्बन का चेन आ गया और तीन कार्बन पे क्या है वन पे क्या लगा है ब्रोमो लगा है वन पे क्या लगा है ब्रोमो और टू पे क्या लगा है दो दो बार टू पे क्या लगा है डाईमिथाइल टू टू डाई मिथाइल क्या लग गया प्रोपेन लग गया नोमन so, क्लेचर करने का रूल अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए बाकी इस ग्रुप में देख लीजिए फिर से अगेन इस कंपाउंड को देखो इस कंपाउंड को देखो यहां कार्बन यहां कार्बन यहां इसका कॉमन देखोगे तो दिस इज नोन एज सेकेंडरी ब्यूटाइल इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल अगर चार कार्बन का है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है या फिर अगर आप नंबरिंग करके करना चाहते हो आई करना चाहते हो तो आई में आप देखोगे वन टू थ्री फोर ये नंबर क्या हो जाएगा कि सर टू पे क्या लगा है ब्रोमो लगा है और बाकी ये क्या है ब्यूटेन है टू ब्रोमो ब्यूटेन है टू ब्रोमो ब्यूटेन है तो ये इसका कॉमन नेम प्लस आईयूपीएसी नेम हो जाता है जैसे अब ये कंपाउंड है इसका कॉमन नेम क्या होगा अभी बताया भी है, हैलो फॉर्म बोलते हैं एक ही कार्बन पे तीन हेलाइड लग गए तो इसको क्या बोलेंगे इसका कॉमन नेम क्या होगा ब्रोमो फॉर्म हो जाएगा इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा ब्रोमो फॉर्म हो जाएगा लेकिन अगर आईयूपीएसी कोई बोल दे तो आईयूपीएसी में कितने कार्बन का चेन है

अगर ज्यादा अच्छे से नाम लिखना चाहते हैं एन प्रोपाइल फ्लोराइड लिख देंगे एन प्रोपाइल फ्लोराइड लिख देंगे और इसका आयु पीएससी लिखने जाएंगे तो इसका आयु कितना हो जाएगा क्या हो जाएगा तो सर एक तीन कार्बन है तो इसका क्या हो जाएगा प्रोपेन तीन कार्बन का हो जाएगा प्रोपेन और सर वन पे क्या लगा है फ्लोरो लगा है वन पे क्या लगा है फ्लोरो लगा है वन फ्लोरो लिखो चाहे ना लिखो बात बराबर हो जाएगा तो आई नेम और कॉमन नेम का ध्यान रखिएगा क्योंकि कॉमन नेम एनसीआर में कुछ लोगों का दिया है तो आपको पता होना चाहिए कॉमन नेम भी आपको आइडिया होना चाहिए जैसे कुछ कंपाउंड ये भी है फिर से इसका कॉमन नेम देखो बेटा जो एनसीईआरटी मेरे लिए इंपॉर्टेंट लगे मैं सब कुछ लेके आया हूँ बाकी आपकी मर्जी है आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखेंगे पता चल जाएगा ट्राई कीजिएगा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने की इसका कॉमन नेम देखोगे तो अभी पढ़ा है क्या नाम है इसका एलाइल क्लोराइड है इसका क्या नाम है कॉमन नेम में एलाइल क्लोराइड है इसका कॉमन नेम देखोगे तो ये क्या है विनाइल क्लोराइड है ये क्या है विनाइल क्लोराइड है? है सर इसका देखोगे तो ये क्या है बेंजाइल क्लोराइड है

टू थ्री देख लो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है याद रखना डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होगी एनसीईआरटी के एग्जांपल्स देखोगे दिख मिल जाएगा ये सब क्या हो जाएगा थ्री पे क्या लगा है क्लोरो थ्री क्लोरो प्रोपीन लगा है ये क्या हो जाएगा नंबरिंग फिर से देख लो अपने को अब डबल बॉन्ड यहां से ही हो जाएगा क्योंकि देख लो यार सीधी सी बात है कहीं से भी कर लो डबल बॉन्ड की नंबरिंग करनी है वन पे क्या लगा है क्लोरो इथिन लिख सकते हैं कोई बोले सर उधर से क्यों नहीं नंबरिंग किया क्योंकि भाई देख दोनों दो ही कार्बन है इधर से करेगा तो भाज फालतू का टू पे आएगा कंपाउंड तो यहीं पे कम रहा है इसमें कोई बोले यहां से क्यों नहीं किया रहे? भाई यहां से करेंगे तो ये काबन छूट जाएगा इधर से किया ताकि डबल बॉन्ड स्टार्ट हो तो फिनिश भी होना चाहिए बेसिक रूल्स याद रखना नोमक्लेचर का बेसिक रूल याद रखना कि जब भी कोई मल्टीपल बॉन्ड स्टार्ट करोगे अगर नंबरिंग करना तो उसको फिनिश भी करना है अगले स्टेज में ऐसा नहीं कि यहाँ से वन शुरू किया यहाँ वन इधर टू और फिर थ्री ऐसा नहीं होता ठीक है तो यह देख लो क्लोरीथिन हो गया इसका नाम अपने को क्या करेंगे तो एनसीआरटी में देखना कि जो लगता हो देखना एनसीआरटी एनसीआरटी में क्या किया इस कार्बन को सिंगल कार्बन बोल दिया है और इसको क्या लिख दिया है एनसीआरटी में लिखा गया है इसको मीथेन ठीक है किसका मीथेन क्लोरोमीथेन क्या लिखा गया है क्लोरोमीथेन और सर बेंजीन ग्रुप अगर बाहर रहता है बेंजीन ग्रुप अगर बाहर रहता है तो उसको लिखते हैं फिनाइल तो क्या लिखा जाएगा वन पे ही क्या है फर्स्ट कार्बन पे ही क्या है क्लोरो भी है और फर्स्ट कार्बन पे ही क्या है फिनाइल भी है तो वन मीथेन लिख सकते हैं वन लिखे ना लिखे बात बराबर है एक कार्बन देख लो ये एनसीईआरटी में भाई कोई बोले कि अरे ये सब क्वेश्चंस देख लेना इसलिए बोल रहा हूँ आपके देखने का नजरिया बस चेंज कर रहा है ये सारा जो डिस्कशन चल रहा है आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत तो आता ही होगा चीजें आपको पता है इस टाइम पे आप ऑलरेडी सिलेबस कहीं ना कहीं कर चुके होंगे लेकिन इसलिए बता रहा हूँ कि आप इस चैप्टर के अंदर एनसीआर के अंदर ये सब चीज देख लेना क्या आयूपीएससी नेम कॉमन नेम कैसे कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है क्लोरोबेंजीन क्लोरोफिनोल ये सब चीजें कैसे होती है हो जाएगा नोमनक्लेचर हो जाएगा अगर मैं नोमनक्लेचर की बात करूं तो नोमनक्लेचर में मेरे पास अब बहुत सारे ऐसे ऐसे कंपाउंड मिल जाएंगे जैसे ये देखो अब ये वाले कंपाउंड देख लो अब ये बेंजीन वाले कंपाउंड्स हैं तो बेंजीन वाले कंपाउंड्स में आप क्या लिख सकते हो इसको सर सीधा सीधा लिख दें अगर मैं इसको लिखना चाहूं इसका आई यू पी एस सी नेम तो वन टू डाईक्लोरोजिन लिख सकता हूं जिन लोगों को नोमेनक्लेचर आता है प्लीज बेटा वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर लीजिए जिन लोगों को आता है वीडियो पॉज करके ट्राई कर लीजिए ठीक है इसका नोमेनक्लेचर ये हो गया इसका नोमेनक्लेचर लिखूंगा तो 1 2 3 ट्राई क्लोरो 1 3 2 3 ट्राई क्लोरो बेंजीन लिख दूंगा इसका आईयूपीएसी नेम ये हो जाएगा ये बहुत प्यारा सा कंपाउंड है ध्यान से देख लेना अपने पास बहुत प्यारा सा कंपाउंड है ये नाम जब देखोगे ना इसका कॉमन नेम जो होता है इसका कॉमन नेम देखोगे तो ये बहुत प्यारा सा कंपाउंड बन जाएगा अपने पास ये बहुत प्यारा सा कंपाउंड बनेगा इसको हम लोग बोलते हैं पर फ्लोरोजीन पर फ्लोबेंजीन ये बहुत प्यारा सा कंपाउंड मतलब बहुत ज्यादा यूज होने वाला है बहुत ज्यादा यूज होता है या फिर मतलब कॉमन नेम ज्यादातर यही है आयू पी नेम कोई बोल दे ऐसे यही आयू पी नेम में भी काउंट कर लेते हैं आजकल के टाइम पे कुछ कॉमन नेम्स ऐसे हैं जैसे बे, आ, बेंजीन वाला है क्लोरो बेंजीन है ये सब क्या हो जाते हैं काउंट कर लिए जाते हैं कॉमन नेम एनिलीन को ही हम लोग क्या बोल दिया आई यू नेम बोल दिया अब हम लोगों के लिए एनिसोल क्या है आई यू नेम कर दिया जाए फिनॉल क्या हाँ है कॉमन नेम को हमने क्या मान लिया है तो वैसे पर फ्लोरोन है लेकिन अगर कोई बोल दे कि नहीं सर इसका बताइए तो हेग्जा फ्लोरोन भी आप लिख सकते हैं भी आप लिख सकते हैं ठीक है याद रखिएगा दूसरा जैसे ये है अभी इस कंपाउंड को आप देखेंगे ये पता है कैसे मिलता है हाइड्रोकार्बन की एक रिएक्शन है जिसमें आपने बेंजीन का रिएक्शन करते हो जब इलेवंथ क्लास के हाइड्रोकार्बन पढ़ते हो तो वहां पे बेंजीन की रिएक्शन कराते हो क्लोरीन के साथ तो यहां पर यह बन जाता है इसको हम लोग लिख देते हैं कॉमन नेम देखोगे तो बेंजीन हेग्जा क्लोराइड बोल दिया जाता है बी एच सी मार्केट में इसको बी एच सी के नाम से बी एच सी या फिर इसी का नाम गैमेक्न रख दिया जाता है गैमेक्जेन ये एक बहुत बड़ा इंसेक्टिसाइड है गैमेगजेन बी या फिर क्या बोलते हैं गैमेक्न बोल देते हैं इसका कॉमन नेम बहुत ज्यादा फेमस है है ये इंसेक्टिसाइड के फॉर्म में है। ध्यान से सुन लेना अपने पास ये चाहे तो हाइड्रोकार्बन से पूछ सकता है इंसेक्टिसाइड इंसेक्टिसाइड के फॉर्म में यूज होता है बी अगर कोई बोल दे नहीं आई पी एसी नेम बताइए भाई साहब मुझे इसका आई यूपीएस नेम जानना है तो आई यूपीएससी नेम क्या हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स साइक्लोहेक्सेन

मीथेन हो जाएगा मीथेन हो सीसीएल फोर की बात करें तो सीसीएल फोर में कॉमन नेम जो होगा कॉमन नेम क्या हो जाएगा कॉमन नेम कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा और अगर आईयूपीएसी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा मीथेन हो जाएगा मीथेन हो जाएगा ठीक है सी एच टू सी एल टू इसका भी हम लोग यूज पढ़ने वाले हैं लास्ट में तो ये देखेंगे कॉमन नेम आई पी एस सी नेम तो आपको पता चल रहा होगा एक काम करो आयुपीएस नेम सोचो इसका सी एच टू सी एल टू का आयूपीएससी नेम सोचो एक बार इसका एक बार आयुपीएससी नेम सोच लीजिए आयुपीएससी नेम क्या होगा क्लोरो

अलग अलग तरह के जैसे इसका नाम अगर कॉमन नेम देखेंगे तो मिथाइलिन क्लोराइड है इसका नाम क्या है मिथाइलिन क्लोराइड मिथाइलिन क्लोराइड है सी पक्का तो ये कुछ बेसिक नाम हो गए बेसिक नाम हो गए बेसिक नाम हो गए ठीक है बेसिक नाम हो गए कि सर ये कुछ कॉमन नेम्स हैं जो एन के हिसाब से या हमारे हिसाब से बहुत फेमस है ठीक है अब कुछ लोगों के साथ दिक्कत क्या आती है कि यहाँ पर एन में क्या है कि सर नोमन ऑफ

एड करना है लेकिन दिक्कत क्या है सामने वाले ने अगर ऐसा कर दिया और सामने वाले ने अगर ऐसा कर दिया तो दोनों से अलग अलग हलाइट प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं दिस इज नोन एज विशनल डायहेलाइट पड़ोसी के पास चला गया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया तो विश्नल डायहेलाइट बोल दिया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं विश्नल डायेलाइट अगल बगल में दे दिया तो विश्नल डायेलाइट एक ही कंपाउंड एक ही कार्बन पे दे दिया तो इसका क्या हो जाता है जेमिनल डायहेलाइट इसको हम लोग क्या बोल देते हैं जेमिनल डाइहेलाइट बोल देते हैं यहां पर जो डिफरेंट आता है वो इनका कॉमन नेम होता है इनका जो कॉमन नेम है इनका जो कॉमन नेम है वो अलग अलग आएगा इनका जो कॉमन नेम होता है इनका जो कॉमन नेम होगा वो अलग आएगा और इनका आई यू पी एस सी नेम आपको लिखना आता है आप खुद से सोच लो इसका कॉमन नेम जो होगा इसका सी एस टू सी एच टू सिंपल सा आप खुद से सोचो एक बार कि यार इसका कॉमन नेम क्या क्या हो सकता है क्या क्या हो सकता है किस तरह से हो सकता है अगर इसकी बात करें जैसे इसका बोला गया तो मैं क्या करता हूं इसका नाम रख देता हूं इथाइलीन डाई हलाइड याद रखिएगा एक को याद रखिए हमेशा याद रखना एक ही जगह डी यूज होना है इसमें क्या यूज किया डाइहेलाइड लिखा क्योंकि अगल बगल में पड़ोसी वाले काउंट नहीं करेंगे लेकिन इसका कॉमन नेम देखेंगे तो इसका क्या रख देंगे कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है जो भी हेलाइड लगाया जाए जो भी हेलाइड लगाया जाए जो भी हेलाइड लगाया जाए उसका कॉमन नेम ध्यान दे देना अपने पास कॉमन नेम ध्यान दे देना जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लो यहां पर अगर ब्रोमीन ब्रोमीन लगा है कि सर ये क्या है दो कार्बन है तो लिख देंगे, और ये ब्रोमाइड हो जाएगा ये क्या नाम हो जाएगा ब्रोमाइड हो जाएगा लेकिन अगर आयु पी एस सी नेम कोई बोल दे तो आयु पी एस सी नेम का भैया सिंपल सा रूल है नंबरिंग कर दो वन और टू क्या लिखोगे वन कॉमा टू लिख लिख दोगे 1, 2, डाई ब्रोमो, लिख दोगे अगर यही अपने पास ये लगा, हुआ है, ब्रोमीन, ब्रोमीन एक ही पे लगा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे जेमिनल और जेमिनल का कॉमन नेम कैसे लिखा जाता है इसका कॉमन नेम कैसे लिखा जाएगा ध्यान से देख लो अपने पास क्या लिखेंगे इथाइलिडीन इथाइलिडीन ब्रोमाइड लिख दिया जाएगा और इसका आयु नेम क्या हो जाएगा आयु नेम ऑब्वियस है नंबरिंग कहां से कहा यही पे कर देंगे ये क्या हो जाएगा वन कॉमा वन डाई ब्रोमो न कॉमो वन डाई ब्रोमो इथेन नाम रख दिया जाएगा आई यूपीएससी नेम का तो बेसिक नोम क्लेचर है लेकिन हाँ जो कॉमन नेम है ये ध्यान रखिएगा ये जो कॉमन नेम्स है ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो एग्जाम हॉल में अब एन सी आर टी में है तो अपने को बेसिक चीजें पता हो कि एनसीआरटी की जो चीजें हैं वो भैया एग्जाम हॉल में लेके जानी हो सकता है सामने वाला ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहे कि सर कॉमन नेम बताइए या कॉमन नेम यूज कर दे तो देख लेना जेमिनल में क्या होता है जैसे मुझे कोई बोलता है सर कैसे एग्जाम हॉल में कैसे कंफ्यूजन देखो लो कुछ लोग रट लेते हैं कुछ लोग है नहीं थोड़ा शॉर्टकट या थोड़ा दिमाग में रख लेते हैं जैसे मेरा है कि अपने नाम में ही अगर आ जाए डी अपने नाम में ही अगर डी आ जाए अपने नाम में ही अगर डी आ जाए तो इसका मतलब क्या है अपने नाम में ही डी आ रहा है मतलब एक ही कंपाउंड पे एक ही कार्बन पे उसी कार्बन पे दो हैं और अगर बगल में है तो अब वैसे बगल वाले अपने पास सोचो ना अपने पास दो दो कॉलेज मेडिकल कॉलेज का ऑफर आ जाए तो आदमी चौड़ के घूमेगा ना कि अपने अंदर

तो याद रखिएगा का बेसिक रूल हो गया ठीक है तो हमारा नोम हो चुका है क्लासिफिकेशन हो चुका है ठीक है नोम हो चुका है क्लासिफिकेशन ऑफ डाई हो चुका है क्लासिफिकेशन ऑफ डाई हो चुका है तो अब हम लोग शुरू करते हैं कि इस चैप्टर में इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सी एक्स पॉइंट जो एनसीआर टी में है प्लीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एनसीआर टी लेके बैठ जाइए साइड बाई साइड जो चीजें एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड होंगे वो प्लीज लिखते चलिएगा जैसे कुछ चीजें ऐड हुई या कुछ चीजों का आपने ध्यान दिया तो उसको रिमेंबर कर लीजिएगा हाईलाइट मार दीजिएगा जैसे नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड ये क्यों डिस्कस करना है हमें सी एक्स बॉन्ड से क्यों डिस्कस करना है इसका रीजन बताता हूँ सर तुम्हें भी पता है कार्बन हेलोजन के साथ ये जो बॉन्ड है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बताओ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होगी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है कार्बन की ज्यादा होती है या फिर हेलोजन की ज्यादा होगी कार्बन की ज्यादा होगी या हेलोजन की ज्यादा होगी कार्बन का हमेशा किससे कम होगा हेलोजन से कम होगा अब इससे क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे ही आपके बीच में आई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आया ये बॉन्ड सर ये कौन सा बॉन्ड होगा कोवेलेंट होगा या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा खुद से सोचो बेटा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है तो कोवेलेंट बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में यह किसमें कन्वर्ट हो जाएगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में देखो क्वेश्चन जो छोटे छोटे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या सब क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि भैया है कार्बन हाइड्रोज का बॉन्ड कोवेलेंट है या है, पोलर कोवेलेंट है नॉन पोलर 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 कोवेलेंट 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 है 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 इसका मतलब का मतलब बॉन्ड का कि सर इसके अंदर क्या होगा डाइपोल मोमेंट होगा देख लें ध्यान से इसके अंदर क्या होगा डाइपोल मूवमेंट होगा डाइपोल मोमेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से या फिर हम लोग किसको बोलते हैं इसको किसके इक्वल पुट करते हैं चार्ज इनटू डिस्टेंस पुट करते हैं चार्ज इन टू डिस्टेंस या इसी को हम लोग बॉन्ड लेंथ भी बोल देते हैं ना भाई अब जो चीजें मुझे लगता है कि आपको साथ साथ में रिवाइज करानी मैं साथ साथ में कराता जा रहा हूं किसी को लगे कि सर डाइपोलमेंट आपने डायरेक्ट वर्ड यूज कर लिया तो डायरेक्ट नहीं यूज कर रहा हूँ बेटा बस बता रहा हूँ देख लो ये पोलर है इसीलिए डाइपोलमेंट पोलर बॉन्ड में ही आता है नॉन पोलर में डाइपोलमेंट कितना हो जाएगा जीरो नॉन पोलर में डाइपोलमेंट कितना हो जाएगा जीरो और अगर सिमेट्रिकल पोलर बॉन्ड्स हैं तो उसमें भी जीरो आता है लेकिन डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट किसके लिए आता है पोलर के लिए आता है, है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होना चाहिए पोलर ओके okay. चलो अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड आ गया अपने पास कार्बन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनिटी कार्बन कम है एक बताओ इसके अंदर ये देखना कार्बन हाइड्रोजन कोई बॉन्ड होगा माइनस डेल्टा आएगा और इसके अंदर क्या आएगा प्लस डेल्टा आएगा पार्शियल चार्ज होगा ये अंदर क्या होगा पार्शियल चार्ज होगा पार्शियल चार्ज होगा कार्बन लूज करेगा हाइल वो होगा चलो खुद से सोचो ऊपर से नीचे आएंगे कार्बन फ्लोरीन से कार्बन क्लोरीन कार्बन फ्लोरीन से कार्बन क्लोरीन कार्बन ब्रोमीन कार्बन आयोडीन ध्यान से देखना बेटा कुछ ऑर्डर लिख रहा हूं और इससे क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा जो चीज सिनारियो अब चेंज हो रहा है ना एग्जाम हॉल में यहाँ पर ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक भी रिलेट हो रही है तो अब जो NTA, NMC, जो लेवल लेके बैठे हैं ना वो यही सब लेके बैठे ध्यान से देख लो कार्बन का साइज क्या है फिक्स्ड है कार्बन का साइज क्या है फिक्स्ड है ऊपर से नीचे आएंगे इस बॉन्ड के के बारे में खुद से सोच बताओ इस बॉन्ड के के बारे में खुद से सोच बताओ ये एक बात बताओ कार्बन फ्लोरिन में इलेक्ट्रोन डिफरेंस ज्यादा होगा कार्बन क्लोरीन में ज्यादा होगा कार्बन ब्रोमिन में ज्यादा होगा या कार्बन आयोडीन में ज्यादा होगा मैं ऊपर से नीचे आऊंगा तो मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बेटा एन से लिखा जाता है शॉर्टकट में ध्यान से सुन लीजिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्वेल्थ में यही होता है थोड़ा सा एक लॉस ये दिखता है कि हाँ पता नहीं इलेवंथ कैसा है लेकिन भाई अभी इस टाइम पे इलेवंथ अच्छा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक शॉर्टकट में ई से लिखा जाता है ये देखना डाउन द ग्रुप आएंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एलोजन क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एलोजन क्या हो जाएगा डिक्रीज करता है जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिक्रीज कर जाता है इलेक्ट्रॉनिट हाइलोजन क्या होगी डिक्रीज कार्बन की इलेक्ट्रॉनिट फिक्सड है लेकिन ऊपर से डिक्रीज हो रही मतलब जो ये चार्ज सेपरेशन है जो पार्शियल चार्ज है पार्शियल चार्ज जो होगा जो ये चार्ज है पार्शियल चार्ज होगा वो क्या होगा पार्शियल चार्ज क्या होगा डिक्रीज होगा। ऊपर से नीचे आएंगे थोड़ा सा तो उसकी इलेक्ट्रोन ज्यादा है कार्बन से बहुत ज्यादा है तो ज्यादा खींच लेगा अब क्लोरिन की बात करो ब्रोमिन की बात करो आयोडीन की बात करो आयोडीन का ऑलमोस्ट इक्वल ही हो जाता है ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है कार्बन से भाई इसको तो मतलब इधर से ऊपर से नीचे आएंगे इलेक्ट्रोनिट कम हो रही है तो पार्सिलिटी क्या हो जाएगी अब जब जा माल दोनों इक्वल बराबरी के पावर के लोग आ गए तो एक दूसरे की टेंडेंसी गायब हो गई एक दूसरे को क्या ही अट्रैक्ट करेंगे अट्रैक्शन कब होता है भाई अपोजिट अट्रैक्ट करता है ना एक बहुत बड़ा हो एक छोटा हो ऐसा करके हो रहा हो ना एक सात सौ वाला हो एक दो सौ नंबर वाला तो एक दूसरे को बात करेंगे सीखने की कोशिश करेंगे अब दो सौ दो सौ आपस में मिलकर क्या करेंगे अरे भाई यार ये वाला टीचर सही लग रहा है एक काम कर रहा है यूट्यूब पे ये वाला देखते हैं वो देखते है वही देखते रह जाएंगे फिर वो अगले साल आएंगे फिर वो ऐसी वीडियोस देखेंगे पचास दिन में कैसे क्रैक करें नीट फिर लास्ट में आएंगे दस दिन में कैसे करें तीन घंटे में कैसे करें ठीक है वो वाली चीजें ऊपर से, 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 से नीचे आ रहे ऊपर से नीचे देखो इलेक्ट्रॉनिक क्या हो रही है डिक्रीज कर रही है पार्शियल चार्ज क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है पार्शियल चार्ज क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है और ऊपर से नीचे पार्शियल चार्ज डिक्रीज हो लेकिन एक चीज और है ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो बॉन्डलेंथ क्या हो रहा है बॉन्डलेंथ क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है बॉन्डलेंथ क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है बॉन्डलेंथ इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियस है बॉन्ड आपस में बॉन्डलेंथ बढ़ेगा इसका मतलब बॉन्ड इंथेल्पी क्या हो जाएगी डिक्रीज करेगी बॉन्ड इंथेल्पी क्या होगी डिक्रीज करेगी तो सर इसमें तो डाउट नहीं एक चीज फंस गई मेरी एक चीज फंस गई सर ऊपर से नीचे आ रहे हैं चार्ज क्या हो रहा है डिक्रीज लेकिन डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ क्या 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 हो रहा है है इंक्रीज तो डाइपोल डाइपोल मोमेंट मोमेंट के के साथ क्या होता है? के साथ होता होगा यही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट यहाँ फंस जाता है और इसी के क्वेश्चन ज्यादा बन जाते हैं एनसीआरटी में एक टेबल भी दिया गया है इस बात का ध्यान रखिएगा एनसीआरटी में एक टेबल दिया गया है इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि जैसे ऊपर से नीचे आएंगे देख लो इलेक्ट्रॉनिटी कम हो रहा है मतलब पार्सल चार्ज कम हो गया लेकिन डिस्टेंस बढ़ रहा है तो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा तो यहाँ पर एक चीज बढ़ रही है एक चीज कम हो रही है तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स का सहारा लेना पड़ेगा बाकी सबका ऑर्डर सेम है ऊपर से नीचे आएंगे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा सर बॉन्ड इंथेरेपी कम होगी क्योंकि जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ता है आपस के न्यूक्लियस दूर हो जाते हैं तोड़ने में एनर्जी कम लगती है एनसीईआरटी का एक टेबल दिखा रहा हूं और फिर उससे आप रिलेट कर लेंगे उससे आप ये रिलेट कर लेंगे देख लीजिए एनसीईआरटी का टेबल है एक ये मैं अपने घर से ऐसे वैल्यूज नहीं एनसीआरटी के टेबल है एनसीआरटी के टेबल से मैं आपको कुछ चीजें लिखाना चाहता हूं कि आप बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ध्यान रखिएगा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देखेंगे तो किसका ज्यादा है सर ऊपर से नीचे आ रहे हैं नॉर्मल ट्रेंड है नॉर्मल ट्रेंड है, है कि सर बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा है जैसे जैसे ऊपर से नीचे जा रहे हैं बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा हो गया है और अब अगर बॉन्ड इनर्जी की बात करें बॉन्ड इनर्जी का ऑर्डर देखें तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर देखेंगे तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा जस्ट अपोजिट क्योंकि जितना न्यूक्लियस पास होगा उसको ब्रेक करना उतना ज्यादा अपने को इनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी थोड़ा बेसिक स्टेबिलिटी ऐसे लेकिन डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर ध्यान से देख लीजिएगा बाबू बहुत ज्यादा एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन देख लो स्टार मार्क कर दे रहा हो इवन एनसीआरटी में आपके स्टेबल हो तो टेबल पे भी स्टार मार्क कर दीजिएगा ये वाला डाइपोल मोमेंट डाइपोल मोमेंट का वैल्यू याद नहीं करना है डाइपोल मोमेंट की वैल्यू याद नहीं करनी है डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर देख लीजिए डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका आ रहा है क्लोरीन का फिर किसका आ रहा है फ्लोरीन का का फिर किसका आ रहा है ब्रोमीन का. और फिर किसका आ रहा है आयोडीन का डाइपोल मोमेंट थोड़ा एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है बिकॉज एक चीज ऊपर से नीचे आ रहे थे चार्ज कम हो रहा था लेकिन बॉन्ले क्या हो रहा था बढ़ रहा था तो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर जो होगा वो थोड़ा याद रखिएगा एग्जाम हॉल में ये आप आपको ये आपको परेशान कर सकता है एक घंटे में पता चल गई क्या क्या आपको किसी को भी लग रहा है तो बेटा कोई नहीं वीडियो पॉज करो आपको लगता है कि मुझे डाइपोरमेंट देखना या चीजें आप प्लीज उसको जाकर रिवाइज करो चीजों को रिपीट कर लो कोई दिक्कत नहीं ये वीडियोस आपके पास पड़ी रहेंगी सिक्स डेज में आपको ये वीडियो कवर करनी अगला वीडियो जब आएगा उसमें सिक्स डेज का गैप है तो उसमें आपको धीरे धीरे पढ़ना है एक दिन में पूरा एक बार में सपाटे नहीं पढ़ जाना है एक दिन में नहीं होगा आप यहां तक की चीजें रिलेट कर पा रहे हो सोच पा रहे हो सोचो क्लासिफिकेशन बता दिया सर ने नोम बता दिया सर ने नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड बता दिया उसमें इंपॉर्टेंट क्या है ये और ये किसका चार्ट है एनसीआर का एक्जैक्ट यही वैल्यूज मिल जाएंगी आपको ऊपर से देखो बॉन्ड इनथेरेपी कम हो रही है बेसिक चीज जो कैरेक्टर अलग है उसको ध्यान रखिएगा पक्का हो जाएगा शोर हो तो चलो एक काम करते हैं प्रिपरेशन ऑफ आएगा उतना बताता जाऊंगा बाकी चीजें धीरे-धीरे करते जाएंगे इस टॉपिक का सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन है अब जो चालू होंगी, तो रिएक्शन में रिएजेंट क्या होते हैं उनके एक्सेप्शन क्या होते हैं या उनके जो बेसिक ट्रेंड से अलग क्या होते हैं ये ध्यान जरूर रखिएगा ओके चलो एक काम करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हैं तो चलो भाई शुरू करते हैं प्रिपरेशन ऑफ की प्रिपरेशन सबसे बेसिक सा फंडा की अल्केन से चालू कर दिया जाए अल्केन से कैसे करेंगे तो देख भाई अब यहां पर जो कुछ मैं बार बार बोल रहा हूं जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे कुछ चीजें आप ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक है तो ऑब्वियस कुछ चीजें इलेवेंथ की भी आएंगी जैसे अल्केन्स की रिएक्शन है ये का हेलोजिनेशन करना हैलोजिनेशन ऑफ या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं फोटो हेलोजिनेशन भी बोल देते हैं इसी को हम लोग बोल देते हैं फोटो फोटो हेलोजिनेशन क्या कहलाता है ये फोटो हेलोजिनेशन कहलाता है क्या कहलाता है फोटोहेलोजिनेशन कहलाता है दैट इज फोटोहेलोजिनेशन ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है हेलोजिनेशन ऑफ फल्केन्स में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो देखो बेसिक बेसिक जो पॉइंट है ये बात कर लेते हैं ये क्या मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है यहां पर होता क्या है सर इसके लिए कंडीशन होती है फ्री रेडिकल रिएक्शन जो होती है यहां पर ये मोनो हेलोजिनेशन करता है याद रखना ये मोनो हेलोजिनेशन करता है अगर मोनो हेलोजिनेशन इफ न क्या हो एक्सेस में हो अलकेन अगर एक्सेस में है तो मोनोहेलोजिनेशन करेगा लेकिन अगर भाई साहब आपने अगर गलती से हेलूजन एक्सेस में कर दिया है अगर हैलुजन एक्सेस में है तो फिर ये पॉली हेलोजिनेशन कर जाता है डिफरेंस देखना कैसे होता है अब ये छोटी छोटी चीजें आपको पता चलेंगी हेलोजिनेशन जैसे मान लो ये रिएक्शन है सी एच फोर प्लस सी एल टू आपने अगर ये दो चीजें हैं अगर आपने इसको एक्सेस में रखा हुआ है तो सर यहां पर क्या होगा इसका फ्रेडिकल बनेगा इसका फ्रेडिकल और ये एक प्रोडक्ट बना के ये बन जाएगा दिस इज वॉट मोनोहेलोजिनेशन ये क्या बन जाएगा मोनोहेलोजिनेशन हो जाएगा ध्यान से देखना डिफरेंस देखना मोनोहेलोजिनेशन हो जाएगा अगर ये एक्सेस में है तो अब मोनोहेलोजिनेशन में भी एक कंडीशन और ली जाती है जैसे अगर उल्टा कर देता ये देखना अगर सी एच फोर प्लस सी एल टू अगर सीएल टू एक्सेस में हो जाएगा एग्जाम हॉल में देखना कौन सा एक्सेस में है तो ये क्या बन जाएगा सी एच थ्री सीएल बन जाएगा क्योंकि सीएल टू एक्सेस में है तो फिर से बन जाएगा और यहां पर ये लाइट के प्रेजेंस में होती है फिर से लिख देता हूं यहां पर लाइट के प्रेजेंस में लाइट एच लाइट और या फिर हम इसको एच न्यू भी लिख देते हैं या फिर अगर हमें इसके बारे में बात करूं हाई टेम्परेचर तो ये रिएक्शंस है ये देख लो अगर ये एक्सेस में है तो फिर से क्या होगा सी एल टू और ये क्या देखना क्या बना देगा सर हेलोजिनेशन कंट्रोल ही नहीं हो पाएगा बार बार क्लोरीन आएगा और ये बार बार क्या करता चला जाएगा फिर से सी एल टू आएगा और ये क्या हो जाएगा सी सी एल फोर ये जब तक सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर देगा ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी तो हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन जो होती है उसको बोलते हैं फोटो हैलोगीनेशन. फोटो फोटोहेलोजिनेशन दो टाइप की हो सकती है अगर आपका अल्केन एक्सेस में है अगर आपका अल्केन एक्सेस में है तब तो भैया मोनो मोनोहेलोजिनेशन होगी लेकिन अगर ये एक्सेस में है तो इसको हम लोग बोल देंगे पॉली पॉली पॉलीहेलोजिनेशन पॉली पॉलीहेलोजिनेशन

चलो अब देखना यहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है तो यहां पर चीजें क्या होती हैं अगर इसके बारे में बात की जाए मोनोहेलोजिनेशन में एक कंडीशन है आप जब मोनोहेलोजिनेशन करते हो तो यहाँ पर मोनोहेलोजिनेशन जब होगी अगर मोनोहेलोजिनेशन ऑफ अल्केन हो रहा है तो यहां पर एक पॉइंट याद रखना यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना एग्जाम हॉल में ये बहुत परेशान करेगा जब भी आप मोनोहेलोजिनेशन ऑफ अल्केन करोगे याद रखिएगा रिप्लेस सबस्टिट्यूट ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन या हम बोल सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बाई हेलोजन टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ध्यान से देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप मोनोहेलोजिनेशन कर रहे हो ठीक है तो मोनोहेलोजिनेशन में डिफरेंट टाइप्स क्यों इसका रीजन बताता हूं ध्यान से देखना अब देखो मान लो तुमने बोला कि सर मोनोहेलोजिनेशन करना है अब तुमने इसका एग्जाम्पल लिया कि सर ये एक्सेस में है तो यहां तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना अगर आप इसका एग्जाम्पल ही ले लो कि सर यहां पर ये दोनों हाइड्रोजन क्या है अगर आप इसको ले लो एक्सेस में इसको ले लो तो सर यहां पे तो कुछ दिक्कत है ही नहीं क्या सर कहीं से भी एक हाइड्रोजन हटा के सेम साइड के रख दो ठीक है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट यहां देखना डिफरेंट टाइप मतलब आइसोमर्स बन जाएंगे ध्यान से देखना कैसे ये देखो इस केस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स में कोई टेंशन है ही नहीं सी एस थ्री सी एस थ्री है ये एक्सेस में है एक ही टाइप के हाइड्रोजन है कैसे सर इधर से भी हटाओगे तो वन क्लोरो आएगा इधर से भी हटाओगे तो वन क्लोरो ही आएगा तो एक ही टाइप का प्रोडक्ट पॉसिबल था लेकिन जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा ये देखना आप अपने पास जब मोनोहालोजिनेशन अब हम लोग करते हैं तो जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा अगर ये अब एक्सेस में है और यहां पर मैं अगर क्लोरिन की रिएक्शन कराता हूं एचन यू के प्रेजेंस में एचन यू प्रेजेंस में तो यहां पर देखोगे तो मेरे पास अब ऑप्शन है ध्यान देखना

क्या हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा तो अलग-अलग टाइप अलग के आइसोमर्स बनाते चले जाओगे अलग-अलग टाइप के आइसोमर्स बनाते चले जाओगे ये देख लेना अब जैसे अलग-अलग टाइप -अलग के आइसोमर्स बनते चले जाएंगे इसके क्वेश्चन यही बनते हैं जैसे देखो ये एनसीईआरटी में ये भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है ये देखो ये दिया है एनसीईआरटी में ये भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको देखना है अगर मैं इसका क्लोरिनेशन कर देता हूं इसका क्लोरिनेशन लाइट में कर दूं तो क्या होगा अब देख लो क्या प्रोडक्ट बन सकता है इसके कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं एच न्यू में अपने पास कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं देखो इसके केस में ध्यान से देखना इसके केस में कितने टाइप के हाइड्रोजन है, है सर ये वन डिग्री ये वन डिग्री ये टू डिग्री सॉरी थ्री डिग्री हाइड्रोजन है यहां पर कितने हैं सर डिग्री हाइड्रोजन है ये वन डिग्री हाइड्रोजन है आप ऐसे मत काउंट करना जितने डिफरेंट पॉसिबल प्रोडक्ट्स बन जाएं उसका ध्यान रखना क्योंकि इसके सर क्वेश्चन इसी में फंसेगे इसके दो ही क्वेश्चन आते हैं इसके दो ही क्वेश्चन आते हैं ध्यान से एक तो इसका जैसे ये वाला हो गया कि सर मोनोहेलोजिनेशन कर रहे हैं तो कितने टाइप्स के प्रोडक्ट और दूसरा कि सर इसके अगर मैं अल्केस की बात करू हेलोजिनेशन की बात करूं तो अल्केस में एक मैकेनिज्म मैकेजम की भाई क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं ठीक है थीके? कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज और क्या क्या हो सकती हैं जैसे यहाँ देखना अब मेरे पास ऑप्शन हैं मैं चाहूँ तो ये क्लोरिन ले सकता हूँ इसका नोमन करना चाहते हो करके देख लो सर देखना पहले वहां से स्टार्ट किया फिर किसने बोला सर एक काम करते हैं इधर भी तो क्लोरीन लगा सकते हैं लगाओ जो जो हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है वो रिप्लेस कर दूंगा जो जो हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है वो, सकता है वो रिप्लेस कर दूंगा अच्छा किसने बोला सर यहां पर भी तो लगा सकते हैं यहां भी तो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या लगा सकते हैं क्लोरीन लगा सकते हैं और दूसरा सर इसके ना तीन प्रोडक्ट बन जाएंगे चार प्रोडक्ट बन जाएंगे सॉरी इसीलिए बोल रहा हूँ कि कभी भी ये सब चीजें मत रखना कि भैया कितने टाइप्स के हाइड्रोजन होंगे जितने भी डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट बना सकते हो इस केस में याद रखना मोनोहैलोजिनेशन जब करोगे तो जितने भी डिफरेंट टाइप्स के आइसमोस बना सकते हो बना देने रीजन कि डिफरेंट जनरेट करके अपना बना रहा होगा। ये वाला भी हो सकता है ये वाला भी हो सकता है ये वाला भी हो सकता है ये वाला, वाला, वाला क्यों नहीं लिया दोनों एक दूसरे के बराबर है इन दोनों का नोमन करके देखो किसी मन में आएगी सर यहां क्यों नहीं लिया इसको करके देखो दोनों का नोमन सेम आ जाएगा तो इसलिए ये डिफरेंट टाइप्स के इसमें इवन अब देखो अगर स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट कर दिया स्टीरियो आइसोमर्स जिन लोगों को नहीं पता ऑप्टिकल रोटेशन वाला अगर आइसोमर्स कैलकुलेट कर दिया तो यहाँ देखो ये कार्बन क्या है ऑप्टिकली एक्टिव है इधर H इधर सी एच थ्री इधर सी एच टू सी ए इसके दो और बन जाएंगे एक D और एक L ये देखो इधर ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है ये कार्बन भी ऑप्टिकली एक्टिव हो गया तो इसके टोटल कितने बनेंगे अगर ऐसे कोई पूछ दे तो इसके टोटल मोनोहेलोजिनेशन के चार प्रोडक्ट बनेंगे चार बन रहे हैं एक चार लेकिन अगर स्टीरियो को काउंट कर लें तो इसका भी एक और बन जाएगा इसका एक और बन जाएगा टोटल कितने बन जाएंगे छह तो इसके क्वेश्चन ये सब आते हैं कि भैया कितने प्रोडक्ट बनेंगे जैसे अगर किसी का भी मोनोहेलोजिनेशन कर रहे हो मान लो इसका है देखो ध्यान से देखना इसका मोनोहैलोजिनेशन कर रहे हो इसमें देखोगे सारे जो हैं अपने पास सारे के सारे जो हैं ये सारे के सारे हाइड्रोजन सेम है कहीं भी उठा के देख लो ये भी टू डिग्री हाइड्रोजन ये भी टू डिग्री हाइड्रोजन कोई टेंशन नहीं है तो इसके केस में एक ही प्रोडक्ट बनेगा एक ही प्रोडक्ट बनेगा कहीं भी क्लोरीन लगा दो कोई दिक्कत नहीं आएगी एक ही प्रोडक्ट बनेगा मैं अगर नॉर्मल लिखा जा रहा है तो इसका मतलब मोनोहैलोजिनेशन ही करना है लेकिन अगर मैं गलती से यहाँ पर एक सी एस थ्री लगा दूँ और अब दे दू क्लोरिनेशन यूवी लाइट में तो पता है इसके कितने डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट बन जाएंगे जितने भी पॉसिबल हो जितने भी पॉसिबल हो मतलब यहां का हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो सकता है सबसे पहले तो मैं एक एक करके बना लो इसका रटने का नहीं है कि अरे सर रट लिया इसके प्रोडक्ट नहीं 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 अब आप अलग अलग टाइप्स के बना के देखोगे कहां, कहां कहां से डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट कहां से बना सकता हूं अगर यहां का हाइड्रोजन भी रिप्लेस कर सकता हूं सर एक काम करते यहां का हाइड्रोजन भी रिप्लेस कर सकते हैं सर जहां जहां का हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे मिथाइल के रिस्पेक्ट में पोजिशन आइसोमस देख लो डिफरेंट आइसोमस लो यहां एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया यहां एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया अब मेरी मर्जी यहां कोई बोले सर यहां क्यों नहीं किया दोनों बराबर हो जाएंगे अगर आपको लगता है कि ये करना है तो करके देख लो वो भी बराबर हो जाएगा किसने बोला सर एक और बन जाएगा हाँ भाई बन जाएगा ये देख लो कितना बन जाएगा कोई बोले सर यहां किया यहां क्यों नहीं किया देख लो बन जाएगा चारों के चारों

कितने पॉसिबल आइसोमर्स बन सकते हैं सोचो क्या हो जाएगा सोचो क्या हो जाएगा इसमें सिर्फ और सिर्फ यही है एक ही बन पाएगा कैसे अरे सर कहीं का भी हटा के देख लीजिए ये चारों कार्बन जो है ना वो सिमिलर टाइप के के हैं आप किसी और का हटा के देख लीजिए एक ही प्रोडक्ट बनेगा सिंपल एक प्रोडक्ट किसी और चारों चारों के चारो कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो सिमिलर टाइप का नेचर है कहीं भी करोगे वन पे क्लोरो आ जाएगा टू टू डाइमिथाइल हो जाएगा करके देख लेना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अलग, अलग अलग आएगी तो ये मोनोहैलोजिनेशन में क्या करना है जितने डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट बने ये ध्यान रखिएगा ये नोट करके रख लीजिएगा पॉली हेलोजिनेशन होता है ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है मोनोहेलोजिनेशन नॉर्मली हम मोनोहेलोजिनेशन लेके चलते पॉलीहेलोजिनेशन होगा तो ऐसे प्रोडक्ट बनता चला जाएगा अगर क्लोरीन एक्सेस में हो गया तो ये लगातार रिएक्शन करता चला जाएगा सारा का सारा रिएक्शन करा देगा तुम्हारे दिमाग में आएगा सर क्लोरीन ही क्लोरीन क्यों कर रहे हो ब्रोमीन ये सब क्यों नहीं ले रहे भैया क्लोरीन की बात ब्रोमीन क्यों नहीं लिया इसके पीछे का रीजन ये रिएक्शन ना ये जो हेलोजिनेशन है हेलोजिनेशन जो है ना अगर मैं तुमसे बात करूं तो हेलोजिनेशन अगर अगर आप हेलोजिनेशन डायरेक्ट आयोडीन का करने फ्लोरीन का करने चलते हो चलो मान लो आपने फ्लोरीन ले गया आए बोला सर फ्लोरीन का रिएक्शन करा दो पता है क्या होगा फ्लोरीन भाई साहब हाईली अपने पास ये पता है क्या करेगा फ्लोरीन की एफिनिटी कुछ ज्यादा ही है भाई ये पता चला ये बना के निकल गया मतलब डायरेक्ट फ्लोरिनेशन जो है डायरेक्ट फ्लोरिनेशन करने जाओगे डायरेक्ट फ्लोरिनेशन करने जाओगे तो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन जो होती है बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव होगी मतलब ब्लास्ट हो जाएगा बोलेगा भाई एक काम करो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नॉट पॉसिबल आप डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं कर सकते क्यों क्योंकि सर डायरेक्ट फ्लोरिनेशन करने जाओगे फ्लोरीन क्या करेगा सारे जितने भी हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन है सबको साइड लेके आ जाएगा बोलेगा एच एफ बना लेते हैं भाई कार्बन का साथ छोड़ देंगे हाइड्रोजन फ्लोरिन के साथ चला जाएगा अगर डायरेक्ट फ्लोरनेशन करोगे तो अगर आप क्लोरिनेशन करते हो मान लो क्लोरिनेशन करने जाते हो तो क्लोरिनेशन के साथ अच्छी बात क्या है कि क्लोरिनेशन आसान है क्लोरिनेशन क्या है दैट इज लेस सेलेक्टिव ये क्या है लेस सेलेक्टिव है मतलब ये आराम से इसको ज्यादा टेंशन नहीं लेते क्लोरिनेशन आराम से हो जाता है बहुत लेस सेलेक्टिव रिएक्शन है बहुत लेस सेलेक्टिव रिएक्शन होती है और इसके साथ अच्छी बात क्या है कि ये फास्ट होता है मतलब सेलेक्टिव होने का रीजन बता देता हूं देखो अगर क्लोरिनेशन जैसे मान लो करने चले तो क्लोरिनेशन में क्या है ना कि वो ज्यादा भाव नहीं देता वो बोलता है यार चलो यार वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री अब ये वन डिग्री हाइड्रोजन है ये वन डिग्री है ये टू डिग्री है तो उसको ज़्यादा भाव नहीं देता बोलता है यार मुझे उतना ज़्यादा चूज ही नहीं बनना लेस सेलेक्टिव का मतलब होता है कि अगर वन डिग्री हाइड्रोजन है टू डिग्री हाइड्रोजन है और थ्री डिग्री हाइड्रोजन है रिप्लेस करने जाएगा तो वन डिग्री का अगर रेशियो वन है मतलब उसको वन डिग्री अगर वन डिग्री को रिप्लेस करने की टेंडेंसी अगर वन है तो टू डिग्री को रिप्लेस करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है थ्री पॉइंट एट और थ्री डिग्री को रिप्लेस करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है Five. मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं हाँ थ्री डिग्री की है थ्री डिग्री की वन डिग्री से ज्यादा है लेकिन इसके केस में कोई परसेंटेज निकालने को नहीं आता कोई बोले सर कितना परसेंट कौन बनेगा नहीं हाँ मजा कब आता है जब आपके पास आपकी लाइफ में क्या आता है ब्रोमिनेशन ब्रोमिनेशन करने जाओगे भाई साहब तो ब्रोमिनेशन में क्या होता है कि ये भाई साहब स्लो रिएक्शन होता है स्लो रिएक्शन होगा और ये क्या होता है मोर सेलेक्टिव होता है हाईली सेलेक्टिव क्यों अरे भाई ब्रोमिन है हाई लेक्टिव हाईली सेलेक्टिव होगा ये क्या करता है ये भाई साहब इनका देखोगे तो ये तो भैया वन डिग्री टू डिग्री और थ्री डिग्री में इनका बहुत डिफरेंस होता है मतलब इनका अगर वन डिग्री एक का रिस्पेक्ट है तो ये एट्टी वन टाइम्स और ये कितना हो जाता है सिक्सटीन हंड्रेड टाइम्स ये रेशियो चलता है सोच लो इसके केस में एकदम आंख बंद करके मतलब अगर तुम्हें ये कंपाउंड देता मैं अगर मैं तुम्हें ये कंपाउंड दे रहा था अगर मैं ये कंपाउंड देता हूं ठीक है अगर मैं ये कंपाउंड देता हूं और इसका ब्रोमिनेशन कराता हूं तुमसे इसमें मेजर प्रोडक्ट पूछ पूछ दे तो तुम आंख बंद करके मेजर प्रोडक्ट बता सकते हो ब्रोमिनेशन का मेजर प्रोडक्ट बता सकते हो क्यों क्योंकि ब्रोमिनेशन का जो टेंडेंसी है ना भाई बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री में देख रहे हो थ्री डिग्री का कितना ज़्यादा है सिक्सटीन हंड्रेड टाइम्स ज़्यादा है मतलब यहाँ पर देखो एक और पांच मेरे पास पाँच रुपये तुम्हारे पास एक रुपये बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाए ठीक है।, है थोड़ा बहुत डिफरेंस है सेलेक्टिव है लेकिन अगर सोलह सौ रुपये हैं मेरे पास और तुम्हारे पास एक रुपए हैं तो तुम डिप्रेशन में जा सकते हो सोचो ना अपने अपने सीधी सी हाथ है अपने अपने एक मार्क्स आ रहे हो दोस्त के थ्री पॉइंट एट आ रहे हो दूसरे दोस्त को पाँच आ रहे हो तो सब एक साथ घर पे जाएंगे एक साथ पिटाई खाएंगे कह रहे ठीक है घर वाले भी ज्यादा नहीं बोले लेकिन अगर पता चला दोस्त के इतने आ रहे जो तुम्हारे साथ खेल रहा था उसके सिक्सटीन आ रहे तो घर वाले फिर तो

क्यों क्योंकि मुझे पता है कि भाई ये ब्रोमीन का थ्री डिग्री की टेंडेंसी बहुत हाई है उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वन को सिक्स हंड्रेड टाइम मल्टीप्लाई करोगे तब जाके उसकी टेंडेंसी उसके बराबर पहुंचेगी ये दिख नहीं रहा वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री में आंख बंद करके ब्रोमिनेशन कर सकते हो सब ब्रोमिनेशन एकदम हमेशा सेलेक्टिव होता है कोई दिक्कत नहीं उसका मेजर प्रोडक्ट प्रिडिक्ट हो सकता है क्लोरिनेशन में मेजर प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी इस बात की गारंटी है वो अगर कोई बोले कि नहीं परसेंटेज निकालना है भाई

एच एन ओ थ्री कॉन्क एच एन ओ थ्री इसको क्या चाहिए इसका रिवर्सिबिलिटी स्टॉप करने के लिए रिक्वायर कॉन्सनट्रेटेड एच एन ओ थ्री या फिर एसिड ले लो एच फोर टू स्टॉप रिवर्सिबिलिटी अगर आप लेते हो तो वो क्या बना देगा है? वो अपने को रिवर्सिबिलिटी को स्टॉप करना है तो आयोडिनेशन के लिए आयोडिनेशन के केस में आपको ये इन सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज करना पड़ता है सो so दैट कि आप आयोडिनेशन कर पाओ अदरवाइज ये प्रोसेस मेनली जो करा जाता है हेलोजिनेशन ऑफ आल्किन जो किया जाता है वो मेनली किया जाता है क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए फ्लोरीन के लिए भी प्रोडेक्ट नहीं किया जाता फ्लोरीन भी अच्छा नहीं माना जाता फ्लोरीन के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता ना ही ब्रोमीन के लिए माना जाता है इसको मेनली किया जाता है हम लोग करते हैं मेनली कि भैया ये किसके लिए पॉसिबल है क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए और उसमें भी ज्यादा स्पेशल लेना है तो ब्रोमीन ज्यादा क्योंकि वो थ्री डिग्री है जैसे एक सिंपल सी चीज देखना ये देखो देखो अगर मैंने बोला इस रिएक्शन को देखना अगर मैंने बोला कि सी एल टू यूवी तो तुम्हें पता है इसके कितने प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे और तुम्हें माइनर डिसाइड नहीं कर पाओगे क्यों क्योंकि सर इसमें ना अब डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बना के चेक कर लो अब सर ये भी हो सकता है ठीक है सर ये भी हो सकता है इसमें कोई मेजर माइनर आप प्रोडक्ट नहीं कर पाओगे परसेंटेज निकालने जाओगे बहुत टाइम लग जाएगा आप अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हो अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हो ये वन टू ये वन टू हो गया वन थ्री हो गया और वन फोर हो गया जब भी बनाओगे अलग अलग आइसोमोस बना दो और ये हो गया ये पांच प्रोडक्ट बन गए आप इसमें से मेजर माइनर डिसाइड नहीं कर पाओगे लेकिन अगर मैं यहीं पे आपको अगर ये दे देता ना ब्रोमीन और न्यू दे, दे देता अगर मैं ये दे, दे देता तो पता है क्या हो जाता है यहाँ पे सीधा एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा और पता है कौन सा बनेगा आप गेस कर चुके हो कर सकते हो क्या सीधा सीधा क्या बन जाएगा ये बन जाएगा ब्रोमीन पे लग जाएगा यहाँ ब्रोमीन क्यों लगा बिकॉज ये थ्री डिग्री है और जहाँ थ्री डिग्री है ब्रोमीन सीधा सीधा यहीं क्या हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा उसमें मैं नहीं बता सकता मुझे कैलकुलेशन करके बतानी पड़ेगी यहाँ पर मैं आराम से डायरेक्ट बता सकता हूँ क्योंकि ब्रोमिनेशन क्या होता है सेलेक्टिव होता है ब्रोमिनेशन क्या होता है सेलेक्टिव होता है तो इस तरह के क्वेश्चन का ध्यान रखना अगर ऐसा क्वेश्चन आया

तो अगर मोनो कर रहे हो तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बताओगे और अगर ब्रोमिनेशन या क्लोरीनेशन कर रहे हो तो आप मेजर माइनर भी बता सकते हो उसमें आयोडिनेशन फ्लोरीनेशन और क्लोरीनेशन ये सारा का सारा हमने डिस्कस कर लिया है सेकंड प्रिपरेशन देखो अल्केन से प्रिपरेशन अल्केन से जो प्रिपरेशन करी हम लोगों ने जो एल्कीन से प्रिपरेशन करी वो किससे एल्कीन से प्रिपरेशन क्या किया एक ही मेथड है कौन सा फोटोहेलोजिनेशन फोटो हेलोजिनेशन से हम लोग करते हैं फिर रेडिकल मैकेनिज्म होता है देख भाई अब चीज़ें कुछ इलेवंथ की रिवाइज हो रही इलेवंथ का कुछ प्रॉब्लम कोई बोले सब पूरा डीप में बताओ तो भाई वो पूरा इलेवंथ चला जाएगा फिर अगर उसकी पूरी मैकेनिज्म इन सब की बात करेंगे तो यहाँ जो ट्वेल्थ में सीखना है आप एनसीआर क्वेश्चन अटैम्प्ट करना आपको मिल जाएगा जितना बता रहा हूँ ठीक है ना कोई बोले नहीं सर वो भी कराओ तो भाई उसका कोई लॉजिक नहीं फिर ठीक है ना वो तो फिर अब टाइम वेस्टेज है पहला मेथड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब क्या होता है इसको ऐसा क्यों नाम देते हैं सबसे पहली चीज अगर आपको नहीं याद आता या कुछ चीजें अगर कोई किसी रिएक्शन का नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइन एड होता है इसका मतलब यह होता है कि इलेक्ट्रोफाइल इज एडेड पोस्ट टू ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसमें यह एड होता है ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में सबसे पहले वो इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है और इसमें देखोगे तो इसमें इंटरमीडिएट बनता है कार्बो कटाइन इंटरमीडिएट बनता है कार्बो कटायन जो इंटरमीडिएट बनता है वो होता है कार्बो कटायन और कार्बो कटाइन जो होता है कार्बो कटाइन के साथ एक दिक्कत ये है कि कार्बो कटाइन खुद को ओनली इंटरमीडिएट ये सिर्फ और सिर्फ यही एक इंटरमीडिएट है जो खुद को क्या करता है रीअरेंज करता है ओनली इंटरमीडिएट विच अंडरगो विच अंडरगो रीअरेंजमेंट जो अपने आप को क्या करता है रीअरेंज करता है विच अंडरगो रीअरेंजमेंट टू गेन स्टेबिलिटी ये खुद को अरेंज कर सकता है याद रखना जितने भी आप इंटरमीडिएट पढ़ते हो उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बो कटाइन ऐसा है जो खुद को रीअरेंज कर लेता है इन बिटवीन द रिएक्शन एक ऐसा इंटरमीडिएट जो खुद को रीअरेंज करेगा अच्छा जिन लोगों को लगता है कि रियरेंजमेंट नहीं आता तो वो क्या करते हैं वो किसको फॉलो करते हैं मार्कोनिक ऑफ्स रियज मार्कोनिक ऑफ्स रूल मार्कोनिक ऑफ रूल क्या कहता है देखो मार्कोनिक ऑफ रूल क्या कहता है मार्कोनिक ऑफ रूल क्या कहता है यार इसको भी ना बंद कर देता हूं ये जरूरत नहीं है इसको बाद में ठीक मार्कोनी को रूल क्या कहता है मार्कोनी को रूल क्या बोल रहा होता है मार्कोनी को रूल फॉलो किया जाता है और मार्कोनी को रूल क्या कहता है मार्कोनी को रूल कहता है कि अगर आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन है ये किसमें वैलिड होता है सर वैलिड होता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ठीक है लेकिन मार्कोनी का रूल क्यों ही हमें पढ़ना है मार्कोनी का रूल क्या इलेवेंथ क्लास तक सही लगता है अब तो हमें कार्बोकेटाइन पता होता है रीअरेंज कर लेंगे देखो अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है ना सिमेट्रिकल एल्कीन है देखना ध्यान से अपने को टेंशन कहाँ से आती है कार्बोकेटाइन सबकी टेंशन कहाँ से आती है देखो सिमेट्रिकल एल्कीन है मान लो ऐसा है अगर सिमेट्रिकल एल्किन है मतलब दोनों साइड सेम सेम टाइप के लोग हैं कोई दिक्कत नहीं सर इसके केस में अगर एच एक्स एड करते हो तो कुछ नहीं करना एक साइड एच प्लस एड कर दो एक साइड एक्स माइनस कर दो कोई मैकेनिज्म की जरूरत नहीं किसी भी साइड एक साइड एच एड कर दो किसी एक साइड एच ऐड कर दो किसी एक साइड क्या कर दोगे किसी एक साइड क्या कर दोगे एक्स एड कर दोगे कोई टेंशन नहीं कोई भी नो no रूल कोई रूल नहीं सर कोई टेंशन नहीं नो no टेंशन मतलब नो टेंशन नहीं लिखते कोई रूल की जरूरत नहीं है सिमेट्रिकल है कोई दिक्कत नहीं कहीं भी है कहीं कोई बात नहीं अब जैसे कोई मान लो ऐसा दे दिया है कहीं ऐसा दिया हुआ है दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन क्या है सेम है दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन का क्या है सेम इन्वायरमेंट है सिमेट्रिकल है यहां मैं अगर एक्च सी एल एड करता हूं मेरी मर्जी है तुम्हारी मर्जी जैसे जहां लगे सर मुझे यहां ऐड करना है ऐड कर दो नहीं मन करे नहीं करो कोई दिक्कत नहीं तुम्हें तो लगता है उस साइड क्लोरीन ऐड करना है उस साइड क्लोरीन ऐड कर देना कोई दिक्कत नहीं ये देख लो सिमेट्रिकल अल्किन है तो उसके केस में कोई रूल की जरूरत ही नहीं दिक्कत कहाँ आती है अनसिमेट्रिकल अल्किन में अनसिमेट्रिकल अल्कि में क्या होता है आपको अनसिमेट्रिकल अल्किन में अनसिमेट्रिकल अल्कि में आपको फॉलो करना पड़ता है कार्बोकटायन का और इन सबका रूल अनसिमेट्रिकल अनेट्रिकलिन है तो अब आपको मार्कोनिक रूल, या मैं बोलूंगा आप आप छोड़िए का, का रूल फॉलो कीजिए जहां भी हो सकता है सबसे अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकलिन में आपको क्या देखना होता है ध्यान से देखिएगा इंटरमीडिएट जो बनेगा ना जो अनसिमेट्रिकल अनेट्रिकलिन होगा उसमें इंटरमीडिएट जो होगा वो क्या होगा स्टेबल कार्बोकटायन और इंटरमीडिएट डिसाइड करेगा कि भैया इंटरमीडिएट क्या होगा स्टेबल कार्बोक जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो अब देखना ध्यान से अगर आपको ये रिएक्शन मिल गया अगर आपको ये रिएक्शन मिल गया तो आप क्या करने वाले हैं? अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मीनिंग समझना बेटा मैकेनिज्म आप इलेवेंथ क्लास में भी जानते हो मार्क होने का फेंडे मैं अभी मत समझो कुछ नहीं सिंपल सा समझने की कोशिश करो आपको कुछ नहीं ये H प्लस है और ये क्या है सीएल माइनस पहले केस में कौन अटैक करेगा स्टेप वन में कौन अटैक करेगा तो स्टेप वन में सबसे पहले कौन अटैक करता है सर इलेक्ट्रोफाइल कौन अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल अटैक होगा अब इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल इज एडेड

और अगर आप अपोजिट करते हो अगर आप अपोजिट कर दोगे अगर आप अपोजिट कर दोगे तो आप ये देख लोगे कि भाई कौन सा कार्बोकटाइन ये कार्बोकटाइन यहां पर कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल है या यहां पे? अब हाइपर कंजुगेशन एक वर्ड होता है आई होप सो आपको पता होना चाहिए अदरवाइज अगर आपको हाइपर कंजुगेशन नहीं पता कि यहाँ पर तीन अल्फा हाइड्रोजन होंगे यहाँ पर छः हाइड्रोजन होंगे अगर आपको नहीं पता तो आप सिंपल सा याद रख लेना कि भैया कुछ नहीं जहाँ पर भी ज़्यादा ग्रुप्स होंगे उधर वाले को क्या करना है कार्बोकटाइन बना देना है अगर एकदम ही एकदम ही नील बटे सन्नाटा है कि सर हाइपर कंजुगेशन नहीं पता ये सब नहीं पता तो अपने को बता रहा हूँ आप सिंपल सा पहले केस में क्या करोगे कार्बोकटाइन बनाओगे और कार्बोकटाइन क्या बनेगा सर कार्बोकटाइन हम वो बनाएंगे जो ज्यादा स्टेबल होगा और मुझे दिख रहा है कि मेरा कार्बोकटाइन कौन सा स्टेबल है ये वाला कैसे पता चला यहां छह अल्फाइड्रोजन है अगर यहां करता तीन अल्फाइड्रोजन है अगर अब ध्यान सुना कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट जब बनता है तो वहां पर हम एक चीज और चेक करते हैं कि ये खुद को इससे ज्यादा स्टेबल बना सकता है क्या क्योंकि ये एक ऐसा इंटरमीडिएट है जो खुद को रीअरेंज कर सकता है तो लोग ये पूछते हैं इससे ज्यादा स्टेबल बन सकता है क्या काउंट कर लो इधर कितने हैं अपने पास सर इधर अपने पास दो अल्फा हाइड्रोजन प्लस तीन आठ है कहीं और मूव करा के देख लो आपको नहीं मिलेगा उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा तो इसीलिए ये स्टेबल है अब स्टेप टू में क्या होता है आप स्टेबल कार्बोकेटाइन बना चुके हो स्टेबल कार्बोकेट आपने बना लिया आपको पता अगर स्टेबल नहीं होता तो मैं इसको रीअरेंज करता अभी में भी सिखा स्टेबल नहीं होता तो रीअरेंज करता अब कौन अटैक करेगा तो अब कौन अटैक करेगा तो बी आर माइनस सॉरी सीएल कौन अटैक करेगा सी एल माइनस कौन अटैक करेगा अब सी एल माइनस किसका अटैक होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ सी एल माइनस अब ये अटैक करेगा Cl माइनस सीएल माइनस इस पर क्या करेगा अटैक करेगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ सी एल माइनस सर अब क्या बन जाएगा सी एस थ्री सी एच एच और ये क्या हो जाएगा सी एस थ्री ये क्या हो जाएगा सी एस थ्री और यहाँ क्या हो जाएगा सी एल ठीक है ओवरऑल देखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं सी एस थ्री सी एच टू सी एच सॉरी थ्री और ये क्या हो गया सी एल हो गया ओवरऑल हमारा ये प्रोडक्ट बन जाए अब इसको लोग मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिक ऑफ से रट लेते हैं मुझे उसकी जरूरत नहीं अगर मुझे पता है कि पहले केस में इलेक्ट्रोफाइल ऐड कीजिए और स्टेबल कार्बोकटाइन बनाने की कोशिश कीजिए कोई बोले मार्कोनिक क्यों नहीं रट लेते सर अरे मार्कोनी रटने जाओगे रट लोगे कोई दिक्कत नहीं लेकिन मार्कोनिक ऑफ में रीअरेंजमेंट नहीं काउंट हो रहा होता है ठीक है ना मार्कोनिक ऑफ में रीअरेंजमेंट काउंट नहीं हो रहा होता है तो याद रखिएगा सारी कहानी किससे है अनसिमेट्रिकल अनसेमेट्रिकलिन से अच्छा चलो एक बात बताओ रिएक्टिविटी का ऑर्डर कोई पूछ दे कौन सा जल्दी रिएक्टिव होगा रिएक्टिविटी ऑर्डर कोई पूछ दे तुम खुद से सोच के बताना कौन सा एच प्लस करेगा एच बी आर पहले रिलीज करेगा एच प्लस देगा रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका होगा एच आई का होगा एच बी आर का होगा एच सी एल का होगा एच एफ का होगा किसका रिएक्टिविटी ऑर्डर ज्यादा होगा कौन जल्दी एच प्लस दे देगा विच वन विल गिव एच प्लस जल्दी कौन देगा सर ये क्युं? क्यों क्योंकि सर हाइड्रोजन एच एफ में तो ये आप दिक्कत हो जाती है में क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एच एफ जल्दी अपना हाइड्रोजन नहीं देता है एच आई जल्दी, जल्दी जल्दी अपना एच प्लस दे देता है तो अपने को जल्दी मिल जाएगा एच प्लस मिला तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी तो रिएक्टिविटी अगर कोई पूछे तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है एच आई की फिर किसकी एच बी आर की फिर किसकी एच सी एल की फिर किसकी अपने पास एच एफ की हो जाएगा ये हो जाएगा श्योर हो अन में अब एक एग्जाम्पल में कार्बोकटाइन के उसका भी दिखा देता हूँ जैसे ये अगर मैं इसमें एच बी आर एड करता हूं ध्यान से देखना अगर मैं इसमें एच बी आर ऐड करता हूं तो यहां पर देखो अब क्या होगा यहां पर एच बी आर एड करता हूं तो क्या होगा अब तुम्हें ही पता है पहले स्टेप में सर क्या होगा कार्बोकेटाइन बनेगा कहीं पे कहाबोकेटाइन पे बनायू यहां बनाऊ यहां बनाऊ बनाओ भी बनाओगे अपने पास जैसे ही किसी एक साइड बनाओगे देख लो यहां बल्कि ग्रुप बोला ना अगर ज्यादा नहीं समझ में आए तो, तो बल्कि ग्रुप लगा दो ये देख लो कार्बोकेटाइन कहां बनेगा सर ये पहले स्टेप में कार्बोकेटायन क्या बन जाएगा आपकी मर्जी आप चेक करना चाहो यहां प्लस लगा के देख लो कितने हाइड्रोजन मिलेंगे और इसके पगल लगा के देख लो कितने हाइड्रोजन मिलेंगे जो अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट समझ में आए और नहीं तो बेस्ट की याद रखो कि यार यहाँ पे कार्बो कैटाइन बनाएंगे और यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा पहला स्टेप स्टेप वन और अब ये कार्बो कैटाइन क्या है अपने आप को स्टेबलाइज करेगा कैसे स्टेबलाइज कैसे करेगा ये देख ले भाई स्टेबलाइज कैसे करेगा तो सर यहां पर देखेंगे तो ये खुद को क्या करेगा सर हाइड्राइड शिफ्ट करेगा हाइड्रोजन शिफ्ट करके अगर हाइड्रोजन शिफ्ट करके अगर आपका या देखो यहां पर चार अल्फा हाइड्रोजन है चार अल्फा हाइड्रोजन इसके बगल वाले तीन और इसके बगल में एक चार अल्फा हाइड्रोजन है ठीक है भाई प्लीज अब थोड़ा सा मतलब तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं अगर भाई दो अल्फा हाइड्रोजन तुम तो नहीं पता हाइपर कंजुगेशन प्लीज जाकर रिवाइज कर लीजिएगा जीओसी मैंने बोला है आपको रिवाइज करने के लिए प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा जैसे ही मैंने हाइड्रोजन शिफ्ट किया ये देख लो इधर से ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा इस साइड आ जाएगा कार्बो और जैसे ही हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ अब देखना कितना हो जाएगा कार्बोकटायन का एक हाइड्रोजन इधर से तो इधर गया ये पॉजिटिव आ गया कितने हो गए आठ अल्फा हाइड्रोजन हो गए सर ये क्या हो गया मोर स्टेबल हो गया ये क्या है सबसे स्टेबल कार्बोकटायन और जैसे ही सबसे स्टेबल कार्बोकटायन हुआ स्टेप वन में देख लो अब यहां से स्टेप टू आएगा यहां पर अब कौन अटैक करेगा बी आर माइनस अब बी आर माइनस अटैक करेगा तो बी आर माइनस ऐसे हो जाएगा कि सर यहां पर बी आर आके अटैच होगा तो अगर आप अगर आप मार्कोनिक रूल रट के चले जाओगे तो मार्कोनिक रूल में एक ही दिक्कत आएगी वो रीअरेंजमेंट ऑफ काबो के का टाइम जल्दी नहीं लेता है इसलिए आपको बेसिक मैकेनिज्म पता होगा तो जल्दी से जल्दी आप कर लोगे अल्कीन की भी रिएक्शन है ये अल्किन का हेलो अल्किस का भी रिएक्शन आ गया तो आपकी मर्जी आप जैसे चाहो वैसे इसको देख सकते हो बस याद रखना इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है मैंने सारे पॉइंट इधर लिख दिए हैं कि इसमें रीअरेंजमेंट क्या होगा पॉसिबल होगा रिएक्टिविटी का ऑर्डर देख लीजिएगा इंटरमीडिएट कार्बो कटान है जहां जहां इंटरमीडिएट कार्बो कटान जिस रिएक्शन में चाहे वो एस एन वन आएगा अभी तो उसमें भी देखोगे इंटरमीडिएट है वो फिर से रीअरेंज करेगा जहां टार्बो कटाना है ना समझ जाओ कि वह

एच बी आर ठीक है इन प्रेजेंस ऑफ सिर्फ और सिर्फ किसके लिए इन प्रेजेंस ऑफ पोरक्साइड सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है एच बी आर के लिए किसके प्रेजेंस किस में पोरक्साइड के प्रेजेंस में ध्यान से देखना एंटी मार्कोनिक क्या कहता है एक्चुअली ये जो होता है ना ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है इसमें इसमें ध्यान से सुन लेना अपने पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है यहां पर क्या होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है यहाँ पर क्या होता है कि आपका लेस स्टेबल या बोल सकते हैं फ्री रेडिकल है अपने पास तो फ्री रेडिकल में अपने को थोड़ा अलग मैकेनिज्म आ जाता है यहाँ पहले ब्रोमीन अटैक होता है फिर एच रेडिकल अटैक होता है इसलिए दिक्कत आती है जैसे यहाँ पर एंटी मार्कोनिक ऑफ फरास का, मतलब खरास इफेक्ट बोले या पोरॉक्साइड इफेक्ट बोले तो यहाँ रेडिकल मैकेनिज्म होगा और इसके केस में डिफरेंस देखना ध्यान से देखो अगर मैं नॉर्मल एच बी आर एड करता ध्यान से देखना नॉर्मल एच बी आर एड करता तो ये किसको फॉलो करता रूल को मार्कोनिकार्कोनिक मतलब आपको स्टेबल कार्बोकटाइन देखना है मार्कोनिक आपका ना प्रोडक्ट पता है क्या बनता सबसे स्टेबल कार्बोकटाइन इन दोनों डबल बॉन्ड में कौन बनता है ये बनता कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल तो है नहीं तो यहां पर क्या आ जाता बी आर अटैच होता और यहां पर क्या बनता सी एस थ्री बनता ध्यान सुनना। लेकिन अगर मैं इसी रिएक्टेंट को अगर ऐसे बी आर करूं और एच बी आर एड करूं किसके प्रेजेंस में पॉर ऑक्साइड के प्रेजेंस में।, में? में तो ये क्या करेगा एंटी मार्कोनिक ऑफ रिएक्शन मतलब सर अपोजिट डायरेक्शन में ये उसके पास हाइड्रोजन देगा जिसके पास उसके पास

प्रोपेन बन रहा है यहाँ वन ब्रोमो प्रोपेन कोई बोले मार्कोनिक ऑफ एंटी मार्कोनिक ऑफ तो मार्कोनिक ऑफ ये कहता है कि जो निगेटिव पार्ट होता है या जो इलेक्ट्रॉन निगेटिव पार्ट होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव पार्ट वो उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास लेस हाइड्रोजन हो मार्कोनिक ऑफ ये कहता है एंटी मार्कोनिक ऑफ उल्टा कहता है मोर उल्टा एंटी मार्कोनिक ऑफ क्या कहता है कि भैया उसके पास निगेटिव पार्ट जाए या मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पार्ट जाए जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ डबल बॉन्डेड हाइड्रोजन हो कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन हो हमें इतना सब पूरा मैकेनिज्म में नहीं जाना है इनके हमें कोशिश करनी है कि भाई हमारा काम हो गया एंटी मार्कोनिक ऑफ किसके लिए वैलिड है एचबीआर इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड एचसीएल के लिए भी नहीं वैलिड नहीं होगा याद रखना एचसीएल के लिए नॉट वैलिड फॉर बार-बार बोल रहा हूँ नॉट वैलिड फॉर ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है नॉट वैलिड फॉर एचएफ एचसीएल एचआई ठीक है इवन इन प्रेजेंस ऑफ इवन इन प्रेजेंस ऑफ परकसाइड। अगर परऑक्साइड लगा भी दिया ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा परऑक्साइड लगा भी दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा की में भी इसको कुछ फायदा नहीं होने वाला है में भी फायदा नहीं होगा। सर, देख लो, का तो मेजर रीजन यही आ जाता है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाते हैं कोई पूछे क्यों नहीं पॉसिबल है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है मतलब सारे स्टेप्स क्या हैं एंडोथर्मिक है। भाई इतना रिएक्शन को एनर्जी मिलेगी तब तो दोगे ना एंडोथर्मिक थर्मिक एच आई में बात करोगे तो यहां पर भाई साहब ये भाई साहब हाँ में बात करोगे तो एच हाँ आई में क्या हो जाता है कि पहला स्टेप, हाँ में बात करें तो इसका फर्स्ट स्टेप जो होगा एक्सोथर्मिक हो जाता है इसको बिचारे को पहला स्टेप ही एक्सोथर्मिक हो जाएगा एंड अदर आर एंडोथर्मिक हमें क्या चाहिए हमें चाहिए कि भाई ऐसा रिएक्शन रेडिकल रिएक्शन मतलब ज्यादा एनर्जी चाहिए अब एनर्जी देगा कौन हमेशा अपने को परमानेंट एनर्जी थोड़ी ना मिलेगी सारे के सारे जितना एक्सोथर्मिक होगा जितना जैसे एच बी आर के केस में क्या होता है ऑल स्टेप्स आर ऑल स्टेप्स आर एक्सोथर्मिक तो यहां पर एनर्जी ना मिलती रहती है और इसीलिए अपना काम चलता रहता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में देख लो फ्रेडिकल रिएक्शन है तो फिरेडिकल रिएक्शन हमेशा एनर्जी चाहिए फिरेडिकल रिएक्शन लोअर टेम्परेचर पर नहीं होगा ज़्यादा एनर्जी चाहिए फिरेडिकल बनाने के लिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो एच और एस्थिर में नहीं होता क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एंडोथर्मिक सारे रिएक्शन एंडोथर्मिक यहाँ देख लो तो एक एक्जोथर्मिक है बाकी सारे एंडोथर्मिक है तो ये भी पॉसिबल नहीं है सिर्फ और सिर्फ एच बी आर ही है जो एंटी मार्कोनिक ऑफ शो कर देता है कि हाँ भाई मैं एंटी मार्कोनिक ऑफ शो कर दूंगा तो देख लो एल्किन्स का जो प्रिपरेशन है अल्किन से अगर आप चाहते हो तो पहला प्रिपरेशन क्या है कि सर एच बी आर एड कीजिए एच सी एल एड कीजिए चाहे एच आई एड कीजिए बस अगर आप नॉर्मल ऐड करते हैं काबो कैटायन बनेगा और फिर उसका रीअरेंजमेंट करके देखिए अदरवाइज अगर एंटी मार्कोनिक ऑफ करना चाहते हैं तो एंटी मार्कोनिक ऑफ कर लीजिए एक बहुत ही प्यारा सा आप चाहें अल्किन्स में एलाइलिक सब्सिट्यूशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एलैलिक सब्सिट्यूशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगेन मैं बोल रहा हूँ ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है बेटा आपको बस इतना ही बेसिक जो चीज़ें पता होनी चाहिए कोई बोले सर आप पूरा मैकेनिज्म क्यों नहीं बता रहे अरे भैया पूरा मैकेनिज्म करेगा ना तो पूरी ऑर्गेनिक में इतने रिएक्शन हो जाएंगे इतनी मैकेनिज्म हो जाएगी कोई रट ही नहीं पाएगा सिंपल सा बेसिक चीज याद रखो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसके लिए जो रिएजेंट यूज़ करते हैं ना कौन कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं ये देख लेना अपने पास जैसे मैं अगर क्लोरिन यूज कर रहा हूँ तो ये सेवन सेवेंटी थ्री या ब्रोमीन यूज कर रहा हूं तो ये 773 सेवेंटी थ्री कैलविन अगर एन बी एस यूज कर रहा हूं एन ब्रोमोसक्सीनामाइड एच नी यूज कर रहा हूं या फिर मैं बोल दूं सल्फ्यूराइल क्लोराइड प्लस 473 सेवेंटी थ्री कैलविन अगर मैं ये सब यूज़ कर रहा हूँ एसओ टू सी एल टू एस ओ टू सी एल टू एस ओ टू सी एल टू और सल्फ्यूराइल क्लोराइड और प्लस फोर सेवनटी थ्री कैलविन ये सब यूज कर रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ पोरऑक्साइड अगर ये सब यूज कर रहा हूं तो ही क्या होगा इन्हीं सब केसेस में आपको क्या मिलेगा एलाइलिक मतलब जो जो बहुत हाई टेम्परेचर दे दिया तो यहां पर रेडिकल जो बनेगा वो फ्रेडिकल सीएल टू जो एड होगा एलाइलिक सब्सटी मतलब सीएल टू जो एड होगा वो कहा एड होगा तो ये वाला क्यों क्योंकि आपको ही पता है यहां जो फ्रेडिकल बनेगा ये अपने पास सबसे स्टेबल बन जाएगा तो Cl2 टू एट द प्रेजेंस ऑफ सेवन सेवेंटी थ्री या फिर हम बोल सकते हैं कि अब यहां पर और कुछ लगा लो आ, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो भी अपने को यहां पर ब्रोमीन लग जाएगा एनबीएस मतलब एन ब्रोमो सक्सीना हो जाता है एन ब्रोमो सक्सीना बन जाता है तो ये ब्रोमीन लग जाएगा तो एलाइलिक सब्सिट्यूशन का मतलब ये हो जाता है एलाइलिक सब्सट्रीट्यूशन का मतलब ये हो जाता है ओके एलाइलिक सब्सटीट्यूशन का बस रिएजेंट याद रखना जैसे अब यहां पर देख लो ये है फिर से वही आ गया इसके केस में क्या हो जाएगा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच एन बी एस है तो ये क्या बन जाएगा सी एच टू बी आर इसके केस में क्या होगा एसओ टू सी एल टू है तो ये भी क्या बन जाएगा एलाइलिक LI सब्सटीट्यूशन -like बन जाएगा एलाइलिक LI सब्सटीट्यूशन -like बन जाएगा एलाइलिक LI सब्सटीट्यूशन -like बन जाएगा एसओ टू प्लस एच सी एल बाहर आ जाएगा यहां ध्यान रखना आपने पास कोई बोले साइड प्रोडक्ट बनाओ तो एसओ टू प्लस एच सी एल एलाइलिक की बस कंडीशन याद रखना एल्किस के केस में एलाइलिक कब होगा ये रिएजेंट याद रखिएगा रेडिकल मैकेनिज्म बहुत हाई रखिएगाचर ये सारा फ्री रेडिकल जब भी आएगा ना हाई टेम्परेचर ही आएगा तो एल्किस से बनाने के तीन तरीके आ गए एक सीधा सीधा एच सी एल एच बी आर एड कर दो दूसरा दूसरा तरीका क्या है तो सर दूसरा तरीका है कि हम लोग क्या करना शुरू कर दें इन लोगों के केस में दूसरा तरीका क्या था हम लोगों के पास कि सर एंटी मार्कोनिक ऑफ एक मार्कोनिक ऑफ एक एंटी मार्कोनिक ऑफ एक आगे आपने

अगर मैं यहां पर जैसे ब्रोमीन डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ सीसीएल फोर इवन ये टेस्ट के फॉर्म में ये इसका कलर जो होता है रेड ब्राउन होता है ये अभी तुम्हें पता भी चल जाएगा डिस्टिंक्शन करने के भी काम आता है अगर आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में निकालना है तो ये डिस्टिंक्शन करने के काम आता है ये देख लो किसी को लग रहा हो सर ये कैसे बन गया कुछ नहीं डबल बॉन्ड तोड़ के क्या बन जाएगा

और रिएक्शन में कोई कलर चेंज नहीं होता कोई नहीं होता लेकिन यहाँ पर आप चाहो तो इसको अनसेन का टेस्ट भी कंसिडर कर सकते हो कि सर आपका कलरलेस अगर आप मान लो किसी ने बोला डबल बॉन्ड है या नहीं है तो एक काम करो ब्रोमीन डाल दो ब्रोमीन डाल दो और वहां पे चेक कर लो टेस्ट करके देख लो ठीक है टेस्ट करके देख लो हो जाएगा इसमें एक ही चीज है इसका जो इंटरमीडिएट है ध्यान से सुनना भाई साहब इसको बोलते हैं हम लोग नॉन क्लासिकल कार्बो कटायन अब जिन लोगों को जियो सी नहीं पता है बेटा कोई बात नहीं थोड़ा सा वेट करना जहां मौका मिलेगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसका जो इंटरमीडिएट है वो नॉन क्लासिकल कार्बो कटायन है मतलब इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है अब जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए बस आप इतना ही जान जाओ नो रीअरेंजमेंट हमेशा कौन सा एडिशन होगा एंटी एडिशन होगा एंटी एडिशन का मतलब क्या होता है कि सर अगर आपने ये ब्रोमीन अगर नीचे बनाया है तो इस ब्रोमीन को हम लोग ऊपर बना देंगे एंटी एडिशन का मतलब ये हो जाता है एंटी एडिशन काफी ज्यादा मतलब एंटी एडिशन के कारण क्या होता है स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनते हैं एंटी एडिशन के कारण स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट बन जाते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैसे स्पेसिफिक प्रोडक्ट ध्यान से सुनिएगा अगर सिस का सिस का एंटी एडिशन करेंगे भाई फिर से बोल रहा हूं देख लेना सिस ट्रांस ये सब बेसिक चीजें पता होना चाहिए सिस का एंटी एडिशन करेंगे तो पता है सिस का एंटी एडिशन क्या प्रोड्यूस करता है रेशमिक मिक्सचर प्रोड्यूस करता है किसको प्रोड्यूस करता है रेशमिक मिक्सचर प्रोड्यूस करता है इसको याद करने का शॉर्टकट कर तरीका है कार एंटी एडिशन प्रोड्यूसेस रेस्मिक मिक्सचर सिस का अगर एंटी एडिशन करोगे मतलब अगर हेलोजिनेशन करोगे सिस अल्किन का तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा लेकिन अगर वही बात ट्रांस की, की जाए अगर वही बात ट्रांस की, की जाए अगर इसकी एंटी एडिशन करते हो तो इसके एंटी एडिशन में क्या मिलता है इसके एंटी एडिशन में मीजो कम्पाउंड्स मिल जाते हैं इसके एंटी एडिशन में क्या मिल जाता है मीजो कंपाउंड मिल जाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं टैम ठीक स के एंटी एडिशन पे क्या मिलते हैं मीजो कंपाउंड्स मिलते हैं ये स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं इस इस क्वेश्चन में अपने पास देख लेना स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिल जाएंगे हेलोजिनेशन ऑफ अल्किन्स जब भी करेंगे स्टीरियो स्टीरियो स्पेसिफिक स्पेसिफिक प्रोडक्ट प्रोडक्ट एंटी एडिशन करेंगे अपने पास बनता चला जाएगा कोई बोले सर कैसे होगा क्या होगा एक तो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन डबल बाउंड विश्नल डायेलाइट बनेगा क्या बनेगा विश्नल डायेलाइट विश्नल डायेलाइट नोम क्लेचर अभी थोड़ी देर पहले बताया है ठीक है विश्नल डायेलाइट जैसे मान लो ये कंपाउंड है, देख लो भाई जिसको सिस और ट्रांस भूल चुका है देख लो दोनों सेम टाइप के ग्रुप सेम साइड तो सिस बोलेंगे और दोनों अलग अलग डायगोनली अपोजिट तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे ट्रांस अब दोनों में ब्रोमीन ऐड होना है दोनों में ब्रोमीन ऐड होना है लेकिन दोनों में ब्रोमीन ऐड करने के तरीके अलग अलग है 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 सिस सिस का का एंटी 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 ये देख के लग रहा है कि एंटी एडिशन है, तो एंटी एडिशन तो तो जब करने चलोगे तो सर इसके ना दो प्रोडक्ट बनेंगे अगर आप इसको देखोगे इसके दो प्रोडक्ट बन जाएंगे इसके दो प्रोडक्ट बन जाएंगे एंटी में जुड़ेगा ब्रोमीन हमेशा एंटी ही रहेगा लेकिन ये अगर इसका मिरर इमेज भी एक प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा इसका मिरर प्रोडक्ट भी बन जाएगा मिक्सचर का मतलब होता है कि आपके पास क्या बन जाए सर मिक्सचर मिक्सचर कार ऑन एंटी एडिशन प्रोड्यूसेस ये देख लो ट्रांस का एंटी एडिशन करने जाओगे तो सर यहाँ एक ही प्रोडक्ट बनेगा लेकिन इसके अंदर इसके अंदर ट्रांस का एंटी एडिशन में एक ही प्रोडक्ट बनेगा लेकिन ये क्या बन जाएगा मीजो कंपाउंड ये क्या बन जाएगा मीजो ये क्या है मीजो और ये क्या है सर ये वाला जो होगा ये रेस्मिक मिक्सचर बन जाएगा ठीक है भाई अब जी के अंदर मीजो ये सब पता होगा नहीं पता है तो भाई ट्राई करो जितना हो सकता है इसको इलेक्ट्रोफिलिक एंटी एंटी एडिशन एंटी मार्कोनिक ऑफ तीसरा हेलोजिनेशन और दूसरा बीच में हेलोजिनेशन था और उसके पहले कौन सा आया था एलाइलिक सब्सिट्यूशन ये चार तरीके अल्किन से बनाने का एक तरीका था हेलोजिनेशन से बताने का एक तरीका था फोटो एडिशन। और चौथा ये हेलोजिनेशन जिसके अंदर भी पॉइंट्स मैंने बता दिए तो एल्कीन से हम लोग बना सकते हैं किसको अब ये जो पोर्शन जितना भी तुमने अभी तक तो किया है ना सारा रिएक्शन ये कही कहीं ना कहीं इलेवे से इंस्पायर्ड है क्योंकि अल्कीन और अल्किन आप वहां भी पढ़ते हो अब जो पढ़ेंगे वो अगले चैप्टर से इंस्पायर्ड हो जाएगा इसलिए बोल रहा हूँ देखो ऑर्गेनिक के साथ एक ही दिक्कत है अगर किसी का मैं बोल रहा रहे ना कि ये वाला क्योंकि हर एक चीज अब रिलेट कर रहे हैं कोई बोले सर मिक्सचर कैसे हुआ भाई ये इस एक दूसरे का मिरर इमेज है तो बन जाता है रेस्मिक मिक्सचर अगर आप इलेवेंथ का जीओसी नहीं याद है तो भाई प्लीज कहीं से भी वन शॉट देख लो मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि उसके पीछे का लॉजिक यही है पक्का ये देख लो अब देखना मान लो इसके पीछे मैं बताऊं अब सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब सर कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है और उसके अंदर सिल्वर सॉल्ट मतलब ये लगा देते अगर सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है तो पता है इससे भी हेलोल्किन्स बना सकते हैं कैसे तो सर इसके पीछे सीधा सीधा इस रिएक्शन का नाम होता है बोरोडीन बोरोडीन हंस डिकर्स रिएक्शन बोरोडीन हंस डिकर्स रिएक्शन बोरोडिन डिकर्स रिएक्शन ये हम लोग करते हैं बोरोडीन डिकर्स रिएक्शन इसमें देखोगे सिल्वर सॉल्ट ऑफ अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग ले लेते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं तो ये भी अगेन रेडिकल मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है अगेन ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है क्या होता है ध्यान से देखना क्या होता है बोरुडिन कर्स में मेनली होता है किसके लिए सर ये मेनली अपने पास ये रिएक्शन करने के लिए होता है ध्यान से देखना इसको रिएक्शन कराते हैं मान लो ये है तो यहां पर देखोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे हम लोग रिएक्शन रिएक्शन कराते हैं किसका ब्रोमीन का इन द प्रेजेंस ऑफ सी सी एल फोर तो ये बना देता है आर बी आर प्लस ए जी बी आर का पीपीटी और प्लस बना देता है सीओ टू गैस अब इसके बारे में दो तीन लाइन ध्यान रखिएगा रिएक्शन के बारे में। यहां पर इसके साथ एक चीज याद रखिएगा कि जो प्रोडक्ट बनता है प्रोडक्ट क्या होता है वन कार्बन लेस बन जाता है एक कार्बन कम का बनेगा प्रोडक्ट प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगा एक कार्बन कम का बनेगा ये ध्यान रखिएगा इसके केस में प्रोडक्ट हमेशा एक कार्बन कम के लिए होगा सबसे बेस्ट सुटेड है अगर मैं ब्रोमीन के बदले क्लोरीन या आयोडीन लेता हूं क्लोरीन ले लूं या आयोडीन ले लूँ, तो उनके केस में देखोगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा? अगर मैं लेता हूं अगर मैं कोई बोले कि सर इसमें क्लोरीन ले ले लेते तो दिक्कत नहीं है क्लोरीन लूंगा ना प्रोडक्ट का जो ये जो सीसीएल टू प्लस सीसीएल फोर बनाने को आरसीएल बन जाएगा लेकिन भाई इसका ना इसका जो होगा ये जो इल्ड है ये जो इल्ड है ना पुअर इल्ड आएगी क्या बन जाएगा पुअर इल्ड में आएगा बहुत बेकार होगा मतलब ऐसा होगा कि यार जितना पैसा लगा रहा है उसका एकदम दस परसेंट भी नहीं आ रहा है पांच परसेंट की बात चल रहा होगा अगर मैं इसी की बात अगर यहां पे कर दू अगर आयोडीन के केस में बात करूंगा आयोडीन के केस में बात करूंगा तो इसके आयोडीन के केस में देखना अगर आयोडीनेशन कर दिया इसके साथ में तो पता है क्या बन जाएगा ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि यहां पर आर आई नहीं बनेगा अल्काइल लड़ नहीं बनेगा अल्काइल डर नहीं बनेगा पता है क्या बन जाएगा यहां पर एस्टर बन जाता है देख लेना यहां पर एस्टर बन जाएगा ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर एस्टर बन जाएगा अगर आयोडाइड ले लिया ना अगर मैंने आयोडाइड ले लिया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा एस्टर बन जाएगा यह देख लेना इसके केस में जब भी रिएक्शन आए जब भी रिएक्शन आए तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर सल्फ सिल्वर सॉल्ट ले रहे तो यहां पर याद रखना कि भाई कुछ नहीं आपको बेसिक सा चीज करना है कि आर सी यू आर एजीआई प्लस ये मेनली इसके लिए वैलिड है मतलब वैलिड फॉर एरोमेटिक उसके लिए भी वैलिड होगा ऐसा नहीं है कि नहीं होगा एरोमेटिक एसिड्स इसके लिए भी वैलिड होगा कोई बोल देगी नहीं करके दिखाइए तो आप चाहे तो फिनॉल का भी करके बना सकते हैं चाहे बेंजोइक एसिड का भी बना सकते हैं बेंजोइक एसिड में भी चलेगा सेम चीज बस आयोडीन के, के केस में याद रखिएगा आयोडीन के, के केस में क्या बनेगा एस्टर बन जाएगा तो हम लोग मेनली जो ये रिएक्शन करते हैं वो किसके लिए करते हैं ब्रोमीन के लिए करते हैं मेनली जो मोस्ट यूज किया जाता है मोस्टली यूज फॉर ब्रोमिनेशन RBR या फिर एरोमेटिक के कंपाउंड्स के लिए एरोमेटिक बी आर इसके लिए यूज किया जाता है कि आप इसको बनाते हैं ब्रोमीन के लिए क्लोरीन करोगे पुअर जाएगी मतलब इतनी बेकार जाएगी यार मतलब फायदा ही नहीं होगा तो इस लॉजिक का कोई लॉजिक इसका कोई लॉजिक नहीं है कि ब्रोमी क्लोरीन को लेके चल रहे है. हाँ अगर आयोडीन लेके चलोगे तो क्या बन जाएगा एस्टर बन जाएगा

अब अल्केन से हो गया अल्कीन से हो गया अल्केन से हो गया अल्कीन से हो गया हम लोगों ने एसिड से भी देख लिया सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड जिसका नाम है बोरोडिन हंसडिकस रिएक्शन बोरोडिन हंसडिकस रिएक्शन अब बात करते हैं अल्कोहल से अल्कोहल से अल्कोहल से, से देखोगे तो भैया कुछ नहीं अल्कोहल में क्या करना है अगर अल्कोहल से देखो तो यहां पर क्या करेगा अगर कोई भी अगर बंदा आए तो यहां पर सीधा सा यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां से अल्कोहल से जाना है आर में कैसे जाएगा सिंपल सा है सर कुछ नहीं अल्कोहल है ये देखो ध्यान से सर, सिंपल सा रिएक्शन है इसमें क्या ही दिक्कत है अगर अगर सिंपल सा रिएक्शन करा दिया जाए अगर ऐसा रिएक्शन करा दिया जाए कि पानी अपने आप को बाहर निकाल दे हाइड्रोजन एसिड या इसको बोल दे हम लोग सब्सटीट्यूशन कर दे किसके साथ तो क्या दिक्कत आ जाएगी कुछ दिक्कत नहीं है आप कैसे कर सकते हो मतलब HX का सीधा सीधा रिएक्शन दिख रहा है कि सर कुछ नहीं करना आपको ऐसे करना है अब सिंपल सी चीजें यहां पर कुछ चीजें आ जाएंगी वो क्या है एक बात बताओ सबसे पहले इधर से H प्लस जाएगा उधर से OH एच माइनस आर एक्स बनना है ठीक है मतलब इसमें सीधा सा है कि रिप्लेसमेंट हो रहा है किसका रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप एल्कोहल ग्रुप का बाई एक्स हाइलोजन से हो रहा है रिप्लेसमेंट और कुछ इस रिएक्शन में थोड़ी ना हो रहा है इस रिएक्शन में और कुछ तो हो नहीं रहा पक्का इस रिएक्शन में ऐसा कुछ है नहीं है कि हम लोग लाइफ में कुछ और चल रहा है इस रिएक्शन में हमें और कुछ नहीं देखना अब देखना ध्यान से पहले ये बताओ रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताओ रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे पहले कौन सा एसिड ये रिएक्शन जल्दी जल्दी शो करेगा खुद से सोचो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था एच आई एच बी आर एच सी एल और एच एफ सबसे पहले कौन H+ प्लस देगा H+ प्लस कौन दे रहा होगा अगर तो डिग्री, डिग्री, डिग्री अल्कोहल ये कौन सा करेगा थ्री डिग्री एल्हल फास्ट फिर टू डिग्री फिर वन डिग्री अभी देखेंगे इसके केस में अब टेस्ट भी आ जाएगा यही एक टेस्ट भी बना देगा यही एक टेस्ट भी बना देगा और टेस्ट का नाम हो जाता है हम लोगों के पास डिग्री टू डिग्री यहाँ पर हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं कैटलिस्ट यूज करते हैं एनहाइड्रस जेड एन सी एल टू एनहाइड्रीएल टू एन हाइड्रस जेड एन सी एल टू या फिर हम लोग बोल देते हैं कॉन्क एच टू एस ओ फोर डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब ये जो यूज कर रहे हैं ना या और कॉन्सनट्रेटेड एच टू एस ओ फोर ये सब क्या है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है देखोगे तो हो क्या रहा है कुछ नहीं इस रिएक्शन में पानी ही तो निकाला जा रहा है डिहाइड्रेशन ही तो किया जा रहा है किसी अल्कोहल से पानी निकाल दो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग कि सर ये हो रहा है अब इस केस में होता क्या है यहाँ पर एक सबसे फेमस है लुकाज रिएजेंट लुकाज रिएजेंट क्या है तो लुकाज रिएजेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं एच सी एल प्लस एल टू को एल टू को, एल प्लस एल टू को हम क्या बोल देते हैं और लोग यूज करते हैं लुकाज टेस्ट यूज करते हैं टू डिस्टिंग वन डिग्री डिग्री एंड थ्री डिग्री अल्कोहल देख लो भाई प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का जो तुम लोग बोल रहे है, practical chemistry हुआ है उसका कुछ portion यहाँ पे भी complete होता जा रहा है लुकास टेस्ट हम लोग करते हैं के के लिए कैसे करेंगे ध्यान से देखना अपने पास केस के के में चले जाते हैं ये देख लुकास टेस्ट कैसे होता है अगर मैं लेल एच सी केस में तो यहां पर क्या होगा कि सर अगर थ्री डिग्री एल्कोहल है मान लो थ्री डिग्री एल्कोहल है ये थ्री डिग्री एल्कोहल है और इसको मैं दे तो, भी नहीं, होती. में तो की भी नहीं है सीधा सीधा डालोगे सर सीधा सीधा क्या बन जाएगा आरसीएल प्लस एच टू बन जाएगा इसके केस में जो ये टर्बिडिटी आती है ध्यान रखना इसमें जो आर एक्स बनेगा ना ये पानी के अंदर ये टर्बिडिटी का काम करेगा टर्बिडिटी का, का काम करेगा ठीक है आर एक्स पानी में डिजोल्व होगा तो ये टर्बिडिटी मतलब थोड़ा सा बोलते हैं ना मिट्टी उट्टी जैसे डिजोल्व हो जाए पानी के अंदर तो टर्बिडिटी मतलब उसके अंदर क्या होगा दिखेगा कि यार इसका ना कदर कुछ ऐसा बन रहा है तो ये आरबीडी इसमें देखोगे टर्बिडिटी जो आती है इन सेकेंड्स आ जाएगी फास्ट मतलब इसके लिए तो कैटलिस्ट की भी जरूरत नहीं अगर थ्री डिग्री एल्कोहल है ना तो कैटलिस्ट की भी ज़रूरत नहीं आप सीधा सीधा करोगे सीधा सीधा रिएक्शन करेगा टर्बिडिटी अपने पास विद इन सेकेंड आ जाएगा टर्बिडिटी विद इन सेकेंड आ जाएगी मतलब कोई जरूरत ही नहीं अपने पास रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ कोई कैटलिस्ट नहीं रूम लेकिन अगर यही आर अगर ये टू डिग्री एल्कोहल में होगा अगर टू डिग्री एल्कोहल के साथ यही रिएक्शन कराओगे एच की रिएक्शन कराओगे तो यहां पर हमें चाहिए होगा एनहाइड्र सी एल रिएक्शन तो होगी टर्बिडिटी आएगी लेकिन हाँ थोड़ा टाइम लगेगा टर्बिडिटी इन मिनट्स किस किसमें आएगी मिनट्स में आ जाएगी टर्बिडिटी किस में आएगी मिनट्स में आ जाएगी इन मिनट्स आ जाएगा मिनट्स आ जाएगा और यहां पर देखेंगे टब्ल डिटीन मिनट्स टू डिग्री में और अगर वन डिग्री है तो भाई साहब वन डिग्री में यही रिएक्शन अगर रूम टेम्परेचर पे करने की कोशिश की तो भैया ये कुछ नहीं करने वाला नॉट पॉसिबल एट रूम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे तो ये बेचारा कुछ रिएक्शन नहीं करेगा अगर आप लगता है कि नहीं पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर ये क्या करेगा हाई टेम्परेचर पे पॉसिबल हो जाएगा हाई टेम्परेचर पे पॉसिबल होगा तो यहां से आप क्या कर सकते हो टेस्ट कर सकते हो एच क्या कर रहा है डिस्टिंगशन करके दे रहा है कि वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री में देखो वन डिग्री बेचारा तो रूम टेम्परेचर पे एच डाला है नाइड्रोजेड एनसीएल टू की जरूरत भी नहीं अपने आप ही कर गया कोई दिक्कत ही नहीं हो रही लेकिन अगर तुम देखोगे टू डिग्री थ्री डिग्री वन डिग्री में थ्री डिग्री में तो अपने को जरूरत नहीं थी लेकिन टू डिग्री वन डिग्री में देखोगे तो यहाँ पॉसिबल ही नहीं होगा यहाँ पॉसिबल ही नहीं होगा अब अलग अलग तरीके हैं उसके हिसाब से देख ले एच सी एल केस में ये हो जाता है ये टेस्ट हो जाता है ये हमारे लिए क्या है लुकास टेस्ट है वन डिग्री मान लो तीन तुम्हें ऐसे दे दिया जाए तीन अलग अलग ग्लास दे दिया जाए उसके अंदर लिक्विड डाल के दिया जाए पूछा जाए कौन सा वन डिग्री एलकोल है कौन सा टू डिग्री है कौन सा थ्री डिग्री है तो कुछ नहीं करना है एच सी एल डाल दो इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रोस टू जैसे ही डालोगे अगर विद इन सेकंड अगर अपने पास क्या बन रहा है टर्बिडिटी आ गई सॉल्यूशन दिखने लगा ऐसे वो मतलब दिख रहा है कि हाँ कुछ डिजोल्व हो रहा है समझ जाओ कि भैया थ्री डिग्री है अगर दो तो चार मिनट लग रहे हैं पांच मिनट लग रहे हैं अगर उस हो रहा है तो टू डिग्री एल्कोहल और वन डिग्री एल्कोहल में तो भैया पॉसिबल ही नहीं है वन डिग्री एल्कोहल में तो भैया पॉसिबल ही नहीं है कि आपके रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल हो पाए वन डिग्री एल्कोहल में पॉसिबल नहीं होगा ठीक है तो एल्कोहल के केस में याद रखिएगा अगर एच यूज करते हैं तो एच सी केस में ऐसा हो जाता है कि भैया एनहाइड्रस ये लुकास रिएजेंट ये लैब में भी यूज होगा यहां भी यूज होगा अगर आप ट्वेल्थ क्लास में है तो आपके बोर्ड में भी ये लुकास टेस्ट आपको मिल सकता है कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है आप कभी भी टेस्ट करना चाहें कोई पूछ दे क्वेश्चन ऐसे ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि सर हाउ टू डिस्टिंग यूज थ्री प्रोपेन टू ऑल और प्रोपेन वन ऑल प्रोपेन टू ऑल प्रोपेन वन ऑल यहां पर अगर आपसे कोई पूछ दे कि सर प्रोपेन टू ऑल और, और प्रोपेन वन ऑल का डिस्टिंक्शन करके बताइए कोई कंपाउंड ऐसे प्रोपेन वन ऑल प्रोपेनॉल और प्रोपेन टू ऑल का डिस्टिंगशन करके बताइए कैसे डिस्टिंग करेंगे आप एक काम करेंगे दोनों केस में क्या डाल देंगे एस सी एल इन देंस ऑफ एनाइड्रोसिडेंचर पर देखेंगे तो आपको क्या होगा कि सर इसके अंदर लुकास टेस्ट एक बंदा लुकास टेस्ट दे रहा होगा ये देगा और ये नहीं देगा इसके केस में टर्बिडिटी आएगी इसके केस में टर्बिडिटी नहीं आएगी तो ये एक तरीका हो गया ये एक रिएक्शन भी हो गया और साथ साथ में एक तरीका मिल गया कि यार हमें ऐसे करना पड़ेगा ऐसे रिएक्शंस हो जाएंगी ठीक है अब कोई बोल दे कि सर एक काम करते हैं एच आई और एच सी एल का आपने रिएक्शन करा दिया एच बी आर और एच आई में कर दीजिए सर एच बी आर और एच आई का करने भी जाएंगे ना अगर आप एच बी आर के केस में जाते हैं तो याद रखिएगा ओनली फॉर वन डिग्री alcohol वन डिग्री alcohol में ही ये दोनों होते हैं टू डिग्री और थ्री डिग्री में इनकेस ऑफ टू डिग्री और थ्री डिग्री एल्कोहल हम बोल सकते हैं कि भैया इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इनकेस ऑफ टू डिग्री और थ्री डिग्री एल्कोहल बहुत ही बेकार मतलब पुअर पुअर इल्ड बहुत ही बेकार इसकी जरूरत है ही नहीं सिमिलरली एच आई केस में बात करें तो यह भी किसके लिए होगा ओनली फॉर वन डिग्री एल्कोहल यह भी वन डिग्री एल्कोहल के लिए ही वैलिड होगा टू डिग्री और थ्री डिग्री तक आते आते बेचारे बेकार हो जाते हैं ठीक है वन डिग्री एल्कोहल के लिए मतलब वन डिग्री एल्कोहल है ये देख लो आर ओ एच वन डिग्री एल्कोहल अगर आपने एच बी आर दिया तो बनना वही है आर बी आर प्लस एच टू सेम रिएक्शन लेकिन वन डिग्री ही रिएक्शन कर पाएगी टू डिग्री और थ्री डिग्री नहीं कर पाएगी इवन कभी कभी क्या होता है एच बी आर ना देके डायरेक्ट ना अगर कभी कभी क्या होता है कि एच बी आर डायरेक्ट ना देके देखना ध्यान से एच बी आर डायरेक्ट ना देके क्या दे दिया जाएगा ऐसा दे दिया जाए तो उससे टेंशन नहीं लो के बी आर प्लस एस टू एसओ फोर सर एनसीआर में रिएक्शन दिख जाएगी एन ए बी आर प्लस एस टू एस ओ फोर ऐसे दे दिया जाए सेम कहानी करना चाहता है ये कुछ नहीं के बी आर प्लस एस टू एसओ फोर क्या बना देगा एच बी आर एच बी आर और के एच एस ओ फोर तो वही यहाँ पर भी बन जाएगा आर बी आर प्लस एच टू प्लस के एच एस ओ फोर हो गया ये रिएक्शन ऐसे ही पॉसिबल है सिमिलरली वन डिग्री एल्कोहल के लिए यहां पर भी देखोगे तो ये भी सेम चीज होगी ये देख लो अपने पास वन डिग्री एल्कोहल है टू डिग्री और थ्री डिग्री के लिए हम लोग यूज नहीं करेंगे टू डिग्री और थ्री डिग्री नहीं होगा यहाँ पर एच आई यूज करोगे आर आई प्लस एच टू होगा और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर आप चाहो तो के आई प्लस फॉस्फोरिक एसिड और तो फॉस्फोरिक एसिड ये भी यूज कर सकते हो आर आई प्लस एच एस के एच पी ओ फोर और प्लस क्या बन जाएगा एच टू तो बना दो टू डिग्री के लिए वैलिड नहीं होता थ्री डिग्री केस में वैलिड नहीं होगा टू डिग्री और थ्री डिग्री केस में नहीं आएगा तो ये ध्यान रखना अपने पास ठीक है हो जाएगा श्योर है चलो भाई इवन ये रिएक्शन जितनी भी हम रिएक्शन कर रहे हैं जितने भी ये रिएक्शन हम लोग कर, लो कर रहे हैं जितनी भी रिएक्शन ये वन डिग्री टू डिग्री सबसे ज्यादा यूजफुल किसके लिए एच के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल किसके लिए एच के लिए ठीक है अब कोई बोल दे सर ये रिएक्शन आपने फिनॉल के केस में करा दो आप जितनी भी ये रिएक्शन कर रही है फिनॉल के केस में क्यों नहीं वैलिड होगी सर आप एक काम कीजिए ना फिनॉल के केस के में आपने अभी एक रिएक्शन लिखी कि सर आर है प्लस एच है प् ZNCl2, आपने क्या लिख दिया आर सी एल लिख दिया प्लस एच टू लिख दिया आप येहल में लगा सकते हो एलिफैटिक अल्कोहल में और खासकर अपने को एलिफैटिक अल्कोहल में लगा सकते हो कोई सेम रिएक्शन को अगर चाहे कि फिनॉल के केस में क्यों नहीं लगा सकते भैया देख लेना एनसीआर में आपको ये सब क्वेश्चन मिल जाएंगे अगर फिनॉल के केस में कोई बोले कि सर एच यूज करके बना दो फिनॉल नहीं करेगा ये रिएक्शन फिनॉल क्यों नहीं करेगा उसके पीछे का रीजन याद रखिएगा रीजन क्या है कि यहां पर जो ये बॉन्ड है ना क्या है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है पार्शियल डबल बॉन्ड ये रिएक्शन बॉन्ड कैरेक्टर इन कार्बन ऑक्सीजन फिनॉल के अंदर क्या हो जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाएगा कार्बन ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ रेजोनेंस रेजोनेंस होगा डबल बॉन्ड इधर आएगा और ये क्या हो रहा होगा रेजोनेंस ये बोल सकते हैं रेजोनेंस के कारण या मेजोमेरिक के कारण मेजोमेरिज्म मेजोमेरिक इफेक्ट इसको हम लोग क्या बोल देते हैं मेजोमेरिक इफेक्ट ठीक है मेजोमेरिक इफेक्ट तो याद रखना डबल बॉन्ड मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड होगा तो ऑबियस यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं होगी अगर आप चाहोगे तो भी अपने पास नहीं करा सकते भाई ये रिएक्शन इसके आगे पॉसिबल नहीं होती है ये रिएक्शन फिनॉल के केस में वैलिड नहीं होगी तो अल्कोहल के केस में आपको अगर निकालना है अल्कोहल से अगर प्रिपेयर करना है आपका अल्का अल्काइट तो एच सी एल सबसे बेस्ट है लुकास टेस्ट करा दीजिए और दूसरा लुकास टेस्ट करने के बाद दूसरा आप एक काम कर सकते हैं दूसरा एक काम कर सकते हैं लुकास टेस्ट के बाद एच सी एल एच आई एच बी आर एच आई के साथ भी कर सकते हैं लेकिन नहीं यार फायदा नहीं होगा ठीक है चलो अब एक काम करते हैं अगला प्रिपरेशन देखते हैं अगला प्रिपरेशन क्या बोलता है अल्कोहल से बनाने का तो दैट इज नोन एज यहाँ पे देखो रिएक्शन विथ एसोसीएल टू इसको हम बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड बहुत प्यारा सा रिएक्शन है क्यों इसका पीछे का रीजन भी अभी पता चलेगा आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे ये बेस्ट मेथड बोलता है इसके पीछे का रीजन ये है कि आप जब इसकी रिएक्शन कराते हो थायोनिल क्लोराइड में थायोनिल क्लोराइड में तो इसको हम लोग बोलते हैं डार्जेंस मेथड यहाँ डार्जेंस मेथड हो जाता है कैसे देखो इसको हम लोग बोलते हैं डार्जेंस मेथड किसके लिए यूज होता है सर हमेशा याद रखिएगा प्रिपरेशन ऑफ आरसीएल बनाने के लिए यूज होता है आरसीएल बनता है नॉट फॉर आरबीआर और आर आई इनके लिए यूज नहीं होता है उसके लिए यूज नहीं होगा तो भाई प्रिपरेशन देखने का प्रिपरेशन अगर मुझे करना है तो मैं यहां पर रिएक्शन विद एसो सी एल टू के साथ भी जाऊंगा इसको हम लोग क्या बोल देते हैं थायोनिल क्लोराइड याद रखना अपने पास अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इसी का एक भाई लिया था कहां पर अलाइल सब्सटीट्यूशन में एसओ टू सी एल टू ये क्या है एसओ सी एल टू ये बहुत तगड़ा मेथड है इसको हम लोग एक नाम भी देते हैं ये नाम हो जाता है इसका नाम हम लोग देते हैं डारजेंस रिएक्शन डारजेंस मेथड ठीक है डारजेंस मेथड होता है ये सबसे ज्यादा यूज किसके लिए हो जाता है यूज मेनली फॉर फॉर किसके लिए यूज होगा क्लोराइड्स के लिए होगा आरसीएल के लिए यूज किया जाता है ब्रोमाइड और के लिए नहीं किया जाता क्यों नहीं किया जाता क्योंकि एसओ टू और एसओ टू सर ये दोनों एसओ सी एल टू कह एसओ बी आर टू अरे यार एसओ बी आर टू और एसओ आई टू ये दोनों के लिए हम लोग एक नहीं करते क्यों एसओ आई टू एसओबीआर टू स्टेबल नहीं है एसओबीआर टू स्टेबल नहीं है और एसओ आई टू एग्जिस्ट नहीं करता एसओ बी आर टू ये स्टेबल है अनस्टेबल होता है और ये क्या करता है डू नॉट एग्जिस्ट तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है इसके लिए यूज होता है इसका बेस्ट मेथड क्यों है बेस्ट मेथड क्यों है ये बेस्ट मेथड क्यों कहलाता है बेस्ट मेथड क्यों कहलाता है एज बाई प्रोडक्ट्स आर जो इसमें बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे वो सारे के सारे बाई प्रोडक्ट्स आर एस्केपेबल गैसेस सारे के सारे गैसेस बन जाएंगे मतलब अगर रिएक्शन में देखोगे जैसे ही आपने किया रिएक्शन जैसे ही आपने ये रिएक्शन करा आर ओ एच प्लस एसओ सी एल टू जैसे ही आप रिएक्शन करोगे ये देखोगे आर सी एल प्लस एसओ टू गैस के फॉर्म में बाहर एच सी एल गैस के फॉर्म में बाहर तो रिएक्शन में क्या बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ आर सी एल याद रखिएगा बोर्ड एग्जाम के लिए भी जरूरी है पता होना चाहिए आर सी एल क्या है अगर देखा जाए तो आर ओ एच प्लस एसओ सी एल टू क्या बना देगा सारे के सारे गैस हैं तो ये सारे का सारा बीकर छोड़ के चला जाएगा अगर बीकर छोड़ के चला गया तो बच क्या जाएगा सीधा सीधा प्रोडक्ट बन जाएगा अब इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टीरियो केमिस्ट्री इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखो अगर एसओ सी एल टू खुद से आता है अगर एस सी एल टू अकेला आता है तो इसको हम लोग बोल देते हैं यहाँ पर ध्यान से देख लेना यहाँ पर हम लोगों की लाइफ में क्या होगा अगर एस सी एल टू अकेला आता है तो ये कर देता है एस एन आई और ये सीधा सीधा प्रोडक्ट देता है इसको हम बोलते हैं ये रिटेंशन वाला प्रोडक्ट है ये रिटेंशन होता है यहाँ पर रिटेंशन होगा एस टू प्लस एच सी एल होगा गैस गैस बाहर लेकिन अगर यही एसोसिएल टू अगर ध्यान से सुनना यही एसोसिएट टू अगर पायरिडीन के साथ आ जाए पायरिडीन और पायरिडीन के साथ आ जाए तो पायरिडीन के प्रेजेंस में ये जो मैकेनिज्म दिखाता है वो एस एन टू दिखाता है और एस एन टू मैकेनिज्म में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो आर सी एल आर प्लस एसओ टू प्लस एच सी एल यहाँ पर जो मैकेनिज्म आएगी ये क्या कहलाएगा इन्वर्जन होगा तो ध्यान से सुन लेना थायोनिल क्लोराइड का जो मेथड है थायोनिल क्लोराइड का जो मेथड है जिसको डार्जेंस मेथड बोलते हैं इसमें दो टाइप की मैकेनिज्म फॉलो होती है एक में एसन टू होगी और एक में एस एन आई एक में इन्वर्जन होगा एक में रिटेंशन

आ जाएगी मान लो ये दिया अब यहां पर देखोगे तो यहां पर मुझे दिख रहा है अब यहां पे कोई भी कंपाउंड ये तो मैंने बस इसके लिए दिया है यहां पर खुद से सोचो एसोसिएट टू एस एन टू है मैं यहां बार बार लिख रहा हूं एस एन टू है मतलब क्या हो जाएगा इनवर्जन हो जाएगा जो भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा इनवर्जन होगा इनवर्जन होगा मतलब बनेगा इनवर्जन होगा बार बार ट्राई कीजिएगा यहाँ पर देखेंगे तो ये जब करेंगे पता एस एन आई हमारे मैकेनिज्म में नहीं है एनसीआर में सिर्फ एस एन वन एस एन टू है लेकिन हाँ हमें पता होना चाहिए एसओ सी एल टू एक स्पेशल केस आएगा जहां पर क्या हो जाता है आर सी एल प्लस एसओ टू प्लस एच सी एल हो जाएगा

फॉस्फोरस फॉस्फोरस फॉस्फोरसाइड्स में देखोगे फॉस्फोरस में तो टू टाइप के एक फॉस्फोरस टेट्रा हेलाइट है और एक फॉस्फोरस पेंटा हेलाइट होता है फॉस्फोरस टेट्रा हेलाइट और एक फॉस्फोरस पेंटा हेलाइट अगर फॉस्फोरस टेट्रा हेलाइट के साथ ट्राई हेलाइट के साथ करते हो ट्राई हेलाइट के साथ करते हो अगर इसके साथ करते हैं तो बनता प्रोडक्ट आर एक्स है प्लस यहाँ पर जो बनता है एस थ्री पीओ थ्री बन जाता है एस थ्री पी ओ थ्री बन जाता है और अपने पास एस थ्री पीओ थ्री बन जाता है, है। आर एक्स बन जाएगा प्लस फॉस्फोरस एसिड बन जाएगा कोई स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं लेकिन अगर आर ओ एच प्लस पी सी पी एक्स फाइव कर देते हैं तो पी एक्स फाइव में देखोगे तो ये क्या बन जाएगा आर एक्स प्लस फॉस्फोरस ऑक्सी हैलाइड और प्लस क्या बन जाएगा एचिक्स बन जाएगा इसका साइड प्रोडक्ट याद रखिएगा क्योंकि एनसीईआरटी में ये रिएक्शंस हैं और बाई प्रोडक्ट भी आपको साइड में याद रहना चाहिए फॉस्फोरस ये ऑक्सी क्लोराइड हो जाएगा ब्रोमाइड हो जाएगा जो भी यहां पर देखोगे तो पीसीएल थ्री और पीसीएल थ्री पीसीएल थ्री के साथ अच्छे से रिएक्शन होती है ये रिएक्शन बहुत आराम से पीसीएल थ्री के साथ हो जाती है लेकिन दिक्कत कहाँ आती है ये रिएक्शन फिर से क्लोरीन के लिए ज्यादा अच्छी है ब्रोमीन और आयोडीन के साथ दिक्कत होती है ब्रोमीन और आयोडीन देखोगे तो सर यहां पर पी बी आर थ्री पी बी आर थ्री पी आई थ्री ये सब क्या होते हैं भाई नॉट स्टेबल so तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ये सब स्टेबल नहीं होते हैं तो इसीलिए इनका जो प्रोडक्शन होता है प्रोड्यूस्ड इन सी टू मतलब इन नहीं जैसे यहाँ पर देखो ये अगर मुझे करनी है ना जैसे प्लस एस थ्री पीओ थ्री हो जाएगा बैलेंसिंग की चक टेंशन मत आना कि अरे सर बैलेंसिंग कैसे करेंगे बैलेंसिंग करने जाएंगे तीन हेलोजन है यहां तीन से करेंगे यहां तीन करेंगे और ये फिर कितना हो जाएगा एस थ्री पीओ थ्री हो जाएगा हो जाएगा तो बैलेंसिंग छोड़ो पहले ये देख लो कि सी एस थ्री सी एल प्लस एस थ्री पीओ थ्री पी थ्री में हो जाएगा लेकिन अगर मुझे यहाँ पर क्लोरीन के बदले ब्रोमीन या आयोडीन लेके आना होता ब्रोमीन या आयोडीन लेके आना होता तो मैं इस केस में इस केस में ऐसा नहीं करता ये क्या करूंगा ये यहाँ पर क्या करूंगा अगर मुझे ब्रोमीन या आयोडीन चाहिए तो मैं इस केस में अगर मुझे यहां पर ब्रोमीन या आयोडीन चाहिए मुझसे किसने बोल दिया नहीं सर ब्रोमीन चाहिए या आयोडीन चाहिए तो मैं यहां पर बी आर कैसे लेके आऊंगा अगर मुझसे किसने बोल दिया अगर मुझे ये चाहिए इससे ये चाहिए तो मेरे पास ऑप्शन है मैं क्या करूंगा ये जो प्रोसेस है इसको मैं ऐसे कर देता हूं कि रेड फॉस्फोरस प्लस एच से इन सी टू बना सकते हो रेड फॉस्फोरस प्लस एच से इन सी टू बना सकते हो अब रेड फॉस्फोरस प्लस रेड फॉस्फोरस प्लस एच बी आर ठीक है या बी आर टू भी एड कर सकते हैं रेड फॉस्फोरस प्लस एच बी आर कह रहा हूँ रे, रेड फॉस्फोरस प्लस एच एक् नहीं हो गया रेड फॉस्फोरस प्लस एच आई का वो दिमाग में चल रहा था रेड फॉस्फोरस प्लस एक्स टू हो जाएगा वेयर आर एक्सेस ब्रोमीन अगर आयोडीन करना है तो आयोडीन भी लगा सकते हो याद रखना ये जो प्रोसेस है ध्यान सुन लेना ये क्योंकि बाहर वो नहीं है तो रिएक्शन के अंदर ही बना देना है अब रिएक्शन के अंदर बनेगा रिएक्शन के अंदर बनेगा रेड फॉस्फोरस प्लस एक्स टू वे एक्स इज इक्वल टू ब्रोमीन तो यहां पर इस केस में क्या आ जाएगा याद रखना 2 degree and 3 degree. टू डिग्री और थ्री डिग्री अल्कोहल का अगर आप यही रिएक्शन करने जाओगे तो भैया ये क्या करेगा टू डिग्री और थ्री डिग्री में ये रिएक्शन क्या करेगा बहुत ही बेकार मतलब टू डिग्री और थ्री डिग्री के लिए नहीं यूज करना है इन डायरेक्ट में ये बोला जा रहा है जहां भी लिख दिया जाए पुअर इल समझ जाना वो रिएक्शन उस कंडीशन में फेवरेबल नहीं होती है तो यहां पर अगर आप ये रिएक्शन कर रहे हैं देखो ये पीसीएल के साथ करोगे पीबीआर के साथ करोगे चलेगा कोई दिक्कत नहीं पीबीआर पीसीएल फाइव करोगे साइड प्रोडक्ट अपने पास डिफरेंट डिफरेंट लेकिन ये मेनली क्लोरीन के लिए सही है ब्रोमीन और आयोडीन के, के केस में

नाम में एफ आ रहा है तो इस मतलब फ्लोरिन का कोई लेना देना नहीं ध्यान रखना इसमें नाम एफ आ रहा है तो रिप्लेसमेंट ऑफ इंकल स्ट्रीसमेंट क्या होता है रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरीन या ब्रोमीन बाई आयोडीन क्लोरीन या ब्रोमीन इन अल्काइल हेलाइड जो भी हेलाइड हैं उनमें से अगर मान लो मेरा कोई अल्काइल हेलाइड बना हुआ है ध्यान सुनना आर एक्स है वेयर एक्स इज अगर कोई एक्स क्लोरीन या ब्रोमीन ऐसा लगा हुआ है अगर मैं इसको ट्रीट कर दूं सोडियम आयोडाइड इन ड्राई एसीटोन सोडियम आयोडाइड इन ड्राई एसीटोन इसको ट्रीट कर दूं तो पता है हेलोजन क्या हो जाएगा हेलोजन एक्सचेंज से क्या हो जाएगा ये बन जाएगा और प्लस ये एन एक्स बन जाएगा दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकल स्टिन रिएक्शन दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकल स्टिन रिएक्शन एन ए आई ड्राई स्टोन में हो जाएगा एन ए आई ड्राई स्टोन में बन जाएगा और ये एन एक्स और एन ए अपने पास एन एक्स और एन ए सी एल या एन ए बी आर जो होगा अपने पास प्रेस्टेड बना के साइड हो जाएगा प्रेस्टेड बना के साइड हो जाएगा मतलब ये सब्सिट्यूशन है आप कुछ नहीं हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन मतलब सब्सटीट्यूशन कर रहे हो किसका सर यहाँ पर जैसे कोई भी कंपाउंड दिया है मान लो अगर मैं अब मुझे डायरेक्ट बोला गया ये देखो मुझसे बोला गया कि सर इथेन से आयोडो इथेन बनाइए इथेन से बनाइए अगर मैं यहां पर डायरेक्ट आयोडिनेशन कर दू यूवी लाइट में आयोडिनेशन कर दू यूवी लाइट में तो सर ये डायरेक्ट पॉसिबल होगा क्या बहुत ही बेकार रिएक्शन बन जाएगी अगर मैं ये करना चाहूं तो बहुत ही बेकार से रिएक्शन बन जाएगी मुझे यहां से यहां जाना है तो मेरे पास ये सही तरीका नहीं है कन्वर्जन का ये सही तरीका नहीं है मुझे पहले क्या करना पड़ेगा क्लोरीन डालना पड़ेगा यूवी लाइट में रेडिकल मैकेनिज्म होगी सी एच थ्री सी एच टू सी एल बन जाएगा और फिर उसके अंदर मैं क्या डाल दूंगा सोडियम आयोडाइड इन ड्राई एसीटोन सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन तो एसिटोनोजन एक्सचेंज हो जाएगा और यहां पर क्या रिएक्शन आ जाएगी सी एच थ्री सी एच टू आई आयोडाइड लग जाएगा क्लोरीन के बदले क्या लग जाएगा आयोडाइड तो पहला हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हेलो अल्केस की टोटल पांच ही मेथड्स हैं पहला अल्केन से था अल्कीन से था अल्कीन के बाद एसिड से आया सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड फिर अल्कोहल से आया और अब लास्ट में क्योंकि फ्लोरिनेशन और आयोडिनेशन हमेशा प्रॉब्लम क्रीट करता है तो लास्ट में आयोडीन को देखो कैसे बनाते हैं आयोडीनेशन या आयोडीन के कंपाउंड बनाने हैं तो आपको हमेशा ये फिंगलस्टिन रिएक्शन यूज करनी है सोडियम आयोडाइड इन ड्राई स्टोन अपने पास सॉलीबल है और ये अपने पास पीपीटी बना के साइड में हो जाता है ठीक है ये देखो ये देखो स्वार्ट्स रिएक्शन की बात करते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन अगेन स्वार्ट्स रिएक्शन भी हाइलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन भी हाइलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है यहां पर भी हम बोल देते हैं कि कर दिया जाता है substitution... अच्छा ये सारा रिएक्शन जो होता है ना ये सारे रिएक्शन जो होंगे चाहे वो ऐसे फिंगर रिएक्शन हो ये रिएक्शन अभी जैसे मैकेनिज्म थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे लेकिन हाँ एस एन टू याद रखिएगा एस एन टू रिएक्शन होता है यहां पर सब्सटीट्यूशन ऑफ क्लोरीन या ब्रोमीन बाय फ्लोरीन मुझे अगर तो एग्जाम में 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 कंफ्यूजन से बचना है है तो है मैं क्या करूंगा रिएक्शन याद रखना किसी को लगे कि अरे सर में, में फ्लोरीन एक्सचेंज होता है या में होता या कुछ नहीं नाम एफ ना मतलब फ्लोरीन का कोई लेना देना नहीं. कर रहा है यह भी टू इज क्लोरीन और ब्रोमीन कुछ भी हो जाए इसमें कुछ नहीं करना मेटल फ्लोराइड मतलब मेटल फ्लोराइड मतलब क्या हो जाएगा कोई भी मेटल फ्लोराइड जैसे सिल्वर का मेटल मेटालिक फ्लोराइड मतलब सिल्वर फ्लोराइड मरकरी फ्लोराइड ऐसे कुछ मेटालिक फ्लोराइड ले लो मेटालिक फ्लोराइड ले लो लाइक like एजीएफ हो गया इस टाइप की चीजें ले लो ठीक है इस टाइप की चीजें ले लो ठीक है अगर ऐसी चीजें हम ले लेते हैं ऐसी चीजें अगर हम लोग ले लेते हैं शॉर्ट्स रिएक्शन में एस बी एफ थ्री ये सब चीजें अगर हम लोग ले लेते हैं तो मेटालिक फ्लोराइड में ये क्या हो जाता है अगेन एस एन टू मैकेनिज्म होगा और ये क्या बना देगा आर एफ बना देगा ये क्या बना देगा आर एफ बना देगा तो ये अगेन एस एन टू मैकेनिज्म को फॉलो करेगा रिएक्शन मतलब डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं कर सकते अगर मैं आपसे बोलू ना कि मुझे ये मैकेनिज्म ये यहाँ से यहां जाना है अगर मुझे यहां से यहां जाना है तो आप डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं कर पाओगे डायरेक्ट फ्लोरिन ऐड नहीं कर पाओगे आपको पहले क्या करना पड़ेगा सीएल टू यूवी लाइट में देना पड़ेगा और जैसे ही ये सी एस थ्री सी एल बना अब इसमें आप क्या डाल दो मेटल फ्लोराइड डाल दो ये क्या बन जाएगा सी एस थ्री मतलब मीथेन से फ्लोरोमीथेन का कन्वर्जन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते आपको स्वार्ड रिएक्शन यूज करना पड़ेगा

फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन मोनो हेलोजिनेशन टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट ये सब बातें करी फिर हमने एल्कोहल से किया फिर हमने एल्कीन से किया फिर हमने सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से किया एंड द लास्ट वन हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन किया तो यहाँ पर हमारा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्किन्स फिनिश होता है और यहाँ पर अब कुछ क्वेश्चन आपका वेट कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन आपका वेट कर रहे हैं जैसे ये है कुछ क्वेश्चन आप चाहो वीडियो पॉज कर लो चाहो वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लो चाहो वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लो वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लो ये देख लो इसके केस में देखोगे तो ये क्या बन जाएगा सी एस थ्री सी एल और यहां पर सी एस थ्री एफ लग जाएगा यही होगा सॉर्ट्स रिएक्शन हो गया वो मोनोहेलोजिनेशन हो गया यहां पर देखोगे तो अब ये देखो यूवी लाइट है तो सर यहां पर ये दोनों कार्बन में ये वन डिग्री कार्बन है ये टू डिग्री कार्बन है ये वन डिग्री है सर इन दोनों में वन डिग्री और टू डिग्री में किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है सर टू डिग्री की ज्यादा थी तो हम लोगों के लाइफ में मेजर कौन सा हो जाएगा ये हो जाएगा और ये माइनर क्या हो जाएगा वन डिग्री हो जाएगा अब एग्जैक्ट वैल्यू ना निकाल के हम डायरेक्ट डायरेक्ट अगर इसका सोडियम ट्राई ऐसी कर देते हैं सोडियम आयोडाइड है यहां पे गलती से मिसिंग है सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसका डी जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा सर तो यहां पर आयोडीन लग जाएगा क्या और इस केस में देखोगे तो माइनर प्रोडक्ट में अगर एजीएफ के साथ रिएक्शन कराते हो तो ये कौन सा रिएक्शन है ये फिंकल स्टिन रिएक्शन है और ये वाला क्या हो जाएगा ये वाला क्या हो जाएगा स्वर्ट रिएक्शन हो जाएगा क्या ये क्या हो जाएगा स्वाट रिएक्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा स्वर्ट रिएक्शन हो, हो, हो जाएगा तो ये छोटी छोटी और प्यारी प्यारी बातें देख लेना हो जाएगा श्योर हो तो सी एच फोर प्लस सी एल टू ऐसे ऐसे करके रिएक्शन कराते रहिए आपको कोई भी रिएक्शन दिखे जैसे अब ये देखो इतना लंबा चौड़ा रिएक्शन चलो ये एनबीएस है ध्यान से देख लेना यार कुछ टाइपिंग एरर है ये एन बी एस है ये एन बी एस है ये एच बी आर है चलो ए और बी बताना शुरू करो आप एक काम करो पहले इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करो खुद से अटेम्प्ट करके देखो ए क्या होगा ए क्या होगा अगर मैं सीधा सीधा बोलूं तो ए इज नथिंग एलाइलिक सब्सटीट्यूशन होगा अगर आपने सारी प्रिपरेशन कर लिया है तो ए इज एलाइलिक सब्सटीट्यूशन एलाइलिक सब्सटीट्यूशन में यहां क्या लग जाएगा ब्रोमीन फिर किसने बोला सर बी क्या होगा सर बी क्या होगा एच बी आर लग रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ पोरॉक्साइड एच बी आर इन द प्रेजेंस ऑफ पॉरक्साइड एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो होगा एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल में क्या हो जाता है एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल में क्या हो जाता है बी ये बन जाएगा सी क्या होगा ध्यान से देखना सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर इसको हम लोग वुड्स रिएक्शन बोलते हैं अगर आपको नहीं पता तो वुड्स रिएक्शन ध्यान रखिएगा ये वुड्स रिएक्शन बनेगा और इसका ऐसा तीन कार्बन है तो तीन कार्बन का फिर रेडिकल जनरेट हो जाएगा जहां जहां ब्रोमीन होता है वहां वहां फिर रेडिकल आ जाता है अभी आपको वुड्स रिएक्शन मिल जाएगी उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत आपको वुड्स रिएक्शन पहले से पता होती है मैंने बोला ना भाई इस चैप्टर में हाइड्रोकार्बन थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकता हूं ध्यान सुनिएगा ध्यान सुनिएगा ये वुड्स रिएक्शन से फिर रेडिकल ये बनता है अब इस फ्रेडिकल के साथ दो ऑप्शन है या तो ये खुद आपस में कंबाइन कर जाए तो सी ये बन जाएगा सी क्या बन जाएगा ये बन जाएगा और डी क्या हो जाए कि सर दो फ्रेडिकल देखना ध्यान से ये ऐसे और एक ऐसे ये दोनों फ्रेडिकल आ जाए और मिल के आपस में क्या बना ले बॉन्ड बना ले तो डी क्या हो जाएगा वो सी क्या हो गया साइक्लोप्रोपेन और डी क्या हो गया सर ये क्या हो जाता है हेगेन

डी के बाद ई e की बात करें तो ई e में क्या होगा सर ई e में इसका इसका सर क्लोरिनेशन करना है तो इसका क्लोरिनेशन से एक ही प्रोडक्ट बनना है इसके क्लोरिनेशन से एक ही प्रोडक्ट बनना है और उसके केवेज डाल देंगे तो ई e सोडियम ड्राई इथर के प्रेजेंस में क्या होगा फ्री रेडिकल बनेगा सोडियम ड्राई इथर के प्रेजेंस में क्या होगा फ्री रेडिकल बनेगा और फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन हो ये बन जाएंगे जी क्या होगा कि सर इसके अंदर एक्व्यूएच देंगे तो एक्व के हो जाएगा वो लग जाएगा एल के बदले लग जाएगा अल्कोहली के एलिमिनेशन करता है एक्वस करता अभी आगे जाके हमें पता चल जाएगा तो ये एक बहुत प्यारा सा और अच्छा सा क्वेश्चन है जिसमें सारे कॉन्सेप्ट आप रिवाइज कर सकते थे अपना इलेवेंथ का भी कुछ चीजें यूज हो रही हैं और कुछ ट्वेल्थ की भी यूज हो रही है, हो रही है। ओके। हैलो हैलो में जो चीजें पढ़ी हैं कुछ चीजें मैंने बोला ना अब जैसे ये फिर रेडिकल्स हैं ये थोड़ा सा आपको ट्राई करना पड़ेगा क्लास मतलब उससे ठीक है तो अब प्रिपरेशन ऑफ हेलो केस हो गया प्रिपरेशन ऑफ हेलो केस हो गया अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए कोई रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है फिजिकल प्रॉपर्टीज में मतलब बेसिक चीज फिजिकल स्टेट बताओ तो फिजिकल स्टेट मतलब जितने भी लोअर इट होते हैं आर एक्स होते हैं ये क्या होते हैं गैसेज होते हैं लोअर हलाइट क्या होते हैं गैसेज होते हैं जैसे सी एस थ्री सी एल सी एस थ्री बी आर ये सब क्या है अपने पास गैसेज होते हैं ये गैसेज के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे लोअर जो अल्काइल अल्काईलाइट होते हैं हाइयर वाले क्या होते हैं लिक्विड्स में लिक्विड्स में ऐसा क्यों हो जाता है जैसे जैसे आगे चलते हो ना एज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेज जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होता है कार्बन इंक्रीजेज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होता है वैंडर वाल फोर्स हम बोल सकते हैं सरफेस एरिया बड़ा होता है सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है वेंडरवाल फोर्स क्या हो जाएगा इंक्रीज करेगा वेंडरवाल फोर्स क्या होगा इंक्रीज करेगा वेंडरवाल फोर्स क्या होगा इंक्रीज करेगा ऑब्वियस है वेंडरवाल फोर्स इंक्रीज हो रहा है मतलब आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज हो रहा है याद रखिएगा साइज बढ़ता है वेंडरवाल फोर्स बढ़ जाता है मास बढ़ता है वेंडरवाल फोर्स बढ़ जाता है अगर कोई भूल चुका है तो मैं बस केमिकल बॉन्डिंग की एक दो चीजें याद दिला देता हूँ कि वेंडरवाल फोर्स जो होता है वेंडरवाल फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया होता है सरफेस एरिया बढ़ेगा तो बढ़ेगा मोलर मास बढ़ेगा तो बढ़ेगा साइज बढ़ेगा तो सरफेस एरिया बढ़ रहा है साइज बढ़ रहा है तो बढ़ेगा अगर ब्रांचिंग हो गई तो कम होना शुरू हो जाएगा क्यों ब्रांचिंग होते ही सरफेस एरिया कम हो जाता है तो ये वेंड्रोल फोर्स की कहानी है जो आपको केमिकल बॉन्डिंग से पता होती है कि जैसे ऐसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता है वेंड्रल फोर्स बढ़ता है सरफेस एरिया बढ़ जाता है सरफेस एरिया बढ़ जाता है और यहां पर देखेंगे तो ये अपने पास ठीक है अब यहां पर देखोगे तो जनरली आर एक्स अगर प्योर है इफ प्योर अगर प्योर है तो ये हमेशा क्या होगा कलरलेस होगा ये हमेशा क्या होगा कलरलेस होगा कम से अब ऑन इन एक्सपोर ऑन एक्सपोजर टू लाइट कुछ लोग एक्सपोजर टू लाइट अगर मैं बात करूं आर एक्स की ऑन एक्सपोजर टू लाइट आर बी आर या आर आई ऑन एक्सपोजर टू लाइट

नॉर्मल बेसिक सी चीजें आपको बताई जा रही है कि अगर एक्सपोज कर दिया लाइट में आपने एक्सपोज कर दिया तो ये क्या करते हैं अपना आपस में आर बी आर ये क्या करेगा यहाँ पर आर आर बॉन्ड बना लेगा यहाँ पर आर आर बॉन्ड बना लेगा आपको बस ये पता होना चाहिए दे आर आर आई और आर बी आर कलर ऐसे कलरलेस होते हैं लेकिन एक्सपोजर टू लाइट पे ये क्या करते हैं याद रखना आयोडीन और ब्रोमीन क्लोरीन नहीं करता ठीक है आयोडीन और ब्रोमीन ही क्या करते हैं एक्सपोजर टू लाइट ये क्या प्रोड्यूस करते हैं तो ये अपने पास कलर्स प्रोड्यूस कर देंगे अब आते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में देखोगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में देखो भाई सीधी सी बात है मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना मेल्टिंग पॉइंट अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है सिमेट्री अगर इन जनरल बात की जाए तो और बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए ना तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट अगर एक लाइन में अगर कहानी सुननी है तो ये होता है अब आगे आगे देखेंगे क्योंकि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट और भी चीजों पे डिपेंड करता है नॉर्मल कोई बात करेगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की तो वो किस पे डिपेंड करते हैं वो डिपेंड करता है कि सर सिमेट्री कैसा है और डाइपोल मोमेंट कैसा है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है सिमेट्री और डाइपोल मोमेंट पे कि भैया ऐसा होगा अच्छा लेकिन नॉर्मल कोई पूछ दे कि सर एक बात बताओ ऐसे पहले नॉर्मल बात बताते अगर अल्काइल हेलाइड है अल्काइल हेलाइड है मतलब ये क्या है आर एक्स है और यहां पर हैं मतलब आर एच है आर एच है बताओगे किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा खुद से सोचो अभी जस्ट पढ़ा है कि सर क्या होता है अगर हैलोजन आएगा तो सर इसका क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट ऐसा होगा क्यों क्योंकि सर मास क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है और मास इंक्रीज होगा तो वेंड्रोवाल फोर्स इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा सर आप खुद से सोच लो नॉर्मल पेरेंट अल्केन से पेरेंट अल्केन से मेटिंग बॉइलिंग पॉइंट ये सब क्या हो जाता है ज्यादा क्योंकि वेंड्रोवल फोर्स बढ़ जाता है वेंड्रोवल फोर्स बढ़ जाता है बाकी अगर आपसे कोई नॉर्मल अगर पूछना चाहे तो सिंपल सा याद रखना अब यही सेम चीज अगर मैं पहले बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेता हूं पहले बॉइलिंग पॉइंट की बात कर ली जाए बॉइलिंग पॉइंट में अगर आर सेम है अगर आर सेम है इफ आर इज सेम आर इज सेम अगर आर सेम है तो बताओगे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा अगर आर सेम है तो खुद से सोचो अभी जस्ट बताया है कि मूलर मास बढ़ता है अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा अगर आर आई आर बस इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा याद रखो अगर आर सेम है क्या रीजन होगा मास इंक्रीज अगर किसने बोल दिया कि सर अगर मान लो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा दिया जाए अगर मैं बोल बॉइलिंग पॉइंट ऐसे लिख देता हूँ अगर हेलोजन आइटम्स भी बढ़ाओगे तो भी मास बढ़ेगा ऑब्वियस ऑब्वियसोजन आइटम्स बढ़ाएंगे तो भी बॉइलिंग पॉइंट अपना इंक्रीज हो जाएगा तो भी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा हेलोजन आइटम्स से भी और अगर मैं कार्बन बढ़ाता हूं तो वो भी बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली पोर्सनल टू क्या हो जाएगा मास

क्यों क्योंकि उसके पीछे का रीजन अभी आपको मिल जाएगा मेल्टिंग पॉइंट में अपोजिट चलता है मेल्टिंग पॉइंट में देखोगे तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट ब्रांचिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ध्यान सुनना अपने पास मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है सिमेट्री मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिमेट्री लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाता है ब्रांचिंग ये इनवर्स याद रखिएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाता है ब्रांचिंग ये इनवर्स रिलेशनशिप याद रखिएगा कि भैया ब्रांचिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहीं भी मिल रहा हो जैसे एक सिंपल चीज देता हूं अगर मैं ये दे दूं, ये दे देता हूं इन तीनों में अगर बोला जाए ए ये बी ये सी ए बी सी दिया हुआ है तो अब मुझे बता सकते हो ए बी सी में अगर मुझे कोई पूछ दे कि सर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ तो बॉइलिंग पॉइंट पता है कैसे फ्लक्चुएट करेगा बॉइलिंग पॉइंट पता है कैसे फ्लक्चुएट करेगा ए बी सी में देखो ब्रांचिंग बढ़ती है ना तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा ए का फिर किसका होगा बी का फिर किसका होगा सी का लेकिन अगर यही तुम मेल्टिंग पॉइंट में बात करोगे तो मेल्टिंग पॉइंट में अलग चला जाता है मेल्टिंग पॉइंट में बात करोगे तो मेल्टिंग पॉइंट देखोगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट अपोजिट चला जाएगा

बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट इक्वल माना जाता है कि सर ऑलमोस्ट क्या हो जाए इक्वल मान लिया जाए किस को इक्वल लेकिन अगर कहीं नहीं दिया है बोला जाए नहीं सर बताइए तो याद रखिएगा मेटा हमेशा पीछे रहेगा ये पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि आपके काम आएगा एग्जाम हॉल में डाई सब्सिट्यूटेड हैलोरिन का डेटा उठाकर देखोगे आपको पता चल जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट इक्वल होता है मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर पैरा क्यों ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा ज्यादा सिमेट्री ज्यादा इसलिए मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा उसके अपोजिट ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा पक्का हो जाएगा क्योंकि उसका डाइपोलमेंट ज्यादा होता है और कुछ नहीं कोई बोले सा ऑर्थो का क्यों ज्यादा हो गया ऑलमोस्ट इक्वल होता है लेकिन हाँ अगर आप नहीं मानोगे तो ऑर्थो में डाइपोलमेंट ज्यादा होगा इसलिए

हम सब ये वाला डाइपोलमेंट मैं पहले ही बता चुका हूं फिर से याद करो डाइपोलमेंट इज नथिंग म्यू क्या होता है म्यू इज नथिंग वेक्टर क्वांटिटी है क्या होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस चार्ज इनटू क्या हो जाता है डिस्टेंस हो जाता है मैंने ये बता दिया था कि भैया ये वेक्टर क्वांटिटी है ये वेक्टर है तो वेक्टर के केस में क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी है इस केस में क्या होता है तो इसका रिजल्टेंट होता है वो रिजल्टेंट जो होगा किस पे डिपेंड करता है डिपेंड्स ऑन मान लो ए वेक्टर है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड प्लस इनके बीच का एंड एंगल पे भी डिपेंड कर रहा होता है एंगल बिटवीन ए एंड बी ऐसा ही कुछ होगा शायद याद हो ऐसा ही कुछ लिखते हैं फिजिक्स में बात करें फिजिक्स के रिस्पेक्ट में तो अब देखो यहां पर मैंने बताया था कि ऊपर से नीचे आएंगे डाइपोलमेंट ऊपर से नीचे आएंगे मैंने बताया था कि सर कार्बन हेलोजन में अगर कार्बन फ्लोरीन है कार्बन फ्लोरीन है कार्बन क्लोरीन है कार्बन ब्रोमीन है कार्बन आयोडीन है ऊपर से नीचे आएंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हाइलोजन डिक्रीज करता है लेकिन बॉन्डलेंथ क्या हो जाता है इंक्रीज कर जाता है बॉन्डलेंथ क्या हो जाता है इंक्रीज कर जाता है तुम खुद से सोच लो बॉन्डलेंथ इंक्रीज कर रहा है चार्ज डिक्रीज कर रहा है तो डाइपोलमेंट क्या होगा ऑब्वियस है एक बंदा बढ़ रहा है एक बंदा कम हो रहा है तो इस केस में मुझे एक्सपेरिमेंट्स का सहारा लेना पड़ेगा और डाइपोल मोमेंट याद रखना पड़ता है कि यार ये डाइपोल मोमेंट ऐसा होगा क्लोरीन का सबसे हाईएस्ट क्लोरिन का ब्रोमीन का और आयोडीन का अगर आप पी ब्लॉक पढ़ते हो तो आपको पता चल जाता है ये क्लोरीन ना इसी चक्कर में इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी भी ज्यादा दिखाता है इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी भी ज्यादा होती है क्लोरीन के Even, आप बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देखोगे वो भी क्लोरीन का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन ये याद रखिएगा कि भैया ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज वैल्यू मत याद करने लगना क्या वैल्यूज याद कर रहे जैसे अब इसका देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और एनसीईआरटी का बहुत प्यारा सा क्वेश्चन इसमें डाइपोलमेंट क्या लगता है सीसीएल फोर को देखोगे ना तो सीसीएल फोर की रेगुलर ज्योमेट्री आती है ऐसे मैं बता दूं याद करने के जिन लोगों ये देखो सीसीएल फोर में क्या होती है कि इनकी ना रेगुलर ज्योमेट्री होती है बॉन्ड एंगल क्या होता है एक सौ चार एक सौ नाइन पॉइंट फाइव रेगुलर ज्योमेट्री है यहां पर देखोगे यहां पर तो यहां पर क्या होगा मान लो एक क्लोरीन इधर कर दिया एक इनके बीच का एंगल जो होता है ना वो एक सौ नाइन के आसपास है अब इनका डायपोलमेंट देख लो जिन लोगों को डायपोलमेंट याद नहीं हो भाई प्लीज देख लेना यार कार्बन क्लोरीन में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये क्या होगा इधर को पुल करेगा ये क्या होगा इधर को पुल करेगा ये क्या होगा इधर को पुल करेगा इसका डाइपोलमेंट क्या आ जाता है जीरो सारी सारी, उल्टा दिया ना इसका डायपोलमेंट क्या हो जाता है जीरो इसका डायपोलमेंट क्या हो जाता है जीरो इसका डायपोलमेंट क्या हो जाएगा जीरो इसका डायपोलमेंट हमेशा जीरो इसमें देखो तो इसमें क्या होगा ये इधर पुल करेगा ये इधर पुल करेगा ये इधर पुल करेगा और भाई साहब ये तो अपना दे ही रहा होगा इधर देखोगे तो यहां पर देखो दो चीजें ध्यान से सुनना दो वेक्टर्स हैं दो वेक्टर्स नीचे की तरफ हैं बॉन्ड एंगल 109 उनके ऊपर एक वेक्टर खींच रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड देखोगे मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो इसका कम हो जाएगा इसमें देखोगे तो दो वेक्टर्स इधर है सेम चीजें हैं इधर एक खींचने वाला लगा था यहां खींचने वाला नहीं है तो इसका डायपोलमेंट उससे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा यहां पर बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये क्या है ऐसा है हाइड्रोजन तो दे रहा होता है ठीक है ना हाइड्रोजन दे रहा होता है कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो हाइड्रोजन ऐसे दे देगा तो यहां पर देखो सबसे ज्यादा डाइपोलमेंट किसका आएगा एक क्लोरीन वाले का देखो नंबर ऑफ क्लोरीन बढ़ता है ना क्वेश्चन याद नंबर ऑफ क्लोरीन बढ़ रहा है तो आपका क्या हो रहा है डाइपोलमेंट क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा तो ये छोटी छोटी और प्यारी प्यारी बातें इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि ये ऊपर डिपेंड करता है याद रखे ना कि अगर बॉन्ड एंगल आपका कितना बॉन्ड एंगल या एंगल अगर बोला जाए एंगल किसी दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो उसका जो रिजल्टेंट होता है उसका अब यार वेक्ट, बेसिक वेक्टर तो नहीं रिजल्टेंट इज लेस देन इंडिविजुअल रिजल्टेंट जो होगा वो लेस देन किसके हो जाएगा इंडिविजुअल से तो कम ही होगा ये अगर द आपको बेसिक फिजिक्स नहीं आती तो ऐसे आती होगी यार ये तो मैं मान सकता हूँ सॉलिबिलिटी की बात करें सॉलिबिलिटी की बात करें तो सॉलिबिलिटी में क्या आता है

में कम सॉलीबल होंगे अब स्लाइटली सॉलीबल इन वाटर होंगे तो इस क्यों होंगे स्लाइटली सॉलीबल पोलर है तो पोलर के फॉर्म में रहना चाहिए पोलर है तो पोलर के फॉर्म में रहना चाहिए स्लाइटली सॉलीबल क्यों होता है इसके पीछे का रीजन देख लेना स्लाइटली सॉलीबल क्यों होगा सर इसके पास rx के पास नॉट इनफ एनर्जी इसके पास इतनी इनफ एनर्जी नहीं होती नॉट एनफ एनर्जी इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती नॉट एनफ एनर्जी टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ वॉटर एंड फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अपना उसका बॉन्ड तोड़ दे और अपना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना ले इतनी एनर्जी है ही नहीं मतलब बेचारा पोलर पोलर तो है पोलर इन नेचर है स्लाइटली सोल्यूबल है ना ही ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है ना ही उसका हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ सकता है बस ध्यान रखना कि भाई पोलर होने का मतलब हमेशा हम लोग पढ़ते हैं पोलर डिजोल्व पोलर लग, पोलर सोल्व लाइक पोलर भाई लेकिन पोलर पोलर में डिजोल्व नहीं होता है इसका रीजन याद रखना इसका इतनी एनर्जी भी नहीं है कि भाई वो किसमें डिजोल्व हो पाए पोलर में दे आर सोल्यूबल इन दे आर अगर मैं इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो दे आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट हाँ नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉलिबल होते हैं ये बात आप दिमाग में रख सकते हो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये लोग सोलबल हो जाते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये लोग सोल्यूबल हो जाते हैं सॉल्युबिलिटी हो गई सॉल्युबिलिटी हो गया स्लाइडी सॉलिबल पानी में स्लाइटली सॉलिबल इसके केस में इस तरह से देख लो इस तरह से देख लो हो जाएगा श्योर हो पक्का चलो हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज में अब आते हैं डेंसिटी में डेंसिटी क्या है सर इनके केस में डेंसिटी देखोगे तो डेंसिटी भाई साहब डेंसिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी जो होगी डायरेक्टली खुद से सोचो जितना नंबर ऑफ एलोजन बढ़ेंगे जितने भी नंबर ऑफ एलोजन बढ़ेंगे या एटोमिक मास बढ़ेगा डेंसिटी क्या होगी बढ़ जाएगी डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एलोजेंस या फिर नंबर ऑफ एलोजन मतलब अगर मैं तुमसे बोल दू किसकी डेंसिटी ज्यादा है तुम सीधा सीधा आंख बंद करके कि सर हैलोजन ज्यादा है तो डेंसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा डेंसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा डेंसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ठीक है अगर कोई बोल दे नहीं सर आर आई में इन सब में बोला जाए कि सर अगर आर आई आर बी आर आर सी एल आर एफ इसके केस में क्या होगा इसके केस में डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा तो सर यहाँ पर भी यहाँ पर भी जैसे जैसे मास ज़्यादा होगा डेंसिटी का केस आ का ये आ जाएगा डेंसिटी का ऑर्डर तो ये आ जाएगा डेंसिटी का ऑर्डर अब वैसे आयोडीन का मास ज्यादा है तो डेंसिटी का ऑर्डर ये आ जाएगा अगर नंबर ऑफ एलोजन बढ़ रहा है तो भी मास बढ़ रहा है डेंसिटी बढ़ जाएगी दूसरा आयोडीन का मास ज्यादा है एज कंपेयर टू ब्रोमीन एज कम्पेयर टू क्लोरीन एज कंपेयर टू फ्लोरिन याद रखना आर हमेशा क्या रहेगा सेम रहेगा सेम रहेगा इवन अगर सही से कंपेयर कर दो ना अगर सही से कंपेयर कर दो तो डेंसिटी जो होती है ना अगर विथ रिस्पेक्ट टू अगर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर देख लिया जाए तो पता है वाटर के रिस्पेक्ट में हमेशा एक चीज याद रखिएगा वाटर के रिस्पेक्ट में आर आई की डेंसिटी ज्यादा होगी आर बी एयर की ज्यादा होगी लेकिन बीच में कौन आ जाता है पानी वाणी की डेंसिटी जो होती है आर सी एल से और आर आई एफ से ये होती है डेंसिटी अगर रिलेटिव डेंसिटी विध रिस्पेक्ट टू वाटर देखा जाए तो आपको यह क्वेश्चन का आंसर अब आपको मिल जाएगा कि सर इस क्वेश्चन में वाटर की डेंसिटी किससे ज्यादा हो जाएगी क्लोरीन से ज्यादा हो हो जाएगी किस किस हो जाएगी किस किससे ज्यादा क्लोरीन से ज्यादा हो जाएगी अगर मैं बात करता हूं सीसीएल इन सब में तो डायरेक्ट डायरेक्ट दिख रहा है कि सीसीएल की डेंसिटी क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ क्लोरिन क्या है ज्यादा है नंबर ऑफ क्लोरिन क्या है ज्यादा है तो उस केस में सीसीएल की डेंसिटी अपने पास ज्यादा हो जाएगी सीसीएल फोर की डेंसिटी क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी ठीक है हो जाएगा श्योर हो तो ये हमारे पास बेसिक चीजें आ गई तो देख लो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जहां तक हम देख रहे थे ये मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट मिला के एक लास्ट चीज स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी क्या होती है सर स्टेबिलिटी अब तुम खुद से सोचो ना अगर मैं आर फ्लोरीन के साथ कार्बन का फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाता हूं तो ये टूपी है कार्बन के पास टूपी है टूपी टूपी ओवरलैपिंग है सर आर क्लोरीन के साथ अगर बनाता हूँ तो यहां यहाँ पे 2p है और यहां पर 3p है अगर R फ्लोरीन ब्रोमीन के साथ बनाता हूं यहां 2p ओवरलैप कर रहा है 4p से आर आयोडीन से बनाता हूं तो यहां फाइव पी ओवरलैप कर रहा है टू पी से देख लो ऊपर से नीचे आ रहा हूं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ऊपर से नीचे आ रहा हूं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा इंक्रीज होगा या डिक्रीज डिक्रीज होगा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगी सर, होगी सर क्यों क्योंकि सेम साइज का होता है साइज बढ़ता जा रहा है अब देखो ना ये टू पी टू पी ओवरलैप कर रहा है यहां टू पी थ्री पी ओवरलैप कर रहा है यहां टू पी फोर पी ओवरलैप कर रहा है सर ये वाला बंदा फिक्सड है लेकिन ये वाले बंदे का साइज क्या होता जा रहा है इस वाले बंदे का साइज क्या होता जा रहा है बढ़ता जा रहा है तो जो धीरे-धीरे देखोगे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी अपने पास ऊपर से नीचे आएंगे एक्सटेंट ओवरलैप इन डिक्रीज करेगा स्टेबिलिटी भी क्या होगे डिक्रीज करेगी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी डिक्रीज करेगी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी डिक्रीज करेगी तो भैया देख ले सबसे पहले सब हमने क्या करा अल्काइलेट्स में क्लासिफिकेशन उसके बाद उसके नेचर के बारे में उसका नोमिक्लेचर किया फिर हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्किस कर लिया हेलो अल्किस की प्रॉपर्टीज कर रहे हेलो अल्किस की फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने फिनिश कर ली है बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है फटाफट याद कर लो एक बार फटाफट वीडियो पॉज करो और रिवाइज करो देखो अपने पास क्या क्या थी तो सर सबसे पहले क्या आया फिजिकल स्टेट लिक्विड होता है बाद में सॉलिड होता है गैस होता है लिक्विड हो जाता है बाद में कलरलेस होता है लेकिन बाद में कलर आ जाते हैं फिर क्या आ जाता है अगर फिजिकल स्टेट में बात करूँ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग था मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग है बाकी अगर नॉर्मल बात की जाए तो डाइपोल मोमेंट हमने देख लिया डाइपोल मोमेंट के बाद अगर हम बात करेंगे तो हम लोग के लाइफ में क्या आ जाता है कि सर उसका डेंसिटी कितना है डेंसिटी की बात अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी के बारे में पता चलता है स्टेबिलिटी निकाल दिया हो जाएगा तो स्टेबिलिटी आ गई तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई हेलो अल्केन्स की ये क्या हो गई मेरी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई हेलो अल्केन्स की अब अगर मैं बात करूंगा तो अब मैं नई चीज की शुरुआत करूंगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फैलोअल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फैलोअल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फैलोवल भाई साहब इनकी रिएक्शंस किसके कारण होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं की क्योंकि सबसे बड़ा है बहुत छोटा सा हो जाएगा और पॉली हेलोजन कंपाउंड्स में हमें बस एक दो चीजें पढ़नी यूजेस पढ़ने एनसीआर के हिसाब से बाकी अब पढ़ने को तो पॉली हेलोजन कंपाउंड बैच में हम लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पे वन शॉर्ट में कर रहे हैं तो हम पॉली हेलोजन कंपाउंड का यूजेस पढ़ने वाले हैं उसके अलावा नहीं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर तुम सिंपल सोचो तो आर ये क्या होता है केमिकली रिएक्टिव होगा या अनरिएक्टिव होगा आर रिएक्टिव होगा या अनरिएक्टिव होगा पोलर इन नेचर है लेकिन पोलरिटी से रिएक्टिव होगा या नेचर मतलब कैसा होगा रिएक्टिव होगा कैसा होगा क्या होगा देखो अगर मैं आर एक्स की बात करूं तो ये हाईली रिएक्टिव है हाईली रिएक्टिव क्यों क्योंकि ड्यू टू पोलरिटी आपके पास पोलरिटी आ जाती है पोलरिटी

क्लोरीन करेगा सबसे तेजी से कौन रिएक्टिव करेगा खुद से सीख लो आर आई है आर बी आर है आर सी एल है आर एफ है ये जो मोस्टली दिखाते हैं सब्सटीट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये हो जाता है अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर रिएक्टिविटी विथ रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर रिएक्टिविटी ऑफ फॉर अल्काइल पूछा जाए अल्काइल के, के केस में पूछा जाए तो इनकी ज्यादातर टेंडेंसी क्या होती है सर 3 डिग्री के साथ ज्यादा रिएक्शन करना है एज कंपेयर टू 2 डिग्री एज कंपेयर टू 1 डिग्री ये रिएक्टिविटी एक नॉर्मल बेसिक बात की जाए तो बेसिक बात में ये की जाती है कि भैया विद रिस्पेक्ट टू अल्काइल ग्रुप बोला जाए तो 3 डिग्री इज देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री पक्का ये हो जाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज जितनी भी होंगी ये इसके कारण होती है और अब मैं तुमसे बोलूं इनके रिएक्शंस के

लेते हैं यहां पर आप एरोमेटिक में जाएंगे तो वहां एस एन वन ए आर और एस एन टू ए आर देख लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करने के बाद हमारी जिंदगी में सर क्या आ जाता है यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन क्योंकि अब मैकेनिज्म यहीं पे आता है तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन भी देखेंगे तो यहाँ पर एलिमिनेशन में ई आता है ई आता है ई आ जाता है फिर अगर मैं बात करूं थर्ड में तो इसका रिएक्शन विथ मेटल्स देखा जाता है और मेटल्स के अंदर ही इसके अंदर ग्रिगनाड रिएजेंट हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं एक्चुअली जो ये चैप्टर लंबा होता है वो इसी चक्कर में लंबा हो जाता है ग्रिगनाड रिएजेंट हो जाता है एंड द फोर्थ वन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ये सब चीजें हमें देखने को मिल जाती है इसकी मेजर चार ही रिएक्शन है मेजर चार ही रिएक्शन अब क्योंकि हम पहली बार कर रहे हैं तो मुझे एक एक बताना पड़ेगा एस एन वन एस एन टून इसीलिए हम लोग इसको फिर अभी जब हेलो रिंस में जाएंगे तो वहां एस एन वन ए आर एस एन टू ए आर एस एन मतलब SN1AR, करने वाले हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन ही क्यों करने वाले हैं उसके पीछे का देखो सब्स्टिट्यूशन बहुत सिंपल है बहुत सिंपल सा देखना अपने पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं क्योंकि देखो यहां पर होता क्या है मान लो rx है यहां पर x न्यूक्लियोफाइल ठीक है x क्या है न्यूक्लियोफाइल इसको मैंने किसी न्यूक्लियोफाइल से ट्रीट किया और पता है क्या बन जाता है rn u तो यहां पर दो तो चीजें होती हैं ध्यान सुनना इसको हम लोग बोल देते हैं दैट इज नोन एज लिविंग ग्रुप ये क्या है जा रहा है छोड़ के ये क्या है जा रहा है छोड़ के ये मेरा न्यूक्लियो फाइल है जो अटैकिंग रिएजेंट है अब बेटा पता होना चाहिए अपने को ये मेरा क्या हो जाएगा प्रोडक्ट हो जाएगा ये मेरा क्या हो जाएगा प्रोडक्ट हो जाएगा हो क्या रहा है एक न्यूक्लियो फाइल दूसरे न्यूक्लियो फाइल को अगेन वो न्यूक्लियो है उसको सब्सिट्यूट कर रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब नाम क्यों ले रहे हैं बिकॉज इसमें न्यूक्लियो फाइल न्यूक्लियो फाइल को सब्सिट्यूट कर रहा है इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया न्यूक्लियोलिक सब्सिट्यूशन मतलब एक बंदा आया दूसरे को हटा के बाकी कोई और चेंज नहीं है बाकी कोई और चेंज नहीं है। लेकिन हाँ ये एक दूसरे को हटा के जा रहे हैं लेकिन यहां पर एक दो चीजों का रूल बहुत आता है जैसे यहां पर जो सॉल्वेंट है कौन सा मीडियम है सॉल्वेंट किस टाइप का है मीडियम किस टाइप का है इसका रूल आता है होता है ना कि यार देखो अभी तुम्हारे ऊपर क्या मान लो तुम्हारे ऊपर अभी सिलेक्शन का ठप्पा नहीं लगा है अभी क्या उगा पढ़ रहा है पढ़ रहा है तो तुम्हें सिलेक्शन का अगर ठप्पा लगवाना है मतलब तुम चाहते हो कि ये वाला स्टैंप लग जाए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा जो भी मतलब फालतू की चीज़ें हैं अपने मोबाइल से वो सारी की सारी जो होंगी उसको लीव करना पड़ेगा लिविंग ग्रुप को छोड़ना पड़ेगा यही होता ना छोड़ के जाना पड़ेगा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है उसको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि अगर सिलेक्शन चाहिए तो छोड़ना पड़ेगा अब दो टाइप के लोग हो जाते हैं यहाँ पर ध्यान से देखिएगा अब सुन लो एसन वन एसन टू की कहानी बहुत प्यारी सी है अब एक बंदा होता है बहुत टैलेंटेड एक बंदा क्या होता है बहुत टैलेंटेड वो क्या करता है अब देखोगे इसी में दो टाइप की चीजें आ जाएंगे एक बंदा क्या करता है अभी इसी में हो तो जाएगा देखो ये मैकेनिज्म होने के दो तरीके हैं दो तरीके हैं पहला तरीका फर्स्ट मेथड और इसी को भी हम लोग नाम भी दे देंगे ये देखना एक बंदा होता है जिसमें क्या होता है कि सर टैलेंटेड इंसान है ये आजकल बहुत ज्यादा दिखते हैं लोग ये क्या करते हैं ये लोग क्या करते हैं कि एक साइड से ब्रेकअप कर रहे होंगे और एक साइड से दूसरे साइड से अपना बॉन्ड बना रहे होते ये जो होते हैं इनको हम लोग बोल देते हैं ये एक ही स्टेप में कर जाते हैं ये ट्रांजिशन स्टेट कहलाता है और यहाँ पर देखेंगे बाद, तो यहां पर हो गया, लिविंग चला गया, हाँ हाँ ठीक है बाय इधर से हाँ हाँ चलो चलो चलते हैं घूमने ये वाले लोग हैं इसको हम लोग बोल देते हैं कि देखो ऊपर का जो रिएक्शन हुआ उसके पहले होने का एक सिंपल सा तरीका टैलेंटेड लोगों का तरीका या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं कि सर इसमें दो मैके ये जो है इसका स्लो स्टेप है तो इसमें दो बंदे इन्वॉल्व हैं तो इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं एस एन टू सुनना अभी, अभी कहानी समझ जाओ एस एन टू में क्या होता है कि सर आर एक्स है न्यूक्लियो फाइल है, से अभी इस कंडीशन में देख लो न्यूक्लियो इनुक, से ऐसे रिएक्ट कर रहा है और एस एन वन की बात करोगे तो भाई साहब ये देखो ये हम लोग जैसे लोग होते कि पहले ब्रेकअप हुआ देखना पहले ब्रेकअप हुआ सिंगल स्टेप में हो रहा है ये क्या है सिंगल स्टेप रिएक्शन है ये क्या है सिंगल स्टेप रिएक्शन है ये क्या है सिंगल स्टेप रिएक्शन हो रहा है ये देखना ये देखो एस एन वन ये क्या कर रहा है भाई साहब पहले ब्रेकअप होगा पहले रोएगा गाएगा पहले वो गाना गाएगा आज मैंने ब्रेकअप कर लिया ऐसे करके ये पहले क्या होगा ब्रेकअप करेगा कुछ लोग होते हैं मतलब टाइम लेते हैं अपने सिस्टम को प्रोसेस करने में बहुत कम लोग होते हैं ऐसे टैलेंटेड लोग ऐसे वन की बात करोगे तो पहले क्या होगा ये होगा और फिर ये अपने पास इसके ऊपर जब न्यूक्लियो अटैक करेगा अब देखो जब पता चल गया कि भैया बंदा सिंगल हो गया है तो अब यहां पर न्यूक्लियो फाइल अटैक करेगा तो ये दो स्टेप में रिएक्शन होगी यहां पर कोई इंटरमीडिएट नहीं है लेकिन यहां पर मुझे इंटरमीडिएट बनता हुआ दिख रहा है यहां पर इंटरमीडिएट बनता हुआ दिख रहा है यहां इंटरमीडिएट है ये दो स्टेप का रिएक्शन है ये टू स्टेप रिएक्शन है और इसमें भी अगर इंटरमीडिएट कौन सा है कार्बो कटाइन तो कार्बो कटाइन केस में अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि भैया कार्बो कटाइन एक ऐसा रिएजेंट है एक ऐसा इंटरमीडिएट है जो खुद को क्या करता है स्टेबल करता है बाई री अरेंजिंग रिएक्शन है यहां देखोगे तो इसके स्लो स्टेप में सिर्फ एक ही बंदा है इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं अब केमिकल कैंडिक्स में आपका यूज कर रहा हूं इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाई मोलिकुलर बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन देख ले भाई न्यूक्लियोफिल सब्सटीट्यूशन बाकी कहानी मैं बताऊंगा लेकिन अभी सुन लो जो चीज याद हो जाए इसको क्या बोलेंगे यूनीमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिकब्ट्यूशन यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन ये यूनिकोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन कहलाएगा अब भाई कोई ये मत बोल रहे हैं न्यूक्लियो फाइल नहीं पता न्यूक्लियो फाइल भाई इलेक्ट्रॉन रिच को बोलते हैं जो बंदा इलेक्ट्रॉन रिच हो जो इलेक्ट्रॉन रिच इधर से अटैक कर रहा हो अब एक एक करके देखना ध्यान से ये सिंगल स्टेप में हो रहा है कोई इंटरमीडिएट नहीं नो no इंटरमीडिएट कोई इंटरमीडिएट नहीं कोई रीअरेंजमेंट नहीं नो no लेकिन इस केस में देखोगे तो भैया यहां पर इंटरमीडिएट है इंटरमीडिएट कौन है कार्बो कटायन इंटरमीडिएट क्या है कार्बो कटायन इंटरमीडिएट है कार्बो कटायन और कार्बो कटायन कैन रीअरेंज ये क्या कर सकता है रीअरेंज टू गेन स्टेबिलिटी अब यहां पर अपना केस अलग चलेगा ये देखो और यहां पर देखोगे रीअरेंजमेंट हो जाएगी यहां पर रीअरेंजमेंट हो जाएगी तो मैंने क्या बोला इनका सबसे पहला रिएक्शन अल्काइल का सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर बात की जाए तो न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्ट्यूशन रिएक्शन की बात की जा रही है न्यूक्लियोफिलिक की बात और वन, देखो वो क्या रहा है न्यूक्लियो सब्सटीट्यूट कर रहा है को लेकिन इसके कंडीशन दो हैं ये दो तरीके से हो सकता है मुझे अगर मान लो मुझे इस हाथ से इस हाथ में लेके आना है तो मैं एक कंडीशन ये कि पहले मैं इसको नीचे रख दू साइड में फिर दूसरे हाथ से उठा लू ये क्या कहलाएगा एस एन वन कि सर पहले ब्रेकअप हो गया फिर दूसरे के साथ क्या हुआ जो भी बैचअप हो रहा है लेकिन यहाँ पर कुछ टैलेंटेड मेधावी लोग होते हैं जो हम लोग यहाँ मिल जाते हैं कि भैया एक साइड से क्या हो रहा है ब्रेकअप हो रहा है और दूसरे साइड से क्या हो रहा है बैचअप हो रहा है इनके केस में कोई इंटरमीडिएट नहीं कोई रीअरेंजमेंट नहीं ये जैसे है वैसे ही रह जाएंगे लेकिन इसके केस में ये बंदा क्या कर सकता है अगर उसको पता चल गया कि मेरा ब्रेकअप इस रीजन के कारण हुआ तो बंदा क्या करेगा खुद को संभाल सकता है खुद को रीअरेंज करेगा खुद को क्या करेगा क्योंकि इसके बीच में टाइम मिल रहा है तो खुद को आदमी सोचता है कि यार क्यों हुआ कैसे हुआ चलो अगली बार ये गलती नहीं करेंगे ठीक है लेकिन एक बंदे ऐसे भी होते हैं अब भाई पढ़ाई पे फोकस करना ज़्यादा ये सब सोचने मतलब जाना कि अरे सो और मैं भी ऐसा ही हूँ वैसा हूँ ऐसा कुछ नहीं ठीक है न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिल्सटीट्यूशन मेजर जो टाइप्स हैं वो दो हैं एस एन टू और एस एन वन एस एन टू में ऐसा होता है एस एन वन में ये चीजें हो रही होती हैं ये मेरा न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है जो पहली रिएक्शन की आती है मेरी लाइफ में जो पहली रिएक्शन मेरी लाइफ में आती है वो ये आती है अब भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन पढ़ने के लिए ना अपने को थोड़ा सा उनके बारे में जानना जरूरी है कि भाई न्यूक्लियो एस एन वन एस एन टू का एक बेसिक ओवरऑल मतलब ओवरव्यू आ गया अब इसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे स्टेरियो केमिस्ट्री क्या होती है रिटेंशन इन्वर्जन क्या होता है लेकिन उससे पहले न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्ट्यूशन में किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखना है किन किन फैक्टर्स के ऊपर ये रिएक्शन डिपेंड करती है ये देख लो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट कि भैया सबस्ट्रेट पहला फैक्टर जो सबस्ट्रेट पे होता है कि सबस्ट्रेट कैसा है सबस्ट्रेट में क्या देखते हैं कि भैया स्टेरिक हिंड्रेंस किस तरह का है स्टेरिक हिंड्रेंस आप देख लो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो हमें अभी यह पता चलेगा स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा होगा अगर स्टेरिक ज्यादा हुआ अगर स्टेरिक हिंड्रेंस मोर हुआ तो एसेंटू रिएक्शन क्या हो जाएगी लेस हो जाएगी अभी आगे हमको पता चल जाएगा क्यों एसेंटू कम हो रही है स्टेरिक हिंड्रेंस के बाद अगर न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल कैसा है अगर गुड न्यूक्लियोफाइल है तो भैया अलग होगा वीक न्यूक्लियर है तो अलग होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियो अगर वीक न्यूक्लियो है अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियो है तो अलग कहानी आएगी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर है तो उसमें क्या होगा सर एसन टू होना शुरू होगा वीक न्यूक्लियर होगा तो अलग होगा अब थर्ड वन हम लोगों का जो लिविंग ग्रुप है जो जाने वाला ग्रुप है जो जाने वाला ग्रुप है उसके बारे में बात करें तो लिविंग ग्रुप कैसा है वो भी अच्छा लिविंग ग्रुप है गुड लिविंग ग्रुप है या फिर बैड लिविंग ग्रुप है इसके ऊपर डिपेंड करेगा एंड चौथा फैक्टर जो हम लोग देखते हैं वो है अपने पास सॉल्वेंट कि मीडियम कैसा लिया है आपने किस टाइप का मीडियम लिया है इसके ऊपर डिपेंड करता है सॉल्वेंट कितने टाइप का आपने ले रखा है सॉल्वेंट कितने टाइप का आपने ले रखा है तो ये मेजर चार फैक्टर है जिसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन डिपेंड करती है सबस्ट्रेट के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस की स्टेबिलिटी सब बात करेंगे अभी न्यूक्लियोफाइल फाइल स्ट्रॉन्ग होता है वीक होता है लिविंग ग्रुप गुड बैड सॉल्वेंट मीडियम ये सब चीजें देखो ये तो हम अभी जब रिएक्शन अभी मैकेनिज्म पूरा अच्छे से खोल खाल के पढ़ेंगे तो वहां देख लेंगे लेकिन इनके बारे में आ, हम लोग जीओसी में भी जानते हैं जैसे न्यूक्लियो है न्यूक्लियो क्या होता है इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड या स्पेसीज है लेकिन बेस भी होता है न्यूक्लियो की तरह ही कर रहा होता है तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है आप जैसे मोस्टली जिन लोगों को याद ना हो उनको बस कुछ नहीं ज्यादा टाइम दूंगा थोड़ा सा रिवाइज करा के न्यूक्लियो कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है कौन सा वीक होता है लिविंग ग्रुप कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा कौन सा वीक होगा किस टाइप के सॉल्वेंट होंगे ये दो तो चार मतलब ज्यादा नहीं पांच दस मिनट में आपको रिवाइज करा देता हूँ फिर आपको एस एन वन एस एन टू पर लेके चलता हूं न्यूक्लियो और बेस के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है न्यूक्लियो और बेस के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है कैसे अरे सर न्यूक्लियो और बेस के बीच में देखो डिफरेंस कैसा है कि सर न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है देख ध्यान से कि सर न्यूक्लियोफाइल भी क्या होता है इलेक्ट्रॉन रिच होता है ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है न्यूक्लियोफाइल हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है किसके साथ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट के साथ न्यूक्लियोफाइल को हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा ये देखो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा लेकिन अगर इसकी बात करें तो बेस क्या बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है बेस को एच प्लस से मतलब है उसको बॉन्ड बॉन्ड से मतलब नहीं है ये देख लो सर ये देख लो ये बेस है उसको एच प्लस चाहिए वो क्या करेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा ये क्या बन रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है एन एच फोर प्लस एन एच फोर प्लस देख लो अपने पास यहां क्या हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस और यहां क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा तो बेस दोनों के दोलों रिच होते। एक कोवेलेंट बॉन्ड ठीक है उसको H प्लस से मतलब उसको बाकी लोग से मतलब नहीं और किससे बॉन्ड कार्बन अमन से बॉन्ड बॉन बनाने कोई लॉजिक नहीं बनता बेस का बेस को हाइड्रोजन चाहिए एच प्लस जहां से मिल जाए निकाल देगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा सर ये देखिए इसमें क्या होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी किस पे डिपेंड करती है तो सर ये डिपेंड करता है न्यूक्लियोफाइल कौन सा किस पे रिएक्ट करेगा ये किस पे डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट या हम रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड कराएंगे कि सर न्यूक्लियोफिलिसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होगी किस पे डिपेंड करेगी स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पे कि जो बीच में जो बीच में आप रुके वो कौन सी जगह थी इंटरमीडिएट कैसा है उस पर डिपेंड करेगा बेसिसिटी को कोई मतलब नहीं वो किससे डिपेंड कर रहा है स्टेबिलिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट अगर आप बेसिसिटी की बात मानेंगे तो उसको बीच से मतलब नहीं है सीधी सी बात है उसको क्या बोलते हैं हम लोग कि उसको फाइनल प्रोडक्ट से मतलब है फाइनल प्रोडक्ट कैसा बनेगा वो देख लो उसके हिसाब से अपना प्रोडक्ट बेसिटी शो करेगा

एच प्लस लेना और कोऑर्डिनेट बोन बना के चले जाना आपको फाइनल प्रोडक्ट देखना है वहां पे ये बेचारा जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफाइल वो सारा का सारा किस पे कंट्रोल है इंटरमीडिएट पे या रेट ऑफ रिएक्शन पे केसीपी पे काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बन जाएगा ओके चल अब आते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे फ्लक्चुएट करती है लेकिन उससे पहले सॉल्वेंट की ही बात कर लेते हैं मीडियम भी इंपॉर्टेंट है सॉल्वेंट कैसा कैसा बेटा देखो ये सब थ्योरेटिकल पोर्शन है इसलिए मैं लिख के आपके पास हूं ताकि टाइम जितना हो सके बच जाए सॉल्वेंट भी दो टाइप के एक होता है प्रोटिक जो एच प्लस देता है जो गिव्स एच प्लस प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है गिव्स एच प्लस प्रोटिक मतलब क्या हो जाएगा प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब क्या हो जाएगा प्रोटिक सॉल्वेंट वो है जो H प्लस दे रहा होगा अब कितनी बार H प्लस देने वाला प्रोटिक पोलर भी, भी हो सकता है नॉन पोलर भी हो सकता है प्रोटिक सॉल्वेंट अपने पास और नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट भी हो सकता है अब देख लो सॉल्वेंट अपने पास पोलर ए प्रोटिक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया पोलर प्रोटिक पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट आ जाएगा ठीक है नॉन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या है ये ध्यान सुनना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखेंगे पीपीएस ये हो जाएगा पी ए एस पोलर ए प्रोटीक और इसको हम लोग लिख देते हैं एन पी एस ठीक है

ये क्या करता है दोनों को कटायन दोनों को सपोर्ट करता है सॉल्वेट कर देता है क्यूं? क्यों क्योंकि जैसे वाटर एक है, एक है। में देखोगे ऑक्सीजन का लोन पेयर है नाइट्रोजन का लोन पेयर हाइड्रोजन है एच में तो यह क्या करता है कटाइन और एनायन दोनों को सॉल्वेट करता है इसीलिए मैं किसको भाव देता हूं एस रिएक्शन जो होती है इसी में पॉसिबल होती है रिएक्शन इसी में पॉसिबल है बाकी जगह पॉसिबल भी नहीं है एस एन वन रिएक्शन के लिए कंडीशन आएगी कि हमेशा पोलर पोलर प्रोटिक प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेंट लेंगे नहीं है तो भैया चाह के भी आप नहीं बना पाओगे क्योंकि उसमें कटायन नैन दोनों बनता था उसमें कटायन नैन क्या बनता था दोनों बनता था देख लो याद ना हो तो ये रहा एस एन वन में कटायन नैन दोनों बनता है तो उसमें क्या चाहिए हमेशा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए लेकिन ए प्रोटिक सॉल्वेंट है तो इसमें सिर्फ, सिर्फ किसको करेगा कटायन को और मेरा काम उससे हो जाएगा ये SN2 को सपोर्ट करता है इसके थोड़े से ज्यादा के लिए मेनली यही होता है ये और, DMF, ये सब नाम जो है बहुत ज्यादा आपको बहुत ज्यादा एनसीआर टी में नहीं मैं तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा आप उसे फोकस करो लेकिन पता होने चाहिए कि ये जो सोल्वेंट होते हैं ये जो सॉल्वेंट होते हैं पोलर ए प्रोटीक है पोलरिटी है लेकिन ए प्रोटीक है सिर्फ सिर्फ कटायन को करते हैं ठीक है जैसे आपको बोले ये ऐसा क्यों होता है एक बात बताओ देखो ये माइनस हुआ और ये क्या हो गया प्लस कटायन को एक क्यों सॉल्वेट कर रहा है इसका बेसिक रीजन समझ जाओ कटायन ऑक्सीजन माइनस आराम से कटायन को अट्रैक्ट करेगा लेकिन जो ये प्लस है इस पे एनायन नहीं आ सकता क्योंकि बगल में क्या लगा है दो बल्ब की ग्रुप कौन से दोनों को और इसको कोई मतलब ही नहीं है तो हर एक जगह सपोर्ट करते हैं बट एस एक ही टाइप का सोल्वेंट करेगा और वो कौन सा होगा पोलर प्रोटिक सोल्वेंट होगा कौन सा सोलवेंट होगा पोलर प्रोटिक सोलवेंट तो चार फैक्टर्स है उसमें सबसे पहले हमने देख लिया कि भैया न्यूक्लियोफाइल बेस का डिफरेंस क्या होता है दूसरा किसान सॉल्वेंट किस टाइप के सॉल्वेंट आएंगे तो अलग अलग लोगों को सपोर्ट करेंगे एक एस एन वन को एक एस एन टू को ये जो बंदा है ये एक बार आराम से स्टेबल होता है फिर दूसरा बॉन्ड बनाता है एसन टू वाले लोग क्या होते हैं अपना कहीं भी काम चला लेते हैं अब देखो न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ कौन न्यूक्लियोफाइल सबसे स्ट्रॉग है कौन सा नहीं है ये किस पर डिपेंड करता है न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है चार फैक्टर्स पे डिपेंड करती है ध्यान सुनना चार फैक्टर्स पे और पूरा इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूं ध्यान सुन लेना क्योंकि बार बार क्वेश्चन आएगा कि सर ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा है अगर न्यूक्लियोफाइल बोला जाए तुमसे तो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ देता हूँ ओ एच माइनस है और वाटर है एच oh माइनस है वाटर है इन दोनों का न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करना है याद रखना न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होती है सर तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर हम बात करूंगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी सर निगेटिव वाले की ज्यादा होगी अगर मैं तुमसे ये पूछ दूँ एन एच टू माइनस है और अमोनिया है किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी इसकी ज्यादा होगी अगर मैं पूछ दूँ एफ माइनस है और इधर एच एफ है किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी ये होगी क्यों क्योंकि सर नेगेटिव चार्ज अगर आपके ऊपर है डायरेक्टली अगर आप चार्ज हैं नेगेटिव चार्ज हैं तो पर नेगेटिव चार्ज हैं तो आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी ऐसी बढ़ जाती है अब ध्यान से सुनना सेकंड पॉइंट अगर डाउन द ग्रुप जाते हो ना आप याद रखना ये इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा है डाउन द ग्रुप जाते हो तो साइज ऑफ एटम पे डिपेंड करता है फ्लोरिन एफ माइनस है सीएल माइनस है बी माइनस है आई माइनस है जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा ऑब्वियस है आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी क्योंकि आप अपने लास्ट इलेक्ट्रॉन को उतना पकड़ के नहीं रख पाते हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका कम हो जाता है डाउन द ग्रुप ऊपर से नीचे आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी right, हो, तो होगी आप दूसरे को दे पाओ। मतलब आप अपने इलेक्ट्रॉन देना ही तो बोलते हैं किस तरह से इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कोई तो क्या बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन रिच हो इलेक्ट्रॉन रिच क्या करेगा इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा और इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी को मेजर करने के ये चार तरीके हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी को चार तरीके से मेजर किया जाता है नेगेटिव चार्ज साइज ऑफ एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इनवर्सली बहुत इजी अवेलेबिलिटी ऑफ जैसे अब मान लो इसका दे दिया चलो आराम से वीडियो पॉज करके सोच लो ये तो पता चल गया पहले दो तो ऐसे ही पता चल गए पहले दो तो ऐसे ही पता चल रहे हैं बताओ सर इसका क्या होगा निगेटिव चार्ज ज्यादा होगा इसका क्या होगा निगेटिव चार्ज ज्यादा होगा लेकिन अब देखना ध्यान से एच टू है और एच टू एस है डाउन द ग्रुप क्या होता है याद करो साइज बढ़ता है डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ एटम के डाउन द ग्रुप ठीक है ऑक्सीजन सल्फर में डाउन द ग्रुप आएंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी लेकिन अगर फ्लोरीन क्लोरीन में इन सब में बात करें तो यहां पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में देखोगे अब सॉल्वेंट का भी यूज होता है जैसे साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉनिक्स डाउन द ग्रुप में क्या लिखा है डाउन द ग्रुप में साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉनिटी बढ़ेगी लेकिन अगर पोलर ए प्रोटिक हो तो पोलर ए प्रोटिक सोल्वेंट पोलर ए प्रोटिक सोल्वेंट में क्या होगा में क्या हो जाएगा पीए में पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में अगर मैं बात करूं पोलर प्रोटीक और पोलर ए प्रोटीक में तो एक बात बताओ पोलर पीएस किसको कन्वर्ट करता है सॉल्वेट कटायन सपोर्ट एसेंट टू ये क्या करेगा पोलर ए प्रोटिक में सिर्फ और सिर्फ एसेंट टू को करेगा तो इसमें भी देखोगे तो यहाँ पर पोलर ए प्रोटिक ऐसे फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं क्लोरीन ब्रोमीन आयोड सॉल्वेट कटायन की बात कर रहा है एनआन तो यहाँ सॉल्वेट करना भी नहीं है तो सेम ही ऑर्डर चलेगा पोलर प्रोटिक पोलर में ये यहाँ पे हाँ इसमें कुछ फर्क पड़ेगा नहीं ऑर्डर ऑफ न्यूक्लिफिस इसमें इस क्यों ही अलग से क्वेश्चन दिया यार ठीक है ठीक है तो ये आ जाएगा तो मेरे पास ये न्यूक्लियोफाइल का नेचर हो गया न्यूक्लियोफिलिसिटी मेजर करने के तरीके हो गए क्या तरीके हैं डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉनिटी ऐसे फ्लक्चुएट करेगी मान लो किसने बोल दिया कि सर एक बार बताओ अगर मैं ऐसे बोल दूं कि ओ एच माइनस है और एफ माइनस है एनएच टू माइनस है इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताओ तो कैसे बताओगे इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर कैसे बताओगे सर डाउन द ग्रुप जब जाते हैं तो आपको क्या देखना है साइज लेकिन अगर अलोंग द पीरियड जाते हैं तो आपको क्या देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा ये आ जाएगा ये मेरा क्या हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्यों क्योंकि सर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो अपने इलेक्ट्रॉन देने से रहा नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन में सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी होगी नाइट्रोजन की होगी फिर किसकी होगी ऑक्सीजन की होगी फिर किसकी हो जाएगी फ्लोरिन की हो जाएगी तो स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिसिटी इन्हीं चार लोगों पर डिपेंड करती है प्लीज अपने नोट्स में देख लेना ठीक है अब आते हैं बात करते हैं तो यहां पर देखो लिविंग ग्रुप की जाने वाला ग्रुप कौन सा है कैसा ग्रुप कौन सा ग्रुप जल्दी जाएगा एक बात बताओ ऐसा रिएक्शन देखने में लग रहा है कि सर आएगा ये लिविंग ग्रुप को साइड करेगा और क्या बना देगा यही होगा ध्यान से देखना अपने पास लिविंग ग्रुप का यही मतलब है कि सर न्यूक्लियो आया लिविंग ग्रुप चला गया एक बात बताओ ये क्यों चला जाएगा भाई ये तभी जा सकता है ना इसकी जाने की टेंडेंसी कैसे मैं कह रहा हूं कि यार भाई तुम चले जाओ तुम्हारी पढ़ने की या तुम बोल रहे हो पढ़ाई लिखाई मोबाइल छोड़ के इंस्टाग्राम से चले जाओ तो इंस्टाग्राम जाने का क्या लॉजिक है या फेसबुक से जाने का क्या लॉजिक है कि भैया सर अगर फेसबुक से चला गया तो मेरी पढ़ाई बढ़ जाएगी तो अगर आप लिविंग ग्रुप टेंडेंसी को मेजर कर रहे हो तो आप दो चीजों को मेजर करते हो या तो सामने वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ देख लो कि सर अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है देने की टेंडेंसी मतलब एच प्लस देने की टेंडेंसी ज्यादा है तो उस केस में क्या हो जाएगा उस केस में क्या हो जाएगा

लिविंग ग्रुप डायरेक्टली बोस्टिक्टेंथ और स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो अगर मैं इसकी कंपेयर करता हूं अब या तो तुम कैसे कंपेयर करोगे तुम सीधा सीधा देख लो कि सर कौन ज्यादा स्टेबल मतलब कौन ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस लिविंग ग्रुप सब कुछ दिया हुआ है ज्यादा देखो कंजुगेट बेस में कौन ज्यादा स्टेबल किसके ऊपर निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा तो ऑब्वियस आई माइनस के ऊपर ज्यादा होगा ये तो तुम ऐसे देख लो या फिर एक तरीका ये है कि सबका एसिड बना दो सबका एसिड बना दो एसिड बना दो एच बी आर दे दो एच आई दे दो अब तुम खुद से सोचो यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होता, होता है इसका ज्यादा होता है क्या ये पढ़ा था हम लोगों ने तो लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी उसके कंजुगेट बेस की आई माइनस की ज्यादा होगी दो तरीके हैं या तो खुद की माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी देख लो जैसा मान लो ये यह देखो माइनस चार्ज इसके ऊपर है माइनस चार्ज इसके ऊपर है यहां पर देखो यहाँ सी एस थ्री ग्रुप लगा है यहां पर क्या लगा है सीएफ थ्री इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप लगा है ये कौन सा ग्रुप लगा है इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप लगा है सर यह ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा इसकी स्टेबिलिटी चेक कर लो इसकी स्टेबिलिटी चेक कर लो ये ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा ये ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा ध्यान से देख लो लिविंग ग्रुप कौन सा अच्छा होगा ये ज्यादा अच्छा होगा अब ये देखो इसमें से एक बात बताओ इसमें से H प्लस निकालना है

तो भैया देख ले तेरे पास लिविंग ग्रुप टेंडेंसी आ गई तेरे पास लिविंग ग्रुप टेंडेंसी आ गई न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिसिटी को मेजर करने का तरीका आ गया आप सॉल्वेंट जान गए हो तो अब शुरू करते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके एस एन वन एस एन टू एस एन एन जी पी और फिर जब हम एलो में आएंगे तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे वहां पे हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे कि एस एन वन ए आर क्या होता है एस एन टू ए आर क्या होता है एस एन वन अपने पास जब हम पढ़ना शुरू करेंगे अभी एस एन वन देखते एक बार काम करते हैं एस एन वन देखना शुरू करते हैं रिएक्शन में हमने एस एन वन एस एन टू ये दो ओवरऑल ऐसी बात कर ली थी कि ऐसे-ऐसे होगा लेकिन अब किसके बारे में बात करनी है अब बात करनी है हमें कि तो क्या कंडीशन होती है कब ऐसा होता है कब नहीं सबसे इंपॉर्टेंट वन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है क्यों है ये भी थोड़ी देर में पता चलेगा मैंने इसको करने का तरीका बताया था कि यहाँ पर हो क्या रहा है न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और लिगेंड को लेके अपने पास लीगेंड को लेके जा रहा है ये रिएक्शन तो बहुत सिंपल सी थी कि हाँ भाई लीगेंड कह रहा हूं लिविंग ग्रुप को लेकर जा रहा है लिविंग ग्रुप चला गया और न्यूक्लियोफाइल आया न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया अब ये रिएक्शन होने के इसके एस में दो तरीके हमने ऑल डिस्कस किया था कि बहुत टैलेंटेड लोग हैं ऑल डिस्कस किया है कि बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं जो भैया पहले केस में क्या करते हैं ये पूरा का पूरा क्या करता है स्टेप वन में देखोगे तो ये पूरा का पूरा क्या करेगा सर बॉन्ड ब्रेक होगा मतलब आर प्लस और एल माइनस यहां पर मेरा इंटरमीडिएट बनेगा ये मेरा इंटरमीडिएट बनेगा कटाइन और एनायन दोनों बनेंगे और ये मेरा स्लोएस्ट स्टेप होगा और इसी को हम लोग कौन सा स्टेप बोल देंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आरडीएस मेरा क्या हो जाएगा यही होगा शायद रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा देख लो अब खुद से समझ में आ जाएगा कि सर पहला स्टेप ही क्योंकि सबसे पहले यही बॉन्ड ब्रेक होगा और तुम्हें भी पता है यहां कटायन और एनायन दोनों बन रहे हैं कटायन और एनायन दोनों बन रहे हैं दोनों को सॉल्वेट करना है दोनों को डिसॉल्व करना है तो इस केस में यहां से एक चीज पता चल गई कि सर सॉल्वेंट कौन सा लेंगे खुद से सोचो अभी जस्ट बताया कौन सा सॉल्वेंट था जो दोनों को सॉल्वेट करता था दोनों को सॉल्वेट करता था उसको हम लोग क्या बोलेंगे पीपीएस शॉर्टकट में बोल दें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया जाएगा याद रखना ये कंडीशन एस एन वन में आएगी अभी और भी जगह आएगी लेकिन हां यह पता होना चाहिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों लिया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों लिया सर पहला स्टेप स्लोएस्ट स्टेप है ये इंटरमीडिएट हो गया ये इंटरमीडिएट हो गया इंटरमीडिएट है कार्बो कैटायन है तो ऑब ये अरेंज करेगा ये कार्बो कैटायन है तो ये ये क्या करेगा कैन अपने आप को क्या करेगा रीअरेंज करेगा टू गेन स्टेबिलिटी भैया रीअरेंजमेंट जहां मौका मिलेगा कार्बो कैटायन छोड़ने वाला नहीं है ये ध्यान रखना उसके बाद अगर मुझसे किसने पूछ दिया कि सर सेकेंड स्टेप में बात की जाए स्टेप टू में बात की जाए तो स्टेप टू में क्या होता है कि अब हमारे पास कार्बोकटायन का है स्टेबल कार्बोकटायन का है इस पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये दोनों आपस में क्या बनाएंगे तो ये ओवरऑल रिएक्शन होगी अगर मुझसे इस रिएक्शन का रेट कोई पूछ दे तो रेट जो होगा वो क्या लिखने वाला हूं के इन लिखने वाला हूं क्या देख लो केमिकल केमिकलटिक्स यूज कर सकता हूँ तो इसका ऑर्डर क्या, क्या हो गया वन देखो थर्मोडाइनमिक्स में थर, के, इक, आ, इसमें केमिकल कैसे मैच कर रहा है इसकी मोलिक्लरिटी कितनी हो जाएगी इसकी मोलिक्लरिटी कितनी हो जाएगी इसकी मोलिक्लरिटी कितनी हो जाएगी सर यहाँ पर वन अब रटने वाला और रट, रटना नहीं है अगर आपको थोड़ा सा बेसिक्स याद है तो आप देख लो स्लोएस्ट स्टेप यही मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा और यही आरडीएस स्टेप है इसका जो रिएक्टेंट होगा उसकी जो स्टेशमेट्रिकिशियंट है वही ऑर्डर होगा वही मोलिकुलरिटी होगी रेट आ जाएगा अच्छा यहां पर एक चीज और न्यूक्लियोफाइल की से इस रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है क्या न्यूक्लियो की कॉन्सेंट्रेशन तो से, एक से दूसरी बात ये बताओ सॉल्वेंट तो वो क्यों लिया क्योंकि सर यहाँ कटायन भी बन रहा है एनायन भी बन रहा है तो सोल्यूशन में दोनों होंगे तो मुझे दोनों को ही सोलवेंट करना है पक्का तो रिएक्शन होगी फिर किसी को सर ऐसा क्यों होगा ऐसा क्यों हो जाए? अपने आप ही लिविंग ग्रुप क्यों चला जाएगा भाई बॉन्ड बना था कोवेलेंट बॉन्ड बना था सर ऐसे क्यों चला जाएगा आखिर ये क्यों होता है आखिर ये ऐसा क्यों होता है स्टेप वन कैसे हो जाएगा अगर मुझसे किसी ने बोला कि सर स्टेप वन कैसे हो जाएगा तो यहां पर स्टेप वन को समझना है यहीं पर इसके अंदर जो रिस्माइजेशन और इनवर्जन आता है बेटा ध्यान सुनना यही समझ में आएगा यहां पर आपसे किसने बोल दिया तो आप ध्यान रखिएगा कि वन में पहला स्टेप कैसे होता है इसको इसको हम हम बोल देते हैं आयन पेयर इफेक्ट बोलते हैं आयन पेयर इफेक्ट ध्यान सुनना आयन पेयर इफेक्ट आयन पेयर इफेक्ट क्या करता है क्यों हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे उसका रीजन भी आपको पता चल जाएगा अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है तो भैया ये रिएक्शन नहीं होगी मान लो ये सबस्ट्रेट था हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड था लिविंग ग्रुप था आर था अब देखो होता क्या है तुम्हें ही पता है इसके अंदर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करने वाला है भैया न्यूक्लियोफाइल अपने पास न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल पहले से ही प्रेजेंट है लेकिन हाँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करने वाला है थोड़ा ध्यान से देख लेना ध्यान से देखना ये मुझे पता है कि इस पे प्लस होगा इस पे क्या होगा माइनस इस पे प्लस होगा इस पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा आर पे प्लस मतलब िटी बता रहा हूं कि आर पे प्लस हो गया एल पे माइनस हो गया अब न्यूक्लियोफाइल बेचारा चाहेगा

किधर से अटैक करेगा इधर से ही करेगा तो ये इसको पीछे से जब अटैक करते सामने से अटैक करते हैं तो रिटेंशन बोलते हैं और पीछे से अटैक करते हैं तो क्या बोलते हैं इन्वर्जन बोलते हैं यहां पर क्या हो रहा है इन्वर्जन हो रहा है सर कितना इन्वर्जन होगा मान लो ऐसे ही मान लेते हैं कि अपने पास कितना ले, ले लेते हैं माइनस फाइव डिग्रीज का इन्वर्जन हो गया पांच डिग्री इन्वर्ट कर गया पांच मॉलिक्यूल अपने पास माइनस फाइव इन्वर्जन हो गया ठीक है न्यूक्लियोफाइल पीछे से आके अटैक करेगा अब क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा ऑब्वियस है भाई अभी भी पीपीएस है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो वो धीरे धीरे क्या करेगा सेपरेशन बढ़ाता चला जाएगा एक देखो एक-एक बॉन्ड टूट नहीं जाता कार्बोकटाइन अपने आप नहीं बन जाएगा यही स्टेप सबसे स्लोएस्ट स्टेप है यही स्टेप सबसे स्लोएस्ट स्टेप है ये ध्यान रखना यही स्टेप सबसे स्लोएस्ट स्टेप है तो धीरे धीरे कार्बोकटाइन अपने पास इनके बीच में इतना सॉल्वेंट आ जाए अब देख लो फिर से यहां पर हो गया

और रिटेंशन कितने का हो रहा है क्योंकि हो सकता है ना थोड़ा बहुत तो अब इधर से भी अटैक कर सकता है फाइव डिग्रीज का सेल्सियस क्यों लिख रहा हूं फाइव डिग्रीज का देख लो और कुछ देर बाद अब क्या होगा तो अब सर पूरा का पूरा जितना भी रिटेंशन कर रहा है जितना भी रिटेंशन कर रहा है वो पूरा का पूरा अगर मैं इसको देखूं तो यहां पर क्या हो जाएगा अब पूरा का पूरा थोड़ी देर बाद क्या होगा पूरा का पूरा का ये दोनों अलग हो जाएंगे और यहां पर देखोगे आर प्लस और एल माइनस अब न्यूक्लियो फाइल को अगर देखोगे तो न्यूक्लियो फाइल यहां लास्ट स्टेप में देखो तो इधर से भी अटैक कर सकता है बचा कितना पांच परसेंट इधर हो गया फाइव डिग्री इधर रोटेट हो गया उधर दस डिग्री हो गया पांच डिग्री हो गया बचा कितना है अपने पास कुछ नहीं यहाँ पर प्लस फोर्टी और इधर कितना बचा होगा इधर से भी अटैक करने के चांसेस कितने होंगे माइनस फोर्टी होंगे सॉरी प्लस फोर्टी माइनस फोर्टी माइनस फोर्टी और यहां पर कितना होगा प्लस फोर्टी यही होगा शायद तो देख लो रिटेंशन इन्वर्ट कैसे हो रहा है इसीलिए यहाँ पर एक बात बताना कितना डिग्री इन्वर्ट हो रहा है 5 डिग्री कितना हो रहा है 10 डिग्री और ये कितना हो गया माइनस चालीस यहाँ पर इक्वल प्रोबेबिलिटी आ गई क्योंकि अब गैप बहुत ज्यादा ज्यादा हो गया था ठीक है यहाँ पर देखो तो यहाँ प्लस पांच डिग्री और यहाँ कितना हो गया था प्लस चालीस डिग्री मतलब सर माइनस फोर्टी फाइव फिफ्टी फाइव डिग्री का माइनस फिफ्टी फाइव डिग्री का आपका रिटेंशन हुआ और माइनस प्लस फोर्टी फाइव डिग्री का ये हुआ ओवरऑल देखोगे तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर प्लस माइनस फोर्टी फाइव डिग्री ये क्या हो गया रिस्माइजेशन हो गया प्लस फोर्टी फाइव डिग्री और माइनस फोर्टी फाइव डिग्री आपस में रिस्माइशन होंगे और टेन डिग्री का क्या होगा इन्वर्जन हो जाएगा अगर 10 मॉलिक्यूल्स हैं तो 45 मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे में चले जाएंगे और 10 मॉलिक्यूल क्या करेंगे इन्वर्जन में तो हम लोग एस वन में बात बोलते हैं एस वन में एक बात बोली जाती है कि यहाँ पर पार्शियल रेसमाइजेशन होता है और प्लस क्या हो जाता है इन्वर्जन हो जाता है क्योंकि तुम्हें पता है रेस्मिक मिक्सचर बन जाएगा और यहाँ पर ओवरऑल इसका रोटेशन जीरो इसका रोटेशन कितना हो गया माइनस तो ये मेरे पास बोला जाता है कि भैया यहाँ पर पार्शियल रेसमाइजेशन होगा

पार्शियल रेसमाइजेशन होगा और प्लस क्या हो जाएगा पार्शियल रेसमाइजेशन और प्लस क्या हो जाएगा इनवर्जन होगा तो कोई पूछे ओवरऑल इसको हम लोग में क्या बोल देते हैं पार्शियल रेसमाइजेशन और प्लस क्या हो जाता है इनवर्जन हो जाता है ठीक है स्ट्री सेलेक्टिव इन्वर्जन हो जाएगा स्ट्री सेलेक्टिव इनवर्जन हो जाएगा इवन इसमें इंटरमीडिएट बना है और वो कार्बोकेटाइन बना है तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा या मैं एक दो चीजें और एड कर देता हूं कि जो रेट होगा रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो होगा जितना स्टेबल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो होगा जो भी कार्बो बन रहा है अगर वो स्टेबल बन रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ये डिपेंड्स ओनली ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर एल सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियो फाइल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियो फाइल से ये क्या है इंडिपेंडेंट है की से ये क्या है इंडिपेंडेंट है से इसको मतलब नहीं है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो के टाइम पर डिपेंड करता है इनिशियल आर एल पर डिपेंड करेगा बट न्यूक्लियो फाइल से क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है अगर मैं इसका ग्राफ बना के देखू तो मुझे इसका ग्राफ रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ अगर देखने को मिले अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ बनाने को बोल दिया जाए कि एनर्जी के साथ इसका ग्राफ बना के देखिए तो ग्राफ में मुझे क्या दिख जाएगा मुझे इसके ग्राफ में खुद से सोचो ये कितने स्टेप का रिएक्शन हो जाएगा खुद से सोचो ये मेरे पास आ, इधर क्या हो गया रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स हो गए अब इस तरह ग्राफ आपने केमिकल काइनेटिक्स इन सब में बनाया होगा इधर हम लोगों के पास एनर्जी हो गई अगर मैं बात करता हूं तो ये देखना यहां से स्टार्ट करते हैं यहां पर आरएल है सर एक स्टेप का रिएक्शन पहले कहां पहुंचेंगे आर प्लस पे पहुंचेंगे और फिर वहां से हम कहा जाएंगे आर एक्स पे जाएंगे आर न्यूक्लियो फाइल पे जाएंगे ये देख लो इंटरमीडिएट का मतलब क्या हो गया कि यहां यहां पर देख लो इंटरमीडिएट ये बनेगा मतलब रिएक्शन कुछ देर के रुकेगा फिर उसके बाद अगले स्टेप पे जाएगा तो हम लोग ओवरऑल क्या देख रहे हैं एसन टू एसन वन की बात करेंगे तो यहां पर एक इंटरमीडिएट है ट्रांजिशन स्टेट किसको बोलते हैं ये ट्रांजिशन स्टेट कहलाता है तो दो ट्रांजिशन स्टेट है पहले केस में क्या हो रहा है कार्बन जीरो के टाइम बन रहा है वो खुद को स्टेबलाइज करेगा उसकी अपनी एनर्जी प्रोफाइल आएगी ये मेरे पास इंटरमीडिएट ग्राफ बन जाएगा ये मेरा एस वन की बात होगी एस वन में ध्यान से सुनना एस वन में अगर समराइज करूं सारा कुछ तो एस वन समराइज ऐसा होगा कि सर एस वन में बात की जाए तो रेट के बारे में बात की जाए तो रेट कैसा होना चाहिए तुम खुद सोचो किसका कार्बोकेटायन किसका कार्बोकेटायन रेट अगर मैं बात करूँ या अगर रेट नॉर्मल रेट की बात की जाए तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कितने लोग हैं जो रेट को ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ सर ये आप सही लिख रहे हो न्यूक्लियोफाइल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा सर ऑर्डर कितना होगा वन न्यूक्लियोफिलिकॉन्सेंट्रेशन से ये क्या होगा इंडिपेंडेंट होगा इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होगा 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 न्यूक्लियोफिलिक से ये क्या रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बो कटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बो कटाइन कार्बोकटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बो कटाइन या रेट ऑफ रिएक्शन की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा तेजी से थ्री डिग्री

रेट ऑफ रिएक्शन किसका फास्ट होगा कौन जल्दी जल्दी अपने पास करेगा या लिविंग ग्रुप की बात की जाए तो लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए इसका गुड होना चाहिए लिविंग ग्रुप तो क्या होना चाहिए गुड होना चाहिए क्योंकि लिविंग ग्रुप जाएगा ही नहीं अगर लिविंग ग्रुप नहीं जाएगा तो भैया न्यूक्लियर का अटैक होने का कोई लॉजिक नहीं बनता है लिविंग सोलवेंट क्या होना चाहिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल हम लोगों को इंडिपेंडेंट अच्छा स्ट्रेंथ या फिर हम बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन से फर्क नहीं पड़ता ये न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए वीक होना चाहिए ठीक है केमिस्ट्री यहां पर क्या होती है पार्शियल रेसमाइजेशन पार्शियल रेसमाइजेशन पार्शियल रेसमाइजेशन प्लस पार्शियल रेसमाइजेशन प्लस क्या हो जाता है इनवर्जन हो जाता है ठीक है और अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो न्यूक्लियोफिलिक एस एन वन का जो मैकेनिज्म होता है सेम मैकेनिज्म मैकेनिज्मन का होता है एस एन वन का जो मैकेनिज्म होता है सेम मैकेनिज्म मैकेनिज्मन का होता है याद रखिएगा अभी एलिमिनेशन आज ही पढ़ेंगे देखेंगे अपने पास टेम्परेचर जो होना चाहिए वो लो होना चाहिए सेम सब कुछ सेम आएगा ईवन में एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर में हमेशा यही सेम चीज आएंगी बस टेम्परेचर वहां कम होगा प्रोडक्ट जो बनेगा अगर मैं इसके प्रोडक्ट की बात करूं तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनने वाला है ये स्टीरियो सेलेक्टिव बनेगा ये क्या बनेगा स्टीरियो सेलेक्टिव बनेगा स्टीरियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट बनेगा स्टीरियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट बन जाएगा तो ये मेरी तरफ से एस एन वन की कहानी है एस एन वन का बेसिक बातें कर ली अब बेसिक बातें करने के बाद एस एन वन में देखो <coughs> देखो एस एन वन कौन कौन करेगा सर ये कार्बो कैटायन इनको कंपेयर करना है फटाफट पड़ वीडियो पॉज करके कंपेयर कर लो क्या करोगे कार्बो कैटायन बना के देखो यहाँ कैटायन ज्यादा स्टेबल है या यहाँ कैटायन ज्यादा स्टेबल है, है सर यहाँ पर बेंजीन है ठीक है बेंजीन है यहां कौन सा है डोनेटिंग ग्रुप है तो कौन सा कार्बो कैटायन ज्यादा स्टेबल होगा ये वाला तो ये जल्दी देगा एस एन <SN1> वन यहाँ देखो क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन अगर ये एस एन वन करते हैं तो इनका किसका किसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी सर लिविंग ग्रुप कौन सा अच्छा है लिविंग ग्रुप आयोडीन अच्छा है तो वो

ये यहाँ कार्बोकेटाइन ये ये सारे कार्बोकेटाइन जितने भी ट्रायंगल के आगे वाले होते हैं सारे डांसिंग रेजोनेंस वाले होते हैं एक्सेप्शनली हाई स्टेबल ठीक है ये देख लो यहाँ भी कौन होगा सर यहाँ लिविंग ग्रुप से डिसाइड करो आयोडीन जल्दी जल्दी सब्सटिट्यूशन करेगा बड़ा साइज का होता है जल्दी जल्दी बाहर आएगा लेकिन अगर मैं इसके बारे में बात करूँ क्लोरीन की और इन सब के तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अगर क्लोरीन और इन सब के बारे में बात करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यह देखो यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड तो ये अपने पास पॉजिटिव सिंगल डबल बॉन्ड इन दोनों में देख लो यहां कार्बोकोटाइन छे हाइड्रोजन यहां कार्बोगटाइन ऐसा स्टेबल यहां पर देख लो के स... यहां पर कौन होगा लिविंग ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है अच्छा लिविंग ग्रुप अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा है अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो 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 ज्यादा ज्यादा तो वाला अपने पास हो जाएगा Cf3 जल्दी अच्छा है अच्छा है लिविंग लिविंग ग्रुप ग्रुप अच्छा अच्छा इन दोनों में कार्बोकोटाइन ज्यादा स्टेबल है इन दोनों में कार्बोकोटाइन ज्यादा स्टेबल है तो कार्बोकटाइन और लिविंग ग्रुप देख के हमें डिसाइड कर लेना है अब ये है तो ये वाला कार्बोकोटाइन कुछ ज्यादा ही एक्सेप्शनली स्टेबल हो जाता है ये वाला कार्बोकोटाइन अगर मैं बात करूं तो इन दोनों में कौन सा ज्यादा जाएगा ये ज्यादा हो जाए तो sn1 किस पे डिपेंड करता है sn1 की रिएक्टिविटी या रेट ऑफ sn1 अगर कोई पूछे रेट ऑफ sn1 कोई रिएक्शन पूछे तो रेट ऑफ sn1 देख लेना ये किस पे डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन अगर कार्बो कैटायन आपको दिख रहा है वहां पर स्टेबल तो या फिर अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए इन दोनों को आप देख लो आंसर निकाल दो एस एन वन का जो मैकेनिज्म है सेम चीज इवन में आएगी बस वहां अलग होगा हाई हो जाएगा और कुछ नहीं ठीक है तो ये ध्यान रखिएगा ओके चलो चलो एक चीज देखो अब अगर मैं एस एन टू की बात करता हूं तो एस एन टू वाला मैकेनिज्म कैसा होता है तो एस एन टू का जो मैकेनिज्म होता है ना एस एन टू के जो मैकेनिज्म को देखेंगे तो एस एन टू में देखना ध्यान से भाई साहब ये अलग लेवल पे चलते हैं इनके केस में क्या है मैं बोलते अपने पास ये देखो आर एल है इनका मैकेनिज्म अलग है क्यों क्योंकि इनका रिएक्शन देखो आर एल है अब यहां पर जब न्यूक्लियो का अटैक करते हैं तो यहां पर न्यूक्लियो जो आता है वो ध्यान से देखना अपने को यहां पर जो मीडियम लिया जाता है वो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट लिया जाता है या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया जाता है और यहां पर देखोगे तो यहां पर कंप्लीट इन्वर्जन होने के कंप्लीट इन्वर्जन हो रहा होता है अगर हम मैकेनिज्म देखो तो पहले स्टेप से ही मतलब एक एक ही स्टेप में ये पूरा रिएक्शन एक ही स्टेप में होता है कैसे ये देख लो अपने पास आर है और इसमें न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है इसमें न्यूक्लियोफाइल मैंने बताया ना एक ही केस में मतलब ऐसा हो जाए कि यहां पर एक साइड से बॉन्ड टूट रहा हो और एक साइड से बॉन्ड बन रहा हो तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं कि भाई ये क्या है अपने पास ये ट्रांजिशन स्टेट कहलाएगा ये क्या कहलाएगा ट्रांजिशन स्टेट कहलाएगा ट्रांजिशन स्टेट कहलाएगा और इसके बाद देखोगे तो ये टैलेंटेड लोग हैं देखो पहले वाला बंदा था ना वो अपने पास इनवर्जन यहां पर देखने को मिलेगा क्योंकि बैक साइड से ही अटैक पॉसिबल है बैक साइड से ही अटैक पॉसिबल है 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 देख लो ओवरऑल रिएक्शन का जो मैकेनिज्म 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 ऐसा दिखेगा कि सर ये है। यहां कोई इंटरमीडिएट नहीं नो no इंटरमीडिएट मतलब इसके केस में कोई इंटरमीडिएट नहीं होने वाला है दूसरा सर इसका जो स्लोएस्ट स्टेप है ना स्लोएस्ट स्टेप की बात करें अगर मैं सबसे स्लोएस्ट स्टेप की बात करूं तो ये क्या है स्लोएस्ट स्टेप और इसी को क्या बोलेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लोएस्ट स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप तो सर इसका जो केमी रेट होगा इसका जो रेट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा सर आर एल और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे इसका रेट इसका जो ऑर्डर होगा इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा टू इसकी जो मॉलिकुलरिटी होगी वो कितनी हो जाएगी मॉलिकुलरिटी जो होगी वो कितनी हो जाएगी टू ठीक है इसकी जो मॉलिकुलरिटी होगी वो कितनी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी टू हो जाएगी तो ये देख लो भाई ये देख लो ठीक है तो इसकी मोलिगुलिटी कितनी हो जाएगी टू रेट अपने पास ऑर्डर टू मोलिग्रिटी कितनी हो गई टू तो ये येगा एनपीएस अच्छा, लिया क्योंकि पोलर ए प्रोटीक को देखोगे तो सिर्फ वो सिर्फ किसको सॉल्वेट करता है या एनपीएस देखोगे तो एस एन टू को फेवर करते हैं वो लोग एस एन टू को क्योंकि यहां पर अपने कटाइन और एनायन नहीं बन रहे यहाँ पर सिर्फ क्या है एनायन है अपने को ठीक है ना तो कटायन एनआईन ऐसे नहीं बनेंगे कटायन एन बन रहे हैं उस वाले केस में कटायन बन रहे थे तो हमें जरूरत थी अब यहाँ जरूरत नहीं है तो आराम से यहाँ करते रहो इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री देखोगे कंप्लीट इन्वर्जन होता है स्टीरियो केमिस्ट्री इनकी देखोगे तो कंप्लीट इन्वर्जन करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब कम्प्लीट इन्वर्जन और इनका इन्वर्जन को एक नाम भी दिया जाता है इस इन्वर्जन को हम लोग एक नाम भी दे देते हैं कम्प्लीट इन्वर्जन को हम लोग नाम भी दे देते हैं एंड दैट इज एक साइंटिस्ट के नाम पे वॉल्डन इन्वर्जन साइंटिस्ट के नाम पे वॉल्डन इनवर्जन इसको नाम देते हैं वॉल्डन इनवर्जन इसका ग्राफ देखोगे तो भैया कुछ नहीं इसका ग्राफ देखोगे तो ग्राफ एक सिंपल सा ग्राफ बनेगा इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं तो एक ही स्टेप में हो जाएगा अगर मैं एनर्जी का ग्राफ इधर ले लेता हूं और इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ है अगर इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ है तो ध्यान से देख लो यहां से मान लो आर्य लगा हुआ है तो अगर यहां तक जा रहे हैं न्यूक्लियो अपोजिट बनेगा और ये जो कंडीशन है ये बड़ी प्यारी सी कंडीशन बनेगी ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा वो ऐसा बन रहा होगा एक साइड से बॉन्ड टूट रहा होगा एक साइड से बॉन्ड बन रहा होगा तो यहाँ न्यूक्लियो ये ट्रांजिशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है ये जो पॉइंट है यही मेरा ट्रांजिशन स्टेट है यही मेरा क्या है ट्रांजिशन स्टेट है यही मेरा क्या है ट्रांजिशन स्टेट है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहां पर स्टीडियो केमिस्ट्री भाई कंप्लीट कन्वर्जन करेगा और न्यूक्लियो जो होगा अपने पास यहां पर अच्छा न्यूक्लियो मतलब अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियो की बात करें तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियो की बात कर रहा होगा यहां पर यहाँ पर बस एक दो चीज़ों का है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है एस की रिएक्टिविटी की बात करें तो एस में बैक साइड से अटैक होता है तो एस में जो रिएक्ट रेट ऑफ रिएक्शन है ना ये रेट ऑफ एस है वो सर सीधा सीधा याद रखिएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सर जितना स्टेरिक हिंड्रेंस होगा जितना स्टेरिक हिंड्रेंस होगा क्योंकि बैक साइड से अटैक तभी पॉसिबल है जब आप जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस आपके मॉलिक्यूल्स के पास हो इसीलिए एस एन टू की रिएक्टिविटी जब मेजर करते हैं एस एन टू की रिएक्टिविटी जब मेजर करते हैं तो ध्यान से देखिएगा एस एन टू की देखेंगे सी एस थ्री सी एल सी एस थ्री सी एच टू सी एल और सी एस थ्री अगर मैं ऐसे लगातार चला जाऊं सी एस थ्री सी एल यहां पर सी एस थ्री सी सी एस थ्री सी एस थ्री सी एल अगर मैं इसको ए बोल दूं, ये बी हो जाए ये सी हो जाए ये डी हो जाए टू की रिएक्टिविटी जो एस एन टू होना है जो इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनना है पीछे से अटैक होना है सबसे फास्ट किसमें होगा इसमें क्यों क्योंकि इसके पीछे तीन हाइड्रोजन है यहां पर क्या है एक बल्की की ग्रुप यहाँ पर क्या है दो बल्ब की ग्रुप और यहाँ पर तीन तीन बल्ब की ग्रुप हो गए तो सर यहां पर देखोगे एनसीआर में इसका तो होता ही नहीं है एस एन पॉसिबल तो ही नहीं है अगर एस एन टू की बात करें तो एस एन टू का जो ऑर्डर आएगा D. ये SN2 का आ जाएगा। सारी वही बस एस एन वन में कार्बोकटाइन का बन रहा था रियमेंट था वहां इंटरमीडिएट था दो स्टेप का रिएक्शन था यहाँ पर सिंगल एक स्टेप का रिएक्शन होगा वो टू स्टेप रिएक्शन था यहाँ एक स्टेप का रिएक्शन है अब यहां पर देखोगे गलती से हो गया एसेंट टू रिएक्शन की बात कर रहे हैं एसेंट टू रिएक्शन ठीक है अब गलती से देखो अपने पास एस एन टू की बात करें तो एस एन टू में रेट जो होगा रेट को क्या लिखोगे सर सर रेट इज इक्वल्स टू के इन टू। सर, ये दोनों पे डिपेंड करता है अब की बार पे पे भी डिपेंड फाइल पे भी डिपेंड डिपेंड करेगा करेगा यहां ऑर्डर जो होगी ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा टू होगा ये देख लो न्यूक्लियोफिलिक कॉन्सेंट्रेशन पे अब की बार आप डिपेंड कर रहे हो ये क्या होगा अब की बार डिपेंडेंट होगा अब की बार डिपेंडेंट होगा रेट ऑफ रिएक्शन की बात की जाए तो अब की बार जहां पर सर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस है जहां भी आपका स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा मतलब अगर तुमसे कोई पूछ दे तो वन डिग्री या मिथाइल ग्रुप मिथाइल फास्ट करेगा एज कंपेयर टू वन डिग्री एज कंपेयर टू टू डिग्री एज कंपेयर टू थ्री डिग्री रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे फ्लक्चुएट करेगा वहां पर क्या था थ्री डिग्री टू डिग्री वन डिग्री वहां स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो का से मतलब था यहाँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो का से मतलब नहीं है यहां सिर्फ सिर्फ क्या देख रहे स्टेरिक हिंड्रेंस देख रहे सिर्फ सिर्फ क्या देख रहे स्टेरिक हिंड्रेंस देख रहे रही बात लिविंग ग्रुप की तो लिविंग ग्रुप तो हमेशा ही क्या होना चाहिए अच्छा होना चाहिए लिविंग ग्रुप तो भैया किसी भी केस में ऑब्वियस है जाने वाला अच्छा होगा तभी तो कोई नया आ पाएगा ना भाई अब ब्रेकअप हो ही नहीं रहा सही तो क्या ही मतलब हमने दोनों केस में चाहे वो एस एन वन हो चाहे एस एन टू हो दोनों में लिविंग ग्रुप अच्छा रखना है सॉल्वेंट में यहां पर देखोगे तो यहाँ पर हम लोगों के पास एनपीएस भी हो सकता है पी ए एस भी हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियो फाइल यहाँ पर क्या होना चाहिए गुड होना चाहिए हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियो फाइल होना चाहिए ताकि पीछे से अटैक कर पाए यहां पर कंप्लीट इन्वर्जन होता है इस बात का ध्यान रखिएगा यहां पर कंप्लीट इन्वर्जन होता है इस बात का भी ध्यान रखिएगा कंप्लीट इन्वर्जन करेगा या इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं वॉल्ड एन इन्वर्जन वहां कंप्लीट इनवर्जन नहीं था पार्शियल था पार्शियल रेसमाइशन था और कंप्लीट इन्वर्जन नहीं था वॉल्डन इन्वर्जन था टेम्परेचर किसी भी सब्सिट्यूशन को करना है टेम्परेचर आपको लो ही रखना है इस बात का खासकर ध्यान रखना है कि टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा लो रहेगा टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा लो रहेगा यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस देखनी है और कुछ भी नहीं देखना बाकी दोनों पर डिपेंड करता है न्यूक्लियो फाइल पे भी डिपेंड करता है इसके ऊपर भी डिपेंड कर जाता है अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की बात करूं ध्यान से देखना एस एन वन एस एन टू को बात करूं एग्जाम्पल्स में बात करी जाए तो ये देखो खुद से सोचो अगर मैं सही से बनाने की कोशिश करूं तो न्यूक्लियो फाइल में अगर न्यूक्लियो फाइल अगर वीक न्यूक्लियो फाइल है तो वीक न्यूक्लियो फाइल है तो ये किसको फेवर करेगा एसएन वन को लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियो फाइल है तो ये किसको फेवर करेगा एस एन टू को ध्यान देना एग्जाम हॉल में कौन सा क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है डिग्री में बात करूं तो एस एन वन के लिए हमने क्या पढ़ा है कि सर सबसे फास्ट कौन सा होगा थ्री डिग्री टू डिग्री देन वन डिग्री एंड देन मिथाइल होगा एस एन वन में ये होता है लेकिन अगर डेस एन टू में बात की जाए डिग्री वाइज तो एस एन टू में क्या हो जाएगा सर वन डिग्री सबसे ज्यादा या मिथाइल हम लोग लिख दें कि सर मिथाइल वाला सबसे फास्ट करेगा फिर वन डिग्री फिर टू डिग्री और फिर क्या हो जाएगा थ्री डिग्री एग्जाम्पल्स आपके सामने होंगे आप कभी भी कोई रिएक्शन करोगे अगर वन डिग्री है तो एस एन वन कर लेंगे टू डिग्री होगा तो एस एन टू कर देंगे सीधा सा सीधा सीधा हिसाब किताब रखेंगे इसका कि एस एन वन एस एन टू में कहीं भी मतलब अरे ऐसा देखो तुम खुद से सोच लो अगर मैं ये रिएक्शन देता हूं तुम खुद से सोचो ये रिएक्शन कौन सा फॉलो करेगा एस एन वन करेगा या एस एन टू करेगा सीधा सीधा दिख रहा है कि सर ये थ्री डिग्री है मैं आंख कर बंद करके बोल सकता हूँ कि एस एन वन करेगा इसका कार्बो कार्बोकटाइन स्टेबल है जहां कार्बो कार्बोकटाइन स्टेबल है वहां SN1 हो गया तो अपने पास देख ले अगर तुझे यही क्वेश्चन ऐसा दे देता देख अगर मैं ये देता हूं अगर मैं ये देता हूं तो तुम्हें भी पता है कि इस केस में आंख बंद करो और क्या लगा दो एस एन टू मैकेनिज्म लगा दो एस एन टू मैकेनिज्म होगा क्योंकि यहां पर कार्बोकोटाइन है ही नहीं तो इनके बीच का कंपैरिजन याद रखोगे एस एन वन एस एन टू इस तरह से फ्लक्चुएट करेंगे एस टू की बात की जाए चलो एस टू का रेट कैसे डिसाइड करोगे एस टू का रेट कैसे डिसाइड करोगे एस टू में कैसे रेट डिसाइड होगा बताओ एस टू में कैसे रेट डिसाइड होगा वीडियो पॉज करो सोचो एक बार इन क्वेश्चंस के बारे में सोचो वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस के बारे में सोचो कि इनका रेट कैसे डिसाइड करोगे इनका रेट कैसे डिसाइड होगा एस की नहीं एस की बात कर रहा है अब एस एन टू की बात कर रहा है तो एस एन टू में क्या देखेंगे सर जहां जहां अब स्टेरिक स्टेरिक हिंड्रेंस हिंड्रेंस जहां कम होगा यहां पर ज्यादा है तो इसको हटा दो सर जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम कम होगा वहां कम हो जाएगा अब SN2 कहां बात करेगा इन दोनों में देखो इन दोनों में क्या करेगा इन दोनों में भी एक वन डिग्री है एक टू डिग्री है क्या होगा सर क्या होगा ये देख लो अपने पास ये वन डिग्री है ठीक है अरे यार ये गड़बड़ हो गया है ना यहाँ तो थ्री डिग्री है ये ये टू डिग्री है थ्री डिग्री और टू डिग्री में देख लो हम्म कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे आ, ये ना यहाँ पे सी एस थ्री लगाया तो एक सी लगा इन दोनों में देखोगे तो वन डिग्री की क्या होगी ज्यादा होगी एस एन टू की अब इसके बारे में बात करें ये थ्री डिग्री होगा ये टू डिग्री होगा थ्री डिग्री की कम होती है हमेशा टू डिग्री से तो एस एन टू स्टेयरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है उसके अलावा इसको कोई मतलब नहीं एस एन टू इसके अलावा कोई मीनिंग नहीं रखता भाई अपनी जिंदगी में एस एन टू एस एन वन में इतनी ही कहानी थी अब आते हैं इंट्रा इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन अगर आपस में मॉलिक्यूल में ही एक ही मॉलिक्यूल में ये इंट्रा इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन कब आता है जब एक ही मॉलिक्यूल में क्या आ जाए एक ही मॉलिक्यूल में क्या आ जाए सर अपने पास एक ही मॉलिक्यूल में सेम मॉलिक्यूल में आने को क्या मिल जाए सेम मॉलिक्यूल में अगर मैं बात करता हूं ध्यान से सुनना इंट्रा इंट्रामोलिकुलर सेम मॉलिक्यूल अगर एक ही मॉलिक्यूल में आ गया सेम मॉलिक्यूल हैविंग लिविंग ग्रुप एज वेल एज लिविंग ग्रुप एज वेल एज न्यूक्लियो फाइल अगर एक ही मॉलिक्यूल में दोनों बैठे हुए मान लो ऐसा कहीं दिख रहा है ऐसे रिंग का, रिंग, रिंग का तो पता ही ना अपने को रिंग का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है रिंग की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाती है अगर मैं रिंग की स्टेबिलिटी कार्बन के रिंग की स्टेबिलिटी पूछू तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा स्ट्रेन थ्यूरी के हिसाब से बता सकते हो स्ट्रेंथ थ्यूरी के हिसाब से क्या हो जाएगा रिंग स्टेबिलिटी थ्यूरी क्या होती है सर सबसे ऐसे जैसे जैसे चलते चले जाएंगे ये सब हमने ये हम लोग इसको पढ़ते हैं बेयर्स स्ट्रेंथ थ्योरी बेटा जितना इलेवेंथ आता है कोई दिक्कत नहीं नहीं आता ना तो यहाँ यहाँ से जितना इलेवेंथ कवर हो जाए कवर करते चले जाओ ये बेर से स्ट्रेंथ थ्योरी हो जाएगी ये बता दो अपने पास फोर से फाइव मतलब ऐसा हो जाए ऐसा कहीं दिया हुआ है देखना ध्यान से ऐसा मिल जाए लिविंग ग्रुप यहीं पे न्यूक्लियो फाइल भी यहीं पे है तो हम लोग क्या करेंगे सर? इस केस में इंट्रामोलिकुलर अपने पास और यहां पर ये यह चला न्यूक्लियो फाइल क्या करेगा इस पर अटैक कर देगा और देखोगे तो फाइनली मेरा न्यूक्लियो ऐसा दिखेगा सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच टू ऐसा बन जाएगा तो ये क्या बनाएगा हमेशा साइक्लिक कंपाउंड बना देगा हमेशा साइक्लिक कंपाउंड बना देगा तो एस एन बहुत छोटी चीज है अब देखो एस एन वन एस एन टू के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं अपने नीट के सिलेबस में लेकिन एस एन आई में ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है एस एन आई में ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है एस एन आई बस ये याद रखना कि अगर सेम ही मॉलिक्यूल में बन रहा है इंट्रा मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब एस एन आई एक एस एन आई का एक और दूसरा फॉर्म है वो याद रखिएगा उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विथ इंटरनल रिटर्न ये इसकी मैकेनिज्म के पीछे मत जाना बस रिएक्शंस पता होनी चाहिए क्योंकि तो है हमारे नीट के सिलेबस में नहीं है बाकी आपकी मर्जी है ये क्या करता है तो ये किसके लिए वैलिड है ओनली फॉर एसओ सी एल टू ऑलरेडी आपको प्रिपरेशन में बता चुका हूं मैं एसओसीएल टू एसओ सी एल टू के केस में ही पॉसिबल हो जाता है एस एन आई जो मैकेनिज्म होता है एसओसीएल टू के प्रेजेंस में ही होता है ध्यान से सुनना अपने पास ध्यान से देखना ये इसमें क्या होता है रिटेंशन ऑफ रिटेंशन ऑफ इसमें क्या होता है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जहां से जाएगा अगर मैं बात करूं इसकी कोई कार्बन है ये देखो या ऐसे लिख देता हूं कार्बन इधर आर वन लिख देता हूं इधर आर टू है इधर आर थ्री है यहां पर लिविंग ग्रुप लगा हुआ है यहां पर मैंने क्या किया एसो टू को ऐड कर दिया डायरेक्ट डाला तो पता है कन्फिगुरेशन सेम रहेगी जहां पर जो है वही रहने वाला है कोई चेंजेस नहीं होंगे यहां पर क्या लग जाएगा सीएल और प्लस एसओ टू प्लस एच सिक्स एच एल बाहर चला जाएगा नॉर्मल कन्फिगुरेशन यही कहती है हम लोगों की लाइफ में कि एसओसीएल टू दिया तो यहां पर ये मैकेनिज्म जो होती है इसको हम लोग नाम दे देते हैं एस बस नाम से पता रखो और कुछ नहीं ठीक है ये देखना लेकिन अगर यही चीज यही कंपाउंड को इसी कंपाउंड को अगर मैं क्या करूं एसओ सी एल टू दे दू इन द प्रेजेंस ऑफ अगर मैं एसो सीएल टू दे दू इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन दे दू तो पता है ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है एसेंटू और पता है रिएक्शन कैसी हो जाएगी अब यहां पर सीएल तो आएगा लेकिन सारी की सारी कन्फिगरेशन उल्टी हो जाएगी सारी की सारी कन्फिगरेशन उल्टी हो जाएगी और कुछ नहीं तो बस आपको इतना ही डिफरेंस याद रखना है एग्जाम हॉल में इतना ही डिफरेंस याद रखना है यहां पर रिटेंशन हो रहा है यहां पर रिटेंशन हो रहा है यहां रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है जहां से गए वही हो गया और यहां पर क्या हो रहा है इन्वर्जन हो रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिकब्शन में अगर आपसे बात की जाए तो मेरे पास चार न्यूक्लियोफिलिक के आगे एक इंट्रामोलिकुलर एक इंटरनल रिटर्न और अपने पास दो एस एन वन और एस एन टू एस एन वन एस एन टू एनसीआर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाले पोर्शन भी इंपॉर्टेंट है लेकिन हाँ भाई इनकी ना ही मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है बस डिफरेंस याद रखिएगा कि हाँ भाई ये डिफरेंस हो जाता है अब अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर एक और न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन केस रहता है न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिकब्ट्यूशन में एक केस और रहता है एंड दैट इज नोन एज न्यूक्लियो सब्सटीट्यूशन अभी देखो आज मतलब इसी क्लास में हम लोग देखेंगे तो पांच न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिकब्ट्यूशन पांचवा न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं हमने कहाँ से स्टार्ट किया एस एन वन से फिर क्या किया एस एन टू फिर क्या किया इंट्रा इंट्रामोलिकुलर अगर मैं एस एन आई इंट्रामोलिकुलर लिख इंट्रा इंट्रामोलिकुलर और एस एन आई लिख दूँ तो अब एक नया आता है एंड दैट इज नोन एज एस एन एनजीपी एस एन क्या होता है एनजीपी मतलब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन ये क्या होता है नेबरिंग ग्रुप नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन एस एन कब आता है बस ये ध्यान रखना एक्चुअली ये भी किस को प्रमोट करता है ये भी रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को ही प्रमोट करता है इसमें भी रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ही प्रमोट होता है इसमें क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है ना रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज वेरी इनक्रीजेस वेरी रैपिडली ड्यू टू एस एन एनजीपी अगर आप नॉर्मल रिएक्शन कर रहे हैं और आपने गलती से एस एन एनजीपी कर दिया तो भैया तेजी से रिएक्शन क्या होगा फास्ट होगा बहुत तेजी से आपका न्यूक्लिफ्लिक्स बहुत तेजी से भाग जाता है अब एस एन एन जी पी भाई कैसे भाग जाता है देखना अपने पास इसकी कंडीशन है कंडीशन क्या है एस एन एनजीपी की कंडीशन फॉर एस एन एन जी पी एनजीपी ग्रुप के लिए कंडीशन है कि सर आपके पास आपके पास क्या होना चाहिए लिविंग ग्रुप के जस्ट एंटी में एंटी में क्या होना चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनर होना चाहिए मतलब आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनर होना चाहिए नेबरिंग ग्रुप के पास नेबरिंग ग्रुप नेबर नेबरिंग ग्रुप यहां लिख देता हूं एंटी टू लिविंग ग्रुप एंटी मतलब अपोजिट साइड होना चाहिए मस्ट हैव लोन पेयर इसके पास कम से कम एक लोन पेयर तो होना ही चाहिए इसकी कंडीशन है कि जो भी लिविंग ग्रुप के बगल में जो कार्बन होगा उसके बगल में जो नेबरिंग ग्रुप होगा उसके पास लोन पेयर तो होना ही होना चाहिए और जैसे ही होता है रिटेंशन ऑफ कंफिगुरेशन होता है रिटेंशन ऑफ कंफिग्रेशन टेक्स प्लेस देख लो ये देख लो क्या होगा तो ये अगर मान लो कोई ऐसा रिएक्शन दिख रहा है ये देखना ये दे दिया और मैंने यहां दे दिया आपका ओ एच माइनस अब अगर मैं ये कंपाउंड दे देता हूं आप खुद से सोचो अब इस कंपाउंड में सोचो यहां पर अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है ब्रोमीन है या क्लोरीन है ब्रोमीन या क्लोरीन ऑब्वियस अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होगा ब्रोमीन होगा लिविंग ग्रुप अच्छा है लेकिन अब बगल में कौन बैठा है इधर देखना अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन ना सडनली बहुत तेजी से बढ़ जाता है लोगों ने क्यों देखा रे यार बगल में कोई ग्रुप लगा रहे बगल में कोई भी ग्रुप लगा रहे मान लो यहाँ पे ब्रोमीन क्लोरीन को छोड़ के कोई भी ग्रुप लगा रहे मान लो कोई ग्रुप लगा दिया जिसमें लोन पेयर है इसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत तेजी से हो रहा है सडनली एस एन एनजीपी की बात क्यों आई क्योंकि भाई ऐसा देखा गया कि भाई एक बगल में कोई ग्रुप लगा होता है ना इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप कुछ लगा है तो सडनली उसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा आ रहा है तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा क्यों आ रहा है भाई इसके पीछे का लॉजिक ये लगाया कि भैया ये क्या करते हैं बगल वाले ग्रुप क्या करते हैं इसको सपोर्ट प्रोड्यूस कर देते हैं चाहे वो अपने पास ट्रांजिशन स्टेट बोला जाए एस एन वन एन जी पी एस एन टू नॉन क्लासिकल काबू का टाइम बोला जाए जैसे ही बोला जाए ये अपने को बगल से एक सपोर्ट प्रोड्यूस कर रहा है और इसके कारण जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो देख लो ये तो ऐसे ही रहेगा यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा ये क्या बन जाएगा ये मेरा ऐसा बन जाएगा मतलब यहां पर रिटेंशन ऑफ कंफिग्रेशन हो रही है बस कंडीशन याद रखना कि नेबरिंग ग्रुप हमेशा क्या होना चाहिए एंटी में होना चाहिए तो एस एन वन हो चाहे एस एन टू हो चाहे एस एन आई हो चाहे हो, हो या फिर एस एन एन जी पी हो इन सबके लिए नेबरिंग ग्रुप के पास कम से कम लोन पेयर एक होना चाहिए तभी जाकर एस एन वन एस एन टू एस एन आई आप कर सकते हो न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक्सिट्यूशन टोटल पांच टाइप के आ गए एस एन वन एस एन टू एस एन आई एस एन इंट्रामोलिकुलर और अपने को न्यूक्लियोफिल सब्सटीट्यूशन एनजीपी देखते क्या ऐसे बगल में होना चाहिए बगल वाले कार्बन पे अपने को क्या होना चाहिए नेबरिंग ग्रुप कार्बन नेबरिंग ग्रुप के पास नेबरिंग ग्रुप एंटी होना चाहिए नेबरिंग ग्रुप मतलब अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन मतलब जस्ट बगल वाला ठीक है ऐसा नहीं बीटा चौथ तीसरे चौथे पे नहीं अल्फा कार्बन पे होना चाहिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन होती है ये देखना अपने पास कंडीशन तो पता चली गई है क्वेश्चन देखो अब सारे के सारे हम लोग कंडीशन के ऊपर देखते हैं ऐसे में क्या होगा एस एन वन होगा एस एन टू होगा क्या होगा एक बात बताओ एस पहले एस एन एनजीपी की बात कर लेते हैं पॉसिबल है क्या लिविंग ग्रुप कौन है क्लोरीन है अल्फा कार्बन के पास कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है जिसमें लोन पेयर है कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है जिसमें लोन पेयर है नहीं है ना कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है जहां लोन पेयर है देख लो इस कार्बन के पास कोई ऐसा ग्रुप नहीं है तो इसका मतलब एस एन एनजीपी नहीं होगा ये सर स्टरिकली हिंडर्ड है तो एस एन टू नहीं होगा ये क्या होगा एस एन वन पॉसिबल है तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है एस एन वन यहां सिर्फ और सिर्फ कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है एस एन वन देखो अगले वाले केस में देखो यहां कौन कौन सा पॉसिबल है ये देखो ये कार्बन है इसके बगल में ये कार्बन है ये कार्बन है ये कार्बन है अल्फा कार्बन ये हुआ जिस क्लोरीन जहां से अटैच है देखो ये लिविंग ग्रुप है इसके बगल में एक बगल में एक ग्रुप लगा है जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है एस एन एन जी पी एस एन एस एन टू नहीं होगा एस एन वन नहीं होगा ये अपने पास देख लेना एस एन प्रोड्यूस कर देगा अल्फा ग्रुप को देख लो अल्फा ग्रुप से आपको आइडिया लग जाता है कि अल्फा ग्रुप से ही पता चल जाएगा होगा नहीं होगा पता चल जाएगा जैसे अब ये 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 कंपाउंड है है इसमें भी देखो देखना सर ये क्या है? इधर अल्फा ये ये जिस कंपाउंड से कनेक्टेड है अल्फा कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, है, है इससे अंतिम है हाँ ठीक है सर यहां हो जाएगा एस एन एनजीपी हो जाएगा एस एन टू नहीं होगा एस एन एनजीपी सडनली आपका रिएक्शन बहुत तेजी से भागेगा यहां पर देखो ये ये कार्बन है इसके बगल में ये अल्फा कार्बन है लून पेयर तो है लेकिन दिक्कत क्या है ये सिमिलर साइड है नॉट एंटी एंटी में नहीं है अपोजिट साइड नहीं है दोनों सेम साइड दिख रहे है, तो एस एन एनजीपी इसमें नहीं पॉसिबल होगा एस एन एनजीपी इसमें पॉसिबल नहीं होगा यहां देखो इन दोनों में देखो ये क्या होगा एंटी है तो एस एन एनजीपी यहां पर पॉसिबल हो जाएगा एस एन एनजीपी क्या होगा पॉसिबल हो जाएगा एस एन एनजीपी पॉसिबल हो जाएगा यहां वन डिग्री है तो वन डिग्री में कोई फर्क नहीं पड़ रहा वन डिग्री में एस एन वन होता नहीं है एस एन एनजीपी होगा नहीं एस एन टू हो जाएगा कहानी खत्म तो अगर आप तीनों को कंपेयर करते हो अगर एस एन वन एस एन टू एस एन थ्री की इन सब बात करोगे तो यहां पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आता है वो यही आ जाएगा कि भैया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे तो ये सारे के सारे एस एन वन फिर से याद दिला देता हूं बार बार क्योंकि यही सब क्वेश्चन आएंगे एस एन इंट्रामोलिकुलर और एस एन आई इंटरनल रिटर्न और एस एन एन जी पी ये टोटल हमें पांच मैकेनिज्म का ध्यान रखना है इनमें से सब में लिविंग ग्रुप अच्छा होता है न्यूक्लियो फाइल पर यह डिपेंड नहीं करता है इसके लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियो फाइल चाहिए इसके लिए एक ही बंदे के अंदर क्या होना चाहिए एक ही बंदे के अंदर सर लिविंग ग्रुप भी होना चाहिए न्यूक्लियो फाइल भी होना चाहिए ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है एसओसी के लिए अगर अकेला है तो अदरवाइज अब पैरिडीन के साथ है तो एस एन टू कर देगा एस एन एन जी पी

जो एनसीआर और इन सब के लिए रिक्वायर्ड है रिएक्शन अब वो वन डिग्री है टू डिग्री है कौन सा है उसके हिसाब से एस एन वन एस एन टू करते रहना या एस एन लेकिन हाँ अभी के लिए बेसिक चीजें पता होनी चाहिए जैसे सबसे बेसिक सा है कि आरएक्स का रिएक्शन अगर आपने एक्वस अगर आपने इसका रिएक्शन अगर मान लो के के साथ कर दिया या एन के साथ कर दिया तो यहां पर जो न्यूक्लियो अटैक करने आएगा ये कौन सा न्यूक्लियो जनरेट करेगा आर अगर आपने किससे कर दिया के या फिर अगर मैं एन की बात करूं तो ये कौन सा न्यूक्लियो फाइल जनरेट करेगा इनसे जो न्यूक्लियो फाइल जनरेट होगा एनसीआर में देखेंगे तो एक टेबल बनी होगी उसको देख लीजिएगा ये क्या बनेगा साइनाइड माइनस सर साइनाइड माइनस बनेगा आर सी एन बनेगा और ये क्या बन जाएगा केक्स आइनिक कंपाउंड है तो ये केस में अपने को बहुत आसानी से क्या दे देगा ये वाला न्यूक्लियोफाइल और अगर मैं इसी के आगे की बात करूं कि सर इसी केस में अगर ऐसा दे दिया जाए आरएस के बदले अगर कोवेलेंट कंपाउंड दे दिया जाए जैसे एजीसीएन दे दिया गया ए जी सी एन दे दिया गया एजीसीएन में बात करेंगे तो यहां पर पूरा कंपाउंड ही न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा ये देख लो न्यूक्लियोफाइल फाइल एजी ये कोवेलेंट कंपाउंड है कंपाउंड है तो यहां पर जो न्यूक्लियोफिलिक नेचर होता है वो इसके कारण होता है यह आयनिक कंपाउंड नहीं है कि प्लस माइनस में टूट जाएगा यह कोवेलेंट कंपाउंड है तो इसके केस में जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बन जाता है एनसी बन जाता है आइसोसाइनाइड बन जाएगा और एजीएक्स एक्स बन जाएगा ये क्या है साइनाइड है ये क्या है इसका कॉमन नाम देखते हैं तो ये क्या कहलाता है साइनाइड और ये क्या कहलाता है आइसो साइनाइड यह क्या हो जाता है आइसो साइनाइड हो जाता है तो ये देख लो अपने पास ये कोवेलिन कंपाउंड हो गया ये न्यूक्लियो फाइल इसका क्या होता है एजीसीएन पूरा का पूरा कंपाउंड एजीसीएन ये न्यूक्लियो फाइल हो जाएगा ध्यान रखना है इसीलिए मैंने शुरुआत ही इससे करी है ताकि आप ज्यादा देर तक याद रख पाओ इसका एक और जुड़वा भाई है एक जोर जुड़वा भाई है कि अगर आरएक्स का रिएक्शन अगर मैं एन ए टू के साथ करा दूं या फिर के टू के साथ करा दूं और इसी का रिएक्शन अगर मैं इसी का रिएक्शन RX का ही रिएक्शन ए जी टू के साथ करा दूं दोनों में क्या फर्क आएगा दोनों न्यूक्लियो अपने पास क्या क्या जेनरेट करेंगे अगर ए जी टू कराता हूं या के एन टू कराता हूं तो एजी टू और के एन टू में डिफरेंस क्या आएगा ए जी एन टू फिर से क्या होगा एजी टू फिर से क्या करेगा AgNO2 भाई साहब ये बना देगा HNO2 क्यों क्योंकि फिर से ये क्या है कोवेलेंट कंपाउंड है ये फिर से क्या है कोवेलेंट कंपाउंड है कोवेलेंट कंपाउंड जल्दी ट्रिक नहीं करता है ये नाइट्रो कंपाउंड बना देगा लेकिन इसके केस में बात करोगे तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो जनरेट होगा न्यूक्लियोफाइल जो जनरेट होगा वो क्या हो जाएगा O-N डबल बॉन्ड O Osionfish. ये वाला होगा तो यहां पर जो बनेगा आर ओ एन ओ बन जाएगा आर ओ एन ओ बन जाएगा प्रोडक्ट में आर ओ एन ओ बन जाएगा जिसको हम लोग नाइट्राइट बोलते हैं और एक बोलता है नाइट्रो अल्केन हो जाता है आर ओ एन ओ टू ये देख लो इसको क्या बोलेंगे ये तो नाइट्रो अल्केन हो गया ये क्या बन जाएगा नाइट्रो अल्केन बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा अल्काइल नाइट्राइट हो जाएगा ठीक है तो ये अपने पास दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा बाकी अगर नॉर्मल कोई पूछे कि सर ऐसे बताओ आर एक्स है अगर ओ एच माइनस दे दिया या एक्स एक्वस के ओ एच दे दिया या एक्वस एन एच दे दिया एक्वस एन एच दे दिया तो इस केस में कुछ नहीं सोचना इन सबसे कौन सा न्यूक्लियो फाइल जनरेट होता है इन सबसे कौन सा न्यूक्लियो फाइल जनरेट होता है न्यूक्लियो फाइल जनरेट होता है ओ एच माइनस और वो क्या करेगा एल्कोहल बना देगा अब देख लो तो ये अब ये सब चीजें साइड साइड से करते चले जाओ अब ऐसे करने को छोटी छोटी रिएक्शंस अगर वन डिग्री होगा तो ऐसे टू करेगा ये सेम रिएक्शन अगर थ्री डिग्री होगा तो ऐसे वन करेगा ये अपने पास अलग अलग सॉल्वेंट होगा तो उसके हिसाब से डिसाइड कर लेंगे लेकिन एक बेसिक रिएक्शन पता चल रही है एक बेसिक रिएक्शन पता चल रही है कि भाई साहब मैं ऐसे ऐसे करूंगा अगर मैं यहीं पर पानी डाल दूं अगर वॉटर डाल देता हूं तो यहां पर वाटर कौन सा वॉटर के अंदर कौन सा न्यूक्लियोफाइल होता है पूरा का पूरा पानी ही अपने पास न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में आएगा और इसमें जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा आर ओ एच प्लस एच एक्स बन जाएगा तो ये मेरा वाटर के केस में भी क्या न्यूक्लियोफाइल आ जाता है ये न्यूक्लियोफाइल आ जाता है वाटर के केस में भी क्या न्यूक्लियोफाइल आ जाता है ये आ जाता है और अगर मैं ध्यान से देखू इसमें न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल की अगर बात कर रहे हैं हम लोग तो यहाँ पर एक दो रिएक्शन और देखो जैसे अमोनिया है अमोनिया अपने आप में देखना अगर आरएक्स की रिएक्शन अमोनिया के साथ करा दी जाए अमोनिया के पास क्या है लून पेयर ये पूरा का पूरा खुद ही न्यूक्लियोफाइल है तो ये क्या कर रहा होगा आर एन एच टू आर एन एच टू और ये क्या बना देगा एच एक्स बना देगा ये देख लो अपने पास ये वन डिग्री अमीन हो गया नाइट्रोजन अगर एक कार्बन से कनेक्टेड है तो उसको क्या बोल देते हैं वन डिग्री अमीन तो यहाँ पर ये आ जाएगा अगर मैं यही चीज ऐसे लिखते चला जाऊं कि आर एक्स है और यहाँ पर तो यहां पर भी क्या हो जाएगा फिर से एच एक्स निकल जाएगा और ये टू डिग्री अमीन बना देगा टू डिग्री अमीन बना देगा ये टू डिग्री अमीन बन जाएगा ये टू डिग्री अमीन बन जाएगा तो ये अपने पास अलग अलग टाइप के अमीन बना सकते हो आप इवन इसको हम लोग अभी जाके आगे पढ़ेंगे भी कि हम लोग क्या कर देते हैं अगर मैं इसके बारे में बात करूं जो हमारा वन डिग्री अमीन है इसी को हम लोग एक साथ अगर देखें तो यही सेम चीज अगर आर एक्स है और इसकी रिएक्शन फिर से किससे करा दी गई इससे करा दी गई फिर से लोन पेयर है फिर से क्या बन जाएगा आर एन आर आर लोन पेयर और प्लस क्या बन जाएगा एच एक्स इसको हम लोग क्या बोल देते हैं थ्री डिग्री अमीन तो इन सबको हम लोग एक साथ लिख देते हैं तो इसको बोल देते हैं अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल अल्काइल अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल लाइट को अगर अमोनिया से रिएक्शन कराओगे तो पहले वन डिग्री बनेगा और अगर अल्काइल अलकाईलाइट एक्सेस में है तो देखो टू डिग्री अमीन फिर से अगर रिएक्शन करा दिया तो थ्री डिग्री अमीन ऐसे करके बन जाएगा तो ये अपने को बेसिक चीज देख लेना कि अल्काइल लाइट में यहां पर ऐसा बन जाता है अगर अब बेसिक बेसिक चीजें जैसे इसको हम लोग अमोनोलिसिस ऑफ अल्केन भी बोल देते हैं क्या अमोनोलिसिस ऑफ अल्केन हॉफमैन अमोनोलिसिस ऑफ अल्केन बोल देते हैं अगर मैं देखूं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी आपके लिए आ रही है अगर ये दे दिया गया है तो इनके बीच में जो रिएक्शन होती है इनके बीच में जो रिएक्शन होती है rx और roa ने के ये रिएक्शन याद रखिएगा इसको sn2 रिएक्शन बोलते हैं इस रिएक्शन का नाम पहले तो मैं बना देता हूं प्रोडक्ट आर ओ आर डैश बन जाता है और एन एक्स देख लो भाई ये क्या बन गया ईथर बन गया ईथर बन गया इस रिएक्शन का नाम होता है इस रिएक्शन को हम लोग बोल देते हैं विलियमसन विलियमसन सिंथेसिस सिंथेसिस ये क्या कहलाता है ईथर में पढ़ेंगे भी तो ईथर में हम लोग जब ये देखेंगे तो विलियमसन सिंथेसिस जैसी वर्ड आएगा समझ जाना एस एन टू रिएक्शन है एस एन टू रिएक्शन होता है किसके लिए फेवरेबल है वन डिग्री के लिए इसीलिए बार बार विलियमसन बोला जाता है कि वन डिग्री अल्काइल लाइड लेना है जब आप पढ़ते हो तो बाहर बोला जाता है विलियमसन में कि वन डिग्री अल्काइल हल्का लेना है रीजन इसका आपको पता चल रहा होगा क्योंकि वन डिग्री में ही ईथर बन सकता है वन डिग्री में ही ईथर बन सकता है अगर मैं आर की रिएक्शन आर की रिएक्शन अब देख लो अगर आर की रिएक्शन किससे करा दू आर सिल्वर सॉल्ट ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से करा दूं तो ये भाई साहब ये अलग ही ये एस्टर भी बना देंगे ये एस्टर भी बना देते हैं कैसे ये देख लो और ये क्या बन जाएगा ए जी एक्स बन जाएगा ये देख लो इसी को हंस हंसडिकल्स रिएक्शन ही बोल देते हैं यही हमारा हंस हंसडिकल्स रिएक्शन था अभी हमने शुरू भी किया था हमें पता भी है कि सर ब्रोमीन अपने पास वो बोरोडिन हंसडिकल है ये हंस हंसडिकल्स रिएक्शन था अपने पास आर एक्स अपने को क्या बना देगा एस्टर बना देगा एस्टर का रिएक्शन करके हम लोग दे सकते हैं कि एस्टर वाली रिएक्शन भी हो जाएगी अब कहीं भी रिएक्शन करते चले जाओ कहीं भी रिएक्शन करते चले जाओ एक इंपॉर्टेंट वन अपने लिए ये आ जाता है अगर मैं इंपॉर्टेंट वन की बात करूँ तो हाइड्राइड एनसीआरटी में है और यह काम का है लिथियम अलुमिनियम हाइड्राइड एक न्यूक्लियो फाइल जनरेट करता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियो फाइल जनरेट करता है दैट इज एच माइनस और इसीलिए अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो तो आपको क्या मिल जाएगा आर एच मिल जाएगा अल्केन मिल जाएगा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आप एल आई एक्स लिथियम हाइलाइड बना दोगे और ए एल एच थ्री बना दोगे देख लो तो ये कितने हो गए बारह हो गए मैं बारह बता रहा हूं NCRT इन सबको मिला दोगे तो अपने पास बारह मतलब तेरह चौदह जितने भी होने होंगे आपको हो तो आप ही पता है ये ओ माइनस है ए जी प्लस है यहाँ पर ओ माइनस है सोडियम प्लस है रिएक्शन कराते चले जाना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में न्यूक्लियो याद रखिएगा एच माइनस होता है तो ये मैंने बारह रिएक्शन बताए जो एनसीआरटी में भी है अच्छा जो इस टाइप के कंपाउंड मिल जाते हैं इनको हम लोग एक नाम देते हैं दैट इज नोन एज एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल एम्बीडेंट न्यूक्लियो फाइल ये ऐसे न्यूक्लियो फाइल्स हैं ये ऐसे न्यूक्लियो फाइल्स हैं जो अपने पास एक से ज़्यादा मतलब साइनाइड की बात करें तो साइनाइड में यहाँ से भी हो सकता है बॉन्डिंग एन सी से भी हो सकता है तो ये अलग अलग तरीके से बॉन्ड कर सकते हैं सिमिलरली एनओ टू माइनस ले सकते हैं वो एनओ -NO ले सकते हैं तो ये ऐसे करके भी बॉन्डिंग कर सकते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है उनके केस में ऐसा यूज़ कर सकते हैं हम लोग उनके केस में हम लोग ऐसा यूज़ कर सकते हैं हो जाएगा पक्का श्योरू अब अब एक दो और बढ़ानी है तो एक दो और बढ़ा लो अपने कोई दिक्कत नहीं जैसे मान लो किसने बोला नहीं सर अगर मान लो एक दो और आ, उसकी बात करें अगर आ, ये देखो आ, एक दो और बना लेते जैसे कहीं पे ऐसा भी आ गया आयनिक और कंपाउंड अब इसका रीजन बताना खुद से इसका खुद से सोचो अपने पास अगर यहीं पर ए जी एस सी एन लगा दिया जाए तो इसका क्या बन जाएगा प्रोडक्ट इन दोनों का प्रोडक्ट सिमिलर बनेगा या अलग अलग बनेगा आप खुद से सोच लो दोनों का प्रोडक्ट सिमिलर बनने वाला है या अलग अलग बनने वाला है अगेन फिर से बोल रहा हूँ ये आईनी कंपाउंड है सोडियम पोटेशियम वाला तो ये क्या बना देगा थायोसाइनेट बना देगा मतलब ये सीधा सीधा आर एस सी एन प्लस एन एक्स ये क्या बना देगा साइनेट बना देगा ये क्या बना देगा थायोसाइनेट बना देगा लेकिन अगर इसके केस में बात की जाए तो ये आर एन सी एस बना देगा दिस इज नोन एज आइसो आइसोथायोसाइनेट आइसो आइसो और ये क्या बना देगा एजी एक्स बना देगा दोनों में डिफरेंस आपको पता चल रहा होगा एक कोवेलेंट कंपाउंड है एक अपने पास क्या है एक कोवेलेंट कंपाउंड है और एक क्या है अपने पास आयनिक कंपाउंड है अगर मैं सारी रिएक्शंस मर्ज कर दूं सारी रिएक्शंस मर्ज कर दूं भाई साहब सारी रिएक्शंस मर्ज कर दूं तो आपको दिख जाएगा सारी रिएक्शन मर्ज करूंगा आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि क्या कर सकते हैं ये देखो अगर मैं एक साथ सारी रिएक्शन दे दू सोचो सारे रिएक्शन एक साथ समराइज कर दी जाए एक साथ समराइज कर दी जाए तो देख लीजिए कैसा प्रोडक्ट बनेगा चलो शुरू करते इधर से यहां पर आर सी एन बनेगा यहां पर आर एन सी बन जाएगा यहां पर क्या बन जाएगा आर ओ एन ओ बन जाएगा यहां पर आर एनओ टू बन जाएगा यहां पर एक रिएक्शन में सब कुछ रिवाइज कर लीजिए यहां पर आर एस सी एन बन जाएगा यहाँ पर एक्स के आर ओ एच बन जाएगा यहां पर यहां पर एन सी एस आईसो थानेट बन जाएगा यहां पर आर एन एच टू बन जाएगा यहाँ पर आर एन एच आर बन जाएगा आर डैश बन, बन जाएगा एक एच चला गया एक्स के साथ यहां पर आर एन आरडेस और एक और आरडेस आ जाएगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है तो आर एच बन जाएगा और यहाँ पर अगर बात करें ए जी की बात करें तो एजी में क्या हो जाएगा इथेनॉल के साथ रिएक्शन करेंगे तो सर ये क्या बन जाएगा वो

क्या होता है कि आप सर रिएक्शन करते चले जाओ अब जैसे ये रिएक्शन में क्या हो जाता है कि सर जो अल्काइन है अपने पास जो ऐसा वाला होगा और अगर मैं इसको एक्स से रिलेट करूंगा तो एक्स से रिलेट करके क्या मिल जाएगा ऐसा मिल जाएगा एन एक्स बन जाएगा अब ये कन्वर्जेंस कराते चले जाइए ये देखिए इसको एक एक बार बार के साथ रिएक्शन करा दिया सर क्लोरीन लेके चला अटैच हो गया ये वन डिग्री अमीन है ये वन डिग्री अमीन है और नाइट्रोजन एक कार्बन से कनेक्टेड है या नाइट्रोजन दो कार्बन से कनेक्टेड है अभी भी इस नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है तो सर ऐसे करते चले जाओ एक कार्बन और लगा दो एक सी एस थ्री और लगा दो ये क्या हो गया थ्री डिग्री अमीन बन गया क्या ये क्या हो गया थ्री डिग्री अमीन बन गया क्या ये थ्री डिग्री अमीन बन जाएगा डिग्री डिग्री अमीन बना दो तो वन डिग्री से टू डिग्री टू डिग्री से थ्री डिग्री ये जाने को ही हम लोग क्या बोल देते हैं हॉफमन अमोनोलिसिस मतलब हालत ये होती है कि अगर आप सही से देखें ना अगर आपने आर एक्स को एक्सेस में रख रखा है अमोनिया के सेस, केस में तो आप पहले बनाएंगे आर एन एच टू वन डिग्री बनेगा फिर आपने फिर से आर एक्स दे दिया तो ये क्या बन जाएगा आर एन एच आर टू डिग्री अमीन फिर क्या बनेंगे फिर से आर एक्स दे दिया थ्री डिग्री अमीन और अगर अभी भी बचा हुआ है तो यहां लून पेयर है अभी भी बंदा देखो अपने पास लास्ट में क्या बन जाएगा क्वार्टरनरी सॉल्ट बन जाएगा X माइनस क्वार्टरनरी सॉल्ट बन जाएगा तो इसी को बोलते हैं हॉफमैन अमोनोलिसिस ये मेरा हॉफमैन अमोनोलिसिस हो जाएगा हॉफमैनिस से ये सारे रिएक्शंस भी हम लोग कर सकते हैं सारे रिएक्शंस हम लोग कर सकते हैं तो ये मेरी तरफ से न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज में हेलो अल्केन्स देखो भाई जो यहाँ पढ़ा ऑब्वियस है कुछ उधर भी आएगा हेलोरिंस में तो भी अपने काम आएगा ये अभी जो पढ़ा यही सेम चीज अमीन्स में भी आएगा तो भी आपको ध्यान देना है तो भी आपको ध्यान देना है कि हाँ यार ये चीजें आ सकती हैं तो सर सबसे पहले हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या फिनिश कर लिया न्यूक्लियोफिलिक्स ट्यूशन कर लिया अब न्यूक्लियोफिलिक ऑफिट्यूशन के बाद ये टॉपिक लंबा होने का मेजर रीजन यही कि यहाँ पर हम लोग थोड़ा मैकेनिज्म चीजें भी डिस्कस करते जा रहे हैं ठीक है अब एलिमिनेशन रिएक्शन जैसे हम बात कर रहे हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन reaction... एलिमिनेशन रिएक्शन में भी अब यहाँ पर ही मैकेनिज्म करना है कि ई वन क्या होता है ई टू क्या होता है ईवन सी बी थोड़ा सा ये वाला पोर्शन लंबा हो जाएगा हेलो रींस वाला पार्ट थोड़ा ईजी हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे हमें मैकेनिज्म ज़्यादा नहीं जानना है मैकेनिज्म ज़्यादा नहीं जानना है उधर एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करें तो एलिमिनेशन रिएक्शन अगर हम लोग बात करेंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन में जब भी हम लोग एलिमिनेट करेंगे तो स्मॉलर मॉलिक्यूल अपने पास क्या होता है कहीं भी एलिमिनेशन रिएक्शन करते हो कोई भी एलिमिनेशन रिएक्शन मान लो ऐसा है यहाँ पर एक्स लगा है यहाँ वाई लगा है अगर आप एलिमिनेशन रिएक्शन करोगे एक तो टेम्परेचर हाई रखोगे और दूसरा जैसे ही एलिमिनेशन करोगे आपके पास आपके बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो आपका देख लो यहाँ पर क्या हो रहा है एक्स और वाई आपस में स्मॉलर मॉलिक्यूल्स क्या हो गए बाहर चले गए एलिमिनेशन रिएक्शन कभी भी होती है तो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती है ना उसमें इंट्रॉपी क्या होती है इंक्रीज करती है एंट्रोपी क्या होती है इंक्रीज करती है क्यों क्योंकि देखो एक मॉलिक्यूल से कितने बन गए दो दूसरा इंट्रॉपी क्या हो रही है डेल्टा एस जो होता है आपका क्या होता है ग्रेटर देन जीरो दूसरा यहां पर देखोगे तो सर वीक बॉन्ड सॉरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूटता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या हो रहा है ब्रेक हो रहा है सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वीक बॉन्ड क्या हो रहा है बन रहा है वीक बॉन्ड क्या हो रहा है फॉर्म हो रहा है तो खुद से देख लो स्ट्रांग बॉन्ड तोड़ना है तो हाई एनर्जी इनर्जी इज रिक्वायर्ड यहां पर आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ना है तो इनर्जी आपको क्या करेगा रिक्वायर्ड होगा नेक्स्ट चीज एनर्जी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन डबल बॉन्ड का कैरेक्टर क्या हो गया बढ़ गया तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या हो रहा है यहां पर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या हो रहा है इस केस में देखोगे तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या हो रहा होगा इंक्रीज हो रहा होगा डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या होता है इंक्रीज होता है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन मेरा क्या होगा इंक्रीज होगा पक्का तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है इंट्रोपिड होती है इंट्रोपी के लिए होती है इंट्रोपिड होगी और इंट्रोपिड मतलब आपका ऑब्वियस है इंट्रोपी बढ़ रहा है मेजर फोर्सन ये है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूट रहा है ये बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी यहाँ वीक बॉन्ड बन रहा है पाई बॉन्ड बन रहा है यहां सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वीक बॉन्ड बन रहा है तो उसके केस में अब देखो ध्यान से सुनना अगर मैं एलिमिनेशन रिएक्शन में बात करूं तो एलिमिनेशन रिएक्शन मेरे पास जो हमें पढ़ना है यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन हमारे पास या मैं नोट करके बताऊं कि हमें कितने टाइप्स के एलिमिनेशन जानने हैं तो टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन हमें जो जानना है हमारे अभी जो इस चैप्टर के अंदर जो सिलेबस में आएगा टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन वो है E1, SN1 का जुड़वा भाई E2, SN2 की तरह और एक E1 CB. बस यही तीन मैकेनिज्म हमें जानना है इन तीनों के लिए अलग अलग कंडीशन डिस्कस करेंगे जैसे SN1, SN2 के लिए डिस्कस किया था वैसे ही एलिमिनेशन रिएक्शन के टाइप्स देख लो तीन टाइप के हो गए एलिमिनेशन रिएक्शन अगर हम बात करेंगे इंटरमोलिकुलर भी होता है लेकिन उसकी जरूरत हमें इस सिलेबस में नहीं पड़ेगी ठीक है ना अगर ईवन ई टू ईवन सी बी में ही हमारा काम हो जाएगा ठीक है अच्छा मैं ये बोल रहा था एलिमिनेशन रिएक्शन जब भी होगी डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ तो सबको पता होगा ना कि डिग्री ऑफ का मतलब क्या होता है डिग्री ऑफ का मीनिंग क्या होता है कि हाँ भाई डबल बॉन्ड अपना ऊपर नीचे हो जाना ठीक है डबल बॉन्ड का आना जाना डबल बॉन्ड रिंग का बनना ये डिग्री ऑफ अन्सेचुरेशन में काउंट होता है ठीक है चलो अब एक काम करते हैं ईवन सी बी ईवन ई टू फिर से अगेन यहाँ पर ये यह हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन हाँ इंट्रॉपी बढ़ती है तो इस रिएक्शन में ऐसा जरूरी नहीं कि स्पॉन्टेनियस हुई सारी सारी लेकिन हाँ इसके अंदर जब भी एलिमिनेशन uh, रिएक्शन के साथ एक प्रिफिक्स होता है एक प्रिफिक्स याद रखिएगा अगर मैं प्रिफिक्स यूज कर रहा हूं डी ई कहीं पे भी तो इसका मीनिंग होता है रिमूवल ध्यान से देखिए क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन बार बार ये बोला जाएगा डी मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ डी हेलोजिनेशन देखो हेलोजिनेशन का मतलब होता है ध्यान से सुनना अपने पास डी हेलोजिनेशन हेलोजिनेशन का मतलब होता है अगर मैं बोलूँ हेलोजिनेशन का मतलब होता है देख बेटा एलिमिनेशन बे, शारू करूंगा हेलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ

यहां क्या जाएगा डिहाइड्रेशन हो जाएगा डिहाइड्रेशन मतलब क्या हो जाएगा अपने पास ये एलिमिया अपने को रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा रिमूवल ऑफ वाटर तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा ये क्या कहलाएगा रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा ये मेरा रिमूवल ऑफ एच टू हो जाएगा तो ये डी जो होता है ना ये एलिमिनेशन को रिमूवल को रिप्रेजेंट करता है कहीं पे ऐसा लिख दिया जाए जैसे यहाँ पर अभी हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं हाइड्रोहैलोजिनेशन इसका मतलब एडिशन हो रहा है किसका एच और एक्स का एडिशन ऑफ एच एक्स हो रहा है अल्किस में हमने शुरुआत में किया भी था इसे हमने अल्का एडलेट बनाया था लेकिन अगर यही मैं लिख देता हूं डी हाइड्रोहेलोजिनेशन ध्यान से सुनना अभी यही आएगा रिएक्शन में डी हाइड्रोहेलोजिनेशन डी ई लगा दिया जैसे ही इसके आगे डी सपिफिक्स लगाया ये समझ जाना रिमूवल ऑफ एच एक्स हो जाएगा रिमूवल ऑफ एच एक्स हो जाएगा तो ये बेसिक डिफरेंस याद रखिएगा एलिमिनेशन रिएक्शन ईवन ई टू सी बी इवन सी बी और एलिमिनेशन रिएक्शन जनरली हम लोग डी से शुरू करते हैं कहीं भी ऐसा मिल समझ जाना कि elimination की बात चल रही है ऐसे एलिमिनेशन हाई टेम्परेचर पर एलिमिनेशन रिमूव करना है तो एनर्जी चाहिए और वो तभी पॉसिबल हो पाता है अगर एलिमिशन रिएक्शन की टाइप्स की बात की जाए तो एलिमिनेशन रिएक्शन टाइप्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं ईवन सी बी ई वन ई टू अब हम बात करते हैं जैसे आपने पढ़ा है जैसा आपने एस एन वन में पढ़ा है सेम होगा सेम सेम कंडीशन आएंगी सब कुछ सिमिलर होगा इवन सी बी में बात करेंगे सब कुछ सिमिलर हो जाएगा सब कुछ ही सिमिलर हो जाएगा जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो अगर मैं इस रिएक्शन को दे दू अगर मैं यहां पर स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल का ये न्यूक्लियोफाइल दे देता तो हूं मान लो अपने पास यहां पर एल्कोहलिक दे दू और टेम्परेचर रख दू हाई जैसे ही मैंने टेम्परेचर हाई रखा ध्यान से सुनना अपने पास जैसे ही मैंने टेंपरेचर हाई रखा यहां भाई साहब ये अलग ही रंगत दिखाएंगे सर यहां पर भी अल्कोहलिक दिया हुआ है जैसे ही मौका मिलेगा अगर यहां पर देखो कोई भी न्यूक्लियोफाइल होता अगर ऐसा नहीं कि यही न्यूक्लियोफाइल अगर मैं यहां पर वाटर भी देता ना अगर कुछ भी देता यहां पर हाई टेम्परेचर दे, दे दूंगा तो यहां कहानी अलग हो जाएगी मान लो यहां वाटर भी लिखा हुआ है तो आप सोचोगी ओ एच लग जाएगा नहीं यहां क्योंकि हाई टेम्परेचर इसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा क्या बन जाएगा एच सी एल बन जाएगा प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसा क्यों हुआ उसका रीजन देखिएगा और जरूरी नहीं है कि यही हो अपने पास अलग अलग तरीके से भी यहां पर हमेशा याद रखिएगा यहां पर दो तीन कंडीशन है इवन सी बी की भी के दो तीन कंडीशन कैसे बनता है तो यहां जो मैकेनिज्म होता है इसका मैकेनिज्म जो होगा इसका जो मैकेनिज्म होता है एग्जैक्टली वैसा ही जैसा आपने सोचा हुआ है भाई देख लो ये देखना स्टेप वन स्टेप वन में क्या होगा तो सर स्टेप वन में कार्बो कटाइन बनता है ये देख लो भाई कार्बो कटायन बनेगा स्टेप वन में कैसा बनेगा कार्बो कटायन बनेगा कार्बो कटाइन कैसे बनेगा आपको ही पता है ही और जहां पे कार्बो कटायन बना वही मेरे लिए क्या हो जाएगा वही मेरे लिए क्या हो जाएगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वही मेरे लिए क्या होगा स्लोएस्ट स्टेप या फिर आर डी एस अच्छा यहां पर भी कटायन और एनायन है यहाँ पर भी कटायन और एनायन है तो किस टाइप का सॉल्वेंट चाहिए खुद से क्वेश्चन पूछ लो किस टाइप का सॉल्वेंट चाहिए यहां पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए क्या क्योंकि कटायन एनायन दोनों ही सोलवेट करने है स्टेप वन में देख लो कार्बो कटाइन बन रहा है और स्टेप टू में क्या होगा तो स्टेप टू में आप कुछ नहीं स्टेप टू में इसी कार्बो कटाइन के ऊपर अब बिकॉज यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर हाई है अब वाटर अटैक नहीं करेगा यहां पर क्या होगा अल्फा अपने पास बीटा एलिमिनेशन मतलब बगल वाले हाइड्रोजन को हम लोग रिमूव करेंगे बगल वाले हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और यहां पर बगल वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे और वो एच प्लस और सी एल माइनस बाहर चला जाएगा यहां पर क्या हो गया ध्यान से देखना अगर मैं चाहूं तो यहां मैं इस स्टेप का नाम लिख दूंगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बो कटाइन इसको हम लोग क्या नाम रख देंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बो कटायन और इस स्टेप का नाम क्या रख देंगे तो सर यहां पर तो रिमूवल कर रहे हैं किसका प्रोटोन का तो हम लोग बोल देते हैं डीप रोटोनेशन इसको हम लोग क्या बोल देंगे एच प्लस हटा रहे हैं तो डीप रोटोनेशन हो जाएगा डीप रोटोनेशन तो सर दो ही चीजें हो रही हैं हैं सिमिलरली दो ही चीजें हो रही है. पहले केस में क्या बना है कार्बोकोटाइन वही मेरा इंटरमीडिएट स्टेज हुआ वही मेरा इंटरमीडिएट हुआ वही अच्छा कार्बोकोटाइन के साथ अच्छी बात क्या होती है और बुरी बात क्या है कि वो खुद को रिअरेंज कर सकता है यहाँ स्टेबल है तो टेंशन नहीं थी इसके मैकेनिज्म देखो सिंपल सा स्टेबल है कोई टेंशन नहीं आएगी इसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल सा आ जाएगा भैया कार्बोकेटाइन बनेगा और फिर डीप्रोटिनेशन या फिर इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं एलिमिनेशन कोई बोले तो इसी को हम लोग क्या नाम दे देंगे एलिमिनेशन भी नाम दे देंगे यही हम लोग क्या नाम दे देंगे एलिमिनेशन भी नाम दे देंगे सर यहां फिर से बताइए यहां पर रेट किस पे डिपेंड करेगा अगेन लिख सकता हूं रेट किस पे डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर ऑब्वियस जो भी कंपाउंड हो कि जो भी सबस्ट्रेट हो यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड हो यहाँ पे सबस्ट्रेट लिख देता हूं भाई अगेन अब यहाँ देख लो सबस्ट्रेट के ऊपर पावर कितना है वन तो सर ऑर्डर कितना हो जाएगा सिमिलर टाइप खेलिंग आएगी ऑर्डर कितना हो जाएगा वन मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी इसकी मोलिक्लरिटी कितनी हो जाएगी वन मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी वन अगेन ये इंडिपेंडेंट ऑफ इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियो फाइल न्यूक्लियो फाइल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर यहाँ पर सॉल्वेंट जो होगा वो सॉल्वेंट कैसा लेंगे आप आप सॉल्वेंट कैसा लेंगे तो सॉल्वेंट सर क्या होगा सर सॉल्वेंट क्या लेंगे सर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे क्यों ले रहे हैं बिकॉज उसको दोनों सॉल्वेट करना है कटाइन नैन दोनों बन रहे हैं सर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखोगे

सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का होगा याद रखिएगा वो क्या होगा टेम्परेचर का होगा वो क्या होगा टेम्परेचर का होगा ये ध्यान रखना ठीक है अगर लिविंग ग्रुप की बात करी जाए तो लिविंग ग्रुप भी ऑब्वियस अच्छा ही होना चाहिए लिविंग ग्रुप कभी भी जो भी आपका लिविंग ग्रुप हो वो हमेशा अच्छा ही होना चाहिए गुड लिविंग ग्रुप डिफरेंस क्या है तो डिफरेंस देखोगे तो सर यहां पर हाई टेम्परेचर टेम्परेचर क्या चाहिए high temperature is required. यहां पर temperature क्या चाहिए high चाहिए मैंने आपको SN1 में बताया है. देखो SN1 में भी सेम मैकेनिज्म होगा सेम मैकेनिज्म होगा एस एन वन में देखोगे सेम मैकेनिज्म आएगा कहां गया एस एन वन भाई हमारा एस एन वन ये देखो ऐसे गया भाई तू ये रहा देख लो सब कुछ सेम रहा इंडिपेंडेंट हो गया वन हो गया इसकी रिलीविंग ग्रुप क्या होना चाहिए अच्छा होना चाहिए यहां पर देख लो डिफरेंस क्या है यहाँ टेम्परेचर लो रखना है और वहां पे क्या रखना है? हाई मतलब सब कुछ न्यूक्लियो भी देखोगे ना तो वहां पर वीक न्यूक्लियो आएगा वहां पर क्या आएगा वीक न्यूक्लियर आ जाएगा यहाँ पर भी क्या आएगा वीक न्यूक्लियो हम लोगों के लाइफ में ये देखो कहाँ आ गया ये है

तो उस केस में एलिमिनेशन होगा अगर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से है तो उस केस में एलिमिनेशन होगा अगर टेम्परेचर लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस है तो उस केस में सब्सटीट्यूशन कर देंगे हम लोग उस केस में कर देंगे और अगर इन बिटवीन है तो फिर उस केस में क्या कर दोगे भाई इन बिटवीन है तो वहां सब्सटीट्यूशन भी हो सकता है एलिमिनेशन भी हो सकता है कुछ भी ले सकते हैं हम लोग उसमें कुछ भी ले सकते हैं कि सर उस केस में क्या करेंगे ठीक है उस केस में ये याद रखिएगा कि अपने को हमेशा ठीक है ये एलिमिनेशन रिएक्शन जो होगा इवन वाला सेम चीजें करेगा और ये ये तब लेना है जब आपका लिविंग ग्रुप क्या हो वेन लिविंग ग्रुप इज एलोजन मतलब क्लोरीन हो ब्रोमीन हो आयोडीन हो इस टाइप का हो तो आप कर सकते हो पक्का नॉट फॉर फ्लोरीन अगेन फ्लोरीन नहीं देगा नॉट फॉर फ्लोरीन फ्लोरीन के लिए वैलिड नहीं होता है तो ईवन सी भी सिमिलरली जैसे एस एन वन किया था वही सेम चीजें बस यहाँ टेम्परेचर हाई कर दो बाकी सारी कंडीशन सेम रख दो सारी कंडीशन सेम रख दो तो टेम्परेचर हाई करके सारी कंडीशन सेम कर दो तो ईवन आ जाएगा ईवन एलिमिनेशन इंट्रा मोल मतलब इसके बारे में बोलते हैं कि हम लोग एलिमिनेशन कर देंगे ये मेरा यूनिमोलिकुलर हो गया मोलिकुलरिटी वन है इसीलिए अपने पास अगर मैं बाई मोलिकुलर की बात करने जाऊँ सिमिलरली अगर की बात करें तो थोड़ा सा ही अलग है इसको हम लोग बोलते तो ई टू है ध्यान से देखना है ये ई टू है लेकिन अभी देखोगे डिफरेंस पता चल जाएगा ये एस एन टू की तरह लोगों को लगता है कि एस एन टू की तरह है क्योंकि ये देखो ये अभी तक जो पढ़ रहे थे ना अभी तक जो हम पढ़ रहे थे अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो अगर मैं उसके बारे में बात कर रहा था तो उसमें क्या था कि उसमें दो स्टेप में बन रहा था ई वन और एस एन वन सब कुछ सिमिलर था कार्बोकटाइन वहां ही बन रहा था यहां ही बन रहा था एस एन टू में कार्बोकटाइन नहीं बना था यहां पर भी कार्बो कैटाइन नहीं बनेगा लेकिन इसके मैकेनिज्म का तरीका अलग है यहां पर भी ये एक सिंपल सी चीज को, सिंपल क्वेश्चन दे देता हूं ये देखो अगर मैं इसका रिएक्शन इस कंपाउंड का रिएक्शन अगर मैं ऐसा दे दूं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फाइल दे दू यहां देखना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फाइल दे दू और हाई टेम्परेचर दे दू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियो फाइल और हाई टेम्परेचर दे दू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फाइल है तो एस एन वन नहीं हो सकता स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियो फाइल है तो एस एन वन नहीं हो सकता ईवन भी नहीं हो सकता क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियो फाइल है तो सर एस एन वन हटा दीजिए एस एन वन काट दीजिए इवन भी नहीं पॉसिबल है इवन नॉट पॉसिबल इवन नॉट पॉसिबल अच्छा सर इसके केस में एस एन टू नहीं लिख सकते एस एन टू भाई नॉट पॉसिबल क्यों क्यों क्योंकि सर एस एन टू एस्टेरिक हिंड्रेंस है बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो ये भी पॉसिबल नहीं होता है बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस ये भी पॉसिबल नहीं होता है नॉट पॉसिबल ये भी पॉसिबल नहीं है ये नहीं पॉसिबल है बिकॉज स्ट्रॉग निकल फाइल तो यहां पर इस कंडीशन में जो एलिमिनेशन होती है उसका जो मैकेनिज्म होता है वो, वो सॉल्वेंट तो मतलब uh, ये, ये, अच्छा, भी बता दूंगा ऐसे तो लेकिन हाँ प्लीज ये देखो इस कंडीशन में रिएक्शन वही बनेगी प्रोडक्ट वही बनेगा जो अभी थोड़ी देर पहले बनाया था लेकिन कंडीशन चेंज कर दी कंडीशन चेंज कर दी ठीक है जो भी है अपना साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा

अगर मैं मैकेनिज्म देखूं तो यहां पर हम लोग न्यूक्लियो से ज्यादा हम लोग बेस ले लेते हैं कोई बेस है तो बेस क्या करेगा ध्यान से देखना अपने पास ध्यान से देखो बेस क्या करने वाला है यहां पर एस टू वाला थोड़ा सा फील आएगा यहां पर बॉन्ड टूट नहीं रहा यहां कार्बोकटाइड नहीं बनेगा देखना बेस का काम क्या होता है बेस किसके ऊपर वर्क कर, 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 करता है बेस किसके ऊपर वर्क करता है हाइड्रोजन के ऊपर अब अगर हाइड्रोजन का बॉन्ड यहां से टूटना चालू होगा बेस क्या करेगा ध्यान से देखना बेस क्या करेगा हाइड्रोजन के साथ इस वाले हाइड्रोजन के साथ अटैच होना शुरू होगा अच्छा अब बेचारा ये जो हाइड्रोजन है इसका कार्बन का एक बॉन्ड जा रहा है तो ये कार्बन अपने बगल वाले कार्बन से बोलेगा कि भाई कुछ करके दिखाओ तो अब कार्बन कार्बन से हेल्प नहीं मांगेगा देखो यहाँ पे लिविंग ग्रुप कौन सा है सर यहाँ क्लोरीन लिविंग ग्रुप होगा तो देखना ध्यान से ये इधर से बॉन्ड टूट रहा है ये इधर से टूट रहा है इन दोनों कार्बन के बीच में क्या होना शुरू होगा एक डबल बॉन्ड बनना चालू हो जाएगा और जहां पर बॉन्ड डिफाइंड नहीं होते हैं उसी को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या बोल देते हैं ट्रांजिशन स्टेट देखो एस एन टू में भी ट्रांजिशन स्टेट आया था ई टू में भी ट्रांजिशन स्टेट आ गया इसको हम लोग बोल देते हैं कि भैया ये देख लो इसमें क्या होता है जिस इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन ही बोल देते हैं वन टू एलिमिनेशन भी बोल देते हैं कि भैया जिस कार्बन से देखो यहाँ से ये लिविंग ग्रुप है और इसके बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन चला गया तो इसको लोग बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन और देखोगे करते देखते देखते ये क्या बना देगा देखते देखते ये क्या बना देगा सी डबल बॉन्ड सी सी ये सी ये मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा तो ये E2 E2 मैकेनिज्म मैकेनिज्म है e क्या है क्या कि सर आप कुछ नहीं E2 मैकेनिज्म में क्या बनता है कि बढ़ रही है ठीक है अच्छा यहाँ पर क्या हो रहा होगा कि सर यहाँ पर जो सबसे पहला स्टेप है वही मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा यही मेरा क्या होगा आर होगा तो सर ये न्यूक्लियो या बेस के ऊपर डिपेंड करता है यहाँ न्यूक्लियो एज अ बेस काम करता है एलिमिनेशन मोस्टली सकते हैं बेस के फॉर्म में भी काम कर जाता है तो ये देख लेना अपने पास कि यहां पर बेस की तरह वर्क कर रहा होगा यहां पर देखोगे तो यहां पर जो रेट आएगा यहां पर जो रेट आएगा वो क्या लिखा होगा के इन टू ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट प्लस किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेस के ऊपर डिपेंड करेगा तो भैया देख लो इसका जो ऑर्डर होगा ये ऑर्डर कितना हो गया टू इसकी जो मोलिकुलरिटी होगी इसकी जो मोलिकुलरिटी होगी मोलिकुलरिटी कितनी होगी टू होगी तो सर रेट भी टू ऑर्डर भी टू अपने पास निकाल लिया यहाँ पर बेस का अगर स्ट्रांग बेस है तो ऑबियस रेट क्या होगा फास्ट होगा रेट क्या होगा फास्ट होगा यहाँ पर कार्बो कटाइन का नहीं बनने वाला है लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए अच्छा यहां पे कार्बो कटाइन कार्बोन है, नहीं बन रहा है तो यहाँ सॉल्वेंट कैसा चाहिए मैं सॉल्वेंट बोल दू इसके केस में इसके केस में सॉल्वेंट क्या चाहिए होगा सॉल्वेंट क्या चाहिए होगा एनपीएस या फिर लिविंग ग्रुप हमेशा क्या चाहिए लिविंग ग्रुप हमेशा दोनों के कस किसी भी आप एसन वन करें एसन टू करें सब जगह लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए गुड होना चाहिए यहां पर अगर मैं बोलूं कि ये जो एलिमिनेशन है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बीटा एलिमिनेशन ये जो वो लिमिनेशन कहलाती है बीटा एलिमिनेशन या फिर इसको हम लोग वन टू एलिमिनेशन भी बोल देते हैं बीटा एलिमिनेशन बगल वाले कार्बन से आप निकालते हो हाइड्रोजन ये बीटा एलिमिनेशन या फिर इसी एलिमिनेशन को क्या नाम रख देते हैं वन टू एलिमिनेशन या अल्फा बीटा जो बोलना एलिमिनेशन वैसे कर दो ठीक है कार्बो कटाइन नहीं बनना है सॉल्वेंट ये होगा टेम्परेचर हमेशा क्या करना है हाई करना है टेम्परेचर क्या करना है हमेशा हाई करना है टेम्परेचर इस केस में भी क्या होना चाहिए हाई होना चाहिए टेम्परेचर इस केस में भी क्या होना चाहिए हाई होना चाहिए ठीक है अब यहां पर यहां पर देखो यहां से एलिमिनेशन रिएक्शन में ई वन हो गया ई टू हो गया हमने ई टू पढ़ लिया ठीक है ई वन पढ़ लिया ई टू पढ़ लिया एलिमिनेशन में दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं जब भी आप एलिमिनेशन करते हो तो आपके दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं एक प्रोडक्ट को बोलते हैं एक प्रोडक्ट जो होता है ध्यान सुनना अपने पास एक प्रोडक्ट होता है हॉफमैन प्रोडक्ट और एक होता है सेट प्रोडक्ट एक हॉफमैन प्रोडक्ट होगा और एक क्या कहलाएगा सेटजप प्रोडक्ट कहलाएगा एक क्या कहलाएगा सेटजप प्रोडक्ट कहलाएगा हॉफमैन प्रोडक्ट जो होता है हॉफमैन प्रोडक्ट जो एल्कीन बनता है एल्कीन जो बनता है एल्कीन लेस, लेस स्टेबल एल्कीन हॉफमैन प्रोडक्ट किसको बोलते हैं लेस स्टेबल एल्कीन को बोलते हैं और सेटजप प्रोडक्ट क्या है मोर स्टेबल एल्कीन स्टेबल एल्कीन और ध्यान से सुनना अपने पास दोनों बनते हैं अपने पास मेजर माइनर दोनों बन जाते हैं मेजर माइनर दोनों बन जाते हैं ठीक है तो कहीं भी अगर आपको बन जाता है ना कहीं भी मान लो एल्किन बना रहे हो ध्यान से देखना सेट जब और

अगर नॉर्मल गुड बेस है या बल्कि बेस कोई हम लोग बैड बेस बोल सकते हैं अगर नॉर्मल बेस है कि नॉर्मल बेस अगर कोई सिंपल बेस ले रहे हैं तो उस केस में नॉर्मल बेस के केस में याद रखिएगा ये किसको हम लोग फेवर करेंगे जनरली हम लोग सेट को ही बनाते हैं सेट को ही हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं लेकिन हाँ बस एक केस याद रखिएगा जहां पर लेस स्टेबल अल्कीन को हम लोग बना देते हैं प्रोडक्ट तो अपने पास फेवर कब करते हैं जब बल्कि बेस प्रेजेंट होता है ठीक है ना तो हमारी लाइफ में क्या क्या आ गया कि भैया एस एन वन एस एन टू ये सब करने के बाद ईवन e और ई e टू की बात कर रहे हैं ईवन e और ई e टू यहाँ पर क्योंकि इसके बेस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है मेरा रेट तो अब मैंने देख लिया कि अगर बल्कि बेस होगा तो क्या बना देंगे हॉफमैन मैन से देखना अगर मैं ऐसा दे दू ये देखो ये दे दिया मैंने तुम्हें और यहाँ मैंने दे दिया अपने पास मान लो वाटर ही दे दिया या आ, ये देख देता हूँ अगर मैं अम्म क्या लिख देता हूँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिख देता हूँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियो लिख देता हूँ और हाई टेम्परेचर लिख देता हूं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियो और क्या लिख देता हूँ हाई टेम्परेचर लिख देता हूँ स्ट्रॉन्ग न्यूक् और हाई टेम्परेचर लिख दू तुम समझ जाओगे सर स्ट्रॉन्ग है अगर अपने पास पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है या फिर एनपीएस है तो आप किस फॉलो करना चाह रहे हो ई को फॉलो करना चाह रहे हो ठीक है ई को फॉलो करना चाह रहे हो तो एलिमिनेशन करने जाओगे एलिमिनेशन करने जाओगे ई टू मैकेनिज्म जब फॉलो करोगे तो मेरे पास ऑप्शन है या तो मैं क्या करूंगा ये देखो अपने पास क्लोरीन है अब इसके अल्फाबीटा सेंटर निकाल दो तो मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं तो या तो यहां डबल बॉन्ड बना दो यहां बना दो, या फिर एक मेरा कहां बन जाए एक डबल बॉन्ड कहां बन जाए एक डबल बन जाए ऐसा बन जाए ऐसा बन जाए अब इन दोनों में ये दो प्रोडक्ट बन सकते हैं देखो इधर से भी बीटा अल्फा ये है ये अल्फा है ये बीटा हो सकता है और ये बीटा हो सकता है दोनों में से किसी एक से रिमूव करूंगा इसको रिमूव कर दिया तो अपने पास वो डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड बन जाएगा इसको रिमूव कर दिया तो ये डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड बन जाएगा इसके पास देखोगे इस एल्कीन के पास देखोगे अगर इस एल्कीन की बात करे तो इसके पास कितने हाइड्रोजन है पांच हाइड्रोजन है कितने अल्फा हाइड्रोजन है पांच हाइड्रोजन है इसके पास देखोगे इस डबल बॉन्ड के अराउंड देखोगे तो इसके पास कितने हाइड्रोजन है नाइन हाइड्रोजन है ज्यादा स्टेबल कौन है मोर स्टेबल ये है मोर स्टेबल ये है और ये क्या है लेस स्टेबल है तो अगर तुमसे कोई बोल दे कि सर नॉर्मल केस दिया हुआ है E2 हो रहा है, दिया है तो कोई दिक्कत नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, ये क्या, होगा? हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, Major, और ये क्या हो जाएगा? Minor, ये बनेगा। लेकिन अगर सेम कंपाउंड दिया कंपाउंड दिया है सब कुछ सिमिलर रखता हूं सब कुछ सिमिलर रखता हूं ध्यान से देखना सब कुछ सिमिलर रखता हूं और अब की बार मैं क्या कर देता हूं अब की बार मैं यहाँ पर इस टाइप का बल्कि बेस लगा देता हूं टर्शरी ब्यूटाइल वाला बेस लगा देता हूं ठीक है टर्सी ब्यूटाइल बेस लगा देता हूं ऐसे करके टर्सि ब्यूटाइल बेस लगा देता हूं और अब की बार फिर से टेम्परेचर क्या कर देता हूं हाई कर देता हूं अगर टेम्परेचर हाई है और बल्कि बेस है तो भैया यहां पर मेजर माइनर डिसाइड करना बहुत ही आसान सा है बल्कि बेस है ना तो उसके पास ऑप्शन नहीं है वो बेचारा इस हाइड्रोजन पर अटैक कर ही नहीं पाएगा क्यों क्योंकि बल्कि बेस है सर देखो नॉर्मल बेस होगा तो इधर से भी अटैक कर सकता है इधर से भी अटैक कर सकता है लेकिन अगर बल्कि बेस होगा तो बेचारा उस साइड से अटैक नहीं कर पाएगा बीच से नहीं कर पाएगा यहां पर मेजर जो देखोगे तो सर अनस्टेबल वाला लेस स्टेबल वाला मेजर बन जाएगा यही मेरा क्या हो जाएगा इस केस में मेजर बन जाएगा हॉफमैन प्रोडक्ट बन जाएगा और इस केस में ये वाला प्रोडक्ट जो होगा इस केस में ये वाला जो प्रोडक्ट होगा ये जो प्रोडक्ट होगा ये लेस स्टेबल सॉरी इसकी कमोडिटी क्या हो जाएगी माइनर हो जाएगा ये अपने पास मेजर और ये क्या हो जाएगा माइनर अगर बल्कि बेस है तो आपको क्या करना है हॉफन वाला प्रोडक्ट ही बनाना है ये वाला नहीं बनाना है हॉफन वाला प्रोडक्ट ही आपको बनाना है ये नहीं बनाना है अगर आपको लगता हो कि नहीं सर मैं कैसे डिसाइड करूंगा तो ये एग्जाम्पल ये आपको याद रखना है ये क्या है बैड बेस का एग्जाम्पल है गुड बेसिस में देखोगे तो गुड बेसिस में हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं बैड बेस में बल्कि बेस में ये एग्जाम्पल याद रखिएगा अगर ऐसे दिया हो तो इसके केस में देखोगे तो अपने पास जैसे हम लोग देखेंगे कोई भी आर दिया हुआ है आर माइनस दिया हुआ है ठीक है एन एन दिया हुआ है एनएच टू माइनस दिया हुआ इस तरह के एग्जाम्पल दिख जाए तो ये क्या है नॉर्मल बेसिस है इनके केस में टेंशन नहीं लेनी है इनके केस में टेंशन नहीं लेनी है ठीक है जैसे अल्कोहलिक केवेज दिया हुआ है कहीं पे भी अल्कोहलिक केवएज दिया हुआ है एनसीआरटी में अल्कोहलिक केवएज काफी ज्यादा डिमांड में आता है अल्कोहलिक केव एच इसका न्यूक्लियोफाइल होता है आर ओ माइनस तो ऐसे दिया है तो ये नॉर्मल बेसिस है ये वाला बेस दिख जाए समझ जाना हमेशा हॉफमैन प्रोडक्ट बनाना है लेस स्टेबल एल्किन को ही भाव देना है लेस स्टेबल एल्किन को ही हमें भाव देना है यहाँ ये मेजर वो क्या हो जाएगा माइनस पक्का तो ई वन हो गया ई हो गया अब इन सब में अभी तक जितना भी तुमने मैकेनिज्म पढ़ा जितना भी मैकेनिज्म पढ़ रहे हो इन सब में एक चीज कॉमन थी कि सर सब जगह लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा था लिविंग ग्रुप आसानी से जा रहा था लिविंग ग्रुप गुड था लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि लिविंग ग्रुप ही बेकार हो जाए अच्छा चलो एक काम करते हैं सारा समराइज करके फिर एक लास्ट केस पढ़ना है जिसमें लिविंग ग्रुप पुअर हो जाए एक बात बताओ वन डिग्री वाला बंदा वन डिग्री वाला बंदा हमेशा वन डिग्री वाला बंदा हमेशा क्या शो करेगा वन डिग्री में तो कोई डाउट ही नहीं है वन डिग्री वाला हमेशा क्या शो करेगा एसेंट टू वन डिग्री वाला क्या शो करेगा हमेशा एसन टू एसेंट टू क्योंकि वन डिग्री वाले पास एलिमिनेशन करने से रहा वन डिग्री बस डबल बॉन्ड बनाएगा ही किससे ठीक है तो वन डिग्री हमेशा क्या करने की कोशिश करेगा एसेंट टू टू डिग्री के पास दिक्कत टू डिग्री बेचारा बीच में आता है तो अगर आ आ आ आ गया, और वीक आ गया और वीक आ गया, गया, अगर और और बेचारा क्या कर सकता है? एन वन एस एन टू SN1, दोनों दिखा सकता है यस सर वो डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर है तो सर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर है तो एस एन टू दिखा सकता है और ई टू भी दिखा सकता है अगर टेम्परेचर हाई हो तो

लेकिन अब की बार टेम्परेचर दे दिया तो नॉर्मल वीक न्यूक्लियोफाइल है एस एन वन टेम्परेचर है तो ई वन टेम्परेचर है तो ई वन अगर मैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दे रहा हूँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दे रहा हूँ और टेम्परेचर दे रहा हूँ तो ई टू और अगर मैं स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल दे दू और टेम्परेचर ना दू तो भैया एस एन टू तो कभी नहीं करेगा थ्री डिग्री वाला कभी एस एन टू पॉसिबल ही नहीं है थ्री डिग्री वाला एस एन टू कभी कर ही नहीं सकता बिकॉज जो स्टेरिकली क्या होता है बहुत ज्यादा स्टेरिकली क्या होता है बहुत ज्यादा हिंडर्ड होता है तो थ्री डिग्री वाले केस में तो कभी होगा ही नहीं एस एन टू नहीं होगा वन डिग्री वाले केस में हमेशा एस एन वन होगा वन डिग्री वाले केस में हमेशा एस एन वन हो जाएगा तो ये देख लो पक्का तो लिविंग ग्रुप में देख लो अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो अपने पास E1, E2, SN1, SN2 इन सबको समराइज कर दो यही सारी कहानी है अब मैकेनिज्म का लास्ट पोर्शन और बहुत बेसिक सा मैं भी बता भी रहा था कि अगर आपका लिविंग ग्रुप ही बेकार हो जाए ये कंजुगेट इवन सी बी इवन सी बी कब लेते हैं जब ये सिर्फ और सिर्फ कब वैलिड होगा वेन बैड लिविंग ग्रुप वेन लिविंग ग्रुप इज उठ या फिर हम बोल देते हैं बैड लिविंग ग्रुप मतलब अगर मैं बोल दूं कि लिविंग ग्रुप ऐसा हो जाए कि मतलब जैसे फ्लोरीन है फ्लोरीन बहुत बेकार सा लिविंग ग्रुप है इस टाइप के कंपाउंड आ जाए कि भाई ये टूटना ही नहीं चाहते इस केस में अगर अपने पास बात की जाए तो यहाँ पर जो अपने को आएगा उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि यार इवन सी बी मैकेजम फॉलो करेगा और ये थोड़ा अलग होगा अलग क्यों होगा इसका रीजन देखना देखो कहानी वही होनी है कहानी वही होगा कि सर ये ऐसे रहेगा ऐसे कर लेते हटाओ ये लिविंग ग्रुप है ये लिविंग ग्रुप हो गया और यहां पर मैं क्या ले लेता हूं अपने पास कि भैया कंडीशन हाई टेम्परेचर ले लिया है अब देखना ध्यान से टेम्परेचर हाई टेम्परेचर ले रखा है किसी को लग रहा हो कि अरे सर ऐसे बना देंगे ऐसे बन जाएगा क्या दिक्कत है एल्किन का एलिमिनेशन ही तो करना है लेकिन अगर लिविंग ग्रुप पुअर लिविंग ग्रुप है, है तो इसका मैके मैकेजम ई वन ई टू नहीं होता इसका मैकेनिज्म नहीं होगा ई वन नहीं होगा ना ही ईटू होगा इसका मैकेनिज्म नहीं होगा इसका मैकेनिज्म थोड़ा अलग हो जाता है क्योंकि यहां पर हम लोग जो हम लोग देखोगे अपने पास यहां पर हम लोग जो भी न्यूक्लियोफाइल या

हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा H प्लस को लेके चला जाएगा देखना आप और अब आपके जितने मैकेनिज्म पढ़ रहे हो उन सब में पहली बार आपकी लाइफ में कौन सा इंटरमीडिएट आ गया कौन सा इंटरमीडिएट आ गया सर कार्बो एनायन कार्बो एनायन इंटरमीडिएट आ गया ये कौन सा इंटरमीडिएट आ गया कार्बो एनायन इंटरमीडिएट आ गया कार्बो एनायन इंटरमीडिएट आ गया क्यों क्योंकि लिविंग ग्रुप बेकार है तो अब आपका कार्बो एनायन होगा और कार्बो एनायन के साथ अच्छी बात या बोल सकते हैं कि ये क्या करता है ये ना अपने को ये कभी भी रीअरेंज नहीं करता सिर्फ और सिर्फ याद रखना नो रीअरेंजमेंट यहाँ कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता कार्बो कटायन करता है ये नहीं करने वाला है कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी नो no रीअरेंजमेंट ये कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है कार्बो नाइन इंटरमीडिएट बन गया कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी स्टेप टू में देखो क्या होता है स्टेप टू में देखो स्टेप टू में क्या बन गया ये हो गया सी एच थ्री भाई देखो यार एक्चुअली मोबाइल की उसकी बैटरी चली गई जब तक ये ठीक है ना

ऑर्डर कितना हो गया वन मॉलिकुलिटी कितनी हो गई वन हमेशा हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा क्यों क्योंकि भैया अगर कार्बो एनाइन बनाने जाते हो तो कार्बो कटाइन थ्री डिग्री स्टेबल होता है कार्बो एनआन तो अपोजिट चलेगा ना कार्बो कौन सा स्टेबल हो जाएगा वन डिग्री टू डिग्री और थ्री डिग्री तो ये मेरा ईवन सी भी हो गया हमने इतनी कहानी करी एस एन वन एस एन टू एस एन एन जी पी एस एन आई एस एन ये सब सारी बातें करी लेकिन

उसके चक्कर में पूरा लिखा हुआ ये आपको पढ़ा देता हूँ फिर लिखूंगा बहुत टाइम लग जाएगा ऑलरेडी तो की बात क्या है स्ट्रॉन्ग न्यूक् जनरेट करता है क्या प्रेफर करता है एलिमिनेशन अल्कोहलिक्वस क्यूएच कौन सा न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है माइनस OH ये क्या प्रेफर करता है सब्सटीट्यूशन तो एक ही क्यूएच ही है अगर अल्कोहल के प्रेजेंस में है तो वो क्या करेगा एल्कोहलिक होगा तो वो क्या करेगा अपने पास वो प्रोड्यूस कर देगा एलिमिनेशन प्रेफर करेगा और इसके केस में माइनस OH ये प्रोड्यूस करेगा रिएक्टिविटी ऑर्डर चाहे E1 हो, चाहे E2 हो हो इन जनरल डिग्री 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 ही होता है एलिमिनेशन सी भी बहुत रेयर होता है तो इसीलिए हम जनरल अगर बात करें चाहे ई वन हो चाहे ई टू हो दोनों केस में थ्री डिग्री टू डिग्री वन डिग्री सेम रहने वाला है एलिमिनेशन करना है अल्फा कार्बन पे अपने पास क्लोरीन है बगल वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटा दो इसी को क्या बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन फिर से अपने को हमने यही सेम चीज पढ़ी है अगर नॉर्मल कंडीशन दिया है नॉर्मल बेस दिया है तो आपके पास दो प्रोडक्ट बनेंगे एक मेजर बनेगा एक माइनर बनेगा एक हॉफमन बनेगा एक बनेगा कौन कौन ज्यादा कम ये देख लो मेजर स्टेबल कौन सा होगा सर स्टेबल प्रोडक्ट मेजर होगा नॉर्मल केस में लेकिन अगर बल्कि बेस दिया है अगर बल्कि बेस दिया हुआ है अगर आपके पास बल्कि बेस दिया है या फिर हम बोल देते हैं बैड बेस दिया है तो उस केस में क्या हो जाता है मेजर कौन हो जाता है जो लेस स्टेबल अल्किन होता है यहां पर देख लो ये मोर स्टेबल है अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं छह अल्फा हाइड्रोजन इसके अराउंड कितने अल्फा हाइड्रोजन है छह अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबल है सेट जब प्रोडक्ट है यहाँ पर इस केस में मेजर है लेकिन इस केस में आके क्या हो जाएगा माइनर हो जाएगा क्योंकि सामने वाला बल्कि बेस है बल्कि बेस बेचारा यहाँ अटैक कर ही नहीं पाएगा वो हमेशा किधर जाएगा साइड में तो साइड वाले के साथ बनाएगा टर्मिनल अल्किन बनाने की कोशिश करेगा हीट का एक्शन क्या है ऑलरेडी हम लोग एलिमिनेशन में पढ़ चुके हैं बार बार एलिमिनेशन में हीट ही तो पढ़ रहे हैं तो आर अगर हीट करते हो तो एलिमिनेशन जाता है अल्किन इज द प्रोडक्ट अल्किन इज द प्रोडक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर देखोगे थ्री डिग्री टू डिग्री वन डिग्री आएगा ऑब्वियस है एलिमिनेशन में यही आता है आर आई आरबीआर आर सी एल आयोडीन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप फिर बी आर फिर क्लोरिन फिर क्लोरीन नॉर्मल केस में देखोगे एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट एल्कीन इज द प्रोडक्ट रिएक्शन विथ मेटल्स देखें तो ये सारी चीजें अब थोड़ा ध्यान से देखना रिएक्शन विद मेटल्स अगर बात की जाए तो वुड्स रिएक्शन ऑलरेडी फिर हमने वुड्स रिएक्शन एलेवंथ क्लास में हाइड्रोकार्बन के केस में पढ़ा है सिमेट्रिकल एल्कीन प्रोड्यूस कर देता है सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल्किन प्रोड्यूस कर देता है ऐसे रिएक्शन होगा आरएक्स प्लस टू एन ए आर आर बन जाएगा एन एक्स बना देगा इसी का अभी फिटिक रिएक्शन अभी हम लोग जब वहां जाएंगे हेलो अरस में जाएंगे तो वहां फिटिक रिएक्शन एरोमेटिक के केस में यही केस यही सेम रिएक्शन एरोमेटिक केस में फिटिक हो जाता है और एक दोनों को मिला देंगे तो वुड्स फिटिक आ जाएगा यहां पर रिएक्शन विथ मैग्नीशियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो क्या है कि आर एक्स मैग्नीशियम अगर रिएक्ट करता है आरएक्स प्लस मैग्नीशियम अगर रिएक्ट करता है तो ये क्या बना देता है माइनस और प्लस आर कार्बन पे माइनस चार्ज आया ये इतना हाईली रिएक्टिव है कि इसको कहीं से भी एसिडिक हाइड्रोजन दिख जाए कहीं से भी एसिडिक हाइड्रोजन दिख जाए मतलब वाटर का एच अमोनिया का एसिडिक कोई भी हाइड्रोजन दिख जाए ये फटाफट किस में कन्वर्ट कर लेता है अलकेन में इसीलिए हम लोग इसको कहां रखते हैं इसीलिए हम लोग हमेशा ग्रिगनाड्रीजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन में रखते हैं मॉइस्चर से बाहर रखते ताकि वो अल्केन में ना कन्वर्ट हो जाए क्योंकि रिएक्शन ज्यादा रिएक्टिविटी ज्यादा है फटाफट अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा तो सोडियम के साथ वुड रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ रिएजेंट और अगर जिंक की बात करेंगे तो जिंक के साथ क्या होता है रिएजेंट बना देता है जिंक डाई जिंक डाई बना देता है रिएजेंट जानते हैं हम लोग फ्रेंकलन रिएजेंट बोला जाता है अगर रिएक्शन विद एल की बात की जाए तो लिथियम के साथ थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है लिथियम के साथ क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि सिर्फ लिथियम नहीं जब हम लोगों के पास कॉपर भी ऐड हो जाता है तो यहां आता है गिलमांस रिएजेंट और गिलमानस रिएजेंट देखोगे पहला केस तो लिथियम बहुत आराम से R माइनस एल आई प्लस आर माइनस है मतलब रिएक्टिविटी ज्यादा है कॉपर के साथ रिएक्ट करोगे बन जाएगा और इसकी रिएक्शन फिर से अगर आपने किसी हाइड्रोकार्बन से किया हैलो से किया तो ये जनरेट करता है अनसिमेट्रिकल अल्केन एंड दैट्स वाई ये रिएक्शन बहुत ज्यादा फेमस है वुड रिएक्शन सिमेट्रिकल अल्केन प्रोड्यूस करता है कोरी हाउस सिंथेसिस से हम लोग अनसिमेट्रिकल अल्केन प्रोड्यूस करते हैं ये भी हम लोग हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हैं इसको हम लोग बोलते हैं गिलमानस रिएजेंट अगर ये रिएक्शन करता है तो ये क्या जनरेट कर देता है अनसिमेट्रिकल

इसलिए तो ऑलरेडी लिखा हुआ है इसलिए मैंने यूज कर दिया अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे अब हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसकी प्रिपरेशन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अब यहां से टाइम नहीं लगेगा ज्यादा पहले टाइम ज़्यादा लगा क्योंकि सारी मैकेनिज्म ये सब चीज़ें आ गई यहाँ पर बस छोटी सी मैकेनिज्म आएगी ईवन एस uh, एन वन ए आर और एस एन टू ए आर दो ही मैकेनिज्म आएगी और कहानी जल्दी खत्म हो जाएगी तो इसके बाद अब थोड़ा पोर्शन आसान हो जाता है इसकी प्रिपरेशन में ऑलमोस्ट बहुत सारी रिएक्शंस आपको ऑलमोस्ट पता होती हैं बस कुछ चीज़ें और पढ़ेंगे और अपना चैप्टर फिनिश करेंगे तो एक काम करते हैं हेलो चालू कर लेते हैं हेलो चालू करते हैं हेलो अपने पास देखते हैं तो भाई अब छोटे छोटे पार्ट्स देखने अब छोटे छोटे पार्ट्स देखने क्योंकि अब देखो हेलो हैलोअल्किस ही मेजर होता है इस चैप्टर में मेजर जो कॉन्सेप्ट आना है वो हेलो हैलोअल्किस के अंदर आ जाता है हेलो है हैलोअरिंस में बहुत छोटे छोटे पार्ट आते हैं बहुत ही आसान सा होता है लेकिन हाँ हा, यहाँ पर कुछ चैप्टर्स की चीजें ओवरलैप करती हैं जैसे अभी जो हेलो हैलोअरिंस में पहला रिएक्शन दिखेगा अपने को प्रिपरेशन ऑफ हेलो हेलोअरिंस बोला जाएगा वहाँ पर हमें थोड़ा अलर्ट रहेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो हेलोरिंस में पहला जो प्रिपरेशन दिखेगा वो क्या दिखेगा कि सर फ्रॉम डाइजोनियम क्लोराइड अब डाइजोनियम क्लोराइड किसको बोलते हैं तो डाइजोनियम क्लोराइड इसको बोलते हैं ध्यान से देख लीजिए अगर आपको नहीं पता तो आपको मैं बता दूं ये मेरा डाइजोनियम क्लोराइड है अब देखोगे तो बहुत सिंपल सा अब पर साइजोनियम क्लोराइड एन टू प्लस सीएल माइनस ये है डाइजोनियम क्लोराइड ये मेरे लिए क्या कहलाता है डाइजोनियम क्लोराइड अब डाइजोनियम क्लोराइड से अगर हैलोरिन बनाने हैं तो बना लेंगे लेकिन दिक्कत क्या होता है दिक्कत क्या होता है कि सर हम डायजोनियम क्लोराइड कैसे बनाते हैं तो पहला काम तो ये करना है कि डायजोनियम क्लोराइड कैसे बनाए तो सर डायजोनियम क्लोराइड बनाने के लिए हम लोग एक प्रोसेस यूज करते हैं जिसका नाम होता है डाई एजोटाइजेशन किसके साथ रिएक्शन करते हैं एनिलीन के साथ ये किसके साथ रिएक्शन करते हैं एनिलीन के साथ इसका कॉमन एम एनिलीन है इसकी रिएक्शन करा दी या तो नाइट्रस एसिड के साथ नाइट्रस एसिड के साथ या फिर हम लोग कराते हैं एन सोडियम नाइट्राइट प्लस एच के साथ रिएक्शन कराएंगे सर कितना जीरो से लेकर पाँच डिग्री सेल्सियस बहुत लो टेम्परेचर पे ये रिएक्शन करा देते हैं एनिलीन के साथ जैसे ये रिएक्शन कराएंगे एनिलीन जनरेट कर देता है मेरे लिए ये और इसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं ये कंपाउंड जनरेट होता है और यही मेरे लिए क्या कहलाता है डाई डाइजोनियम क्लोराइड यही मेरे लिए क्या कहलाता है डाइजोनियम क्लोराइड ये कहलाएगा डाइजोनियम क्लोराइड यही कहलाएगा डाइजोनियम क्लोराइड और ये डाइजोनियम क्लोराइड इस पे नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फिर भी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और स्टेबल है क्यों क्योंकि सर इसका स्टेबल कार्बो ये नाइट्रोजन पॉजिटिव क्यों है बिकॉज ये रेजोनेंस में जा रहा है इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं डाई एजोटाइजेशन इस पूरे प्रोसेस को हम लोग नाम रख देते हैं डाई एजोटाइजेशन डाइजोनियम क्लोराइड बन रहा है अमोनिया आ, के केस में इस पूरे प्रोसेस को हम लोग नाम रख देते हैं डाई एजोटाइजेशन एन बाकी साइड प्रोडक्ट में आप देखोगे तो एनएससीएल प्लस एच बन जाएगा एन प्लस एच बन जाएगा अब दिक्कत ये नहीं है सर इससे

इसको मैंने रिएक्शन करा दिया अगर मैं इसको दे देता हूँ ध्यान से देखना कॉपर सी यू टू सी एल टू या फिर अगर मैं सी यू सी एल प्लस एच सी एल दे दूं, तो पता है ये फटाफट क्या बना लेता है ये फटाफट क्या बना लेता है सर यहाँ पर क्लोरीन लग जाता है यहां पर क्या लग जाता है क्लोरीन लग जाता है अगर मैं इसी डाइजोनियम क्लोराइड को क्या दे दूं, सी यू टू बी आर टू दे दूं, या फिर सी यू बी आर या फिर सी यू बी आर प्लस एच बी आर दे दूं, पता है ये क्या बना देगा ये क्या बना देगा सर ब्रोमीन लगा देगा ब्रोमो बेंजीन बना देगा ब्रोमो बेंजीन बन जाएगी सर इसी कंपाउंड को अगर कॉपर सी यू साइनाइड दे दूं, सी यू साइनाइड दे दूं, तो ये क्या बना देगा साइनाइड बना देगा ये क्या बना देगा साइनाइड बना देगा ये क्या बना देगा साइनाइड बना देगा तो ये देख लो इन सारे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं ये सारी रिएक्शंस जो होती हैं ये क्या कहलाती हैं सैंडमियर्स रिएक्शन कहलाती हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं सैंडमियर्स रिएक्शन डाइजोनियम क्लोराइड से अगर क्लोरीन लगा दिया क्लोरोबेंजिन ब्रोमोबेंजिन इस टाइप की चीज़ें बना दी तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सैंडमियर्स रिएक्शन बाकी सब में देखोगे अपने पास सैनमियस रिएक्शन बोला जाता है कि ये क्या कहलाएगा सैनवियस रिएक्शन कहलाएगा ये क्या कहलाएगा सैनवियस रिएक्शन इवन साइनाइड के साथ अच्छी बात क्या होती है इसको थोड़ा सा पानी दे दोगे थोड़ा सा हाइड्रोलिसिस करोगे कंप्लीट हाइड्रोलिस करोगे तो कंप्लीट हाइड्रोलिस में साइनाइड का कंप्लीट हाइडोलिस करते हो तो ये क्या बन जाता है एसिड बन जाता है अगर पार्शियल हाइड्रोलिस करोगे पार्शियल एस टू एड करोगे तो ये क्या बना देगा अमाइड बना देगा ये क्या बना देगा अमाइड बना देगा ये क्या बना देगा अमाइड बना देगा तो सैंडमियस रिएक्शन हो गया सर ये सैनवियस रिएक्शन एनसीआरटी में डायरेक्ट सैनवियस रिएक्शन दिया हुआ है ये प्रोसेस दिया गया है आपको बनाने का इसमें एक ही दिक्कत है ये फ्लोरिन और आयोडीन को डील नहीं करता है फ्लोरिन और आयोडीन को जब डील नहीं करता है तो फ्लोरिन और आयोडीन के लिए भी कोई मेथड होगा चलो उससे पहले सैंडम ने यह मेथड बनाया अब बेचारा सोच रहा था कि मुझे अवार्ड मिलेगा तब तक एक बंदा आ गया और यह बंदा अलग ही लेवल पे परेशान कर रहा है हमें अब यह बंदा अलग लेवल पे परेशान कर रहा है इसने क्या बोला बोला अलग से कुछ नहीं करना कॉपर अब इसने क्या बोला ये सर कॉपर पाउडर ले लो और एच सी एल डायरेक्ट ऐड कर दो मतलब इसके हिसाब से कॉपर पाउडर अगर मैं इसको ऐसे देखूं इसके लिए इसने बोला सर इतना सी यू टू सी एल टू क्यू बना रहे हो आप कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में एच सी एल डाल के देख लो या फिर अगर कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में अगर कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में अगर आप एच बी आर एड करके देख लो अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पर क्या मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा यहाँ पर क्या मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा यहाँ पर क्या मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा और इस रिएक्शन का नाम उसने अपने नाम पर रख दिया गैटरमैन रिएक्शन गैटर मैन रिएक्शन गटर में गिरा हुआ इंसान था और कुछ भी नहीं ठीक है इसने सिंपल सिंपल से तरीके अपना है उसने देखा कि सैंडमिजर्स कॉपर सी यू टू सी एल टू क्यूप्रस क्लोराइड लेके आ रहे इसकी जरूरत नहीं मुझे सीधा सीधा कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन मैं डायरेक्ट करा सकता हूँ और ये डायरेक्ट रिएक्शन इन्होंने करा दी गैटरमैन रिएक्शन ठीक है किसने बोला सर अभी तक आयोडीन नहीं आया सर फ्लोरिन नहीं आया ध्यान से देखना आयोडीन लाना चाहते हो ना तो कुछ नहीं करना है बेटा आयोडीन लाना चाहते हो ना तो कुछ नहीं करना है डायजूनियम सॉल्ट इतना ज्यादा रिएक्टिव है आयोडीन के लिए तो कि आपको बस के के साथ सेक कर देना है इसको क्या करना है के साथ चेक कर देना है अपने आप ही क्या बना देगा बेंजीन बना देगा तो आयोडीन के लिए तो तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्व सॉल्व हो हो गई गई आयोडीन आयोडीन के लिए तो हो कोई। आयो में कोई दिक्कत होती ही नहीं है आयोडीन के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है आयोडीन के केस में सीधा लो और सोल्व कर दो सीधा सीधा आंसर आना चालू हो जाएगा अगर मैं बात करूं इसकी फ्लोरीन की तो फ्लोरीन के केस में एक्चुअली फ्लोरीन के लिए अलग से मेहनत करनी एन टू प्लस सी एल माइनस फ्लोरिन के लिए अलग से मेहनत करनी है और वो क्या है देखो एक्चुअली इसमें क्या होता है एच बी एफ फोर एड करते हैं एच बी एफ फोर को हम लोग बोल देते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हाइड्रो सॉरी हाइड्रो ब्रोमो बोरो एसिड इसका नाम होता है हाइड्रो ब्रोमो ब्रोमो फ्लोरिक एसिड एच बी एफ फोर एड करते जैसे ही एड करते हैं यहां देखो क्या बन जाता है यहां पर बन जाएगा एन टू प्लस और बी एफ फोर माइनस एन टू प्लस बी एफ फोर माइनस ये डाइजोनियम सॉल्ट ना पूरा अभी जब आप लास्ट में ऑर्गेनिक के लास्ट में आएंगे मींस में आएंगे कि फिर से यही सेम रिएक्शंस यहां रिपीट होंगी यहां देखो अगर 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 आपने डायरेक्ट हीटिंग कर दी डायरेक्ट हीटिंग कर दी अगर आपने डायरेक्ट हीटिंग कर दी तब तो फ्लोरीन लग जाएगा तब तो फ्लोरीन लग जाएगा तब तो आपका क्या बन जाएगा फ्लोरो बन जाएगा ध्यान से देख लेना फ्लोरो बन जाएगा लेकिन अगर आपने हीटिंग करते टाइम गलती से भी एन टू टाइप कुछ रख दिया तो यहाँ पर देख लो क्या बन जाएगा एनओ टू लग जाएगा क्या बन जाएगा एनओ टू बन जाएगा तो सर आप डाइजूनियम क्लोराइड से डाइजूनियम क्लोराइड से आप सब कुछ बना सकते हैं डायजूनियम क्लोराइड से आप सब कुछ बना सकते हैं देख लो फ्लोरोबेंजिन आयोडोबेंजिन क्लोरोबेंजिन ब्रोमोबेंजिन सारे टाइप के हेलोवरिन प्रिपेयर कर सकते हो डाइजोनियम सॉल्ट इतना काम का है इवन एक रिएक्शन तो छोड़ो दो दो, दो रिएक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं दो दो रिएक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं डाइजोनियम क्लोराइड से ये सैनवियस रिएक्शन एन में दिया है गैटरमैन रिएक्शन यस ये सारी रिएक्शन आपको एनसीआरटी में यहाँ नहीं मिलती जब आप जाते हैं अमीन्स में तो मिल जाता है वहां पर अमीन्स में ये सारी चीजें मिल जाती हैं आयोडीन वाला आयोडोबेंजिन ये वाला ब्रोमोबेंजिन फ्लोरोबेंजिन इवन डायमोजियम

ये ये सब दे दो ये सीधा सीधा क्या बना देता है बेंजीन बना देता है ये क्या बना देता है बेंजीन बना देता है अगर सीधा सीधा एस थ्री पी ओ टू दे दो तो ये बेंजीन बना देगा और कुछ भी नहीं ये क्या करेगा एस थ्री पी ओ टू बेंजीन बना देगा तो डाइजोनियम सॉल्ट की ये रिएक्शन हो गई क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन आयोडोबेंजीन सारे के सारे हमने बना लिए की पहली प्रिपरेशन ही बहुत काम की है इवन ये प्रिपरेशन ही इसी प्रिपरेशन को ही हम लोग यूज करते हैं टेस्ट के फॉर्म में और उसको नाम दे देते हैं एच एन ओ टू टेस्ट या फिर इसको हम लोग नाम दे देते हैं नाइट्रस एसिड टेस्ट नाइट्रस एसिड टेस्ट क्या होता है नाइट्रस एसिड टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एड हो चुकी है सिलेबस में तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा नाइट्रस एसिड के टेस्ट किसके लिए करते हैं टेस्ट यूज टू किसके लिए

नाइट्रस एसिड टेस्ट हम लोग किसके लिए यूज करते हैं कि अल्काइल को कर पाए जैसे अल्काइल डिफ्रेंसियलाइड है और है ध्यान से से देखना अगर इसको मैंने HNO2 पास किया जीरो से पांच डिग्री सेल्सियस पे इसका भी डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता है है इसका भी डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा अगर यही चीज एरोमेटिक कंपाउंड में पास किया तो इसका भी डाइजोनियम सॉल्ट बनता है लेकिन सर यहां पर डिफरेंस आता है पता है क्या एरोमेटिक कंपाउंड में एन टू प्लस और सीएल माइनस ये वाला जो बंदा है ना ये वाला बंदा ये अनस्टेबल है लेकिन ये वाला बंदा स्टेबल है क्यों भाई ये बंदा स्टेबल क्यों हो गया क्योंकि सर यहां जो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है वो रेजोनेंस में जा रहा है जो पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन है वो रेजोनेंस में जा रहा है यहां पर भाई साहब अनस्टेबल है अल्काइल लाइट के साथ देखो ये बेचारे इतने स्टेबल है थोड़ा सा भी मॉइस्चर मिला ना इनको थोड़ा सा भी मॉइस्चर मिला ये पता है क्या बना देंगे आर ओ एच प्लस एन टू गैस एमिट कर देंगे एन टू गैस एमिट कर देंगे यहां पर कोई गैस एमिट नहीं होगी यहां पर नो गैस इवॉल्व अगर आप एल्काइल हेलाइड और एराइल हेलाइड को आपस में कंपेयर करना चाहते हो डिस्टिंग करना चाहते हो तो कुछ नहीं आपको गैसेस के केस में देखना है गैस के केस में देख लो सर वो वाला अपने पास स्टेबल नहीं होगा ये वाला स्टेबल हो जाएगा इसीलिए हमारे पास क्या हो जाएगा ये डिफरेंस हो जाएगा अगर आप एक दो बर्तन ले लो अलग अलग दो अलग अलग, अलग, अलग अलग बीकर्स ले लो उसके अंदर टेस्ट करना चाहते हो दोनों में एच एन ओ टू या कोई बोले एनएन टू भी कर सकते हैं भाई कोई बोले तो ये भी लिख देना ऐसा मत बोल देना कि अरे सर ऑर्गेनिक में आपने ये नहीं बताया ये दोनों सेम ही है ऑब्बियस आपस में रिएक्ट करेंगे चनो प्रोड्यूस करेंगे तो ये देख लो इसके केस में क्या है कोई गैस नहीं यही स्टेबल है ये फर्दर रिएक्शन कर रहा है अभी हमने इतनी सारी रिएक्शन देखी सैंडविज देखी गैटरमैन देखा इतनी सारी रिएक्शन देखी ठीक है तो ये सब ध्यान रखना अपने पास ओके चलो नाइट्रस एसिड का टेस्ट हो गया पहला 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 प्रिपरेशन हमने किया किससे डायजोनियम सॉल्ट से डायजोनियम सॉल्ट से बहुत सारे प्रिपरेशन कर लिए अब देखते हैं बेंजीन से बेंजीन से कैसे कर सकते हैं सर सोचो ना बेंजीन से अगर बेंजीन की बात की जाए तो बेंजीन से मुझे क्या करना है बेंजीन वाले ग्रुप पे मुझे क्या लगाना है अगर हैलोजन लगाना है बेंजीन वाले ग्रुप पे अगर मुझे हेलोजन लगाना है तो बेंजीन वाले ग्रुप में मैं हेलोजन कैसे लगाऊंगा बेंजीन वाले ग्रुप में हेलोजन कैसे लगाऊंगा तो सर कुछ नहीं आप क्या करोगे हेलोजन एड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल सी एल थ्री या फिर एफ फी सी एल थ्री या फिर एफ बी आर थ्री इन सब के प्रेजेंस में कर दोगे ये कौन से रिएक्शन करते हैं तो ये सर क्या हो जाएगा यहां पर हेलोजन अटैच हो जाएगा एक्स अटैच हो जाएगा ये बेंजीन में क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है बेंजीन में क्या हो जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन हो जाता है ये बेंजीन में कौन सा होता है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन जो ये एनहाइड्रस एल थ्री है ना एनहाइड्रस एल थ्री ये सब क्या होते हैं लुइस एसिड होते हैं ये सब क्या होते हैं लुइस एसिड होते हैं तो ये एनहाइड्रस एल थ्री क्या करता है जिंदगी में एनहाइड्रस एल थ्री क्या करता है जिंदगी में तो देखो इसका काम ही यही है मान लो कोई हेलोजन है कोई हेलोजन बैठा है कहीं भी है ऐसे अभी दिखा देता हूं इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट करता है ए एल सी एल थ्री का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये क्या करेगा एक हाइड्रोजन को अपने पास लेके आएगा और ये क्या करेगा AlCl3 थ्री एक्स माइनस जनरेट करेगा और यहां पर एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर देगा अभी बार बार अपने को यूज होगा अभी से लेकर हर एक चैप्टर में इसलिए मैंने एक्स प्लस बना लिया ये अनहाइड्रस एल सी एल थ्री की इतनी बुरी हालत है ना इतनी बुरी हालत है कि ये किसी को भी ये ऐसा नहीं तुम्हें किसी बंदे के साथ भी दिख जाए ना अगर हैलोजन कहीं भी दिख जाए ये अपने साइड खींचने की कोशिश करेगा अपने साइड खींचने की कोशिश करेगा कौन सा सी एस थ्री प्लस ए एल सी एल थ्री एक्स माइनस ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर देगा तो ये याद रखना बिकॉज ऑफ लुईस कैरेक्टर लुइस एसिड ये एनहाइड्रोसे किसी के साथ अगर मैं इसमें बोलूँ ना ये देखो एसाइल हलाइड है ये भी क्या करेगा इसको पुल कर लेगा और कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर देगा कार्बन का ये वाले कार्बन का हेलोजन चला गया ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर देगा तो याद रखिएगा आपको जब भी मौका मिले भैया एनहाइड्रोसेल सेल थ्री में जहां इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो पाए कर दीजिए बेंजिन के ऊपर अटैक करा दीजिएगा बेंजिन के ऊपर अटैक करा दीजिएगा इलेक्ट्रोफिलिक्सिट्यूशन हो जाएगी सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑलरेडी बोरोडिन हंस डिकर्स रिएक्शन आपने कर लिया है उसी को हम लोग फिर से देख लेते हैं अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है मान लो ये बेंजीन पे लगा कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट है क्या करना है बी आर टू पास कर दें अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पर बी आर टू सी सी एल फोर से पास कर दूं और जैसे ही बी आर टू सी सी एल फोर से पास करूंगा बी आर टू सी सी एल फोर से जैसे ही पास करूंगा आपको पता है इसमें एक कार्बन कम हो जाता है ऊपर क्या लग जाएगा ब्रोमीन ये क्या बन जाएगा ए जी बी आर और इधर क्या बन जाएगा सी ओ टू गैस यही होगा ए जी बी आर पी पी टी यही हम लोग बोलते थे बोरोडिन हंसडिकर्स रिएक्शन इसके केस में मैंने बताया भी था बोरोडीन हंसडिकर्स रिएक्शन बोरो देन हंस बोरोस रिएक्शन अब चैप्टर में अपने पास चीजें रिपीट हो रही हैं इसीलिए मैंने बोला ये वाला टॉपिक बहुत ही आसान सा हो जाएगा सर ये हम सब लोग जानते हैं कि भैया ये एरोमेटिक कंपाउंड में बहुत अच्छा होता है लेकिन फ्लोरिनेशन नहीं कर सकते क्लोरिनेशन नहीं कर सकते मतलब इसमें हमने बहुत कुछ पढ़ा था शायद मुझे अगर आपको अभी पीछे के चीजें याद हों तो आपको पता हो कि सर ये ब्रोमीन के लिए बहुत बेस्ट है बेस्ट है अगर आप क्लोरीन के साथ जाएंगे करने क्लोरीन के साथ पुअर इल्ट देगा बना तो देगा लेकिन बहुत ही बेकार सा प्रोडक्ट बनाएगा अगर आयोडीन के साथ जाएंगे तो एस्टर बना देगा याद करो ये सब कुछ हमने कर लिया है अगर याद आ रहा हो तो हमने पहले ही कर लिया है तो ये भी अपने पास एक प्रिपरेशन मेथड है राशिक मेथड ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले से लिख के रखा इंडस्ट्रियल मेथड है कमर्शियल मेथड है क्लोरो बनाने का क्या करते हैं में इन द प्रेजेंस ऑफ करते हैं इंडस्ट्रियल मेथड है इंडस्ट्रियल मेथड मतलब भाई ऑब्वियस है सारी जगह इसी से यूज करते हैं हम लोग अगर कहीं भी क्लोरोबेंजिन बनाना है तो हम लोग इसी को यूज करेंगे कमर्शियल मेथड में कि भाई ये चीजें हम लोग यूज करके बना सकते हैं ये हम लोग यूज करके बना सकते हैं और कुछ भी नहीं ये बेसिक मेथड हो गए अपने पास बेसिक मेथड हो गए बाकी हेलोजिनेशन से भी कर सकते हैं हेलोजिनेशन मतलब अभी आपको पता चल गया है कि बेंजीन के साथ आप बेंजीन के साथ क्या कर दो कोई भी हेलोजन लाके डाल दो सर एफी डार्क के प्रेजेंस में थोड़ा कंडीशन कोल्ड ओल्ड कर दो तो ये भी क्या बना देता है हेलोजन बना देता है Attach कर देगा। Even आप अगर चाहो तो हेलोजन मतलब मतलब को चाहू आईल और यहां पर एनहाइड्रस एल सी एल थ्री पुट कर दूंगा एनहाइड्रस एल सी एल थ्री किसको लेके चला जाएगा किसको लेके चला जाएगा एनहाइड्री एल थ्री सर ये क्लोरीन को लेके चला जाएगा ये कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा I प्लस क्यों क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है सर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा अपने पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा क्लोरीन माइनस तो माइनस हो हो जाएगा I हो जाएगा प्लस इससे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा निकालते चले जाओ तो बस तीन चार ही मेथड से काम का मेथड एक ही था रिएक्शन दूसरा रेस्टिंग मेथड अदरवाइज बाकी सारे रिएक्शन ऑलमोस्ट वही है सारी रिएक्शन ऑलमोस्ट वही है तो यहाँ पर बहुत ही बेसिक सी चीजें आती हैं कि भैया इनके केस में पूछा जाए तो ऐसे बता दो बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो एक लाइन में इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाता है सिमिलर टू अल्काइल अलकाइल देखो भाई इसीलिए बोला ना अल्काइल अलकाइल में हम लोग ज्यादा टाइम देते हैं इसमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत ही नहीं सिमिलर अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाएगी तो अगेन ये डाइपोल मोमेंट के बॉइलिंग पॉइंट किस डिपेंड करेगा डाइपोल मोमेंट के सर और किस पे डिपेंड करेगा वेंडर वाल फोर्सेज पे वेंडर वाल फोर्सेज पे ठीक है अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें जो वहां पे किया था अभी जस्ट वही सेम चीजें इसमें किस पे डिपेंड करेगा सिमेट्री पे ये किस पर डिपेंड करेगा सिमेट्री पे तो अगर नॉर्मल अगर सब्सटिट्यूशन की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट में बात की जाए बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में बात की जाए तो मेल्टिंग पॉइंट नॉर्मल केस में पैरा का ज्यादा ऑर्थो का देन मेटा का और अगर बॉइलिंग पॉइंट में ऐसे तो ऑलमोस्ट इक्वल होता है ऑर्थो पैरा और मेटा इक्वल होते हैं लेकिन अगर कोई कंपेयर करने आएगा तो ऑर्थो पैरा मेटा ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ मैं ये सब चीज़ें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि हाँ यार ये चीज़ें करनी हैं हो जाएगा तो ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है बाकी सबको सिमिलर टाइप हो जाएगा बाकी सबको सिमिलर हो जाएगा अब केमिकल प्रॉपर्टीज में क्योंकि ये लोग अब बेंजीन की रिएक्शंस है तो बेंजीन में तीन टाइप के लोग होते हैं ध्यान सुनना बेंजीन में जब काम करते हैं तो बेंजीन में तीन टाइप की रिएक्शंस होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन और एडिशन ये सब चीजें होती हैं मेटा डायरेक्टिंग ऑर्थो डायरेक्टिंग ये सब चीजें होती हैं अगर आपको जियो सी याद नहीं है तो कोई बात नहीं मैं आपको बस याद कराने के लिए ये चीज़ बता देता हूँ अगर बेंजीन के ऊपर बेंजीन के ऊपर अगर क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन फ्लोरीन, ओ एच एन एच टू एन आर ये सब लगे हैं जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं ये इलेक्ट्रॉन वाले ग्रुप्स हैं जो डोनेट करते ये क्या शो करते हैं ये शो करते हैं प्लस एम इफेक्ट ये क्या शो करते हैं प्लस एम इफेक्ट ये क्या करते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग फॉर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग फॉर सर किसके लिए इलेक्ट्रोफाइल के लिए इलेक्ट्रो मेटा डायरेक्टिंग होगी किसके लिए न्यूक्लियो के लिए ध्यान से सुन लेना मेटा डायरेक्टिंग होगी किसके लिए न्यूक्लियो के लिए अब ये चीजें कहां से पता चलती हैं तो इसके लिए जियोसी आना चाहिए अब जियोसी में क्योंकि आपको ही पता है ये लोन पेयर इधर देगा तो यहां नेगेटिव यहाँ निगेटिव यहाँ निगेटिव, निगेटिव, निगेटिव तो भैया निगेटिव जहां आएगा ऑर्थोट पैरा पे क्या आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल और अगर मेटा बात करें तो न्यूक्लियो आ जाएगा इसमें बात करेंगे तो ये देखो टॉलवीन है तो इसमें कौन सा इफेक्ट लगता है प्लस हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट अगेन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है अगेन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है बेटा अब हर एक जगह यही यूज़ करूंगा फिनॉल में जाओगे तो यही मिलेगा ठीक है ना तो ध्यान से देख लो इलेक्ट्रोफाइल के लिए और ये मेटा डायरेक्टिंग है न्यूक्लियोफाइल के लिए मेटा डायरेक्टिंग है न्यूक्लियोफाइल के लिए न्यूक्लियो फाइल इलेक्ट्रो फाइल जो भी अटैक करे सबकी पोजीशन ये लोग डिसाइड कर देते हैं ये पॉजिटिव वाले हैं तो इनके साथ ये होता है और ये वाले बेचारे ये वाले जो होते हैं ये क्या करते हैं ये माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं एंड दैट्स वाई ये जो ऑर्थो एंड पैरा है ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग शो करते हैं किसके लिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है किसके लिए फॉर न्यूक्लियोफाइल ये किसके लिए डायरेक्टिंग है न्यूक्लियोफाइल के लिए ये मोस्टली हम लोग इलेक्ट्रोफाइल के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये मेटा डायरेक्टिंग होंगे फॉर इलेक्ट्रोफाइल मेटा डायरेक्टिंग होंगे फॉर इलेक्ट्रोफाइल तो ये ध्यान रखना साइनाइड हो गया एसिड हो गया फिनॉल हो गया ये क्या ल्ड हो गया कीटोन हो गया ये सारे क्या है माइनस एम वाले तो ये इलेक्ट्रॉन पुल करते हैं इसीलिए मेटा डायरेक्टिंग हो जाते हैं बाकी ये दोनों इलेक्ट्रॉन देते हैं प्लस वाले इफेक्ट हैं जब पॉजिटिव इफेक्ट होगा तो ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन की रिच rich, मतलब रिचनेस बढ़ेगी पैरा पे और मेटा पे कम हो जाएगी तो ये बेसिक चीजें हम लोग हेलोजेंस पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैं की सारी कैटेगरी अभी आप अगले मतलब चैप्टर में जाएंगे फिनॉल पढ़ेंगे पढ़ेंगे अपने पास ईथर्स पढ़ेंगे सब जगह यही सेम इफेक्ट इसलिए एक बार जियो रिवाइज करा दिया इस तरह से कि इन लोगों में इलेक्ट्रोफाइड मिथाइल ऑर्थोपैरा पे आता है इसमें भी ऑर्थोपैरा पे आता है लेकिन यहाँ मेटा पे आता है ये एसिड और अल्डिहाइड पढ़ेंगे तो पता चलेगा चलो केमिकल प्रॉपर्टीज में देखें तो केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली बात कि सर हेलो एरिंग जो होते हैं ना हेलो एरिंग जो लिए जाते हैं ये बेचारे ना बेचारे ये थोड़े से मुश्किल में जीते हैं क्यों इनके साथ इनका जो पहला जो उतना बंदा अपने पास जो उतने देर से उतने देर से हेलो

ठीक है पहले तो इनकी बात सुन लेते हैं क्यों नहीं करना चाहते हेलो क्यों नहीं करना चाहते लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं तो इसका रीजन देखना ये रीजन क्या क्या देते हैं बोलते हैं सुनिए है ना सर सर हमारे बीच में ना हमारा बीच जो है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है किसके बीच में सर आप नॉर्मल अगर कार्बन और हाइल्रोजन इनके बीच में यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ड्यू टू रेजोनेंस ड्यू टू मेजोमेरिक इफेक्ट ड्यू टू मेजोमेरिक इफेक्ट मेजोमेरिक इफेक्ट के कारण ये क्या है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ये जो है यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड होगा तो ये वो काम नहीं कर पाएंगे इतनी तेजी से सब्सटीट्यूशन नहीं कर पाएंगे जितनी तेजी से पहले कर रहे थे जितनी तेजी से पहले कर रहे थे दूसरा सर इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन है डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन भी डिफरेंट है कैसे अरे सर क्या बात कर रहे हो सर यहाँ पे जो कार्बन से जुड़ा है वो एस पी टू हाइब्रोडाइज कार्बन ये जो कार्बन है वो एस पी टू हाइब्रेडाइज कार्बन है अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एसपी टू हाइब्रेडाइज कार्बन है अटैच्ड

फिनाइल कटाएँ अगर आपने उसके ऊपर एस एन वन टाइप करने की कोशिश करी तो बेचारा इनस्टेबल हो जाएगा एंड द फोर्थ वन कि सर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है देखो यहां भी इलेक्ट्रॉन रिच है ऊपर भी इलेक्ट्रॉन रिच है ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है कोई ऑलरेडी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से उसके ऊपर तुम न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन करने चले गए तो ऑब्वियस है भाई तुम फालतू का कर रहे हो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज हैं ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रिच हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज हैं या इलेक्ट्रॉन रिच नेचर है और इसको आप इलेक्ट्रॉन रिच नेचर वाले के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिच नहीं करो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन जो नेचर होगा शो रिपल्सन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ये क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन शो करेंगे जो भी अपने पास रिपल्सन विथ न्यूक्लियोफाइल जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा ऑब्वियस न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच ये भी इलेक्ट्रॉन रिच सारे के सारे क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन रिच आपस में क्या करने वाले आपस में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन करने वाले तो ये मेजर रीजंस हैं जिससे हमें पता चलता है कि यार ये नहीं करते अब जब नहीं करते हम करवाएंगे हम भाई हम साइंस वाले लोग इसी के लिए हैं कि जब तुम बोल नहीं सर हम इतने रीजन चार चार रीजन दे दिए कि भाई मैं नहीं कर रहा मैं नहीं कर रहा रिएक्शन फिर भी नहीं नहीं सर हम तो करवाएंगे ऐसे कैसे बात करोगे हम तो करेंगे सर अब बेचारा पीछे पड़ गया कोई पीछे पड़ा तो अब क्या करेगा बेचारा अब क्या करेगा अब देखो सर ऐसे कोई पूछ दे देखना ध्यान से ऐसे कोई दे दे कि सर यहाँ पर एन के साथ रिएक्शन कर दीजिए एक्वस एन दे दीजिए या एक्वस के दे दीजिए आप ऐसे देंगे कोई रिएक्शन नहीं करेगा नॉट पॉसिबल नहीं करेगा लेकिन अब तुम एक काम करो मैं बोल रहा हूँ पढ़ाई करो नहीं नहीं सर प्यार से बोल रहे हो नहीं सर नहीं सर पढ़ाई नहीं करेंगे लेकिन अगर मैं ऐसे ही दे दू अब देखना ध्यान से देखना क्या होगा एन तुमने बोला नहीं सर पढ़ाई नहीं करेंगे अब देखना कितना प्रेशर दे दिया सिक्स ट्वेंटी थ्री कैलिविन एक तो टेम्परेचर बहुत हाई कर दिया और प्रेशर देखो नॉर्मल प्रेशर से कितना ज्यादा दे दिया थ्री हंड्रेड टाइम्स ज्यादा दे दिया मतलब दे दनादन दे धनादन पीटे जा रहे हैं बोल रहे कि भैया अब तो तुझे पढ़ना ही पड़ेगा तो एनी वेज क्या करेगा अब इस केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा सर इस केस में यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी और न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन हो जाएगा इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम दे देते दे दे हैं इस प्रोसेस का नाम रख देते हैं हम लोग डाउज प्रोसेस ये डाउज प्रोसेस होता है अब ये रिएक्शन क्यों हो गई क्योंकि ऑब्वियस है भाई तुम पीछे पड़ गए कि नहीं सर रिएक्शन तो करवा के ही मानेंगे रिएक्शन तो होके ही रहेगा चाहे जो कर लो अब जब इतना हाई टेम्परेचर इतना हाई प्रेशर डाल दोगे तो यार कोई भी बंदा बोलेगा चल यार कर ही देते न्यूक्लियोफिलिक तुझे कर देते पूछा सर कैसे हो गया मैकेनिज्म बताओ तो ये जो रिएक्शन है इसका जो मैकेनिज्म होता है इसी को हम लोग बोलते हैं एस एन वन ए आर इसी मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं एस एन वन ए आर एस एन वन ए आर कैसे एस एन वन ए आर मतलब इसको हम लोग अगर सही से देखें ये एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म पहले एलिमिनेशन करेंगे एडिशन मैकेनिज्म करेंगे एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म या फिर इसके अंदर एलिमिनेशन जब करते हैं तो बेनजाइन बनता है और याद रखिएगा आपकी लाइफ में बहुत कम ही मैकेनिज्म है जिसके अंदर बेंजाइन बन जाता है तो याद रखिएगा इस रिएक्शन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेंजाइन मैकेनिज्म यूज करते हैं अब आप मतलब है बेचारा नहीं करना चाह रहा था लेकिन इतना ना फालतू कंडीशन लेके आ गए मतलब ले बेचारा मान गया बोला नहीं भाई मैं कर जाऊंगा कितने बोला भाई कैसे होगा मैकेनिज्म कैसे कर जाता है मैकेनिज्म ध्यान से सुनना कैसे करता है मैकेनिज्म देखो स्टेप वन स्टेप वन पहला काम एलिमिनेशन होगा कैसे ये देखना इतना हाई है मान लो क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ लगा हुआ है यही, सबसे यही होगा मेरे लिए यही आरडीएस स्टेप होगा मैकेनिज्म में देखो कि सबसे स्लोएस्ट स्टेप यही होगा कोई भी काम करो ना यहाँ पे क्लोरीन ही लगा दो कोई बोलेगा सर कहा आप बार बार वो कर रहे हो क्लोरीन ही लगा देते ये देखो अब ये सबसे स्लोएस्ट स्टेप और मेरा आर यही होगा क्यों क्योंकि सर तुम्हें ही पता है ये बगल में बगल से यहाँ से मैंने क्या किया इन दोनों से एच और सी एल एलिमिनेशन इतना हाई कंडीशन में लेके गए इतने हाई कंडीशन में लेके गए कि मैंने इन दोनों से एच सी एल निकाल दिया क्या निकाल दिया एच सी एल निकाल दिया और ये क्या बन गया है मेरी लाइफ में बेनजाइन बन गया देख लो ये क्या बन गया है सबसे स्लोएस्ट कंडीशन है तो इसका मतलब मैं बगल में यहां लिख भी दूँ इसके केस में अगर रेट की बात की जाएगी तो के इन टू लो ऑर्डर कितना हो गया वन मोलिकुलरिटी अब तो इन सब चीजों की आदत हो गई है मोलिकुलरिटी कितनी हो गई सर मोलिकुलरिटी भी कितनी हो गई वन सर इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा सामने वाला क्या है स्टेप टू में देखते हैं स्टेप टू में क्या होता है तो सर यहाँ पर होता है एडिशन बेंजाइन तुम्हें भी पता है बेंजाइन के पदले बेंजीन ज्यादा स्टेबल है तो एलिमिनेशन के बाद क्या करेंगे एडिशन करना चालू करेंगे जैसे तुमने बोला कि सर एक काम करते हैं हमारे पास ओ एच माइनस है ना ठीक है तो ओ एच माइनस है एक काम करते हैं सर ओ एच माइनस कहीं अटैक करेगा तो माइनस कहीं भी अटैक करेगा डबल बॉन्ड किसी भी एक साइड मान लो यहाँ अटैच कर गया तो यहां पर देखोगे तो यहां पर इधर कब अटैच करेगा मान लो इधर गया रिएक्शन तो यहां माइनस हुआ ये प्लस हुआ तो प्लस पे ओ एच माइनस अटैक कर गया यहाँ क्या हुआ माइनस हो गया यहाँ देखोगे देख लो ये माइनस हो गया तो माइनस पे अटैक नहीं करेगा माइनस पे अटैक नहीं करेगा प्लस पे कर गया अब यहां माइनस है तो यहां पर सर इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन प्रोटॉन ट्रांसफर होगा ये देखना क्या होगा ये जो हाइड्रोजन यहां लगा था ना वो कहां लग गया वो माइनस पे लग गया क्या हो गया इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एक्सचेंज हो गया इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन H प्लस एक्सचेंज हो गया और फिर ये एच प्लस अपने पास ये एच प्लस कहां से आ गया एच प्लस अब सॉल्यूशन में डाल रखा होगा तो वहां से फिर क्या आ गया अब मेरे पास वो एच बन गया तो इसको बोलते हैं बेंजाइन मैकेनिज्म क्यों क्योंकि सर स्लोएस्ट स्टेप ऊपर है स्लोएस्ट स्टेप ऊपर है सब कुछ फर्स्ट माई मतलब बोलते हैं ना कि वन है बस एरोमेटिक कंपाउंड्स में हो रहा है बेंजाइन यूज हो रहा है तो इसलिए इसको अलग थोड़ा नाम दे दिया एस एन वन ए आर एस एन वन तब बोलते जब कार्बोकेटाइन बनता है एस एन वन ए आर इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर अपने को बेंजाइन यूज कर रहे बेंजाइन मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है तो एस एन वन ए आर आ जाएगा इसको न्यूक्लियोफाइल की कंडीशन से न्यूक्लियोफाइल से मतलब न्यूक्लियोफाइल से इसको कोई लेना देना नहीं है न्यूक्लियोफाइल कोई है ओ एच माइनस है क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता पहले एलिमिनेशन फिर एडिशन याद रखना ये कब हुआ ये कब हुआ जब हमारी जिंदगी में क्या आया था हमारी जिंदगी में क्या आया था कि सर एक्सट्रीम प्रेशर एक्सट्रीम कंडीशन आ गई जैसे देखो ये देखो बताओ क्या होगा ये देखो सी एस थ्री ओ एन ने याद करो थोड़ी देर पहले ही हमने किया हुआ है सर इसको अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया है अल्काइल हेलाइड में ही किया है क्या बन जाएगा सर ये क्या बन जाएगा ओ सी एस थ्री बन जाएगा क्यों क्योंकि ओ सी एस थ्री जाके एलिमिनेट कर जाएगा यहाँ पर देखो तो अभी डाउज प्रोसेस पढ़ा है क्या बन जाएगा ओ एच बन जाएगा डाउज प्रोसेस सर यहाँ पर क्या बन जाएगा साइनाइड लग जाएगा साइनाइड लग जाएगा लेकिन यहाँ केसीएन के साथ नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा क्योंकि केसीएन क्या है आयनिक कंपाउंड है केसीएन क्या है आयनिक कंपाउंड है तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी कोई बोले कि सर एक्वस के एक्वस एन ऐसे दे दो एक्वस एन ऐसे दे दो नहीं भाई नहीं करेगा ये रिएक्शन एक्वस एन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा केसी एनए सी के साथ नहीं करेगा हाँ कॉपर साइनाइड के एन ये सब जो है ज्यादा अपने पास आयनिक होंगे तो ये सब रिएक्शन वो कर जाएगा है ना, तो एस एन वन ए आर की ये कुछ रिएक्शन है जिसमें कौन सा मैकेनिज्म है, होता है. जिसमें क्या इतना हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर कौन लेके आएगा? ले आएगा तो हम लोग क्या करते हैं इन सारी कंडीशंस को कम करने के लिए हम लोग ऐड कर देते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड करते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप increases the nucleophilic substitution nucleophilic substitution reactions of haloarines ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन हेलोअर की इंक्रीज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप क्या करते हैं इंक्रीज कर देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोअर अगर इलेक्ट्रॉन ये जितना भी लगाएंगे और इसकी मैकेनिज्म अभी देखेंगे लेकिन हाँ दिमाग में रखिए कि भैया अगर जैसे फॉर एक्जाम्पल ध्यान सुनना अब तुमने अभी एक क्लोरीन का लिया था ये देखो ध्यान से डिफरेंस देखना तुम्हें डिफरेंस दिख जाएगा ये एनसीईआरटी में रिएक्शन दिखी हैं ये एनोटू ग्रुप लगाया जैसे एक इनोटू ग्रुप लगाया ना इसका देखोगे 468 केल्विन सिक्सरेचर आ जाएगा 468 केल्विन एट के एन एश के कंडीशन में 468 केल्विन एट एन एश डाल दो रिएक्शन कराओगे अब देखोगे देखो पहले कितनी जरूरत पड़ती थी सिक्स और अब देख लो प्रेशर भी ज्यादा नहीं अगर आपने दो एनओ टू ग्रुप लगा दिए ध्यान से देखना अपने पास अगर आपने दो एनओ टू ग्रुप लगा दिए ये दो एनओ टू ग्रुप लगा दिए अब तो भाई साहब ये और ज्यादा कम हो जाता है मतलब ये हो जाता है थ्री सिक्सटी कितना का बोल दें थोड़ा सा ज्यादा ले लेना थोड़ा सा ज्यादा लेना है थ्री सिक्सटी एट मान लो सौ कम कर देते हैं थ्री सिक्सटी एट एन एच देखो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड कर रहे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड कर रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है वैसे वैसे हमारी लाइफ में क्या हो रहा है हमारी लाइफ में टेम्परेचर की कंडीशन ड्रास्टिक कंडीशन में डिक्रीज आ रहा है मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया इंक्रीज हो गया इवन हालत ये हो जाती है कि अगर किसी ने बोला काम करते हैं सर क्लोरीन जो बेचारा कभी रिएक्शन नहीं कर रहा था किसी ने बोला अच्छा जैसे ही पता चल गया कि सर इलेक्ट्रॉन ग्रुप विड करते ही अगर इसकी कंडीशन में सुधार आ रहा है रिएक्शन कर रहा है अब पता चला तीन तीन लगा दिया तीन तीन एनो लगा दिया और पता है बाद में ऐसी हालत हो जाती है बेचारा Sea, की इतने ग्रुप लगा दोगे तो पता है क्या हो जाएगा इतने विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए तुमने कि बेचारा अब पानी 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 को देखते ही मतलब तो छोड़ो देखेगा पानी, पानी देखेगा ना वहीं वो कन्वर्ट कन्वर्ट कर जाएगा? वो उसी वो किस में कर में है पिक्रिक एसिड याद रखिएगा यही एक कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा है ऑर्गेनिक में यही एक एसिड है कार्बोक्सिलिक नहीं बोलेंगे यही एक एसिड है जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक

एलिमिनेशन मैकेडिशन पहले करेंगे और फिर बाद में एलिमिनेशन करते हैं एडिशन एलिमिनेशन मैकेशन मैकेडिशन पहले होगा और बाद में एलिमिनेशन होगा पहले वाले मैकेनिज्म में क्या था पहले एलिमिनेशन था बाद में क्या हो गया था बाद में हम लोगों के लाइफ में क्या हो गया था कि सर हम लोग बाद में क्या करेंगे उस साइड मतलब पहले एलिमिनेशन एडिशन एलिमिनेशन करेंगे फिर एडिशन करेंगे यहां पे उल्टा चलेंगे यहां पर थोड़ा उल्टा चलेंगे एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म कैसे करते हैं इस टाइप की रिएक्शंस इस टाइप की रिएक्शंस कैसे की जाती हैं तो थोड़ा ध्यान से देखना यहां पर हमेशा हमेशा जैसे देखो इसमें भी इसमें भी दो ही स्टेप है ध्यान से देख लीजिए ये लगा हुआ है लिविंग ग्रुप कौन आप क्या करने वाले हो न्यूक्लियो फाइल जैसे ही अटैक करेगा ध्यान से देखना अपने पास न्यूक्लियो फाइल आएगा और यही सबसे स्लोएस्ट स्टेप है क्योंकि ऑब्वियस है आरडीएस यही हो जाएगा स्लो स्टेप देखना न्यूक्लियो फाइल क्या करेगा ये देखो जब भी आपको मौका मिले जाने वाला ग्रुप कौन सा है ये तो ये देखो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएगा कोई पूछे इधर क्यों गया क्योंकि एनओ टू इलेक्ट्रॉन विड है तो उधर इलेक्ट्रॉन चार्ज कर दो जैसे ही करोगे न्यूक्लियो फाइल कहाँ अटैच हो जाएगा न्यूक्लियो फाइल कहाँ जाके अटैच हो जाएगा ये देखना डबल बॉन्ड टूट गया यहाँ पर न्यूक्लियो आ गया यहाँ पर एनओ आ गया यही हो रहा है क्या ये ऐसा बन जाएगा एनओ अपने पास न्यूक्लियो ऐसे अटैच हो गया ये माइनस चार्ज यहाँ लग गया अब जैसे ही ये बनेगा देख लो एडिशन हो रहा है सबसे स्लोएस्ट स्टेप है बाई मोलिकुलर बन गया सबसे स्लोएस्ट स्टेप है बाई मोलिकुलर बन गया अब क्योंकि जैसे ही तुमने ये काम किया सर स्टेप वन में तो आपका ये काम हो गया एडिशन तो हो गया स्टेप वन में एडिशन तो दिख रहा है कि सर एडिशन हो गया लेकिन तुम्हें पता है इस केस में क्या हुआ है इस केस में मेरी लाइफ में क्या हो गया है कि सर इस केस में मेरी लाइफ में बेंजीन की एरोमेटिसिटी चली गई है जो बेंजीन इतना मासूम सा बंदा था उसकी एरोमेटिसिटी गई है तो अब मैं क्या करूंगा कि सर स्टेप टू में स्टेप टू में मैं क्या करने वाला हूं मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं ऐसा काम नहीं करूंगा मैं क्या करूंगा कि भैया ऐसा है लिविंग ग्रुप भैया तू जाने वाला है तू निकल जा यहाँ से और ये निगेटिव चार्ज फिर से कहाँ आ जाएगा इधर आ जाएगा और देखोगे तो क्या हो जाएगा ओवरऑल फिर से न्यूक्लियो अटैच हो गया ये एनओ आ गया ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर देगा तो ये एनओ टू आ गया और यही मेरे लिए एस एन टू ए आर होता है तो देख लो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन की अगर बात करें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन में अब जिंदगी में कोई गिला सिकवा नहीं होगा तुम्हें कि सर क्या क्या नहीं पढ़ा इसी चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या नहीं देख लिया भाई एस एन इंट्रा देख लिया एस एन आई देख लिया इंटरनल रिटर्न वाला एस एन एन जी पी देख लिया और अब न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन में एस एन वन ए आर देख लिया और एस एन टू ए आर देख लिया इस SN1AR को बेंज़ाइन मैकेनिज्म बोलते हैं SN2AR को क्या बोलते हैं हम लोग एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म बोल देते हैं एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म बोल देते हैं यहाँ पर देखोगे तो रेट किस पर डिपेंड कर रहा है देखो ये रेट किस पर डिपेंड कर रहा है यहाँ रेट की बात करेंगे तो k एरोमेटिक कंपाउंड मान लो इसको लिख देता हूं ये एरोमेटिक कंपाउंड और प्लस किस पे डिपेंड कर रहा है न्यूक्लियो फाइल पर भी डिपेंड कर रहा है तो ऑर्डर कितना हो जाएगा ऑर्डर भी कितना हो गया टू इसकी मोलिकुलरिटी भी कितनी हो गई मोलिकुलरिटी भी कितनी हो गई इसकी मोलिकुलेरिटी कितनी हो जाएगी टू तो ये छोटी छोटी और प्यारी प्यारी सी बातें हो गई की मैकेनिज्म अगर एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन कर नहीं रहा था अब तुम जबरदस्ती पीछे पड़ गए तो बेचारा कर जाएगा बोलेगा भाई कर लेता हूँ यार क्या ही कर सकते हैं अब ज्यादा से ज्यादा तुम पीछे पड़े हो तो कर लेगा चलो भाई इसी बहाने अब खुश हो जाओ कोई ऑप्शन तो बच नहीं रहा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन अपना कर जाएगा एस एन टू ई आर वो कर जाएगा पक्का हो जाएगा श्योर हो पक्का एस एन वन एस एन टू या न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन करता नहीं था जो करना भी है उसकी मैकेनिज्म हम लोगों ने पढ़ ली मैकेनिज्म हम लोगों ने पढ़ लिया ठीक है तो पहला रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन अब दूसरा रिएक्शन देखोगे तो बेचारे की छोटी छोटी रिएक्शन है कौन कौन सी फिटिक रिएक्शन 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 सिमिलर टू वुड्स है जिन लोगों ने वुड्स रिएक्शन रिएक्शन ध्यान से पढ़ा है है उनको पता है। फिटिक में कुछ नहीं एरोमेटिक कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड को किससे ट्रीट कर दो सर दो मोल सोडियम से ट्रीट कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर जो काम वुड्स कर रहा था वही काम एरोमेटिक कंपाउंड के लिए आया तो ये क्या हो गया अपने पास ये हो गया सर आपको ही पता है बेंजीन के ऊपर अगर मान लो यहां क्लोरो बेंजीन लगा हुआ है अगर यहां क्लोरो बेंजीन लगा हुआ है अगर मैं सोडियम सोडियम कर दूं तो यहां पर बाईफिनाइल बन जाएगा दोनों एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या हो जाएंगे अटैच हो जाएंगे दोनों कंपाउंड्स इसको हम लोग बोल देते हैं बाईफिनाइल बाईफिनाइल टू एन एक्स हो जाएगा बस यही को बोलते हैं फिटिक रिएक्शन और वुड्स फिटिक अब दोनों मिले बोले कि भाई साहब एक काम करते हैं वुड्स मिला वुड्स फिटिक को देखा बोला अरे यार एक ही रिएक्शन को अलग अलग तरीके से तूने छाप दिया मैंने एलिफैटिक के लिए बोला तूने एरोमेटिक के लिए बोला तो दोनों मिले दोनों ने बोला भाई साहब एक काम करते हैं हम लोग दोनों मिल ना एक आज रिएक्शन बना लेते हैं और देखना क्रिएटिविटी इन्होंने बोला एक काम करो एक एलिफैटिक और एक एरोमेटिक के साथ भी रिएक्शन करके देखो एक एलिफैटिक और एक एरोमेटिक के साथ भी रिएक्शन करके देख लो आपको पता चल जाएगा आपको पता चल जाएगा कि भैया क्या प्रोडक्ट बनने वाला है मतलब मजाक कर रहे हैं उस टाइम से ये लोग उस टाइम से ये लोग मजाक कर रहे हैं और कुछ नहीं मतलब इनके हिसाब से अगर आपने ये रिएक्शन कर दिया आपने ये रिएक्शन कर दिया अगर आपने ये रिएक्शन करा तो ड्राई इथर के प्रेजेंस में ये पता है क्या बना देगा टोलुइन बना देगा ये पता है क्या बना देगा टोलुइन बना देगा

उल्लू क्यों लिख दिया यार उलमान्स होता है देख लो पीरियोड फ्लो में उलमान्स रिएक्शन ठीक है उलमान्स रिएक्शन ये क्या था कि भाई साहब आप कुछ नहीं जो रिएक्शन वो लोग कर रहे हैं जो रिएक्शन वो लोग कर रहे हैं इसने बोला भैया जो रिएक्शन सोडियम के साथ कर रहे हैं वही काम मैं कॉपर के साथ कर दूंगा देख लो ठीक है हो गया अब उलमास रिएक्शन बन गया अब उलमास रिएक्शन बन गया उसने बोला कि सुनो ना जो लोग वुड्स अलग अलग बात कर रहे हैं वो सारी का सारी कहानी मैं कॉपर के साथ कर सकता हूँ ड्राई इथर के प्रेजेंस में देख लो जो वुड्स और फिटिक दो लोग मिल के कर रहे हैं देख लो इसी को बोलते हैं उल्लू बन गया महान उलमांस रिएक्शन देख लो जो चीज वहां पे हो रही थी वही सेम चीज इसने कर दिया बोला कि अरे सुनो ना ड्राई इथर डाल दो आर ए आर बन जाएगा शांति से शांति से बैठ जाओ हो गया तो भैया वुड्स था वुड्स के बाद फिटिक आया फिटिक और वुड्स मिले तो वुड्स फिटिक हुआ उन दोनों की पार्टी में कौन पहुंच गया उलमान रिएक्शन बोला साइड में चलो भाई इन्होंने सारी रिएक्शन करा दी इन्होंने सारी रिएक्शन करा दी हो जाएगा श्योर हो अब देखो अगर मैं इसकी और रिएक्शंस देखूं तो अपने पास इनकी और रिएक्शन देखी जाए तो ये अपने को मिल जाएगी एक और रिएक्शन जैसे ग्रिगनाड रिएजेंट भी बनाना बहुत आसान है अगर इसका रिएक्शन विथ एम देखा जाए मैग्नीशियम मेटल के साथ तो अगर एरोमेटिक कंपाउंड भी है ना तो कोई दिक्कत नहीं एरोमेटिक कंपाउंड है मैग्नीशियम कंपाउंड के साथ करे तो यहां ड्राई ईथर की जरूरत नहीं पड़ती यहां टेट्राहाइड्रोफ्यूरान लेते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरान लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ना ड्राई इथर की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पर थोड़ा सा अलग कंडीशन लेते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरान लेते हैं और जैसे ही लेंगे इसका ग्रिगनाड रिएजेंट भी बन जाएगा इसका ग्रिगनाड रिएजेंट भी बन जाएगा ग्रिगनाड रिएजेंट भी बन जाएगा और ग्रिगनाड रिएजेंट हमें पता है कि ये क्या कर सकता है अगर इसको गलती से मॉइस्चर मिल गया तो ये बेंजीन बना देगा गलती से मॉइस्चर मिल गया तो ये क्या बना देगा बेंजीन बना देगा

तो यहां पर दो चीजें होती हैं एनसीआरटी की लाइन है इसलिए बता रहा हूं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन अगर करने जाओगे तो एनसीआरटी की लाइन है कि सर प्लस एम इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट कंट्रोल्स ओरिएंटेशन ऑफ प्रोडक्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन ओरिएंटेशन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन और अगर माइ प्लस आई की बात की जाए माइनस आई की बात की जाए तो माइनस आई इफेक्ट क्या कंट्रोल करता है कंट्रोल्स कंट्रोल्स रिएक्टिविटी ये किसको कंट्रोल करता है रिएक्टिविटी नॉर्मल केस में प्लस एम का इफेक्ट ज्यादा होता है बट इन केस ऑफ हेलोजन इन केस ऑफ हेलोजन याद रखिएगा इन केस ऑफ हेलोजन इन केस ऑफ हेलोजन एक्सपेरिमेंटली हम लोग ये देखते हैं कि माइनस आई का इफेक्ट जो है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू प्लस एम इफेक्ट माइनस आई का इफेक्ट ग्रेटर है एज कंपेयर टू प्लस एम इफेक्ट तो ये बेसिक सी बात अपने दिमाग में फिट कर लीजिए जीयूसी में भी आता है यहां फिर से हम लोग जान चुके हैं मुझे यह पता चल गया कि भैया ये पता चल गया कि भाई ये चीज ये चीज हो गई प्लस एम के कारण यह क्या करेगा इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है यह ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग फॉर इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग फॉर इलेक्ट्रोफाइल कैसे अरे भैया प्लस एम है जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है ड्यू टू प्लस ठीक है तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए पैरा है अब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर देना है रिएक्शन बना दो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ जनरेट हो रहा है उसके हिसाब से देख लो जैसे अब इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन के लिए अभी मैंने बताया कि भाई अगर मान लो क्लोरीन है देखना ध्यान से अगर यहां पर क्या डाल दिया जाए CL2, या मैं बोलता हूँ बी आर टू डाल दिया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ एफ पी बी आर थ्री ऐसे करके दे दिया जाए तो भैया इससे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है यहां से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा बी आर प्लस या फिर इसी के बदले एल सी एल थ्री भी दे दे तो भी सेम जनरेट होगा और क्या बना देगा ये देख लो अपने पास क्या बना देगा सर यहाँ पर ऑर्थो पे और पैरा पे ऑर्थो एंड पैरा पे यहाँ पर क्लोरीन यहाँ पर ब्रोमीन ऑर्थो एंड पैरा पे क्या लग जाएगा ऑर्थो एंड पैरा पे ये लग जाएगा अगर किसने बोला नहीं सर एक काम करते हैं अलग अलग टाइप की चीजें करना शुरू करते हैं अगर मैं सी एस थ्री सी एल ले लूँ और एनहाइड्रस एल सी एल थ्री ले लूँ एनहाइड्रस एल सी एल थ्री ले लूँ सर क्लोरीन कहाँ चला जाएगा इसके पास इससे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा सी एस थ्री प्लस और पता है ये सी एस थ्री कहाँ कहाँ अटैच हो सकता है ये सी एस थ्री कहाँ कहाँ अटैच हो सकता है सर ये सी एस थ्री अटैच हो जाएगा ऑर्थो एंड पैरा पे मेजर कौन सा होगा पैरा वाला क्यों क्योंकि सर ऑब्वियस हिंड्रेंस कम हो जाता है मेजर कौन सा हो जाएगा पैरा वाला और इसको हम लोग पता है इस रियल रिएक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं अल्काइलेशन फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन कि सर ये क्या है फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है अल्काइलेशन अगर इसी रिएक्शन को देखना ध्यान से सेम क्लोरीन है सेम क्लोरीन है अगर मैंने क्या किया यहाँ पर ये ग्रुप लगा दिया कोई फर्क नहीं पड़ रहा एनहाइड्रस ए एल सी एल थ्री डाल दिया एनहाइड्रस ए एल सी एल थ्री डाल दिया अब की बार इलेक्ट्रोफाइल कौन सा जनरेट होगा ये क्लोरीन धर चला गया ये जनरेट होगा और तुम्हें इमेजिन भी नहीं कर सकते कि सर अब की बार ये प्रोडक्ट भी बन जाएगा ऑर्थो पे अटैच होगा और एक बार क्या होगा पैरा पे भी अटैच होगा एक बार क्या होगा पैरा पे भी अटैच होगा मेजर कौन सा माइनर कौन सा देख लो इसको हम लोग बोल देते हैं फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन एसाइल ग्रुप ऐड हो रहा है तो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन अब ऐसे भरे पड़े होंगे जैसे जैसे आगे चलेंगे ये देख लो अगर मैं इसको ट्रीट कर दूं HNO3 और H2SO4 में तो याद रखना HNO3 और H2SO4 में अगर करा जाए तो यहाँ पर इससे जो जनरेट होता है इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल कौन सा जनरेट होता है NO2+ याद रखना इस केस में ये एसिड होता है क्वेश्चन ये सब भी पूछा जा सकता है और ये क्या बिहेव करता है बेस की तरह एस टू एस फोर और एच एन ओ थ्री अगर है तो वहां पर ये लिखा जाता है और एन ओ टू प्लस कहाँ कहाँ अटैक करेगा एनओ टू प्लस कहाँ कहाँ अटैक करेगा एक बार ऑर्थो पे एक बार ऑर्थो पे और एक बार कहाँ अटैक कर देगा एक बार कहाँ अटैक कर देगा तो सर एक बार अटैक कर देगा पैरा पे एक बार अटैक कर देगा पैरा पे एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे तो ये बेसिक चीजें है होती चली जाएंगे हो जाएगा श्योर हो तो ये अपने को हम लोग करते चले जाएंगे कि भाई ऐसी ऐसी चीजें होंगी इस तरह की हम लोग मतलब इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिकब्ट्यूशन हम लोग कर सकते हैं कि अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिकब्ट्यूशन आप कराते चले जाइए हो जाएगा श्योर हो चलो अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन है इलेक्ट्रोफिलिक में मेजर माइनर वही पैरा वाला ज्यादा मेजर कर लेना माइनर ये हो जाएगा कि यार ये सब छोटी छोटी चीजें माइनर होती चली जाएंगे अब आते हैं एक और डिस्टिंक्शन टेस्ट बताओ आर एक्स और ए आर एक्स में एक तो हो गया एच एन ओ टू टेस्ट एक हो गया एच एन ओ टू टेस्ट दूसरा टेस्ट बताओ तो सर वो होता है ए जी एन ओ थ्री टेस्ट एक और टेस्ट हो सकता है कौन सा सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट कैसे सर एक बात बताऊ सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट ये कैसे करेगा तो ये एक सिंपल चीज देखना ये देखो ये क्या है सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में आप एजी एनओ थ्री डालोगे सिंगल बॉन्ड में ए जी एन ओ थ्री डालोगे सर ये क्या बना देगा ए जी एक्स का पीपीटी बन जाएगा एजी एक्स का पीपीटी बन जाएगा लेकिन अगर यही चीज एरोमेटिक कंपाउंड में डालोगे अगर यही चीज एरोमेटिक कंपाउंड में डालोगे अगर यहां पर ए जी थ्री करोगे यहां पर एजी एक्स का पीपीटी नहीं बनने वाला है क्यों क्योंकि सर यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा ये क्या बन जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बन जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बन जाएगा तो एक तरीका ये भी है डिस्टिंग्यूज करने का किस को एलिफेटिक हलाइट और एरोमेटिक हलाइट्स को एलिफेटिक और एरोमेटिक हलाइट्स को ये डिस्टिंगूस करने का बन जाता है ठीक है अब जैसे कोई बोले सर अब याद करने के लिए आप अभी से भी लिख सकते हो ए का वाइट पीपीटी आता है इट पीपीटी आता है ए जी बी आर का येलो आता है और एजी आई का ब्राउन पीपीटी आ जाता है या मतलब इसका पे ले आता है उसका थोड़ा डार्क आता है तो हम लोग उसको सीधा सीधा अगर बोलना चाहें तो ब्राउन पीपीटी भी बोल देते हैं ब्राउन पीपीटी भी हम लोग बोल देते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन हो गया ये बेसिक चीजें कर ली अब देख लो

यही है शायद यहाँ पे माइनस और इस पे प्लस अब देखो भाई इसकी प्रिपरेशन करना है इसकी प्रिपरेशन करनी है तो किसी भी अल्काइल लाइट को किसी भी अल्काइल लाइट को अगर प्रिपरेशन करनी है तो किसी भी अल्काइल लाइट को किसके साथ ट्रीट कर दो एम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ये क्या बना देगा आर एम बना देगा आर एम जी एक्स बना देगा और आर माइनस एम जी एक्स प्लस बन जाएगा इस ऐसा नहीं मतलब इसके केस में देखो इवन एरोमेटिक कंपाउंड में भी आप चाहोगे ना एरोमेटिक कंपाउंड में भी अगर आप एम यूज़ करते हो तो यहाँ पर ड्राई ईथर के बदले टेट्राहाइड्रोफ्यूरान भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि सर इसका भी एम बन जाता है जिसका मर्जी उसका बना लो इससे हमें बहुत फायदा होता है कार्बन चेन लंबी करनी होती है तो हम कार्बन चेन लंबी कर लेते हैं छोटी कर सकते हैं बड़ी कर सकते हैं बहुत सारा फायदा होता है कोई बोले कि सर एक्स कौन सा होना चाहिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर कोई पूछे कि सर कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा मतलब हाइलोजन कौन सा मतलब यहाँ पर ओ, एक्स जो लेना चाहिए वो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से कौन सा लेना चाहिए तो तुम्हें ही पता है हमेशा ट्राई करना हमेशा ट्राई करना कि भैया आयोडीन सबसे फास्ट क्योंकि वो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है आराम से इधर घसक जाता है ब्रोमीन फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन ठीक है आयोडीन क्लोरीन सॉरी आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन और फ्लोरीन हो जाएगा ठीक है आर कुछ भी हो सकता है कुछ भी इसमें अच्छी बात क्या है कि हमेशा इन सब में आर पे हमेशा क्या होगा यहाँ माइनस आ गया यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा तो इसका प्रिपरेशन बहुत सिंपल सा है सिंपल सा है किसी को भी रिएक्ट करा दो एमजी के साथ ड्राई इथर के प्रेजेंस में तो आ जाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज में बात करें तो भाई साहब मैंने शुरुआत में ही बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही ये भाई साहब एकदम एसिडिक हाइड्रोजन के तो पीछे ही पड़ा रहता है एसिडिक हाइड्रोजन जहां मिला जैसे इन सारे केसेस में एसिडिक हाइड्रोजन उसको मिल रहा है सारे केसेस में एसिडिक हाइड्रोजन मिल रहा है तो इस केस में क्या बना देगा आर प्लस एम के साथ क्या लग जाएगा ओ और एक्स यहाँ पर भी क्या बना देगा आर एच प्लस एम जी के साथ क्या लग जाएगा एक साइड एक्स एक साइड एनएच टू यहां पर भी देखोगे तो यहाँ भी क्या बना देगा अल्केन एक साइड एम जी के साथ एक्स और एक साइड क्या लग गया वो आर यहाँ पर देखोगे आर एच प्लस एक साइड एम के साथ एक्स है और दूसरे साइड ओ सी ओ आर बन जाएगा इधर भी देखोगे तो आर एच प्लस हर एक जगह आपको हर एक जगह ये दिख जाएगा कि भैया ये बंदा बहुत क्लियर दिमाग के साथ चल रहा है कि सर मुझे अल्केन बनाना है चाहे जहां से मिल जाए चाहे जहां से मिल जाए ये जहां से मिल जाए इसके साथ अल्केन बनाना है बेस की तरह क्यों बोल रहे हैं क्योंकि सर ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है कोई भी अगर बंदा H प्लस के पीछे पड़ा है तो बेस कहलाता है तो क्रिग्नाटोजन का पहला काम ये होता है कि जहां एसिडिक हाइड्रोजन दिखा जहां एसिडिक हाइड्रोजन दिखा वहां से H प्लस खींच लो वहां से H प्लस जैसे ही खींचेगा अपना अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा बाकी अपना साइड प्रोडक्ट बना दो ठीक है साइड प्रोडक्ट बनाते चले जाओ लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है न्यूक्लियो के फॉर्म में ये बहुत तगड़ा न्यूक्लियो होता है क्यों क्योंकि बार बार हम लोग जब से मैंने ग्रीन गार्डन बनाया है मैं बार बार इसको लिख रहा हूँ इसका मुझे क्या फायदा होता है क्योंकि भाई साहब ये अल्डीहाइड कीटोन टोन किसी भी जगह यूज कर लेते हैं किसी भी जगह न्यूक्लियो के फॉर्म में कहीं भी अटैक कर लेता है जैसे अगर मैं रिएक्शन में देखना ध्यान से अल्डीहाइड बोलता हूँ अल्डिहाइड्स के केस में देखना अगर आर एम जी एक्स है और यहाँ पर आर डैस सी है ये देखो चाहे सबसे बेसिक सा ले लेते हैं फॉर्मल डिहाइड ले लेते हैं ये देखो क्या होगा तुम्हें भी पता है मैकेनिज्म के नाम पे सबसे बेकार सा अभी यहाँ पे कर ले रहे हैं फिर अल्डिहाइड की टोन में आएगा तो वहाँ मैं स्किप करूँगा कोशिश करेंगे ये चीज़ें वहाँ पर याद रहे ये देखो माइनस ये क्या हो गया प्लस यहाँ क्या हो गया माइनस यहाँ क्या हो गया प्लस माइनस कहाँ अटैक करेगा प्लस पे प्लस कहाँ अटैक करेगा माइनस पे देखना अपने पास क्या बन गया यही बन रहा है क्या ऊपर क्या आ गया ओ एम जी एक्स आ गया और नीचे क्या आ गया आर आ गया और अगर मैं इसको पानी थोड़ा सा भी मॉइस्चर टाइप कुछ दे दूं तो ये मुझे क्या दिख जाएगा ऊपर क्या बन गया ओ एच एच और ये क्या बन गया आर ये वन डिग्री अल्कोहल बन गया क्या वन डिग्री एल्कोहल बन गया क्या सर अगर एम जी एक्स के रिनाड रिजेंट की एलडीहाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अगर फॉर्मल डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हो तो फॉर्मल डिहाइड के साथ रिएक्शन में क्या बनता है वन डिग्री अल्कोहल अगर नॉर्मल कोई और लेके चले अगर आर एम जी एक्स की रिएक्शन किसी और अल्डिहाइड के साथ करें फॉर्मलहाइट छोड़ दो किसी और अल्डिहाइड के साथ करें तो इस केस में भी फिर से क्या करेंगे आपके ऊपर छोड़ रहा हूं आप देखोगे ओ एम जी एक्स एच और यहां क्या लग जाएगा आर और अगर फिर से एच थ्री ओ प्लस दे देंगे तो कार्बन की चेन आपकी बढ़ा देगा ये देख लो ये टू डिग्री अल्कोहल बना देगा टू डिग्री अल्कोहल बना देगा और ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी में कहीं भी अल्डिहाइड के साथ तो मैं एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं कि रिएक्शन विद अल्डिहाइड ऐसा होगा आप चाहो तो रिएक्शन विद कीटोन कर लो रिएक्शन विद कीटोन कर लो कीटोन के साथ फिक्स्ड होता है कीटोन के साथ भी क्या करेगा देखना ध्यान से अगर आर एम जी एक्स है कीटोन अपने पास है मान लो ये कीटोन पड़ा है डबल कीटोन पड़ा है प्लस प्लस माइनस माइनस कर कर दो फिर कर दो फिर क्या है सर यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ये क्या हो गया प्लस माइनस प्लस पे अटैक करेगा ऊपर क्या हो गया एम जी एक्स ये क्या हो गया आर टू और ये क्या हो गया आर सर देखिएगा एस थ्री प्लस जैसे ही दूंगा एस थ्री प्लस जैसे ही दूंगा आर वन, सी, क्या हो गया ओ एच, और ये ये क्या क्या हो गया 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 सर बन बन डिग्री तो एल्डिहाइड के साथ की करो कीटोन के साथ करो हमेशा क्या बना रहा है अल्कोहल बना रहा है तो ए बेस के साथ तो हो ही रहा है एसिड न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एल्डिहाइड कीटोन के साथ भी ये क्या करेगा रिएक्शन कर जाएगा एल्डिहाइड कीटोन के साथ भी ये क्या करेगा रिएक्शन कर जाएगा इवन आप देखोगे ना रिएक्शन विद सी टू एसिड भी बना देगा देखना ध्यान से सीयू टू एक कार्बन बढ़ा के एसिड बना देगा कैसे देखना कोई ग्रगनाट रिज़ेंट है ठीक है है कोई रिज़ेंट ये बेचारा पोलर है इधर माइनस ये प्लस हुआ आपने क्या किया सीयू टू के साथ रिएक्शन करा दिया सीयू टू में आपको ही पता है ये बॉन्ड क्या हो जाएगा माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस प्लस माइनस से रिएक्शन करा दो प्लस माइनस से रिएक्शन करा दो और ये बहुत बड़ा मेथड होता है एक कार्बन इंक्रीज करके आपको एसिड बनाने का ये देख लो अपने पास एक कार्बन ज्यादा करके आपने क्या बना दिया एसिड बना दिया तो रिएक्शन विद सीओ टू करोगे तो रिएक्शन विद सीओ टू में आपको एक कार्बन इंक्रीज करके एसिड बन जाएगा वन कार्बन ज्यादा होकर एसिड बन जाएगा अब ये सब चीजें फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे पता है कहाँ पर अल्टीहाइड की टून में फिर से डिस्कशन होगा एसिड की प्रिपरेशन में होगा आप अगर इसकी रिएक्शन साइनाइड के साथ भी कर देते हो साइनाइड्स के साथ भी कर देते हो तो भी आपका देखोगे बन जाएगा ये देखो ये देखो क्या बनेगा अगर आप इसके साथ इसी रिएक्शन कर दो तो यहाँ पर पता है कि ये क्या है माइनस ये क्या है प्लस ये क्या है इधर माइनस ये क्या है इधर प्लस क्या बन जाएगा आर डेस ये क्या हो जाएगा सी आर डबल बॉन्ड एन एम जी एक्स बन जाएगा और अगर इसको मैं थोड़ा सा पानी दे दूँ तो ये पता है क्या बन जा सोचो so, इससे कितने कंपाउंड सिंथेसाइज कर सकते हो आप कीटोन बना सकते हो देख लो अल्कोहल तो बना ही रहे थे अल्कोहल बना दिया एसिड बना दिया अब कीटोन भी बना सकते हो इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई अगर ध्यान से देखोगे तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको मेरी तरफ से इसमें फिनिश हो रही हैं कि भाई रीजेंट की रिएक्शंस आपको सारी टाइप सारी टाइप की मैंने करा दी हैं है रीजेंट की रिएक्शन सारी की सारी करा दी हैं सारे ग्रिगनाट्रीजेंट जितना आपको आना चाहिए इस चैप्टर में उतना हमने कर लिया है ठीक है ठीक है तो ग्रिगनाड रीजेंट हो गया देखो हो गया, उसमें दो ही की कर बात करें तो ये काफी है ग्रिगना रीजेंट एज अ बेस होता है एज अ बहुत सारी रिएक्शन अभी और भी मिलेंगी हमें उतना डरने की जरूरत नहीं तो अब मेरे पास देखो एनसीआर में क्या है ना पॉली हेलोजन कंपाउंड्स के बारे में पॉली हेलोजन कंपाउंड्स के बारे में देख भाई हेलो एल्केन्स कर लिया आर एक फिनिश कर लिया इसमें बाहर सारी बातें हो गई एरोमेटिक उससे छोटा है ये भी हो गया आर एम जी एक्स के बारे में हमने डिस्टिंक्शन कर लिया है अब यहाँ से देख भाई अगला जो चैप्टर आएगा ना उसमें बहुत सारी चीज़ मैं फिर से पूछूंगा जैसे अभी हमने वन डिग्री टू डिग्री एल्कोहल थ्री डिग्री एल्कोहल बनाया है कहाँ पर ग्रिगनाड रिजेंट में तो अगली क्लास में जब अगले चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ पे फिर से आ जाएगा तो वहाँ मैं बोलूँगा ग्रिगनाड रिजेंट में कराया था क्योंकि ऑर्गेनिक में आगे जाएंगे तो नई नई चीजें ऐड होंगी और पुरानी चीजें भी रिवाइज होती रहेंगी तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि रिजेंट ये सब चीज़ें आपको रिवाइज करते जाना है अब यहां पे एक आता है पॉली पॉलीहेलोजन कंपाउंड पॉलीहेलोजन कंपाउंड में अब कुछ लोगों को लगता है कि सर यहीं पर एन ने क्या किया है कि यहां पर इस चैप्टर में पॉली पॉलीहेलोजन कंपाउंड का सिर्फ यूजेस करने को बोला है बाकी क्लोरोफॉर्म आइडोफार्म कैसे बनता है ये सब चीजें क्या होती है ये सब बातें हम लोगों ने हम लोग उसमें अल्डीहाइड कीटोन्स में सीखते हैं मतलब अल्डीहाइड कीटोन्स और एसिड्स में सीख लेते हैं तो हमें ना यहाँ पर पॉली हेलोजन कंपाउंड का सिर्फ यूज़ेस जानना है और पॉली हेलोजन कंपाउंड का यूज़ेस क्या क्या है तो मैं तुम्हें तो बता देता हूँ क्या क्या यूज़ेस है ये देखो कुछ जो मैंने एन से निकाल रखे हैं जो जो मतलब एन सी आर टी हेलो कंपाउंड्स के मिले हैं मैंने उठा लिए हैं और ये प्रूज एंड कॉन्स देख लो जैसे क्लोरैम फेनिकोल है क्लोराम फेनिकॉल किसके लिए यूज़ करते हैं टाइफाइड फीवर के लिए यूज़ करते हैं क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड है थायरॉक्सिन है थायरॉक्सिन में आयोडीन कंटेनिंग है आयोडीन इसमें लिखा हुआ है थायरॉक्सिन में आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड है ये अपने पास ग्वाइटर डिजीज प्रोड्यूस कर देता है जो मुझे लगे हैं मैंने एक एक लाइन की उठा लिए हैं क्लोरोक्विन है क्लोरोक्विन पहले पेज पे ही आपको दिख जाएगा जैसे ही आप सेकंड बुक खोलते हो आपको पहले पेज पे ही दिख जाएगा क्लोरोक्विन आपको दिख जाएगा ट्रीट मलेरिया करने के लिए क्लोरीन तो होगा ही होगा पहले हेलोथिन यूज करते थे एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी उसके लिए यूज करते हैं अभी डीडीटी को एक बार और अच्छे से देखेंगे डीई का भी स्ट्रक्चर भी देखेंगे इंसेक्टिसाइड होता है सब लोगों को पता है टिंचर ऑफ आयोडीन आयोडो को बोलते हैं एंटीसेप्टिक के फॉर्म में यूज करते हैं एंटीसेप्टिक के फॉर्म में यूज करते हैं फ्रीओंस सीसीएल टू एफ टू ये सब हम लोग यूज करते हैं किसके लिए सीसीएल टू एफ टू ये रेफ्रिजरेंट एरोसोल इन सब के लिए यूज करते हैं ये मैंने एनसीआर टी से उठाए हैं ठीक है ना अभी पूरा एक एक डिटरमाइन करके ही बता दूंगा जब कॉमन नेम बता रहा था उस टाइम गैमेक्न बताया था बेंजीन हेक्साक्लोराइड बताया था या

ट क्लोरोफ्लोरोबन जिनको हम लोग फ्रेउस भी बोल देते हैं ये ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं और सी सी एल फोर सी सी एल फोर पायरिन जिसको हम लोग फायर एक्सटिंगशर इन सब जगहों पे यूज़ करते हैं ये मैंने एक एक लाइन का उठा के आपके लिए बना दिया है लेकिन एन सी आर टी खोलोगे तो एन सी आर टी में क्या है कि भैया ऐसे ऐसे पैराग्राफ दिए हैं मैं एन सी आर टी की पैराग्राफ भी आपको दिखा देता हूँ एन सी आर टी के पॉली हेलोजन कंपाउंड खोलोगे तो एन सी आर टी के पॉली हेलोजन कंपाउंड में आपको ऐसे ऐसे पैराग्राफ दिख जाएंगे डाइक्लोरोथेन मतलब सी एच टू सी एल टू डाइक्लोरोन क्या होता है पेंट रिमूवर का काम होता है वही चीज मैंने उधर बता दी है ये मेटल क्लीनिंग और मेटल फिनिशिंग सॉल्वेंट के लिए यूज होता है जो चीज मैंने मतलब उधर एक क्लाइन में लिखी थी काम की वो इधर भी है कि सर ज्यादा लोगे तो अब से बीमारी हो जाएगी स्किन की होगी आईज के साथ होगी ये सब चीजें यहाँ लिखी हुई हैं आप एनसीआरटी पढ़ोगे तो आपको ये पैराग्राफ दिख जाएंगे क्लोरोफॉर्म आपको ही पता है किसके लिए यूज होता है कि सर क्लोरोफॉम का यूज पहले हम लोग रेफ्रिजरेंट के लिए यूज करते थे और एनेस्थेसिया के लिए यूज़ करते थे लेकिन क्लोरोफॉर्म के साथ दिक्कत क्या है कि क्लोरोफॉर्म में एक चीज़ और है जैसे ही इसको मौका मिलता है ना ये इंपॉर्टेंट है क्लोरोफॉर्म को जैसे ही मौका मिलता है ना लाइट के अंदर एक कार्बोनिल क्लोराइड बना लेता है और इसी को हम लोग नाम देते हैं फॉसजीन बहुत पॉइजनस सा गैस बन जाता है बहुत ही पॉइजनस सा गैस बन जाता है इसलिए क्लोरोफॉर्म की बॉटल को हमेशा कंप्लीटली फिल करके रखते हैं क्योंकि एयर में आते ही वो क्या बनाएगा एक पॉइजनस गैस बना देगा कार्बोनिल क्लोराइड बना देगा एंड दैट्स वाई क्लोरोफॉर्म को एकदम टिल द उसके उसके ऊपर पूरा वहां तक फिल करके रखते हैं और ट्राई करते हैं कि ईयर या लाइट इसके ऊपर ना पड़े क्लोरोफॉर्म की हालत ठीक है तो क्लोरोफॉर्म ऐसा स्लोली ऑक्सीडाइज हो जाता है नेक्स्ट देखोगे ट्राडो फॉर्म आपको भी पता है एंटीसेप्टिक के फॉर्म में पहले यूज होता था लेकिन अब एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज क्यों होती थी ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन ठीक है और आयोडीन जो फ्री आयोडीन रिबरेट करते हैं उसके कारण होता था नॉट की आयोडोफॉर्म के कारण देखो नॉट ड्यू टू आयोडोफॉर्म इट सेल्फ नॉट ड्यू टू आयोडोफॉर्म इट सेल्फ ठीक है तो अब आज के टाइम पे इसको भी हटा दिया गया है ये आयोडोफॉर्म यूज नहीं होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड फिर से यूज कर रहे हैं कि भैया रेफ्रिजरेंट के फॉर्म यूज होता है इसके बाद क्लोरोफ्लो कार्बन में और यहाँ पर क्लीनिंग फ्लूड के लिए यूज करते थे और यहाँ पर देखोगे तो ये लिवर कैंसर इन सब चीजों में यूज मतलब प्रोड्यूस कर देता है तो छोड़ो ये सब बातें सीसीएल फोर क्या करता है सी फोर क्या करता है तो ये देख लो ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है वही सब छोटी छोटी कहानियां हैं ये एनसीईआरटी की आप कहानी देखोगे आपको पता चल जाएगा लेकिन हाँ यूजेज इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखिएगा फ्रेन्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के टाइम पे फ्रेन्स की डेफिनेशन भी कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है मीथेन इथेन के अंदर अगर क्लोरीन फ्लोरीन लगा दोगे मतलब सारे कार्बन को रिप्लेस करके क्लोरीन फ्लोरीन लगा देते हो तो उसको हम लोग फ्रेउन्स बोलना शुरू करते हैं एक्सट्रीमली स्टेबल होते हैं अनरिएक्टिव होते हैं नॉन टॉक्सिक होते हैं अब ये क्यों पढ़ा रहा हूँ क्योंकि उसके पीछे का एक रीजन है ध्यान सुनना उसके पीछे एक रीजन है क्या ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं कि ये स्टेबल है नॉन स्टेबल है नॉन क्रोजिव है इजिली लिक्विफिएबल गैसेज हैं ठीक है सबसे ज़्यादा जो यूज हो रहा होता है इनको हम बनाने के लिए स्वार्ट रिएक्शन यूज़ करते हैं क्यों क्योंकि इसके अंदर फ्लोरीन होता है फ्लोरीन के लिए फिंकल स्टीन नहीं होता फिकल स्टीन आयोडिन के एक्सचेंज के लिए होता है स्वार्ट रिएक्शन यूज होता है फ्लोरिन के यूज़ के लिए तो ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं आज के टाइम पे एटमोस्फेयर में जाके ये फिर से वही क्या कर रहे हैं ऑब्वियस है ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं जितने भी फ्लोरिन फ्लोरिन कंपाउंडस हैं ओजोन लेयर के डिप्लीशन में ही काम आते हैं ओजोन लेयर के डिप्लीशन में ही काम आते हैं

सब लोग बायो स्टूडेंट हैं हमें पता है डीई टी कहाँ पे था कैसे था लेकिन हाँ डीई टी के सोचो उस आदमी को हमने नोबल प्राइज दिया है इसी से लगता है जो चीज जब शुरुआत में इन, मतलब इन्वेंट होती है ना उस टाइम हमें बहुत अच्छा लगता है लेकिन जब धीरे धीरे पता चलता है कि अभी यार इसके कारण ही तो क्या हो गया इसके कारण ही आज के टाइम पे हमारा फूड चेन या बहुत सारी चीजों में दिक्कत आई है आज के टाइम पे फैट सॉलिबिलिटी के कारण देख लो ये फैट सॉलिबिलिटी कंपाउंड इसके कारण ही केमिकल स्टेबिलिटी और उसकी फैट सॉलिबिलिटी ये सब चीज़ें ना आज के टाइम पे थोड़ा एनसीआर टी खतरनाक हो गई हमारी बॉडी में ये क्या होता है धीरे धीरे क्या होता है डिपॉजिट होते रहता है स्टोर्ड इन आवर फिट फैटी टिश्यूज ठीक है और ये टाइम के साथ लंबे टाइम में क्या करता है ये सब कुछ अपने पास बेकार कर रहा था हमारा पूरा फूड चेन टॉक्सिक कर देता है ये पूरा फूड चेन टॉक्सिक कर देता है मतलब फिसिस को मार देगा इसको मार देगा उसको मार देगा तो ये डी का काम होता है ठीक है तो ये पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स का आपको ध्यान रखना है ओके चलो तो अब मेरे पास पूरा चैप्टर भाई पूरा का पूरा चैप्टर हमने हेलो हेलो हमनेलोर जितना हो सकता है कम टाइम में जितना ज़्यादा कंटेंट दिया जा सकता है मैंने दिया है अगर आपने पूरा लेक्चर फॉलो किया है तो प्लीज इसके बाद अल्कोहल एल्कोहल ईथर्स आएंगे उसको फॉलो कीजिएगा और इस चैप्टर को जितना रिएक्शंस एन बेस्ड हो सकती हैं या थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती हैं वो सब कुछ मैंने कराने की कोशिश करी है मैकेनिज्म सारी करी हैं और थोड़ी उम्मीद भी करी है कि आप इलेवन थोड़ा रिवाइज करेंगे एक चैप्टर में एक हफ्ते का या दो हफ्ते गैप आता है तो उसमें आप ट्राई करें कि आप रिविजन इतना ज़्यादा हो सकता है पीछे ही कर लें क्योंकि ये सारा पोर्शन ना अब सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और उसके ऊपर बेस्ड हो गया है कि मतलब अब जैसे जैसे आगे जाएंगे सिर्फ रिएक्शंस होंगी तो जिन लोगों का बेसिक्स नहीं आता उनको लगता है यार पूरा चीज़ रटनी पड़ रही है लेकिन यार जी सी इन सब जगहों पे बहुत सारी बेसिक चीज़ें कवर की जाती हैं अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं जहाँ जहाँ आ रहा है इसको पढ़ते जाइए और कोशिश कीजिए भाई अपना चैप्टर अच्छा कीजिए और ज़्यादा अच्छे से जितना हो सकता है लिख लिख के कीजिए ये नोट्स आपको मिल जाएंगे उससे उठा के कर लीजिए बस कोशिश कीजिए कि इस साल सिलेक्शन लेके जाना है ओके तो चलो भैया थैंक यू सबको और इतना लंबा झेलने के लिए और अगली क्लास में मिलते हैं तब तक के लिए ओके बाय बाय